अथ चेत्त्वा मि मम न सङ्ग्राममकरिष्यसे ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाक्षसि लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपैक्टफुल लाइविंग प्लेटफॉर्म इज फिजिक्स वाला तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाईयों और बहनों अगर आप अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को देख पा रहे हैं एंड सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लगा दीजिए फटाफट से भारत माता की जय भारत माता की जय का नारा जयकारा लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या बात है क्या बात है क्या बात है गुड आफ्टरनून दिल से दिल से स्वागत है आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन के इस अमेजिंग से बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका दोस्त आपका मेंटर आपका बड़ा भाई सुनील भैया तो दोस्तों ये चैप्टर की कब से सबसे ज्यादा डिमांड थी बहुत टाइम से सबसे ज्यादा डिमांड थी एंड मैं आपको रीजन भी बता देता हूं कि अगर आप क्लास टेंथ के बच्चे हैं चाहे सीबीएसई के चाहे आईसीएससी के आईसीएससी वाले चलो कक्षा आठवीं में कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन सीबीएसई वालों के लिए चैप्टर इसीलिए डिफिकल्ट पड़ जाता है क्योंकि जीवन में पहली बार कार्बन को देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेस करते हैं और दूसरी दुखद बात यह है कि एनसीआरटी ने तोड़ फोड़ के कंसेप्ट को दिया हुआ है एक कंसेप्ट दिया फिर तोड़ा 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 तोड़ा

एक चीज कहना चाहूंगा चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा नया है अभी जब मैं मैं ऑफिस आ आ रहा रहा था था क्लास लेने के लिए के लिए संडे दिन आ रहा था, तो मैं पूजा करता करते समय बजरंग महाराज को आज एक बात बोली मतलब मैं रेगुलरली बोलता हूं लेकिन आज थोड़ा स्पेसिफिकली बोली ये चौपाई मैंने बोली कि अर्थात ऐसा कौन सा काम है बजरंग बली महाराज जो तुमसे नहीं हो सकता तो आज मुझे ताकत देना ताकि मैं इसे पढ़ा सकूं और मेरे बच्चों को ताकत देना कि वो इसे आठ से नौ घंटा मुझसे सुन सके तो अगर आप भी जिस भी सोर्स पे विश्वास करते हैं प्लीज याद करिए खाने पीने का सामान अपने साथ रखिए

इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंडिकेशन सेशन एंड सोप एक्शन तो इतनी सारी चीजें आज हम कवर करेंगे खाने पीने का सामान साथ रखिए पानी की बॉटल साथ रखिए खुद को आइसोलेट कर दीजिए कोने में चले जाइए कॉपी पेन उठा लीजिए मजा आने वाला है ठीक है चलिए तो फिर चालू करते हैं मेरे दोस्तों उसके साथ साथ सुनील भाई आप क्या देंगे मैं कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल कराऊंगा सैंपल पेपर में आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगा

वो आप जब देखेंगे सवाल को तो ऑटोमेटिकली खुद से भी कर लेंगे मतलब सब आसान हो जाएगा तो सारी चीजें हो जाएंगी तो आप लोगों का क्या हो जाएगा मजा आ जाएगा ना मीडू ओपी लगेगा नहीं लगेगा हाजी भी ओपी लगेगा चलो तो सबसे पहला ये चीज है क्या आप जो पढ़ाना चाहते हैं केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स क्या है ये मतलब ये ऑर्गेनिक क्या होता है ये इनऑर्गेनिक क्या होता है इसकी डिबेट आज से नहीं चल रही इसकी डिबेट कई सालों से चलती आ रही है और अभी तक अभी तक कि जो सबसे डेफिनेशन है, मैं आपको वो बताऊंगा लेकिन ओल्ड से लेकर अभी तक की न्यू तक हम एक जर्नी को ट्रेवल करने वाले हैं तो चलिए इस जर्नी की हम शुरुआत करते हैं यहां पर अर्ली थ्योरी अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स शत प्रतिशत फोकस यहां पे चैट को छोड़ दीजिए आपको पढ़ना है सिर्फ देखिए मेरे दोस्त यहां पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक एक चीज पॉइंटर बाय पॉइंटर समझाऊंगा सबसे पहले एटीनथ सेंचुरी की बात है जब कंपाउंड्स जिनको हिंदी में यौगिक कहते हैं जिनको हिंदी में यौगिक कहते हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एटीनथ सेंचुरी की बात है जब कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया कि भाई एक ऑर्गेनिक होगी एक इनऑर्गेनिक होगी ऑर्गेनिक शब्द का मतलब क्या है सुनील भाई तो ऑर्गेनिक शब्द का एक्चुअल मतलब था परटेनिंग टू लाइफ यानी जब भी हम ऑर्गेनिक की चर्चा करेंगे तो हम ऐसी चीजों से रिलेट करेंगे जो जिंदा चीजों से रिलेटेड है परटेनिंग टू लाइफ यानी जिंदा चीजों की बातें हो रही है या ऐसी चीजें जो जिंदा चीजों से मिल रही है आप समझ रहे हो लिविंग थिंग्स यानी रिलेटिंग टू लिविंग थिंग्स तो सुनील भैया ऑर्गेनिक शब्द का मतलब है जब हम लिविंग थिंग्स से कनेक्ट करते हैं तो एटीन सेंचुरी में कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में बांटा पहला ऑर्गेनिक दूसरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक शब्द का मतलब है जब हम जिंदा चीजों से खुद को लिंक करते हैं रिलेट करते हैं दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक तो ये दो कैटेगरीज में क्या क्या चीजें की गई तो लोगों ने बोला कि कंपाउंड्स जैसे कि आपका यूरिया हो गया चीनी हो गई ऑयल हो गया जो आपको डायरेक्टली या फिर आपको इनडायरेक्टली मिलता है लिविंग सोर्सेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल से इनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे और लोगों ने बोला कि जो केमिस्ट्री केमिस्ट्री की जो ब्रांच इन चीजों से बातें करेगी या इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेगी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी ठीक है भाई दो कैटेगरी में बांटा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मतलब ऐसे कंपाउंड जो हमें जिंदा चीजों से मिले प्लांट से मिले एनिमल से मिले डायरेक्टली मिले चाहे इनडायरेक्टली मिले ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनको जिस केमिस्ट्री के अंडर हम पढ़ते हैं दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बात सरल है जीविया बात नंबर एक समझ में आई हाँ बात नंबर दो समझ में आई हाँ अब कंपाउंड्स जैसे कि आपका सॉल्ट मार्बल अलम जो आपको कहां से मिलते हैं नॉन लिविंग सोर्सेस जैसे कि रॉक्स एंड मिनरल से मिलते हैं इनको अपन इनऑर्गेनिक बोलेंगे ठीक है और इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ समझ में आ रही बात? समझ में आ आ रही रही बात? बात? तो सुनील भैया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लोगों ने यह समझा कि जो जिंदा चीजों से कंपाउंड्स मिलते हैं लाइक प्लांट से मिले चाहे एनिमल से मिले डायरेक्टली मिले चाहे इनडायरेक्टली मिले ऑर्गेनिक और जो बाकी नॉन लिविंग थिंग्स यानी ऐसी चीजें जो जिंदा नहीं है जैसे रॉक से मिल रहे हैं मिनरल से मिल रहे हैं बोला ये सारे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक है और इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये लोगों का अर्ली बिलीफ था ऐसा लोग मानने लगे थे अब जब ऐसा लोग मानने लगे तो एक बहुत प्रसिद्ध केमिस्ट है जिनका नाम है बर्जीलियस जिनने केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया बढ़िया योगदान दिए जिसका सबसे बढ़िया योगदान जो मैं मानता हूं वो है केमिकल सिंबल्स जो आप केमिस्ट्री में आज भी केमिकल सिंबल लिखते हैं कि कार्बन का सिंबल सी है मैग्नीशियम का एम Mn है इसके पीछे के मास्टर जो है साहब बर्जीलिय .E. आज भी उन्हीं के रूल्स को फॉलो करता है तो बर्जीलिय साहब एक थ्योरी लेकर आए जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी तो क्या माना गया अंटिल अर्ली नाइनटीन सेंचुरी इट वॉज बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर इन टू लेबोरेटरी बट कैन ओनली बी आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट इज लिविंग सोर्सेस समझ रहे तो लोगों का यह बिलीव सिस्टम था अर्ली नाइनटीन सेंचुरी तक भी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जिंदा चीजों से मिलेंगे जिंदा चीजों से मिलेंगे लाइक प्लांट्स एंड एनिमल से मिलेंगे बस इतना लोगों के दिमाग में था बोले ठीक बर्जीलियस बोले ठीक है तो फिर मैं एक बात बोलता हूं बोले क्या बोलेंगे आप बोले देखो सुनो तो बर्जीलियस जो स्वीडिश केमिस्ट थे 1815 में एक बात कहते हैं कहते हैं आइए सोचने वाली बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जिंदा चीजों से मिलते हैं भाई प्लांट से मिल रहे हैं एनिमल से मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा इनके अंदर एक जादुई फोर्स है क्या है एक जादुई फोर्स है और इस जादुई फोर्स से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं समझ समझो कोई प्रूफ नहीं था भाई के पास अपना एक्सप्लेनेशन जैसे होता है ना इस घर में लोग नहीं जाते क्योंकि उसमें भूत है तो इसमें भाई का क्या था भाई ने ये बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दीज आर प्रोड्यूसड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्सेस एग्जिस्टिंग ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दिस मिस्टीरियस फोर्स was कॉल्ड वाइटल फोर्स तो बोला यह फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फोर्स आपके लिविंग सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स में है जिस वजह से वह ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अठारह में बर्जिलियस ने बात कह दी कह दी ठीक है आप देखिए क्या होता है अगली चीज अब वोहलर सिंथेसिस अब वोहलर साहब ने गलती से गलत साबित कर दिया ध्यान से सुनना गलती से गलत साबित कर दिया क्या बोल रहे हो आप किसको गलत साबित कर दिया बोले बर्जिलियस को था ना अरे भैया मेरी क्या गलती थी तुम्हारी गलती कुछ नहीं थी भगवान कराना चाहते थे इसलिए हो गया वॉलर कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया समझ रहे हो ये कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया और बर्जीलियस की थ्योरी गलत साबित हो गई अभी तक हम क्या मान रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिंदा चीजों से मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से, एनिमल से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग सोर्सेज लाइक रॉक्स एंड मिनरल से मिलते हैं बर्जीलियस ने आके एड ऑन किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसीलिए लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं क्योंकि उनमें एक जादुई फोर्स है वाइटल फोर्स ये क्या कि वो चले गए वॉलर ने अब कैसे इनको गलत साबित कर दिया अब देखिए वॉलर ने क्या किया अठारह की बात है फ्रेडरिक वॉलर जो कि एक जर्मन केमिस्ट है उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी कर डाली उन्होंने गलती से यूरिया अब यूरिया क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैसे इट इज अ वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोलेटेड फ्रॉम द यूरिन ऑफ ह्यूम एंड अदर मैमल्स मतलब इंसानों के यूरिन में एंड अदर मैमल्स के यूरिन में यूरिया पाया जाता है और हम तो जिंदा है है ना तो यहां पर अभी तक जो हम मान रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे लिविंग सोर्सेज में मिस्टीरियस फोर्स है ये तो गलत हो गया क्यों भाई लेबोरेटरी में बनाया ना आपने आप तो लेबोरेटरी में बना दिए अभी आप क्या कह रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिंदा चीजों से मिलते हैं तो बर्जीलियस उस पर ऐड करते हैं कि भाई साहब उनमें जादुई फोर्स है मान लिया हमने वाइटल फोर्स है ठीक तो मेरे दोस्त ये लेबोरेटरी में कैसे बना दिया भाई साहब ने गलती से तुमको गलत साबित कर दिया और गलती से बनाया जानबूझ के नहीं गलती से बनाया वो तो भाई साहब क्या कर रहे थे देखो भाई साहब क्या कर रहे थे अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट की एक रिएक्शन करवा रहे थे ठीक है अब जो बच्चे अपन से पढ़े हैं उनको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये कटायन आई ये होप आपने केमिकल रिएक्शन देखा है मेरे से ये कटायन और ये अनायन ठीक है तो ये मालिक क्या कर रहे थे इनको हीट कर रहे थे ये कटायन ये अनायन ये कटायन अनायन. ये कटायन इस अनायन के साथ जाएगा तो क्या बनेगा क्या बनेगा एनएच फोर सी साथ ही साथ केसीएल बनेगा फर्दर फर्दर इसी मिक्सर का क्योंकि हीट तो कर ही रहते यहां पर क्या हो जाता है रीअरेंजमेंट हो जाता है क्या हो जाता है दोस्त रीअरेंजमेंट हो जाता है और रीअरेंजमेंट क्या बनता है आपको पता है, बनता है NH2, CO, NH2. दो नाइट्रोजन चार हाइड्रोजन दो नाइट्रोजन चार हाइड्रोजन एक कार्बन एक ऑक्सीडन एक कार्बन एक ऑक्सीडन बन गया क्या बन गया यूरिया बना दिया आपने लेबोरेटरी के अंदर भाई साहब भाई साहब देख रहे हो आप देख रहे हो आप खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान है ना भाई साहब गधे को गुलाब जामुन मिल गया थोड़ा तो अच्छे आदमी होंगे बढ़िया आदमी होंगे लेकिन सिचुएशन क्या है कर कुछ और रहते हो कुछ और गया इसमें बर्जिलियस को क्या हो गया समझ रहे हो बेचारा बर्जिलियस को जबरदस्ती मारा गया <laughs> बर्जिलियस टक बाय क्यों लेबोरेटरी में बना दिया थ्योरी गलत हो गई उनकी अब इंटरेस्टिंग चीज ये दोनों के दोनों आपके ये दोनों के दोनों आपके क्या है आपको नाम बताता हूं पहले यह है अमोनियम क्लोराइड है ना और यह बेसिकली आपका क्या है पोटेशियम साइनेट ठीक है मजे की बात आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कैसे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो आप सोचिए लेबोरेटरी में दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके महाराज ने पोटेशियम साइनेट और पोटेशियम अमोनियम साइनेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाया अमोनियम साइनेट पोटेशियम क्लोराइड फर्दर हीट पे रीअरेंजमेंट हुआ यूरिया बन गया अब इससे क्या हुआ बर्जील की थ्योरी बाय बाय हो गई और यही अंत नहीं है यही अंत नहीं है काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपकी लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल कोलबे ने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में 1845 में बर्थिलोच ने आपका मीथेन प्रिपेयर किया 1856 में तो इससे यह साबित होता है कि कोई जादुई फोर्स आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं है अरे आप लेबोरेटरी में बना रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेरे दोस्त ठीक है सो विद दिस दैट ब्लो का मतलब होता है डाउनफॉल हटा देना उस थ्योरी को for फोर्स रिक्वायर्ड फॉर organic ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑरेंज कलर का एक डब्बा दे रखा है छोटा सा लेकिन इसीलिए मैंने आपको पढ़ा है ताकि आपका वार्म अप भी हो जाए आपको मजा भी आए तो सुनील भाई अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है फिर जब आपने वाइटल फोर्स थ्योरी को ठुकरा दिया तो मॉडर्न डेफिनेशन भी बता दीजिए तो मॉडर्न डेफिनेशन यहां पर क्या है उसको समझते हैं पहला पॉइंटर समझते हैं सबसे पहले अब ऑर्गेनिक को जो ऑर्गेनिक नाम दिया हुआ है कहीं ना कहीं वो नाम अपने आप में जस्टिफाई नहीं करता और वो आज भी नहीं करता क्यों मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिक शब्द का मतलब होता है जो जिंदा चीजों से रिलेटेड हो और जब ऑर्गेनिक शब्द दिया गया या इनऑर्गेनिक शब्द दिया गया तब लोगों ने दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिंदा चीजों से मिलेंगे इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग थिंग्स से मिलेंगे लेकिन आज हमें यह समझ में आता है, मतलब तो है। जिंदा चीजों से जरूरी क्या आइसोलेट होंगे आप तो लेबोरेटरी में बनाने का दम रखते हैं ना आपने यूरिया बना डाला आपने मीथेन बना डाली आपने एसिटिक एसिड एसेट बना डाला तो इसका यह मतलब है कि इसका असली मतलब यह खो चुका है ठीक है सो इट लॉस्ट इट्स ओरिजिनल मीनिंग आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द वाइटल फोर्स थ्योरी लेकिन स्टिल हम इसको ऑर्गेनिक ही बोलते हैं तो आप अब ऑर्गेनिक ही प्रचलन में है शब्द तो ऑर्गेनिक ही प्रचलन में रहेगा अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे मेरे राजा बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव यानी कि जो आप फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड पढ़ते हैं ना अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन ये सारे के सारे मेरे राजा बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं और इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को जहां पर हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की चर्चा करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं लेकिन अब जहां केमिस्ट्री आती है वहां कुछ कुछ एक्सेप्शन लेकर आती है तो बहुत सारे लोग इन एक्सेप्शन को डिफाइन करने के लिए अपनी अलग एक व्यू पॉइंट देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने का कुछ कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए तो कुछ कुछ अपनी अपनी कंडीशंस लोग डिफाइन करते हैं तो आप याद रखना कि ऐसा नहीं कार्बन देखते बोलो हाँ ये कार्बन है तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ऐसा नहीं है सम कार्बन कंपाउंड लाइक ऑक्साइड ऑफ कार्बन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनेट्स एंड बाय कार्बोनेट्स आर स्टिल स्टडीड अंडर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोनेट बाय कार्बोनेट ऑक्साइड ऑफ कार्बन को कहां पढ़ना है राजा बेटा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है आई होप समझ में आ रहा है कौन कह रहा है रिकॉर्डेड है बेटा रिकॉर्डेड लग रहा है क्या इधर हाथ हिल रहा है देखो कैसे रिकॉर्डेड है कैसे रिकॉर्डेड है ठीक है तो आप चैप्टर को यहां से स्टार्ट करते हैं सुनील भाई आपने ऑर्गेनिक पढ़ा दिया आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा दिया और जिनको सिर्फ एनसीआरटी पढ़नी है वो शायद यहां से जा सकते हैं क्योंकि एनसीआर पढ़ाने के लिए मैं यहां नहीं खड़ा एनसीआरटी पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर बहुत हैं आप जाकर पढ़ सकते हैं उनसे टूटा फूटा फ्लो पढ़ा देंगे फिर पढ़ लेना मैं तो पूरा फ्लो पढ़ाऊंगा जो एक्चुअल है रियलिटी है वो पढ़ाऊंगा भली आठ घंटे लगे भली नौ घंटे लगे ठीक है हाँ चलो अब ये जरूरी क्यों है पढ़ना ये आपके दिमाग में पहला सवाल आता है कि मैं पढ़ू क्यों इस चैप्टर को क्या रीजन है कार्बन का रीजन क्या है आप आसपास में जितनी चीजें आपके देख रहे हैं वो सब की सब कार्बन या उसके कंपाउंड्स हैं। देखिए ये तो मैंने कुछ एप्लीकेशंस आपको बताई हैं। कि सारे के सारे कार्बन या उसके कंपाउंड्स हैं। कोयला कैरोसिन इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी में आपका 18 परसेंट कार्बन होता है एलपीजी पेट्रोलियम टी ग्रेन्स कॉफी पाउडर लकड़ी साबुन चीनी एंटीबायोटिक्स कॉटन इतनी सारी चीजें कार्बन से बनी है सो कार्बन इट्स कंपाउंड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स टन्स ऑफ एप्लीकेशन समझ में आ गई क्या बात क्लियर है क्या बात इसीलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी डेली लाइफ की हर वो चीज जो आप देखते हैं भाई लकड़ी देख रहे हैं आप कैरोसिन देख रहे हैं कोयला देख रहे हैं पेट्रोलियम देख रहे हैं पेट्रोल देख रहे हैं सोप देख रहे हैं शुगर देख रहे हैं एंटीबायोटिक देख रहे हैं कॉटन देख रहे हैं अदर फाइबर्स देख रहे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब चीजें कार्बन से बनी है तो ये इसकी इंपॉर्टेंस को जताता है इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ले अगर आपसे तो ये दो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर बैठते हैं कि अगर आप अर्थ क्रस्ट को एनालाइज करते हैं या हवा को एनालाइज करते हैं तो आप कहते हैं सुनील भाई कार्बन की तो बहुत कम इज्जत है लेकिन स्टिल इसकी काफी सारी एप्लीकेशन होने की वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल बन जाता है जिसकी वजह से हम इसे आज पढ़ेंगे ठीक है दोस्त ठीक है दोस्त आप देखिए अर्थ के क्रस्ट में यानी लिथोस्फीयर में पहले पेज पे फैक्ट लिखा हुआ है आपकी किताब के अंदर पहले पन्ने पे तो जमीन की अगर हम बात करते हैं लिथोस्फियर की अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इट हैज़ तो ओनली पॉइंट जीरो टू परसेंट कार्बन यानी टोटल जब अर्थ क्रस्ट में सारे हम मिनरल्स के बारे में चर्चा करेंगे तो सिर्फ पॉइंट जीरो टू परसेंट कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कोल एंड पेट्रोलियम वेरी लो कॉन्ट्रीब्यूशन वेरी लो कॉन्ट्रीब्यूशन तो फिर पढ़ क्यों रहे इसकी न्यूमेरस एप्लीकेशन की वजह से ऐसे ही एटमोस्फियर का सुनो एनसीआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू का पहला सवाल यहां से होगा एनसीआरटी एग्जाम्पलर पहला एमसीक्यू यहां से खत्म होगा ध्यान से सुनना कार्बन एटमोस्फियर में कैसे प्रेजेंट है कार्बन एटमोसफियर में प्राइमरीली आपके इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमोसफियर यानी ये जोन जहां पर हवाएं हैं मिक्सचर ऑफ गैसेज है लिथोस्फीयर मतलब जमीन एटमोस्फेयर मतलब हवा हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्मेट मतलब कार्बन CO2 के फॉर्मेट में है और इसकी कंसेंट्रेशन मात्र पॉइंट जीरो थ्री परसेंटेज है एंड साथ ही साथ एटमोस्फेयर में ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो एनसीआरटी एग्जाम्पल का पहला एमसीक्यू सॉल्व हो गया कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म्स में है तो प्राइमरीली तो सीओ टू के फॉर्मेट में है एटमॉस्फेयर में और ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलते हैं एटमॉस्फेयर की कंसेंट्रेशन है एक और क्लियर करूंगा अब जब आया हूं तो मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन सेवेंटी एट पॉइंट जीरो एट परसेंटेज उसके बाद है ऑक्सीजन ट्वेंटी पॉइंट नाइन फाइव परसेंटेज उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है उसके बाद है आर्गन पॉइंट नाइन थ्री परसेंटेज उसके बाद है सीओ टू पॉइंट जीरो थ्री परसेंटेज एंड उसके बाद समझ तो में आया ये कंसेंट्रेशन याद रखना तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस सीओ टू नहीं है पहली है नाइट्रोजन फिर है ऑक्सीजन फिर है आर्गन फिर है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर है रेस्ट गैसेस तो अगेन वेरी लो कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट तो फिर इंपॉर्टेंट क्यों है इंपॉर्टेंट क्यों है स्टिल कार्बन इज इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स टंस ऑफ एप्लीकेशंस यह आपको समझना पड़ेगा अगर आप एनालिटिकल माइंडसेट से जाते हैं तो आप यह देखते हैं कि धरती में सिर्फ पॉइंट जीरो टू परसेंट कार्बन है और हवा में पॉइंट जीरो थ्री परसेंट कार्बन है सीओ टू के फॉर्मेट में जब इतना कम होने के बावजूद भी हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी है हमारे आस में इसी वजह से हम इसे पढ़ते हैं तो, तो यहां से एनसीआरटी की पहली एक्टिविटी चालू करते हैं सवाल मैं पूछूंगा आंसर आप करेंगे कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट वेदर अ कंपाउंड कंटे कार्बन और नॉट अगर मैं आपसे पूछता हूं या सीबीएसई आपसे पूछता है कि सुनील भाई या प्यारे बच्चों अगर आपको यह बताना है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर आपका कार्बन है तो मेरे राजा बेटा आप कैसे बताएंगे है ना वॉट वुड बी द प्रोडक्ट इफ carbon कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बंट डू यू थिंक ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस एनसीआरटी की पहली एक्टिविटी कार्बन एड कंपाउंड कैसे हा अरे वा, 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 ये है अपने प्यारे बच्चे ये है अपने प्यारे बच्चे क्या बात है मजा आ गया क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उड़ानियंस 1.0, 3.0 वाले भी आ गए क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है ओपी 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 अपने बच्चे क्या बात है अपने बच्चे अपने बच्चे ओपी एकदम ध्यान से सुनना राजा बेटा ध्यान से सुनना तो वॉट हैपन इफ विल स्टार्ट टू बर्न एनीथिंग दैट कंटेन्स कार्बन ऑन बर्निंग अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इट विल प्रोड्यूस एन ओडरलेस एंड कलरलेस गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी चीज में कार्बन है और अगर आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली में कंबशन के दो प्रकार हैं बर्निंग और स्मॉलिंग डिटेल में बताऊंगा आगे चल के इसी चैप्टर में तो अगर आप इसको जलाने की कोशिश करते हैं मेरे राजा बेटा तो कार्बन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सीओ टू बनाता है साथ ही साथ हीट बनाता है और साथ ही साथ लाइट निकालता है कौन सी फॉर्म में है सॉलिड गैस गैस। तो कोई भी चीज जिसमें कार्बन है हम उसे जला देंगे और जलाने से क्या निकलेगा क्या निकलेगा सीओ टू निकलेगा सुनील भैया कार्बन है हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा सीओ टू निकालेगा साथ में हीट निकालेगा साथ में लाइट निकालेगा क्या बात है अब आप इसको कैसे कंफर्म करते हैं तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है कंफर्मेटरी टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है पहला जलती भी फ्लेम को बुझा देती है हेल्प ऑफ स्मोदरिंग दूसरा यहां से जो सीओ टू निकले आप क्या कर दीजिए आप उसको लाइम वाटर पे पास कर दीजिए किससे? पे पास कर दीजिए। यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पर अगर आप पास करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करके क्या बना देगी CaCO3 सीओ थ्री बना देगी कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी वजह से सोल्यूशन क्या हो जाएगा सोल्यूशन टर्न्स, मिल्की और टर्बिड यानी सोल्यूशन धुंधला होने लग जाएगा दूधिया होने लग जाएगा बिकॉज ये क्या है ये व्हाइट इनसॉल्यूबल सॉलिड है सफेद इनसॉल्यूबल सॉलिड है ठीक है तो कार्बन जिसके अंदर है उसे हम जलाएंगे उससे सीओ टू निकलेगी उस सीओ टू को लाइम ऑर्डर में डालेंगे और वो लाइम वाटर को क्या कर देगी लाइम वाटर को मिल्की कर देगी या टर्बिड कर देगी जिससे कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर जो सब्सटेंस था जिसे हमने जलाया था उसमें कार्बन था क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया अगर कुछ बच्चे यहां पर चाहें तो आप यह भी कर सकते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आप क्या कर दीजिए नीला लिटमस पेपर गीला करके ले आइए उसको लाल कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड के कंफर्मेटरी टेस्ट कौन कौन से हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है आप मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ले आइए मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ले आइए तो इसके अंदर जो पानी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे रिएक्ट करके एसिड बनाएगा कार्बोनिक एसिड जिस वजह से क्या हो जाएगा ये बेसिकली क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रेड क्या हो जाएगा इट विल टर्न रेड तो ये दूसरा तरीका हो गया तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है एक्सटिंग बर्निंग स्प्लिंटर जलती भी माचिस को बुझा देती है है ना ये भी करती है क्या बात है तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट हो गए तो ये आपका अगर पहला टेस्ट हुआ तो ये दो टेस्ट और मैंने आपको दे दिए ठीक है दोस्त जी चलिए आगे चलते हैं नाउ इंट्रोडक्शन टू द कोवेलेंट बॉन्ड यह कोवेलेंट बॉन्ड है क्या बॉन्ड क्या है सो so बॉन्ड होता क्या है बॉन्ड क्या होता है अ केमिकल बॉन्ड इसको अगर डिफाइन करें सो इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स अब ये पार्टिकल्स तो यहां पर आप डिफाइन कैसे करेंगे चाहे वो एलिमेंट के आइटम्स हो सकते हैं चाहे वो कंपाउंड्स के बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है मतलब डिफरेंट के बीच में एंट्रैक्शन हो सकता है ठीक है ना बिटवीन पार्टिकल्स दैट इज एटम्स में हो सकता है आयंस में हो सकता है इसीलिए मेजर कैटेगरी लिख दे रहा हूं सिर्फ पार्टिकल्स ठीक है तो एक्चुअल में क्या है सरल भाषा में क्या होता है केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपके पार्टिकल्स के बीच में जिसकी वजह से किसी भी कंपाउंड का आप सोच सकते हैं कि निर्माण हो रहा है ठीक है आइए कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं तो ये देखिए ध्यान से समझना ये आपके सुनील भैया हैं, ठीक है थीके? है ना और ये कौन है आपके मोहित भैया है जानते हैं मोहित भैया को जी भैया जानते हैं ध्यान से सुनना आप तो ये सुनील भैया है ये मोहित भैया है ठीक हाँ सुनील भैया के पास फॉर एग्जाम्पल पचास हजार रुपए हैं फिफ्टी थाउजेंड रुपीज है मोहित भैया के पास पचास हजार रुपए है ध्यान से सुनना कितने कितने पचास हजार मेरे पास है पचास हजार इसके पास है ठीक और ये जो गाड़ी है हा क्या गाड़ी लिए मजा आ गया ये कार, कार कितने की है एक लाख रुपया की है ठीक है अब ध्यान से सुनो मैं शोरूम में गया और मैंने कहा मैं तो यह गाड़ी खरीदूंगा भैया यार एक लाख रुपए की गाड़ी लेकिन अकाउंट में पचास हजार गाड़ी खरीदूंगा भैया लेकिन पचास हजार रुपए है तो दुकानदार ने कहा दोनों दोनों बाहर निकलो पहले एक लाख रुपए लेके आओ और फिर गाड़ी लेकर जाना अब हम दोनों बाहर आए हमने कहा यार भाई देख पचास हजार तेरे पास है पचास हजार मेरे पास है एक काम करते हैं ना मैं खुश होऊंगा जब मैं गाड़ी लूंगा तू खुश होगा जब तू गाड़ी लेगा तो मेरे भाई ऐसे नहीं कर सकते कि अपन अपन अपने पैसे को मिला लेते भाई पचास तेरी तरफ से जाएंगे पचास ये मेरी तरफ से जाएंगे तो कार इज परचेस्ड परचेस्ड विद शेयर्ड ओनरशिप समझ रहे हो शेयरिंग करी हमने तो तीन दिन गाड़ी मैं लेके जाऊंगा तीन दिन गाड़ी तू लेके जाना और एक दिन गाड़ी को रेस्ट करवाएंगे पचास हजार रुपए मेरे पास है मैं अकेला पचास हजार रुपए और गाड़ी एक लाख रुपए की तो तू डाल 50 में डालता हूं एक लाख रुपए की गाड़ी उठाते हैं तीन दिन तू ले जाना तीन दिन में ले जाऊंगा एक दिन गाड़ी रेस्ट करेगी ठीक है भैया हो गया खुश यही तो कोवेलेंट बॉन्ड है यही तो कोवेलेंट बॉन्ड है अब कुछ इसी प्रकार से कुछ इसी प्रकार से सिमिलरली नॉन मेटल्स जो होते हैं यानी जो अधातु होते हैं नॉन मेटल्स क्या करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं क्या करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सुनील भैया नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं अरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उसके लिए मेटल चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन घटक के और खुद को स्टेबल करे अब मान लो उसको मेटल नहीं मिला तो तो नॉन मेटल नॉन मेटल आपस में कॉम्प्रोमाइज करके शेयरिंग करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल समझ गए राजा बेटा ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स को बांट लेते हैं ताकि ये जीवन में स्टेबल हो सके तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हैं टू बिकम स्टेबल देखो मेटल मिल गया तो सीधा मेटल का इलेक्ट्रॉन घटक जाएंगे और खुश हो जाएंगे और नहीं मिला तो आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन्स को बांट लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे कैसे देखो बात करते हैं यहां पर हाइड्रोजन की किसकी हाइड्रोजन की हाइड्रोजन क्या है सुनील भाई हाइड्रोजन नॉन मेटल है ठीक है समझदार हो तो नॉन मेटल है क्या है नॉन मेटल है ठीक है क्लियर है बात भाई ये नो वॉइस की स्पेमिंग कहीं और करो जाके है ना नो वॉइस की स्पेमिंग कहीं और करो जाके ठीक है हा वरना फालतू हाइड यूजर फ्रॉम द चैनल हो जाएगा तो फिर कभी जीवन में लिख नहीं पाओगे कॉमेंट समझ गए हाँ ठीक है ये एक ही बच्चा है जिसको नो वॉइस आ रही है बेटा तुम्हारा क्या है जो फोन का स्पीकर है वो खराब है या कान का पर्दा खराब है दोनों में से एक चीज खराब है ठीक है हाँ क्लियर है बात ठीक है चलो ध्यान से देखो अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल है एच और हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल है एच हाइड्रोजन क्या है नॉन मेटल है हिंदी भाषा में इसको अधातु बोलते हैं क्या बोलते हैं अधातु बोलते हैं ठीक है हिंदी भाषा में इसको क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में इसको अधातु बोलते हैं हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल है एच इधर है एच अटोमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटोन पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं एक बैलेंस करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी होते हैं सेम यहां पर भी यही होगा ठीक है हाँ। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए कौन से इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से ये वाले शेल के जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स

तो ये मेरा जो है शेल ये कौन सा शेल है ये के शेल है ये एक्चुअली में कौन सा शेल है के शेल है कौन सा शेल है के शेल है तो ये कह रहा है कि अगर आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे दे तो मेरे बाहरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और अगर के शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा रूल लग जाएगा तो ये बोलता है कि तू मेरे को दे दे ये कह रहा है कि तू मेरे को दे दे अब ये वाला ज्यादा समझदार है ये वाला ज्यादा समझदार है ये वाला क्या करेगा ये वाला ज्यादा समझदार है ये क्या करेगा एक बच्चा कह रहा है मीथेन रह गया बेटा NCRT का का फ्लो फ्लो नहीं चल रहा सुनील भैया है सब होगा आगे चल के ठीक है एनसीआर का फ्लो फॉलो नहीं कर रहा हर चीज में अब देखो इनके बीच में ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे अब इस शेयरिंग का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा है और ये भी मेरा है तो इससे क्या हो जाएगा कि मैं स्टेबल हो जाऊंगा तो दूसरा हाइड्रोजन कह रहा है इसका मतलब मैं स्टेबल नहीं हूं बोले नहीं तू भी स्टेबल है बोले कैसे बोले ये इलेक्ट्रॉन तेरा है बोले हां बोले ये वाला भी तेरा है दोनों स्टेबल हो गए तो इससे क्या बनता है इससे क्या बनता है एच टू बनता है तो हाइड्रोजन क्या है नॉन मेटल अधातु है यहां पर क्या हुआ इस हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था आपस में एक इलेक्ट्रॉन बांट लिया शेयरिंग कर ली तो ये क्या बन गया ये बन गया आपका H2 क्या बन गया बेटा H2 है ना H2 बन गया नाउ यहां पर हाइड्रोजन शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन गैस कौन सी है इससे दैट इज हीलियम अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया है तो अब ये किसके जैसा बन चुका है हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है बिकॉज इस हाइड्रोजन के पास एक तो खुद का था अब एक इसका है तो टोटल हो गया दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास एक खुद का था एक इसका भी हो गया तो यहां पर हो गए दो इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में जो जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो दोनों एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं शेयर्ड ओनरशिप में आ जाते हैं और इसे बेसिकली बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड का बनना यहां पर एक बॉन्ड ये बन रहा है इसे बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोलते हैं राजा बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो अब यहां पर यहां पर आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट वन कंसेप्ट टू ध्यान से सुनना ईच हाइड्रोजन एटम शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन ईच हाइड्रोजन एटम शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसका मतलब ये मोनो मोनो का मतलब होता है वन मोनोवेलेंट है एंड इट शोज मोनोवेलेंसी यानी कि हर हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो मोनोवेलेंट है और मोनोवेलेंसी दिखा रहा है उसी प्रकार यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स और कंसेप्ट नंबर तीसरा आप यहां पर यह मार्क कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम जैसा बन सके समझ में आ गया समझ में आ गया डुप्लेट का मतलब यह होता है कि मेरे राजा बेटा अगर आपके पास आउटर मोस्ट शेल के है तो एलिमेंट चाहता है कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स रहे जैसे मान लीजिए लिथियम ली में अब आप कहोगे सर के और एल है लेकिन उसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है हीलियम तो वो क्या करेगा एल के एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा और के में उसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा तो अगर आप आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं और वो आउटर मोस्ट शेल आपकी के है? That is basically attaining a क्लियर है बात चलो बेटा अगर ये सारी बातें तो मेरी बेसिक्स की क्लास है, क्योंकि यहां पर अगर मैं वो बेसिक्स तो 20-25 घंटे चला जाएगा ठीक है अब देखो दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगेन एक नॉन मेटल है जिसे हम सरल भाषा में अधातु कहते हैं क्या बात है एलिमेंट का सिंबल है प्रोटोन नंबर इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं अटोमिक नंबर को यह आठ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आठ ऑक्सीजन ओ अटोमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर Z है आठ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है आठ अब मेरे राजा बेटा ध्यान से देखना इसकी कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे आप टू कॉमा सिक्स क्लास नाइन्थ के बालक लिखते हैं ये चीजें शेल में दो इलेक्ट्रॉन एल शेल में छह इलेक्ट्रॉन हाँ आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई सुनील भैया आप कौन सी हो गई सुनील भैया आप एल वाली आउटर मोस्ट शेल है सुनील भैया एल वाली आउटर मोस्ट शेल है सुनील भैया एल वाली आउटर मोस्ट शेल है सुनील भैया तो यहां पर कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छ एक दो तीन चार पांच ठीक है यह बात समझ में आई है बात जी अब ध्यान से देखना तुम इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सुनील भैया ये ऑक्सीजन कह रहा है कि अगर मेरा आउटर मोस्ट शेल एल है तो मुझे इसमें आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि मैं नियॉन के जैसा बन सकूं नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है नियॉन वहां पर तो ड्यूप्लेट लग रहा था अब बाकी सब में ऑक्टेट लगेगा यहां पर जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे

एक दो तीन चार पांच छह तो मेरे पास है दो इसके भी आगे तो मेरे पास भी कितने हो गए हो गए आठ तो ये होता है इसको कैसे बोलते हैं इसको बोलते हैं O2 समझे छोटू अब यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है ये जो बॉन्ड है डबल कोवलेंट बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है डबल कोवलेंट बॉन्ड है ठीक है सुनील भैया बाकी कंसेप्ट बताओ कंसेप्ट वन जन एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन इट मीन इट इज डाइवेट डाइ का मतलब होता है टू इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है यह दो इलेक्ट्रॉन इसके भी है और इसके भी है यह दो इलेक्ट्रॉन इसके भी है और इसके भी है इसका मतलब ऑक्सीजन डाइवेलेंट है दूसरा कंसेप्ट कि यहां पर एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन एटम्स के बीच में कंसेप्ट नंबर तीसरा जैसे पहले बताया था अब ऑक्सीजन किसके जैसा नियरेस्ट नोबल गैस अटेन करेगा कॉन्फिगुरेशन ऑक्सीजन शेयर्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन कॉन्फिगुरेशन लाइक नियॉन समझ में आ गई बात कॉन्फिगुरेशन लाइक नियॉन कैसे देखो दो तो याद है ही आउटर मोस्ट में देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और ये दो हो गए तो दस नियॉन के पास दस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने की वजह से स्टेबल हो जाएगा ये ये कहना चाहता है कि भाई नियॉन के पास दस इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल है आउटर मोस्ट में आठ है मुझे भी आउटर मोस्ट में आठ करने हैं तो यहां पर मेरे पास टू है अगर मैं दो की शेयरिंग करूंगा तो मेरे आउटर मोस्ट में भी आठ हो जाएंगे मैं भी खुश हो जाऊंगा मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा यह मतलब है ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात एक एग्जाम्पल एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूं देखो अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा यह भी क्या है नॉन मेटल है ध्यान से नाइट्रोजन का सिंबल एन है अटोमिक नंबर सात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सात है नाइट्रोजन सिंबल एन है अटोमिक नंबर सात है न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सात है नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं सात है यानी सात प्रोटॉन है न्यूट्रलाइज करने के लिए सात इलेक्ट्रॉन होंगे उसी प्रकार यहां पर भी वही चीज है जी कॉन्फिगरेशन K और L के फॉर्मेट में लिखकर दिखाइए सुनील भाई K शेल में दो इलेक्ट्रॉन L शेल में पांच इलेक्ट्रॉन राजा बेटा सही है क्या बात सही है क्या बात जी भैया नाइट्रोजन लगाइए मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा मोस्ट शेल में पांच एक दो तीन चार पांच दूसरा नाइट्रोजन आएगा मोस्ट शेल में कितना एक दो तीन चार पांच अब नाइट्रोजन इसको कहता है कि सुन मुझे आउटर मोस्ट शेल में आठ करने हैं मुझे मेटल नहीं मिल रहा या इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे तू तेरे तीन इलेक्ट्रॉन देगा यह कहता है मुझे भी तीन की जरूरत है तू तेरे तीन देगा यह बोलता है काम करते हैं बोले क्या काम करते हैं बोले काम करते बोले क्या काम करते हैं बोले अगर अपन आपस में अगर अपन आपस में ठीक है मैं जैसे लिखता हूं यह मिट जाता है अपन आपस में ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं बोले मतलब बोले देख एक दो तीन चार पांच तो है मेरे पास तीन तेरे भी मेरे हो जाएंगे तो मेरे पास आठ हो गए बोले अच्छा बोले देख तेरे पास कितने थे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हो जाएंगे अब कैसे एक दो तीन चार पांच तो तेरे पास थे मेरे वाले तीन भी तेरे तीन में कंसीडर होंगे ओनरशिप है बोले हाँ तो बोले बस ट्रिपल बॉन्ड बन गया बोले जो बॉन्ड यहां पर बन रहा है ये क्या है ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी ऐसा क्या बात है अब कंसेप्ट को देखते हैं कंसेप्ट पहला ईच नाइट्रोजन एटम हर नाइट्रोजन एटम कितना शेयर कर रहा है राजा बेटा एक दो तीन एक दो हर nitrogen atom, तीन हर नाइट्रोजन एटम तीन इलेक्ट्रॉन्स को बांटने के लिए यहां पर आया है इसका मतलब वो ट्राइवेलेंट है ट्राई का मतलब होता है थ्री एंड इट शोज ट्राईवेलेंसी कंसेप्ट टू यहां पर क्या है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन एटम्स के बीच में कंसेप्ट थ्री तुम सोचो कि वो तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके किसके जैसा बनेगा किसके जैसा बनेगा किसके जैसा बनेगा नाइट्रोजन शेयर्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन की कॉन्फिगरेशन क्या होती है टू कॉमा एट आउटर मोस्ट में आठ चाहिए तो यहां पर पांच थे खुद के पास पांच थे तीन दूसरे नाइट्रोजन के भी आ गए तो आठ हो गए ना अब ये नाइट्रोजन कह रहा है टू कॉमा फाइव मेरे पास भी थे तीन मैं इस भाई के भी लूंगा शेयर्ड ओनरशिप है वो तीन इसके भी हैं वो तीन मेरे भी हैं तो मेरे पास भी आठ हो गए मैं भी स्टेबल हो गया इससे नाइट्रोजन बनता है समझ में आ रही है बात अरे राजा बेटा क्लियर हो रही है छोटी छोटी बातें ये बातें क्लियर हो रही हैं? चलो अब कार्बन पे आते हैं ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे यहां पर फोकस देंगे पूरा का पूरा फोकस क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया कार्बन अटोमिक या फिर प्रोटॉन नंबर कितना है कार्बन का छह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे छह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन क्या हो जाएगी कार्बन की टू कॉमा फोर ठीक है और कार्बन किस प्रकार का एलिमेंट है नॉन मेटल है कार्बन नॉन मेटल है एटॉमिक या प्रोटॉन नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं छे है उसमें प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छह है उसमें जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो कॉमा चार है उसकी दो कॉमा चार है उसकी क्या बात है समझ में आ रही है बात जी अब सवालों का घेरा वाई वाई वाई, वाई? अब ये के एल है टू कॉमा फोर मान लीजिए ये चार गेन कर ले प्लस फोर इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी टू कॉमा एट हो जाएगी तो ये तो स्टेबल हो जाएगा भाई कार्बन टू कॉमा फोर का कॉन्फ़िगरेशन है चार इलेक्ट्रॉन गटका ले अपने अंदर कितना हो जाएगा टू कॉमा एट हो जाएगा लेकिन फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि वाई कार्बन कैन नॉट गेन फोर इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करता चार इलेक्ट्रॉन्स ऐसा क्यों ए कार्बन कैन नॉट गेन फोर इलेक्ट्रॉन्स ऐसा क्यों अरे क्योंकि क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा है अरे राजा बेटा कार्बन का साइज बहुत छोटा है छोटा का मतलब क्या है यहां पर जो तुम्हारा न्यूक्लियस है उसमें छह प्रोटॉन है अब पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन पहले ही बैठा है कितना इलेक्ट्रॉन बैठा है दो इलेक्ट्रॉन बैठा है ठीक है और फिर एल शेल में चार बैठे थे अब तुमने चार और घुसेड़ दिए इसके अंदर एक दो तीन चार अब पहले ही जगह कम है छोटा आइटम है अरे पहले ही छोटा आइटम है तुम और लोगन को अंदर घुसा दिए और उनपे सेम चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज होते कि नहीं होते हैं छोटा हाँ। सा है उसमें उस चार और घुसेड़ दिए अब एक दूसरे धक्का दे रहे हैं एक दूसरे धक्का मुक्की कर रहे हैं मैं, मैं, मैं खड़ा ये मैं खड़ा खड़ाऊंगा मैं खड़ा खड़ा मैं खड़ाऊंगा आपस में धक्के दे रहे हैं सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर भाई सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज ने एक दूसरे को धक्का देंगे मैं आपसे पूछता हूं अगर कार्बन स्टेबल होने के लिए चार गेन करे तो आउटर मोस्ट में आठ हो गए अब ये चार गेन करेगा तो दिक्कत क्या है अरे दिक्कत ये है मेरे राजा बेटा कि यहां पर उसका साइज बहुत छोटा है तो साइज छोटा है तो उसे दिक्कत क्या होगा साइज छोटा तो दिक्कत यह होगा कि रिपल्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो बढ़ता जाएगा ऑन एडिशन ऑफ फोर मोर इलेक्ट्रॉन्स छोटे साइज में चार और आ गए तो अब बेसिकली रिपल्शन बढ़ रहा है अब न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी जो प्रोटॉन्स इनको होल्ड करके बैठे ना प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाई वो परेशान हो जाएगा कहेगा मैं इतनी एनर्जी कहां से लाऊं कि इनको कंट्रोल में रखू आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वो ऐसे रोक रहा है अरे अरे भाई 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 लड़ाई मत करो भाई लड़ाई मत करो भाई 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 लड़ाई मत करो प्रोटॉन्स तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेंगे ना अब इतने सारे बढ़ गए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं रोक ही नहीं पा रही है वो बाहर आपस में एक दूसरे को घुसे लाते हैं मार रहे हैं। ये बेचारे बैठ के रोक ही नहीं बारा भाई रुक रुक अरे भाई भाई भाई, भाई 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 तो ये दिक्कत है इट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विद सिक्स प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू टेन इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब सिंपल सी बात है काफी ज्यादा अनस्टेबल होगा काफी ज्यादा अनस्टेबल स्पीशी होगी इसीलिए नहीं गेन करता आप इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं या लूज क्यों करते हैं शेयर क्यों करते हैं स्टेबल होने के लिए अनस्टेबल होने के लिए नहीं करते यहां पर तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं धक्का मुक्की होने लगी है तो अगर वो अपने अंदर चार इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो साइज कार्बन का छोटा है चार इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे तो आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगेंगे जिस वजह से प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में बैठे परेशान हो जाएंगे वो निपटा नहीं पाएंगे वो कहेंगे मैं इतनी ताकत कहां से लाऊं इनको झेलने की इनको सही करने की वो कहेगा भैया मेरे तो बस की बात को तो, तो, तो फिर एक और सज्जन आए उन्होंने कहा देखो के एल है टू कमा फोर है बोले हा बोले अगर ये चार को लूज करे तो बोले इसके चार इलेक्ट्रॉन्स को उड़ा दो बोले मतलब अरे चार उड़ा दो ना इसके तो बोले फिर बोले के में दो ही रहेंगे बोले कैसी फालतू की बात है बोले चार है ना उड़ा दो तो ड्यूप्लेट हो जाएगा चार इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दो तो कुछ महापुरुषों ने करने की कोशिश करी लेकिन ये भी नहीं हो पाया क्यों एनर्जेटिकली फिजिबल प्रोसेस नहीं है नॉट एनर्जेटिकली फिजिबल इट इज नॉट एनर्जेटिकली फिजिबल प्रोसेस क्यों सुनील भाई क्योंकि आपके पास छह प्रोटॉन और छह इलेक्ट्रॉन है ठीक है छह प्रोटॉन और छह इलेक्ट्रॉन है अब अब फॉर एग्जाम्पल मैं आउटर मोस्ट पे फोकस करूंगा मेजर फोकस मेरा आउटर मोस्ट पे रहेगा ये दो ये एक दो तीन चार अब न्यूक्लियस इनके ऊपर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव है ना भाई ये इलेक्ट्रॉनिवली चार्ज है, है तो न्यूक्लियस इनके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है ताकि ये जाए ना अगर मुझे यहां से इसको लेकर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर इसने फोर्स लगा रखी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा एफ टू लगाना पड़ेगा तभी मैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाऊंगा फोर्स लगाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी भाई बाहर निकल यहां से छोड़ के जाए इसको है ना हा अब मैंने एक तो निकाल दिया लेकिन अब क्या होगा अब क्या होगा ये न्यूक्लियस सेम प्रोटॉन्स यहां पर छह प्रोटॉन्स छह इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे अब छह प्रोटॉन्स पांच इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कितने को छह प्रोटॉन्स पांच इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब यहां पर अगर मान लीजिए आपको एफ थ्री देना पड़ेगा ये एफ थ्री अट्रैक्ट कर रहा है तो तुम्हें एफ फोर देना पड़ेगा अब एफ फोर शुड बी ग्रेटर एक तरीके से मैं फोर्स बता रहा हूं समझने का एक तरीका है तो यहां पर हो क्या रहा है भाई छह प्रोटॉन्स छह इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे यहां पर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा मुझे इससे ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी अगर इसको निकालना है मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अब पांच इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बचे लेकिन प्रोटॉन्स तो छह ही है छह प्रोटॉन्स पांच इलेक्ट्रॉन्स पे ताकत लगा रहे हैं अब मुझे और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो इसी वजह से क्या होता है एट एवरी स्टेप एट एवरी स्टेप इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन हर स्टेप पे हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसीलिए हम कहते हैं कि ये एनर्जेटिकली बहुत खतरनाक हो तुमने कर भी दिया तो दूसरी दिक्कत आ जाएगी दूसरी दिक्कत क्या आएगी कि C4 कंप्लीटली अनस्टेबल है क्योंकि फिर इसमें छह न्यूक्लियस में बचेंगे और सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन बाहर बचेंगे तो यह पॉसिबल नहीं है कि बीच में इतने भारी छह पार्टिकल है और साइड में ऐसे दो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है अनस्टेबल हो जाएगा वो स्पेशी पॉसिबल ही नहीं है वो क्रिएट ही नहीं होगा तो ना तो तुम चार लूज कर सकते हो ना चार गेन कर सकते हो ठीक है क्लियर है बात तो फिर कार्बन क्या करेगा कार्बन क्या करेगा कार्बन शेयर फोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज नियॉन तो कार्बन भी चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनाएगा दैट इज टू कॉमा एट तो मैं आपको फिर से एक बार ये रिवाइज करवा देता हूं कार्बन चार इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों नहीं कर सकता कार्बन का साइज बहुत छोटा है अगर चार और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इस छोटे साइज में काफी ज्यादा रिपल्शन बढ़ने लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज है अब जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं उनको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी इनको होल्ड करने के लिए क्योंकि अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी कि तुम लोग शांत रहो, रहो सिस्टम को इसमें काफी एनर्जी लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए छह प्रोटॉन छह इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके बैठे इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए निकालना है तो आपको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको अपन आगे चल के बात भी करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह केस में क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लेकिन अब ये छह प्रोटॉन पांच को अट्रैक्ट करके बैठे तो आपको यहां पर और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हर स्टेप पे डिफिकल्ट होता जाएगा आपके लिए क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है इलेक्ट्रॉन घट रहे समझ गए आप तो ये एनर्जेटिकली फिजिबल प्रोसेस नहीं है दूसरा अगर आपने मान लीजिए आप बहुत खतरनाक आदमी है आपने सी फोर प्लस क्रिएट भी कर दिया कि भाई चार इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इस पर फोर प्लस का चार्ज आ जा जाएगा ना क्योंकि प्रोटॉन तो छह है इलेक्ट्रॉन दो बचेंगे तो भी अनस्टेबल है क्योंकि छह प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कैसे होल्ड कर रहे होंगे पॉसिबल ही नहीं है और इस स्पीशी को क्या कहते हैं इस स्पीशी को कहते हैं सी फोर माइनस ना तो ये पॉसिबल है ना ही ये पॉसिबल है कार्बन सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करता है तो फिर एक सवाल दिमाग में और आता है जो आना भी चाहिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है दो स्टेबल हो जाता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो जाता है तो क्या कार्बन भी ऐसा करेगा क्या कार्बन एटम कैन शेयर ऑल इट्स फोर इलेक्ट्रॉन विद अनादर कार्बन एटम टू बिकम स्टेबल सोचो क्या यह पॉसिबल है क्या क्या यह पॉसिबल है क्या क्या यह पॉसिबल है क्या या ना 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 हाया ना हाया ना क्या बात है देखिए खाने पीने की चीजें अपने पास में रखिएगा जैसे मैं भी अपने पास में लेकर बैठा हूं और खाते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे ठीक है पीडब्ल्यू हर्ष लेजर गेमर रुचि दिग्विजय उड़ान माधव साहिल प्रियंका दिव्यांशु प्रखर एंड वैष्णवी बहुत बढ़िया खाते रहिए पढ़ते रहिए सही रहेगा अ कार्बन एटम कैन शेयर ऑल इट्स फोर इलेक्ट्रॉन्स विद अनादर कार्बन एटम टू बिकम स्टेबल नो देखकर आपको लगेगा क्या पागल जैसी बात कर रहे हो तो पॉसिबल है देखो मैं बताता हूं सुनील भैया देखो सुनील भैया ये कार्बन है कार्बन की कॉन्फिगरेशन क्या है सुनील भैया ये ऐसी है तो तुम क्या करोगे एक दो तीन चार लगाओगे फिर इधर कार्बन बोलोगे एक दो तीन चार है ना अब बोलोगे सुनील भैया देखो चार इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ये एक बॉन्ड ये दो बॉन्ड ये तीन बॉन्ड ये चार बॉन्ड ये लो और सिमिलरली ये भी ऐसे ही करेगा तो ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ स्ट्रक्चर तो बन रहा है पेपर में बन रहा है ना रियल लाइफ में देखा क्या तुमने पेपर पे तो जो तुमको बनाना बना लो चांद बना लो यहां से तुम्हारा मन कर रहा है चांद बना लो चांद के बीच में बॉन्डिंग बना लो तुम्हारा मन कर रहा है धरती के बीच में बॉन्डिंग बना लो पेपर पे तो कुछ भी कर सकता है कोई भी रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है क्या नहीं है ठीक है तो क्वाड्रपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा यहां पर ये क्वाड्रपल बॉन्ड यानी ये जो चार बॉन्ड बनते हैं ना क्वाड्रपल बॉन्ड क्वाड्रपल बॉन्ड वोंट बी फॉर्मड बाय कार्बन अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी है ऐसा नहीं है कि भाई डी ऑरबाइटल है और डी ऑरबाइटल की ओवरलैप होती है बॉन्ड में डी ऑरबाइटल है ही नहीं उसके पास अब अगर सीनियर ग्रेड्स में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे -D -orbitals पढ़ेंगे अब डी ऑरबाइटल है ही नहीं तो ये वो कर नहीं पाएगा तुम बनाने के लिए तुम्हारे लिए अच्छा है लेकिन वो रियल लाइफ में नहीं कर पाएगा तो ऐसा एक कार्बन दूसरे कार्बन से चार इलेक्ट्रॉन शेयर करके जीवन में खुश हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है ठीक है क्वाड्रपल बॉन्ड इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है ओरली बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं बोलूंगा या लिखूंगा तो मैं समझ में नहीं आएगा तो पहले ही बता रहा हूं क्वाड्रपल बॉन्ड यानी एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार वाला जो चार वाला बॉन्ड है क्वाड्रपल बॉन्ड नहीं बनता है तो अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट आता है कि कार्बन के कार्बन से चार इलेक्ट्रॉन शेयर मार दूंगा और बना दूंगा स्ट्रक्चर पेपर पे बनाने के लिए बहुत सुंदर है रियल जिंदगी में वो इस तरीके से नहीं करता, इस तरीके तरीके से से बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं नहीं करता करता अब मैं C2 के इंटरस्टेलर स्पेस में कैसा मिलता है या वैक्यूम में कैसा मिलेगा सी टू या आउट ऑफ स्पेस जाएंगे धरती के बाहर जाएंगे कैसे मिलेगा मैं उस पर रहा मैं कह रहा हूं कार्बन कार्बन से क्या चार इलेक्ट्रॉन शेयर मारेगा तो मेरा आंसर है नहीं समझ में आ गया अब आ जाओ राजा जा बेटा एक बच्चा कह रहा था भैया एच टू एन एच थ्री वगैरह तो बनाया नहीं आपने अब आप चालू करेंगे बाबा तुमको एलिमेंट के बारे में सिखाया अब मॉलिक्यूल के बारे में सिखाएंगे आ जाओ बेटा तो एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन अटोमिक नंबर या प्रोटोन नंबर जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन का एट ऑक्सीजन का आठ एक प्रोटॉन आठ न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन आठ प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और आठ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन का सिंबल एच ऑक्सीजन का सिंबल सिंबलिकोटॉन नंबर या प्रोटॉन नंबर हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का आठ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर आठ कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी मेरे राजा बेटा यहां पर हो जाएगा एक और यहां पर हो जाएगा टू कॉमा सिक्स बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं मेरे प्यारे सुनील भैया हमारे कोर्स में हम जब बात कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ही खेला खेला करेंगे ठीक है बेटा जी भिया सुनील भैया उसने बोला एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन तो मेरा राजा बेटा तुम एक ऑक्सीजन बनाओ और दो हाइड्रोजन बनाओ ठीक है बेटा जी भैया सुनील भैया दोनों अलग अलग है एक को डॉट से बनाओ एक के इलेक्ट्रॉन एक को क्रॉस से बनाओ कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं राजा बेटा बनाओ इधर कितने बनाओगे छे तो देखो बेटा कैसे बनाओगे एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार फिर इधर आ जाएगा आ बेटा पाँच, और बेटा और इधर जाएगा ठीक है जी अच्छा हाइड्रोजन के पास कितना है एक इलेक्ट्रॉन है इधर कितना है एक इलेक्ट्रॉन है अब यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बोलता है ऑक्सीजन भैया ऑक्सीजन भैया सुनो ना मुझे दूसरा हाइड्रोजन नहीं मिल रहा तो बोले फिर तो बोले अगर दूसरा हाइड्रोजन नहीं मिल रहा तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके स्टेबल होना था मेरे जीवन में तो क्या आप वो मेरे लिए कर सकते हो बोले बिल्कुल कर सकते हैं पर तू तेरे जैसा एक और हाइड्रोजन ला ले आया बोले हाँ बोले अब सुन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर बोले भैया थैंक यू दो हो गए ना खुश भाग जाए बोले भैया इधर भी दो बोले हेलो भैया थैंक यू बोले ऑक्सीजन कितना बलिदानी है देखो हमको ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करा ली कितना बलिदानी है ऑक्सीजन अकेले में हाँ, लाभ कर रहा है देखो बोला ऐसे <laughs> कैसे ये देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बोले बेटा ऑक्सीजन है हम फ्री में तो हम कुछ नहीं करते फ्री में में तो हम शरीर में भी नहीं जाते समझ गए तो क्या बन गया एच टू वो बन गया राजा बेटा समझ में आया कि नहीं आया अब देखो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे एक खुद का एक इसका हो गया दो एक खुद का एक इसका हो गया दो ठीक है राजा बेटा उसके बाद देखो एच टू की बात करिए और एच टू आ गया एच टू को केमिकल नेम कोई बता सकता है क्या डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इसके भी सेट ऑफ रूल्स से है लिखने के जो अपने पास ओलंपियाड चैलेंजर में पढ़े उनने देखे हैं वो रूल्स ओलंपियाड चैलेंजर वाले हाय इधर देखेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया दो हो गए खुश दो चीज दो गए खुश ऑक्सीजन बोल रहा है मेरे को आउटर मोस्ट में आठ चाहिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ काम खत्म ठीक है डायहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नाम होता है राजा बेटा चलिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा तो एच टू मालिक्यूल हमारा हो गया मजा आ गया जीविया आगे चलो अब देखो राजा बेटा सीओ टू मॉलिक्यूल एनसीआरटी इंटेक्स का पहला सवाल आ जाओ नाम तुम्हारा क्या है कार्बन सिंबल तुम्हारा क्या है बोले सी अच्छा बहुत बढ़िया सीओ टू क्या है इनऑर्गेनिक है स्टिल स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दिया था मैंने ये क्या है बेटा ऑक्सीजन अटोमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर छ इसका कितना आठ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने छ और आठ अब राजा बेटा फोकस टू कॉमा फोर टू कॉमा सिक्स एक कार्बन दो ऑक्सीजन है अच्छा इधर लगाओ कार्बन इधर लगाओ राजा बेटा ऑक्सीजन इधर लगाओ राजा बेटा ऑक्सीजन अब देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच छ एक दो तीन चार पांच छे ऑक्सीजन ने कार्बन को दोनों तरफ से घेर लिया है कार्बन डर में है लेकिन कार्बन बोल रहा है इस ऑक्सीजन को को ए क्या क्या चाहिए चाहिए रे तेरे कह रहा दो इलेक्ट्रॉन चाहिए बोले आ, दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है तू तेरे जैसा एक और लेके एक और आ गया हाँ बोले आप देख सुन डरता तो मैं नहीं हूं बोले डरता नहीं तो शेयर क्यों कर रहा है बोले वो कभी कभी डर लग जाता है पर ज्यादा दिल पे मत लेना डरपोक नहीं हूं मैं बोले अच्छा ठीक है फिर बोले देख दो तेर को दे देता हूं दो तेर को दे देता हूं दोनों में लड़ाई नहीं होगी बोले ठीक है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ये ऑक्सीजन बोला ठीक है कार्बन भाई सही है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये बोल रहा है ठीक कार्बन भाई सही है कार्बन बोल रहा है देखो बावड़ो को बावड़ा बनाया बावड़ो को बावड़ा बनाया मैंने कैसे देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार पांच छह सात आठ पीडब्ल्यू है आपके साथ नौ दस ग्यारह बारह पीडब्ल्यू है सबसे प्यारा तेरह चौदह पंद्रह सोलह पीडब्ल्यू है सबसे भोला सत्रह अठारह उन्नीस बीस पीडब्ल्यू की है सबसे कम फीस चलो भैया पानी वानी पी लेते हैं हम्म दिस इज अ रिमाइंडर दैट यू हैव टू ड्रिंक वाटर पानी पीने का एडवांटेज बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है फ्लूइड मीडियम बढ़ता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिय बढ़ेगा शरीर में बार बार टॉयलेट करने जाओगे तो नींद नहीं आएगी तीन एडवांटेज है कर लोगे तो मजा आएगा अब ये एनसीआरटी की थ्योरी में दे रखा है एनएच थ्री मॉलिक्यूल अमोनिया बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अमोनिया इसका केमिस्ट्री में जो नाम है ये तो कॉमन नेम है अमोनिया केमिकल नेम होता है नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड चलो एलिमेंट का सिंबल एच हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का एन अटोमिक नंबर एक अटॉमिक नंबर सात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एक इलेक्ट्रॉन इधर पांच इलेक्ट्रॉन सुनील भैया नाइट्रोजन ये रहा एक दो तीन चार पांच हाइड्रोजन ये रहा अब ये हाइड्रोजन आया कह रहा है नाइट्रोजन दिया नाइट्रोजन दिया एक इलेक्ट्रॉन दो ना नाइट्रोजन कह रहा है काम कर बोले क्या तेरे जैसे दो और लेके ले आता हूं लेके आ गया हाँ बोले देखो तुम्हारे साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा तीनों बोले ओके भैया ओपी कर दिया देखो तीनों तुम खुश हो क्या बोले हाँ हाँ भैया आपके राज में खुश है एकदम बोले बस अब हम भी खुश होंगे देख बेटा एक दो तीन चार पांच तो मेरे छ सात आठ ये देख समझ में आया क्या समझ में आया क्या हाँ। समझ में आ गई बात जी सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर कोई पूछता है तो यहां पर बॉन्ड कैसे हैं तो यहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है कोई पूछता है यहां पर बॉन्ड कैसे हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है समझ में आ रहा है क्या रहे? मजा आ रहा है क्या रटना तो नहीं पड़ रहा है अब अगर मजा आ रहा तो एक बार चैट बॉक्स में आए का नारा लगाना रहा राजा बेटा आए लगा देना आए बैंगन 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 आए बैंगन आए बैंगन लगा दो बेटा इस चैप्टर की वेटेज जो है सीबीएसई ने इस बार खेला खेला है बहुत खेला खेला है सीबीएसई ने खेला कैसे खेला है सवाल नंबर चौतीस सैंपल पेपर का देखना तो पहला सवाल जो उसका एक नंबर का है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का वो कार्बन कंपाउंड्स का है और फिर चार नंबर का सवाल एसिड बेसिस सॉल्ट का है लेकिन उसी सवाल का जब और का सवाल देखते हैं तो पांच नंबर का वेटेज भी लेकर आता है तो अगर तुम्हारा एसिड बेसिस सॉल्ट अच्छा, कार्बन कंपाउंड अच्छा नहीं है तो उस पांच नंबर के सवाल में चार नंबर तो एसिड बेसिस सॉल्ट दे देगा और नंबर कार्बन कंपाउंड से शायद तुम गवाओ लेकिन इस लेक्चर को देखोगे तो नहीं गवाओगे और अगर उसका ऑप्शनल देखोगे तो पांच नंबर का ही सवाल है फिर फिर उसके अगले सेक्शन में जाते हैं नंबर सवाल आता है तो वहां पर फिर चार नंबर का सवाल आता है कार्बन का सीधा सीधा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चार नंबर का तो देखा जाए तो सैंपल पेपर में टोटल जो वेटेज दे रखी है सैंपल पेपर के अंदर पहला जो चौतीसवा पहला पार्ट एक नंबर का वो ऑप्शनल का देखे तो पांच नंबर का सवाल और फिर एक चार नंबर का सेपरेट सवाल ऐसा लेकिन तुम्हें चौतीसवें से या तो पार्ट ए करना पड़ेगा या बी करना पड़ेगा अगर बी करोगे तो तुम्हारे लिए चैप्टर कितने नंबर का हो गया नौ नंबर का हो गया और पार्ट ए करते हो तो छह नंबर का हो गया क्योंकि एक नंबर वहां से और सैतीसवे क्वेश्चन से चार नंबर सॉरी पांच नंबर का हो गया तो ऐसा बेटेज है ठीक है चलो नाउ वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड प्रॉपर्टीज का सरल मतलब होता है गुण क्या होते हैं इनके यानी ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं क्या इनकी प्रॉपर्टीज है वो बता दीजिए आ जाओ फटाफट से सारी प्रॉपर्टीज बताता हूं सबसे पहला मेड फ्रॉम कोवेलेंट कंपाउंड्स किससे बनते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड आपके बनते हैं अधातुओं से बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये कैसे एग्जिस्ट करते, है? करते, है है? yes, करते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं एज मॉलिक्यूल्स इसीलिए इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड ये एज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं अब ये मत बोलना मॉलिक्यूल पढ़ाओ केमिस्ट्री के बेसिक्स में यूट्यूब पे भी पढ़ा चुका हूं और पेड बैचेस में भी पढ़ा चुका हूं दोनों में जाके देख सकते हो तो किससे बनते हैं अधातु जब इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हैं शेयर करते हैं उससे बनते हैं एग्जिस्ट करते हैं एज मॉलिक्यूल्स हिंदी में मॉलिक्यूल्स को आणु कहते हैं और इन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं आणविक यौगिक यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या बात है फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं लिक्विड में भी कर सकते हैं और गैस में भी कर सकते हैं गैस में कैसे करते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड में कैसे कर सकते हैं भाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले लो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस बोलते हैं वो ले लो ठीक है सॉलिड में तुम्हारा आइस ले लो एच टू ओ लिक्विड में तुम्हारा एच टू ओ लिक्विड ले लो नॉर्मल पानी ले लो तो सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकते हैं लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकते हैं गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं पहला अधातुओं से बनते हैं जब अधातु शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं स्टेबल होने के लिए ये जो एंटिटी बनाते हैं इसे मॉलिक्यूल कहते हैं जैसे H2O मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल्स है बेटा इसीलिए इनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करने का दम रखते हैं तीसरा बिजली का कंडक्शन तो जनरली जनरली यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस में कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बिकॉज डोंट डिसोसिएट आयंस या तो आयन्स में डिसोसिएट नहीं होंगे या तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो बिजली कंडक्ट तो नहीं करते पर जहां आई केमिस्ट्री वहां कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ जाते हैं तो चैप्टर टू में पढ़ोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है ये क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो जहां जहां एक्सेप्शन होंगे वहां वहां मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा ठीक है बेटा तो ये आपका बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड होता है एंड ये बिजली को कंडक्ट करता है नॉट टॉकिंग अबाउट सोल्यूबिलिटी किसमें घुलते और किसमें नहीं घुलते तो जनरली जनरली दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोल्वेंट्स ऑर्गेनिक सोलवेंट कौन कौन से हैं ऑर्गेनिक सोल्वेंट जैसे आपका इथेनॉल हो गया पेट्रोल हो गया कैरोसिन हो गया एटसेट्रा इनमें घुल जाते हैं लेकिन पानी में नहीं घुलते पानी में नहीं घुलते इसके पीछे कंसेप्ट लाइक लाइक का है एक जैसी चीज एक जैसे में घुलती है अब आप कहोगे कि पानी तो फिर कोवेलेंट ही कोवेलेंट कोवेलेंट में घुलना चाहिए थोड़ा सीनियर ग्रेड में पढ़ोगे पोलर एंड नॉन पोलर वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो डेवलप होते हैं उस वजह से सोलिबिलिटी इफेक्ट होती है ठीक है तो जनरली याद रखना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल पेट्रोल में सोल्यूबल होते हैं पानी में इनसोलिबल होते हैं लेकिन अगेन एक्सेप्शन है शुगर कोवेलेंट कंपाउंड है पानी में बढ़िया से घुल जाती है इथेनॉल भी पानी में घुल जाता है इथेनोइक एसिड भी पानी में घुल जाता है एसिटोन भी पानी में घुल जाता, जाता है तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो घुल जाते हैं इसीलिए एटसेट्रा भी लगा देता हूं ठीक फिर आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं अब जैसे ही मैं ये चीज लिखता हूं तो बच्चा चैप्टर थ्री पे चला जाता है और चैप्टर थ्री पर जाकर मेरे से एक बात कहता है सुनो सुनील भैया सुनो सुनील भैया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड के भाई है क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इसीलिए हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है यहां पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है इसका क्या यह मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है क्या यह मतलब मानू मैं क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं हायाना या ना या या ना हा या ना हा या ना सोच समझ के सोच समझ के हा या ना हाँ ना? क्या बात है पढ़ चुके हो क्या मेरे से अंश गीतांजलि प्रियांशु असद राजा खान नेबर स्माइल पीडब्ल्यू हर्ष प्रेम शंकर उत्कर्ष उपाध्याय प्रिंस एंड अनुशिव हरे क्या बात है दोस्तों तो अगर आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि कोवेलेंट बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है तो मैं आपको बोल दू कि नहीं इट इज नॉट अ वीकर बॉन्ड तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम है यार मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं कि हमें कितना तापमान देना पड़ेगा ताकि एक चीज सॉलिड से लिक्विड बने से बने यानी पिघले और लिक्विड से वेपर बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट बताता बताता है है मेल्टिंग कि कितने बनेचर पे सॉलिड से लिक्विड बनेगा और बॉइलिंग पॉइंट बताता है कि कितने टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस कि यानी वेपर बनेगा तो यह तो इसी चीज का इंडिकेशन है ना कि कितना हमें तापमान देना पड़ रहा है जितना तापमान हमें ज्यादा देना पड़ रहा है उतना स्ट्रॉगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन अगर ये लो है तो कोवेलेंट बॉन्ड वीक है अब सुनो अंदर कूदते हैं इसके थोड़ा अंदर जंप करते हैं वैसे यूजली मैं रुमाल की एक थ्योरी बताता हूं रुमालों को स्ट्रिच करना और वेलक्रो लगाना पर मैं इसको एक और दूसरी एनोलॉजी आपको बताता हूं नॉर्मल चीज नॉर्मल सुनना ये मान लीजिए आपका लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर है ठीक है बेटा तो यहां पर क्या होगा ये होगा H2O और ये दूसरा लिक्विड होगा मॉलिक्यूल होगा एच टू ओ ये तीसरा होगा ये होगा एच टू ओ और ये होगा ये होगा एच टू ओ सुनील भैया ये सब मॉलिक्यूल्स है ना तो मैं कहूंगा हां ये मॉलिक्यूल है अच्छा सुनील भैया अगर हम इसके अंदर जाते तो ये वही वाली बॉन्डिंग है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली मैं कहूंगा हा ये देखो बनाए ना एच टू का स्ट्रक्चर इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहां पर इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है है ना? हाँ। तो सुनील भाई आपका ये वाला जो बॉन्ड है यह कोवेलेंट बॉन्ड है है ना? मैं कहूंगा हाँ, अच्छा तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है वेलेंट बॉन्ड आपका इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड होता है या आप यह कह सकते हैं इंट्रामोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बॉन्ड का मतलब क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो होता है जी भैया एच टू मोलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम जाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड को इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब होता है इंट्रा का मतलब होता है विदिन और मॉलिक्यूल का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल ओ भाई साहब ओपी चीज हो गई ये तो यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कोवेलेंट बॉन्ड है हर एच टू ओ के अगर अंदर हम जाए तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इन द मॉलिक्यूल जो है अब अब इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको आप आगे चल के पढ़ेंगे आप नाम देंगे उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें मैं अभी जा नहीं रहा मैं आपको यह बताता हूं इन दोनों के बीच में इंटरमोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है मेरे भाई सुनील भाई इंटर का मतलब होता है बिटवीन देखो राजा बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है अंदर यहां पर बंदर है और बंदर का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड अंदर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के अंदर है लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है ये मॉलिक्यूल इनके बीच में क्या है इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन मजे की बात क्या है ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये काफी ज्यादा वीक होती है और टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है तो फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो कैसे हो गए अब तुमने अगर एनालिसिस नहीं करी तो मैं तुमसे एनालिसिस करवाता हूं और सारे कंसेप्ट एक साथ जोड़ता हूं ध्यान से देखना तुम अगर पानी को गर्म करते हो तुम अगर पानी को गर्म करते हो फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूं तो पानी गैस बनेगा ना यानी वेपर बनेगा अग्री करते हो हां जब वेपर बनेगा तो क्या H2O कुछ और बन जाएगा CO2 बन जाएगा नहीं रहेगा तो H2O तो होगा क्या ये H2O हो जाएगा यहां पे इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो सुनील भैया हुआ क्या अरे मेरे राजा बेटा अगर ये टूटता एच टू तो मैं कहता कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही वीकर बॉन्ड है कि भाई हमने गर्म किया और एच टूट गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में लेकिन यहां पर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है या वीकर है इस वजह से गर्म करने से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है इसीलिए इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम है यह वीकर है इसीलिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लो है समझ में आया क्या देखो मैंने बोला कोवलेंट बॉन्ड क्या वीकर बॉन्ड है अरे एच के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द मोलिक्यूल अगर तुम गर्म करते और H2O टूट जाता तो मैं कहता कि वीकर बॉन्ड है H2O अभी भी H2O और अभी भी H2O ही है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या बताता है अरे ये लिक्विड से वेपर बन रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे एट बॉइलिंग पॉइंट आपका लिक्विड किसमें टर्न होता है अभी मैं प्रेशर कंडीशंस पे नहीं जा रहा कि 1 ATM प्रेशर पे, पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड को हीट करो तो वेपर बनता है यानी इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है ना तो ये फोर्स जो है ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस वजह से डिस्टेंस जल्दी वो खुल जाती है मतलब जल्दी वेपर बन जाता है समझ में आया हाँ. अब आप कहोगे कि सुनील भैया इसको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोलिस अरे तो तुम्हारे हीट करने से टूट रहा है क्या कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी अपन को देना पड़ रहा है बिजली के फॉर्मेट में तब जाके अपन तोड़ते हैं एच को ठीक है तो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ती है इतनी आसानी से नहीं हो रहा तुम गर्म करके पानी तोड़ सकते हो क्या मुझे बताओ गर्म करके तुम एच को तोड़ दोगे क्या नहीं तोड़ पा रहे ना हाँ क्योंकि ये फोर्स जो है काफी स्ट्रॉन्गर फोर्स है समझ में आ गया समझ में आ गया तो यह वाला स्ट्रांग है और ये वाला वीक है समझ में आ गई बात चलो अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में एक बार मोए मोए लिख दो फटाफट से जल्दी से एक बार मोए मोए लिख दो राइट इन टू चैट बॉक्स नहीं आयोनिक कंपाउंड क्यों वीकर होंगे बेटा आयोनिक बॉन्ड तो और ज्यादा स्ट्रांगर होता है तो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए तो आपको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है भैया मेल्ट करने के लिए ठीक है ना जल्दी मोए मोए लिख दो एक बार ठीक है अब वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है वर्सेटाइल का मतलब होता है योग्य यानी एक तरीके से हम बात करें तो मल्टी टैलेंटेड नेचर ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं यानी सुनील भी आप यह कहना चाहते हैं कि कार्बन मल्टी टैलेंटेड है मैं कहूंगा हां अब क्यों मल्टी टैलेंटेड है आप देखिए यहां पे हर कार्बन एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हर कार्बन एटम चार इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन किसके जैसा के जैसा तो इसका मतलब कार्बन क्या है शो करता है और है और इसका मतलब कार्बन टोटल चार बॉन्ड बना सकता है अब इसको उससे मत कंफ्यूज करना कि कार्बन कार्बन के बीच में चार बॉन्ड बना दो ऐसा नहीं कार्बन टोटल चार बॉन्ड्स बना सकता है अब देखो जैसे कि यहां पे CH4 दे रखा है तो कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक होता है एक होता है एक होता है एक इसके साथ शेयर कर लिया है ना तो इस हाइड्रोजन के दो हो गए इसके साथ शेयर के लिए हाइड्रोजन के दो इसके साथ शेयर कर लिया हाइड्रोजन के दो इसके साथ शेयर कर लिया हाइड्रोजन के दो तो यहां पर इस हाइड्रोजन के दो इसके दो इसके दो इसके दो अब कार्बन के टोटल कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो कार्बन चार इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी रखता है हर कार्बन चार इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी रखता है इसका मतलब कार्बन है और टेट्रावेलेंसी शो करता है बट ये मत बोलना कि एक कार्बन और दूसरा कार्बन यानी दो कार्बन के बीच में चारों की शेयरिंग मत करवा देना चार शेयर करता है मैक्सिमम बट दैट डजेंट मीन की दो कार्बन के बीच में तुम चारों को शेयर मार दो ठीक है नाउ दूसरी टेंडेंसी पहला क्या है कि टेट्रावेलेंसी एंड टेट्रावेलेंट की कार्बन चार इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जिस वजह से काफी सारे एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकता है दूसरा कार्बन के पास टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लेता है डबल भी बना लेता है ट्रिपल भी बना लेता है और अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बना लेता है जैसे अगर मैं आपकी बात करूं कि कार्बन कार्बन से कौन कौन सा बॉन्ड बना सकता है तो पहले आप यह देखिए कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है एक कार्बन दूसरे कार्बन से चार बॉन्ड नहीं बना सकता याद रखिए पहली क्राइटेरिया दूसरी कंडीशन कार्बन फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन के साथ है तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन के साथ है तो डबल बॉन्ड बना सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर नाइट्रोजन के साथ है तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है तो देखिए कार्बन कार्बन के साथ ही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है तो कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है क्या है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी है या आप कह सकते हैं कि टेंडेंसी है कि कार्बन ये कर सकता है ठीक है पहली चीज टेट्रावेलेंसी टेट्रावेलेंट है दूसरी चीज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तीसरी चीज मजेदार बात ध्यान से सुनना कार्बन एटम लिंक्स विद अनादर कार्बन एटम्स यानी कार्बन कार्बन के साथ लिंक करकर लंबी लंबी कार्बन की चेन्स बनाता है ब्रांचेस बनाता है एंड क्लोज कार्बन रिंग्स बनाता है ऐसी लंबी लंबी चेन्स बनाता है लीनियर चेन्स ऐसी ब्रांचेस बनाता है और ऐसे क्लोज रिंग्स बनाता है कार्बन की इस प्रॉपर्टी को यानी कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है और लंबी लंबी चेन्स बना रहा है इसको बोलते हैं कैटेनेशन कटेनेशन नहीं है कैटेनेशन है ठीक है समझ में आगे बात जी भैया आगे चलेंगे फटाफट से अब वाई कार्बन शोज कैटेनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कैटनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन में ही क्यों है कोई और अदर एलिमेंट ये वाली प्रॉपर्टी को शो क्यों नहीं करता जल्दी से बताइए बेटा सारी चीजें कवर होगी अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो तो एलोट्रोप इसके बाद है ठीक है हाँ स्मॉल साइज क्या बात है तो ध्यान से सुनेंगे कार्बन शोज कैटेनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से कार्बन कैटेनेशन को मैक्सिमम एक्सटेंट पर शो करता है क्योंकि दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गली देखिए साइज छोटा होने की वजह से होता क्या है जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है है ना और ये आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे तो न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो इनके ऊपर एक स्ट्रॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है ठीक है इस वजह से जो इनके बॉन्ड्स बनते, बनते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनते हैं ठीक है ना स्ट्रॉन्गर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्या बनता है स्ट्रॉन्गर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रोंग बॉन्ड्स बनते हैं ठीक है क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अपना होल्ड बनाकर रखते हैं तो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहता है टूटता नहीं है लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट का साइज बड़ा होता जाएगा द द बाय एलिमेंट जिनका साइज बड़ा होगा बिगर एटम्स मतलब बिग इन साइज जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सिलिकन की तो यहां पर क्या होंगे वीकर बॉन्ड्स बनेंगे कैसे मान लीजिए अगर आपका साइज बढ़ गया तो यहां पर आपका न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी घट गया ए बढ़ गया तो यहां पर इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखना और इसको होल्ड में रखना डिफिकल्ट होता है तो इसीलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्गर की जगह वीकर हो जाता है कार्बन का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस क्या करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हुए उनके ऊपर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना के रखता है लेकिन अगर यही साइज बड़ा हो जाए तो इसका इफेक्ट जो होगा यहां पर वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा जिस वजह से जो बॉन्ड बनते हैं वो वीकर बॉन्ड होते हैं है ना सिलिकन के केस में सात आठ एटम्स के बाद वो चेन इजीली आपकी टूट जाती है मैक्सिमम सेवन टू एट एटम्स मैक्सिमम कितने एटम्स कनेक्ट होंगे मैक्सिमम सेवन टू एट एटम्स उसके बाद वो बॉन्ड्स आपके टूटने लग जाते हैं वो बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं टूटने लग जाएंगे ठीक है क्या बात है नाउ इसी कैटेनेशन का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं एनसीआरटी टेक्स्ट ठीक है ना एसेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस एट मॉलिक्यूल सुनील भैया मैं एसेट का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं मेरे को याद नहीं रहता भैया यार सुन मेरे भाई एलिमेंट का नाम बता सल्फर सिंबल क्या होता है एस नंबर या प्रोटॉन नंबर का सोलह देख हाइड्रोजन कार्बन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर बारह ही हो गए तेरह चौदह पंद्रह सोलह न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने दोस्त सोलह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी है इसकी टू कॉमा एट कॉमा सिक्स है आउटर मोस्ट में छह है अब भैया मैं स्ट्रक्चर भूल जाता हूं एक ट्रेंड याद है सो ब्यूटिफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग अ जस्ट लुकिंग अ जस्ट लुकिंग अ वाओ मैडम ने ट्रेंड बनाया हमने इसको केमिस्ट्री में यूज कर लिया तो जस्ट लुकिंग लाइक वाओ तो ये वाओ का डब्ल्यू दिख रहा है क्या तुमको इसको उठा के नीचे लेके आओ ये W को नीचे लेके आए अपन हाँ। ले आए? हाँ। एक और बार W बनाओ ओवरलैप करो इसको ओवरलैप कर दिया कर दिया हाँ अब हर कॉर्नर पे सल्फर लगा दे मेरे बेटा जितने तेरे कॉर्नर है ना सब पे सल्फर लगा देख आठ बनेंगे आठ टोटल देख बेटा एक और ये ऐसे है। ठीक है अब देख एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ हो गई क्या हाँ, आठ हो गई क्या हाँ बात खत्म यही स्ट्रक्चर है तो ये कैसा है राजा के मुकुट जैसा किंग्स क्राउन लाइक स्ट्रक्चर राजा के मुकुट के जैसा स्ट्रक्चर है सुनील भाई राजा के मुकुट के जैसा है किंग्स क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है एसेट का अब सुनील भाई अगर इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये देखिए कैसे बनेगा सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में छह इलेक्ट्रॉन्स है अब यहां पर उसको स्टेबल होना है है ना टू अटेन ऑक्टेट इट शुड हैव एट इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू आर्गन तो ये कितना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो आउटर मोस्ट में आठ हो जाएंगे अब देखो यहां पर ये भी दो दो इलेक्ट्रॉन की सारे सल्फर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे सारे सल्फर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे ठीक अब ध्यान से देखो बेटा ध्यान से देखो बेटा अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात और ये आठ हो गए आठ जी इस सल्फर के काउंट करो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ हो गए आठ ठीक एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एसेट तो राजा के मुकुट के जैसा स्ट्रक्चर है ये वाव का डब्ल्यू लीजिए उसको ओवरलैप मार दीजिए खत्म का राजा का मुकुट लीजिए या आप ये वाव का डब्ल्यू लीजिए इसको ओवरलैप मार दीजिए एक बार लिखा एक और बार लिख दिया हर कॉर्नर पे एक सल्फर का एटम आप लगा दीजिए ये आपका क्रिंग्स क्राउन लाइक स्ट्रक्चर राजा के मुकुट जैसा जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एसेट क्या बात है अब अगर मेरे राजा बेटा प्यारा बेटा प्यारी बहना को समझ में आया तो एक बार आय का नारा लगा देंगे जल्दी से फटाफट से आय का नारा लगा देंगे जल्दी से कि भैया यहां पे समझ में आ गई बात कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वो जिन मैडम ने वाव वाला बनाया था ना वो मेरे से बात करी थी क्या मैं वो वाव वाला बना दू क्या मैंने कहा वो ट्रेंड बना दो कोई दिक्कत नहीं वाव का डब्ल्यू अपन उठा के केमिस्ट्री में इस्तेमाल कर लेंगे ठीक है बेटा अब अपना तो वायरल हुआ नहीं उधर वायरल हो गया क्या करें कोई बात नहीं वायरल होने से क्या करना है पढ़ाने से मतलब है ठीक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ध्यान से सुनेंगे राजा बेटा प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे बहुत सरल सी बात है अगर आपका सेम एलिमेंट सेम तत्व एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स में वाइल्ड बींग इन द सेम फिजिकल स्टेट तो इस, इसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स और इस साइंटिफिक फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रोपी या फिर एलोट्रोपिज्म जैसे मान लीजिए सेम एलिमेंट उठाता हूं कार्बन फिजिकल स्टेट उठा, उठाता हूं मैं सॉलिड सेम एलिमेंट है मेरे पास कार्बन फिजिकल स्टेट है मेरे पास सॉलिड सेम एलिमेंट कार्बन सेम फिजिकल स्टेट है सॉलिड अब इसमें ये डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है इसको एलोट्रोप्स कहते हैं ठीक है सुनील भाई सेम एलिमेंट सेम फिजिकल स्टेट में मान लीजिए कार्बन सॉलिड स्टेट में डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स बनाता है इसे कहते हैं एलोट्रोप्स फिनोमेना वो कहते हैं एलोट्रोपी अब बहुत सारे लोग बोलते हैं एलोट्रोप्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है गलत बात कहते हैं स्टार बना के लिख दीजिए सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रोप्स आर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रोप्स आर सेम सारी सेम नहीं होती कुछ सेम होती है ठीक है जब एजुकेटर या कोई भी किताब लिख रही है सारी तो वो एक्सेप्शनल केसेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसीलिए आपको लिखना है कि सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलोक्ट्रोब्सा सेम सारी सेम तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए ठीक है क्या डायमंड और ग्रेफाइट की सारी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्या नहीं है ना चलो अब डायमंड अब बेसिकली डायमंड जो शब्द है है ना इसके ओरिजिन वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, बट ये आया है शब्द एडमास से जिसका बेसिकली मतलब होता है एडमेंट इन uh, या इनफ्लेक्सिबल अब डायमंड की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है एलोट्रोप है कार्बन का एलोट्रोप ऑफ कार्बन ठीक है एंड फिजिकल स्टेट क्या है इसकी सॉलिड होती है फिजिकल स्टेट क्या है सॉलिड है कैसी है फिजिकल स्टेट सॉलिड है मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं अगर आपको रेड नजर नहीं आ रहा है तो एक भाई ने कहा था सर रेड नजर नहीं आ रहा है तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है फिजिकल स्टेट क्या है सॉलिड है अब देखिए सॉलिड ही फिजिकल स्टेट होगी और सेम एलिमेंट कार्बन होगा कार्बन होगा एलिमेंट फिजिकल स्टेट होगी सॉलिड और डायमंड की डायमंड के डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स होंगे अब जैसे कि डायमंड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहां पर यह वाला जो कंसेप्ट है इसको मैं बोलता हूं कंसेप्ट वन ध्यान से फोकस कीजिए कंसेप्ट वन क्या कहता है यह चैप्टर थ्री में भी मैं आपको बताऊंगा पहला पॉइंटर जो है डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सबस्टांस है एंड इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बिल्कुल नोट कर लीजिए हीट का बेस्टेस्ट कंडक्टर आपका संसार में डायमंडे डायमंड में तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो हीट ट्रांसफर कौन करता है अगेन मिसकनसेप्शन हीट ट्रांसफर इन सॉलिड डज नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का सॉलिड में जो हिट ट्रांसफर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अटोमिक वाइब्रेशन जो वेब्स के फॉर्मेट में होते हैं हीट ट्रांसफर कहते हैं मेटल नॉन मेटल में पढ़ाऊंगा पर आपको यह फैक्ट याद रखना है है अभी के लिए कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग कौन सा है? आपका डायमंड और साथ साथ ही बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी आपका क्या है डायमंड है हार्डेस्ट का मतलब क्या होता है या हार्ड का मतलब क्या होता है जब आप किसी चीज को स्क्रैच करें या किसी चीज को काटने की कोशिश करें तो वो एक अवरोध लगाती कि सुन तेरे को मैं काटने नहीं दूंगा खुद को या स्क्रैच करने नहीं दूंगा इट इज़ हार्डनेस। तो उस हार्डनेस प्रॉपर्टी में सबसे हार्ड जो है वो डायमंड है। पहली बात क्लियर? डायमंडर दूसरा अब डायमंड कुछ बहुत बड़े स्ट्रक्चर का एक छोटा सा यूनिट में उठा के लेके आया हूं जिसको मैंने क्यूब के ऊपर प्लेस करा है एटम्स के अरेंजमेंट को जिसको आपको थोड़ा समझना है थोड़ा समझना है इसको अब अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो यहां पर आपको क्या चीज नजर आती है सबसे पहला आठ एटम्स जो है वो कॉर्नर पे है आठ एटम्स ठीक है ना एट कॉर्नर तो वन एट ईच कॉर्नर हर कॉर्नर पे एक 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 भैया क्यूब के आठ नहीं आठ पॉइंट्स है ना ये कॉर्नर्स कितने हैं आठ आइटम कॉर्नर पे लगा दिए डायमंड ने दूसरा छह फेसेस है सिक्स एटम्स एट फेसिस वन एट ईच फेस मतलब एक दो तीन चार पांच छ एक, एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छह टोटल छह फेज होते हैं हर फेज पे एक ऐटम है और तीसरी बात फोर एटम्स इन बिटवीन हरे कलर से जो चार एटम्स लिखे हुए फोर एटम्स इन बिटवीन इससे बेसिकली इस पूरी यूनिट को बार बार रेप्लीकेट करते जाओगे तो डायमंड का स्ट्रक्चर बनेगा ये एक छोटी सी यूनिट मैंने डायमंड के स्ट्रक्चर से उठाई है अब यहां पर अगर हम देखें तो आठ एटम्स तो कॉर्नर के ऊपर है हर फेस पे एक एक एटम है और चार एटम्स बीच में से रैंडम आपके हरे कलर के पड़े हैं अब सुनील भाई ये किस प्रकार के यूनिट स्ट्रक्चर है थोड़ा सा ये समझाइए अब अगर आप यहां पर ये तो कंसेप्ट नंबर वन में टू में इसको डिवाइड कर दीजिए ये वन हो गया ये टू हो गया कंसेप्ट थ्री पे आइए अगर मैं आपसे पूछू टेट्राहीड्रॉन क्या होता है ध्यान से सुनना टेट्राहीड्रॉन क्या होता है तो आप कहेंगे सुनील भाई टेट्राइड्रन का क्या मतलब होता है टेट्राइड्रन का मतलब होता है कि ऐसा एक ट्राइंगुलर बेस होगा, जो एक टॉप पॉइंट से कनेक्टेड होगा इसको बेसिकली क्या बोलेंगे ऊपर वाले पॉइंट से ये तीनों पॉइंट कनेक्टेड होंगे ठीक है ठीक है हा अब इसी टेट्राहीड्रन में इसी टेट्राहीड्रन के अंदर अगर मैं क्या करूं ये आपका ट्राइंगुलर बेस है यह आपका टॉप है ठीक अगर मैं क्या करता हूं अगर मैं क्या करता हूं इसके चारों कॉर्नर पे एक एक कार्बन के एटम को रख दू मतलब इसका एक कॉर्नर एक कॉर्नर एक कॉर्नर और एक कॉर्नर करना एक बात इसके चारों कॉर्नर पे एक एक एटम रख दो मेरी पॉइंट को समझो एक ट्राइंगुलर तो बेस है और ये तीनों के तीनों एक पॉइंट से ऊपर कनेक्टेड है हर कॉर्नर पे ये एक ये दो ये तीन और ये चार चार तो एटम्स यहां हो गए और एक एटम को अगर मैं स्टेट्राहीड्रल यूनिट के बीच में रखता हूं ठीक है और फिर मैं बोलूं कि इनके बीच में क्या है इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप रिड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ बहुत बढ़िया सी चीज मिलती है जिसमें से एक कार्बन एटम तो ये रहा आपका सेंटर में है ना फिर ये, देखिए ऊपर इधर येरा एक इधर येरा एक इधर येरा और एक इधर येरा है ना कितने एटम से लिंक्ड है ये एक कार्बन एटम एक कार्बन एटम ये दूसरा कार्बन एटम तीसरा कार्बन एटम और चौथा कार्बन एटम तो ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला मैंने बोला टेट्रा क्या होता है एक ट्राइंगुलर बेस होगा और ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है ये टॉप पॉइंट से कनेक्टेड होंगे टेट्रा हीड्रन कहते हैं मतलब ट्राइंगुलर बेस है टॉप पॉइंट है ये तीनों के तीनों पॉइंट से कनेक्ट होगा इसको टेट्राइड्रन बोलते हैं अब इसके जो चार कॉर्नर से उस पर चार कार्बन आइटम रखिए और सेंटर में कार्बन आइटम रखिए जो बीच में है ये बीच में क्या है एक और कार्बन आइटम है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं आपको पता है ये स्ट्रक्चर कहलाता है ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है टेट्राहीड्रल यूनिट कहलाती है टेट्राहीड्रल यूनिट कहलाती है सुनील भाई ये टेट्राहीड्रल यूनिट यहां तो नजर नहीं आ रही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टेट्राहीड्रल यूनिट ये रही यूनिट यूनिट ये की सेम यहां है और ऐसी सारी यूनिट्स रिपीट होती है पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैंने पहले पूरे डायमंड के स्ट्रक्चर को इस क्यूब पे ड्रॉ किया फिर क्यूब से हम और अंदर गए तो हमने देखा कि टेट्राहीट्रल यूनिट्स है पूरा जो बड़ा स्ट्रक्चर है डायमंड का उसको सबसे पहले हमने उसके छोटे से पार्ट को क्यूब पे ड्रॉ करा फिर इसको हमने देखा कि यहां पर जो छोटी छोटी और यूनिट्स है वो क्या है टेट्राइड्रल यूनिट्स ये सारी यूनिट्स रिपीट होकर ओवरऑल स्ट्रक्चर को बनाती है टेट्राइड्रल यूनिट्स ये जो टेट्राइड्रल यूनिट्स है दीज यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म कंबाइन टू फॉर्म थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ थ्री डी रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड समझ में आ गया क्या क्लियर है बात क्लियर है बात देखो यही लिखा है यहां पे इन डायमंड, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स लिविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देखिए हीट ट्रांसफर अलग चीज है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन अलग चीज है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही होती है, है ना तो यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा ब्लैक से लिख देता हूं भाई दिखेगा नहीं नहीं तो तुमको ठीक है ब्लैक से ही लिख रहा हूं ताकि दिखने लग जाए नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ठीक है तो ये बिजली का कंडक्शन नहीं करते हैं तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरली ऑगरिंग है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है डायमंड में हर कार्बन एटम चार कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है जिस वजह से यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता एंड डायमंड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता यही मैंने बोला ना यूनिट्स कंबाइन करके ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाती है यह यहाँ है ये देखो यहां पे लिखा हुआ साथ ही साथ एक पॉइंट आता है क्या हम सिंथेटिक डायमंड बना सकते हैं एनसीआरटी में लिखा एक छोटा सा पैराग्राफ कैसे बना सकते हैं ग्रेफाइट एक अनादर फॉर्म है कार्बन का जो अभी मैं आपको बताऊंगा इसको जब आप हाई टेम्परेचर देते हैं लगभग तीन डिग्री सेल्सियस का और हाई प्रेशर देते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये सिंथेटिक डायमंड बना लेता है एक डायमंड वो होता है जो हम जमीन के क्रस्ट से निकालते हैं और एक डायमंड वो होता है जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आई होप तीनों क्लियर है डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सबस्टांस है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है हर कार्बन एटम चार कार्बन एटम से बॉन्डेड है इसीलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बिजली कंडक्ट नहीं करेगा साथ ही साथ ग्रेफाइट को जब आपने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो वो डायमंड बना लेगा ये सिंथेटिक डायमंड्स हैं, जो अपन बना रहे हैं क्लियर है बात जी चलो दूसरा ग्रेफाइट अगेन एलोट्रोप ऑफ कार्बन फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पे क्या है सॉलिड अब ध्यान से देखिए सुनील भाई ग्रेफाइट कहां पे देखू मैं मैंने तो देखा ही नहीं ग्रेफाइट कुछ नहीं करना बेटा तेरे को पेंसिल उठानी है और पेंसिल का कोर देख लेना है पेंसिल का सेंटर देख लेगा ना ये आपका ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट कैसा होता है ओपेक होता है ओपेक फिजिक्स में पढ़ा है ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट को खुद के अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देते अब क्यों नहीं होने देते इसके पीछे की बहुत बेहतरीन सी फिजिक्स है तो ओपेक यानी वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को खुद से पास ना होने दे तो ग्रेफाइट ओपेक होता है ग्रेइश ब्लैक कलर का होता होता है, है, ब्रिटल ज्यादा फोर्स लगाओगे टूट जाएगा और लस्ट्रस होता है चमकीला होता है ओपेक यानी लाइट को चारों तरफ आर पार नहीं होने देगा ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है ब्रिटल होता है ज्यादा फोर्स लगाई चटक जाएगा लस्ट्रस मतलब चमकता है अब च लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्रेफीन हर लेयर को हम क्या बोलते हैं यहां पर ग्रेफीन ग्रेफिन ग्रेफिन यह स्ट्रक्चर है ईच लेयर इज कॉल्ड ग्रेफीन क्या बोलते हैं ग्रेफीन बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्रेफीन ईच लेयर इज कॉल्ड ग्रेफीन एंड ये वाला जो अरेजमेंट मैंने उठाया है इसमें ऑल्टरनेट सेम है ग्रेफाइट के अरेंजमेंट बहुत सारे हो सकते हैं जो अरेंजमेंट मैंने उठाया है उसमें अगर आप देखेंगे तो ए लेयर है ये, फिर ये बी है, है तो हर ऑल्टरनेट जैसी है ठीक है ग्रेफाइट की हर एक छोड़ के एक लेयर क्या है एक जैसी है नाउ द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्सागोनल एरे यानी शेप में है ना ये और ये तीर के जैसा तीखा लगता है, है। so स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर उसके पीछे का लॉजिक उनका ये होता है कि ये जो शेप दिख रहा है ये मधुमक्खी के छत्ते में भी देखने के लिए मिलता है तो वो लोग कहते हैं कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर है ठीक है हनी कॉम स्ट्रक्चर है देखो पॉइंटर नंबर वन क्लियर हो गया दूसरा क्लियर हो गया तीसरे पे आ जाओ अब देखो राजा बेटा यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन एटम है कितने से बॉन्डेड है एक दो और तीन से बॉन्डेड है मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर देखो इधर से ये कार्बन एटम एक दो तीन से बॉन्डेड है एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो यानी ग्रेफाइट में कार्बन तीन कार्बन से बॉन्डेड है ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम लिविंग फ्री इलेक्ट्रॉन हेंस ग्रेफाइट ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए बिजली कंडक्शन करता है बिकॉज बिजली के कंडक्शन के लिए फ्री या फिर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है जो बिजली कंडक्ट करेंगे ठीक है क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई बात जी भैया ये बात क्लियर हो गई हमको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बॉल एंड स्टिक मॉडल भी कहते हैं क्या कहते हैं यह जो मॉडल आपके सामने दे रखा है दैट इज नोन एज बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ ग्रेफाइट जहां पर मेरे दोस्त बॉल क्या है कार्बन एटम्स है कार्बन एटम्स है और स्टिक क्या है कोवलेंट बॉन्ड है ठीक है जी भैया चलो आगे चलते हैं नाउ अगेन क्यूलरीन क्या है ये फॉर्म ऑफ कार्बन या एलोट्रोप ऑफ कार्बन तो एलिमेंट आपका सेम है सुनील भाई एलोट्रोप का मतलब सेम एलिमेंट सेम फिजिकल स्टेट में यानी फिजिकल स्टेट क्या होगी सॉलिड होगी फिजिकल स्टेट क्या होगी सॉलिड होगी सेम एलिमेंट सेम फिजिकल स्टेट में डिफरेंट स्ट्रक्चर अब देखो डायमंड, ग्रेफाइट, फ्यूलरीन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है समझ में आ रहा है यह स्ट्रक्चर है तुम्हारे फ्यूलरीन का। मजे की बात क्या है अगर आप लोगों से पूछेंगे या कभी किसी को मिसकन कंफ्यूजन uh, है मिसकनसेप्शन है तो जो पहली फ्यूलरीन मिली थी या जो डिस्कवर की गई थी नॉट मिली थी डिस्कवर की गई थी वो थी सी सिक्सटी सी तो सिक्सटी का नाम जो है वो बकमिनिस्टर फ्यूलर के नाम पे रख दिया गया बकमिनिस्टर फ्यूलर के नाम पे रख दिया गया तो लोगों को लगता है पहली फ्यूलरीन डिस्कवर करी थी बक मिनिस्टर फ्यूलर ने अब देखिए दिक्कत क्या है मैं आपको वो समझाता हूं जो पहली फ्यूलरीन थी सी सिक्सटी यह पहली फ्यूलरीन है सी सिक्सटी सी साठ यानी साठ कार्बन के एटम्स यहां पर है यह डिस्कवर हुई उन्नीस सौ पिचासी में डिस्कवर करी थी एच डब्ल्यू क्रोटो आर स्मोली एंड आर एफ गर्ल जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला उन्नीस सौ छियानवे में शायद है ना लेकिन इन तीनों ने इसका नाम बक मिनिस्टर फ्यूलर पर रखा बक मिनिस्टर फ्यूलर तो एक आर्किटेक्ट है तो इसके नाम पे क्यों रखा क्योंकि बक मिनिस्टर फ्यूलर ने एक डोम का डिजाइन बनाया था और उस डोम की डिजाइन इसके जैसी थी तो उन्होंने कहा यार बहुत बढ़िया आदमी था इसको इज्जत देने के तौर पर हम इसका नाम बक मिनिस्टर रखते हैं तो फर्स्ट फ्यूलर इन सी एच डब्लू स्ट्रक्चर टू द डोम डिजाइन बाई हिम तो सबसे पहली यह चीज मत लिख देना कि बक मिनिस्टर फ्यूलर ने डिस्कवर करी आर्किटेक्ट थे केमिस्ट्री की चीज है दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बीस छ मेंबर की रिंग्स होती है और बारह पांच मेंबर की रिंग्स होती है ठीक है जैसे ये छह मेंबर की रिंग हो गई ये वाली दिख रही है ये छह मेंबर की रिंग हो गई ये वाली ठीक है ये छह मेंबर की रिंग हो गई और फिर क्या है बारह पांच मेंबर की रिंग है ये पांच मेंबर की रिंग है जो तुम्हें नजर आ रही है ये री है ना ये वाली पांच मेंबर की रिंग है तो ये छह वाली है और ये पांच वाली है ठीक है तो बीस तो छह मेंबर की रिंग है और बारह पांच मेंबर की रिंग है तो छह मेंबर की रिंग जो है वो बेसिकली बॉन्ड बनाती है पांच और छ मेंबर की रिंग से सिक्स मेंबर वाली जो है वो पांच वाली से भी कनेक्टेड है और छह वाली से भी कनेक्टेड है देख रहे हो ये देख रहे हो छ मेंबर की है यहां पर भी छह मेंबर की है ये पांच मेंबर की है ये अगेन छह मेंबर की है ये पांच मेंबर की है तो जो छह मेंबर वाली है वो पांच वाले से भी कनेक्टेड है और छह वाले से भी कनेक्टेड है लेकिन जब आप पांच वाले को देखते हैं तो वो चारों तरफ से छह मेंबर वाली रिंग से जुड़ा हुआ है देखो पांच मेंबर वाली सिर्फ छह मेंबर वालों से जुड़ी हुई है मेरी बात समझ में आ रही है छह मेंबर वाला पांच से भी कनेक्टेड है और छह से भी कनेक्टेड है लेकिन पांच मेंबर वाला चारों तरफ से छह से घिरा हुआ है ठीक है सो वाइन फाइव मेंबर रिंग्स और यह स्ट्रक्चर किसके जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो फुटबॉल जैसा दिख रहा है क्या यस yes. तो सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर या फिर इसको बकी बॉल स्ट्रक्चर कहते हैं समझ में आ गई बात तो ये हुए तुम्हारे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जिसमें हमने बात करी डायमंड ग्रेफाइट फ्यूलरी तो सेम एलिमेंट कार्बन सेम फिजिकल स्टेट सॉलिड स्टेट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखो और फिर इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखो तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो क्या डेफिनेशन समझ में आई तुम्हें क्या डेफिनेशन समझ में आई सेम एलिमेंट कार्बन सेम फिजिकल स्टेट सॉलिड डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर समझा पा रहा हूं क्या दोस्त मजा आ रहा है क्या दोस्त चलो आगे चलेंगे अब आगे चलेंगे जल्दी चलो अब ब्रेक चाहिए या हटाऊं अभी ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए जल्दी बताओ बोलोगे तो आगे चलेंगे बेटा आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा ठीक है ठीक है देखिए मेजरली बच्चे कह रहे हैं? नहीं तो चलिए आगे चलते हैं मैं आपको दस मिनट का ब्रेक आगे दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है अब स्टार्ट करते हैं यहां पे नई चीज इंट्रोडक्शन टू सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है ना सो so, सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं सुनील भैया ये बता दीजिए ठीक है तो एक एक मिनट का गैप पानी पी लेते हैं बस ठीक है है ना मैं यहां पे क्या लाया हूं ये ओ आर एस लेके आया हूं मैं है ना ताकत के लिए आप भी पी लीजिए कुछ ना कुछ जूस और ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ठीक है तो ये बस इसीलिए कि पढ़ाते पढ़ाते मैं गिर ना जाऊं ठीक है चलो बेटा जो भी बोर्ड्स में आएगा अपना लेक्चर से बाहर नहीं आएगा टेंशन ना लीजिए सब कुछ खत्म करके आएंगे आप ठीक है ठीक है चलो कम समय में जितना ज्यादा मैं आपको बता सकता हूं उतना बता रहा हूं दिक्कत मैंने आपको फिर बोला एनसीआरटी ने तोड़ फोड़ के कंसेप्ट डाले हैं तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट बनता है कि मुझे उसको स्ट्रक्चर्ड करना पड़ रहा है अगर अभी आपने फ्लो देखा तो एनसीआरटी से मैच नहीं कर रहा एनसीआरटी टेक्स एन एफर्ट टू क्रिएट द बेस्टेस्ट पेडागोजी फ्लो ठीक है चलिए अब सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यहां पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एक कैटेगरी उसका उसका नाम नाम है है एक कैटेगरी और एक कैटेगरी उसका नाम है, है, है एलकाइन लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप सोच रहे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं बताया था हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स सो हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर बेसिकली नोन एज हाइड्रोकार्बन अब यहां पर अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पास है हमारे पास है एल्केन हमारे पास है एल्किन और हमारे पास है एल्काइन अब देखिए यहां पर इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है लेकिन स्पेशल कंडीशन के साथ बताऊंगा फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू यानी जितने कार्बन होंगे उसके ट्वाइस से दो ज्यादा हाइड्रोजन होंगे ध्यान से फोकस करो अगर एन कार्बन है तो जस्ट ट्वाइस करोगे तो कितना हो जाएगा टू हो जाएगा इसमें दो एड कर दो इतने हाइड्रोजन होंगे जितने कार्बन है उसका जस्ट ट्वाइस कर दो समझ रहे हो देखो अगर तुम्हारे पास एन कार्बन है तो अगर तुम हाइड्रोजन को टू एन कर दोगे ठीक है तो ये एल्किन कैटेगरी लेकिन मैं सारी स्पेशल कंडीशन बताऊंगा इसलिए सुनना फिर अगर एन कार्बन हो और जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन में से दो कम हाइड्रोजन हो तो ये एल्काइन कैटेगरी कहलाती है बट इज एनी स्पेशल कंडीशन फॉर दिस यस आई टेल यू तो पहला एलकेन में एन कार्बन है हाइड्रोजन क्या होंगे ट्वाइस से दो ज्यादा जितने कार्बन उससे जस्ट हाइड्रोजन एल्न जितने कार्बन उससे जस्ट हाइड्रोजन में से दो और माइनस कर दीजिए तो वो एल्काइन पर मेरे राजा बेटा अब इनमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा सुनना यहां पर सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे आप कितना भी लंबा चेन बनाइए उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल 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 बॉन्ड होगा यहां पर एक डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा फिर से नोटिस देखिए मैंने बोला एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोला मैंने पता है बच्चा क्या करता है लंबी कार्बन की चेन बनाता है एक डबल बॉन्ड आगे लगाता है एक बीच में लगाएगा या आखिरी में लगाएगा कहेगा भैया ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो मेरे राजा बेटा ये फॉर्मूला एक डबल बॉन्ड के लिए डिफाइंड है ठीक है ना किताब नहीं बताती कोई बात नहीं भैया बता रहे एक डबल बॉन्ड के अलावा अगर मेरे मसीहा तुमने दो डबल बॉन्ड लगा दिए तब तो इसका फॉर्मूला कभी इससे सेटिस्फाई नहीं होगा ये एक डबल बॉन्ड के लिए सेटिस्फाइड है ठीक है और मेरे दादा ये एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए सेटिस्फाइड है यानी कितनी भी लंबी चेन हो उसमें ऐसे दो कार्बन होंगे जिनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा कितनी भी लंबी चेन हो उसमें दो कार्बन ऐसे होंगे जिनके बीच में एक डबल बॉन्ड होगा तब ये फॉर्मुला यहां पर अप्लाई होते हैं ठीक है बेटा ठीक है भैया मजा आ रहा है अब ये टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन बनता है सेचुरेटेड और ये बनता है अनसेचुरेटेड अब ये रटना नहीं है मैं आपको इसका मतलब बताता हूं कि इसको सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं और इसको अनसेचुरेटेड क्यों बोलते हैं रटने वाली बात नहीं है मैं आपको बताऊंगा फिर उसके बाद इनके नामों के आखिरी में इनके नामों के आखिरी में एक प्राइमरी सफिक्स मैं बताऊंगा अभी आपको क्या मतलब है इसका पर आप पहले ये समझिए सफिक्स का मतलब क्या होता है सफिक्स का मतलब होता है जो नाम के आखिरी में आ जाए फ्रेज आफ्टर जो किसी भी चीज के आखिरी में आ जाए फ्रेज आफ्टर उसे सफिक्स कहते हैं तो इनके नाम के आखिरी में एक शब्द आता है इनके नाम के आखिरी में आता है एन एन इन से आता है इनके आम के आखिरी में इन और इनके नाम के आखिरी में आता है आइन एन इन आइन इससे इनकी पहचान होती है कि एल्केन का है ये एल्किन का है या एल्काइन का है सुनील भाई डाउट आ रहे हैं ये दोनों का मतलब समझाओ सुनो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जब मैं आपसे बात करूं और मैं आपको पूछू कि आपका डेली शेड्यूल कैसा चल रहा है क्या आप अपने जीवन से खुश हो क्या आप कुछ और करना चाहते हो तो आप कहोगे सुनील भाई सेचरेट हो चुका यार जीवन से मैं इसका क्या मतलब है कि जितना मैक्सिमम तुम जीवन में कर सकते थे तुम कर रहे हो स्कूल जा रहे हो ट्यूशन पे आगे पढ़ रहे हो फिर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो है ना फिर टेस्ट असाइनमेंट होमवर्क वायुवा प्रैक्टिकल फलाना ढिमकाना घर का प्रेशर सोसाइटी का प्रेशर दोस्तों का प्रेशर टीचर का प्रेशर अब मैं जितना झेल सकता हूं ना मैक्सिमम झेल चुका हूं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अब ये किससे सेचुरेट हो गया मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसपे प्रेशर है नहीं 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 ये मैक्सिमम जो कर सकता था कर चुका है मतलब देखो मतलब ये कि यहां पर कार्बन पर जितना मैक्सिमम हाइड्रोजन अटैच हो सकता है बॉन्ड बनाने के लिए अटैच हो चुका है कार्बन को वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए चार बॉन्ड बनाना है ना कितना बॉन्ड बनाना है एक दो तीन चार तो मैक्सिमम वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन बोलता है कि मैं आऊंगा तो इसी वजह से कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है डबल बॉन्ड नहीं बनाता ना तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इसको सैचुरेटेड कहते हैं सो कार्बन एटम्स आर सेचुरेटेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जिसकी वजह से कोई मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते ही नहीं है नो मल्टीपल आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स तो जब आपसे कोई पूछता है हाइड्रोकार्बन किस चीज से सेटेड है अरे जितना उसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन चुपक सकता है चुपक गया अब कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और अनसेचुरेटेड का मतलब अब जस्ट उल्टा देखो ये सैचुरेट नहीं हुआ हुआ मतलब यहां पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे मैक्सिमम हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बन एटम्स आर नॉट विद एटम्सिम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ड्यू टू तो विच मल्टीपल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स तो अब अगर यहां पर मैक्सिमम हाइड्रोजन अगर आपके कार्बन पे नहीं अटैच हुआ है तो इसीलिए यहां पर कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपस में बना लेंगे समझ गए आप चलिए अब देखिए आपको कुछ बढ़िया चीजें सिखाते हैं सबसे पहले नामकरण करने के लिए आपके सिलेबस में इतना है योर सिलेबस लिख लीजिए मैं सिलेबस से बाहर अभी नहीं कूदने की कोशिश करूंगा सिलेबस सिलेबस में कूदूंगा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताऊंगा जितना जरूरी है ठीक आप इसमें सबसे पहला शब्द आपको दिख रहा होगा प्रीफिक्स तो प्रीफिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है प्रेज बिफोर रूटवर्ड उसी प्रकार से दो तरीके के सफिक्स आते हैं यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स है ए नी नाइन सेकेंडरी सफिक्स अभी मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स में और आगे चल के बताऊंगा ठीक है तो अभी आपको क्या याद रखना है सफिक्स इस शब्द का मतलब क्या होता है शब्द का मतलब होता है प्रेस आफ्टर रूटवर्ड यानी जिस चीज को हम रूटवर्ड के बाद लिखे वो सफिक्स और जिस चीज को हम रूटवर्ड के पहले लिखे वो प्रीफिक्स अगेन कह रहा हूं सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूं तो जिस चीज को हम लोग रूटवर्ड के पहले लिखे वो प्रीफिक्स जिस चीज को वर्ड के बाद लिखे वो बेसिकली क्या हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा सफिक्स क्या बात है बहुत बढ़िया अच्छी बात अब यह रूटवर्ड क्या होता है रूटवर्ड क्या होता है तो देखो जितने कार्बन एटम्स तुम्हारी कार्बन के अंदर होंगे जितने कार्बन एटम्स उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन में होंगे जितने कार्बन एटम्स उस हाइड्रोकार्बन में होंगे ये उसका रूटवर्ड बनाएगा रूटवर्ड से पहले प्रीफिक्स आता है रूटवर्ड के बाद सफिक्स आते हैं दो आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अब जितने कार्बन होंगे उसके बेसिस पे नाम कैसे तय होगा तो मेरे राजा बेटा देखो एक कार्बन है तो नाम लिखो मैथ दो है तो लिखो एथ तीन है तो लिखो प्रॉप चार है तो लिखो ब्यूट पांच है तो पेंट छ है तो हेक्स सात है तो हेप्ट आठ है तो ऑक्ट नौ, तो नौ, नौ है तो नौ दस है तो डेक इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना अभी एक कार्बन होगा तो बोलेंगे मैथ रूटवट दो कार्बन होगा तो बोलेंगे एथ तीन कार्बन होगा तो बोलेंगे प्रॉप चार होगा तो ब्यूट पांच होगा तो पेंट छ होगा तो हेक्स सात होगा तो हेप्ट आठ होगा तो ऑक्ट नौ होगा तो नॉन और दस होगा तो डेक ठीक है क्लियर है बात जी भैया राजा बेटा अब देखो मेरे राजा राजा बेटा इधर लिखते हैं जनरल फॉर्मूला फटाफट से तीनों का लिख दो अपने कोर्स के हिसाब से सी एन एच टू एन प्लस टू क्या बात है सुनील भैया जितना कार्बन उससे जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन और जितना कार्बन उसके ट्वाइस से दो कम ठीक है राजा बेटा जी सुनील भैया एन की वैल्यू कहां से आएगी एन की वैल्यू ये है ये बेसिकली आपका क्या है एन जो है वो यही है ठीक है तो सुनील भाई एन की वैल्यू डाल के देखते मजा आएगा तो डाल के देखिए आप एन की वैल्यू अगर आपने एन की वैल्यू को यहां पर वन प्लेस किया तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी वन एच फोर दैट इज सी एच फोर यहां पर अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू को टू प्लेस किया तो हो जाएगा सी टू एच टू क्रॉस टू मतलब हो जाएगा फोर यहां पर अगर आपने एन की वैल्यू को फॉर एग्जाम्पल थ्री प्लेस कर दिया चले टू पे लेके चलते हैं थ्री वाला केस आगे अभी बताऊंगा तो मान लीजिए अगर आपने एन का वैल्यू यहां पर टू प्लेस कर दिया तो यहां पर ये यह कितना हो जाएगा सी टू टू क्रॉस टू फोर माइनस टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा तो सी टू एच टू हो जाएगा अब इसका नाम कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं सबसे पहली बात यहां पर अभी प्रीफिक्स आपके पास नहीं है प्रीफिक्स अभी आप आगे देखेंगे प्रीफिक्स बेसिकली किसके लिए लगाया जाएगा सब्सिट साइड चेन या ब्रांचेस आगे मैं बताऊंगा अभी तो वहां पे प्रीफिक्स लगाएंगे सिमिलरली सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आगे सेकेंडरी uh, सफिक्स भी आगे हम देखेंगे अभी हमारा इन दो चीजों से काम हो जाएगा कैसे देखो अब यहां पर ये यह किसके जनरल फॉर्मुला को सेटिस्फाई कर रहा है के के ये -K -K, ये के कितना कार्बन एटम है एक कार्बन एटम है तो आप लिखेंगे यहां पर रूटवर्ड मैथ प्राइमरी सफिक्स कैटेगरी के, के फॉर्मुला को सेटिस्फाई कर रहा है तो लिखेंगे एन प्राइमरी सफिक्स नाम बन जाएगा मीथेन क्या बन जाएगा मीथेन प्राइमरी सफिक्स को लिखता हूं पी एस और इसको लिखता हूं आरडब्ल्यू तो रूटवर्ड आरडब्ल्यू प्लस प्राइमरी सफिक्स रूटवर्ड दो दो कार्बन में क्या होगा एक कार्बन में, में मेथ दो कार्बन में दो कार्बन में एथ दो कार्बन में क्या हो जाएगा एथ तो रूटवर्ड तो क्या हो जाएगा रूटवर्ड हो जाएगा एथ प्लस प्राइमरी सफिक्स किसके जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है एल्कीन के तो इन जुड़ जाएगा नाम बढ़ जाएगा इथीन यह किसके फॉर्मुला को सेटिस्फाई कर रहा है एल्काइन के तो रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स रूटवर्ड क्या है दो कार्बन है तो एथ प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा आइन नाम हो जाएगा इथाइन ठीक है तो इसका नाम हो जाएगा बेसिकली आपके पास मीथेन इथीन इथाइन ठीक है मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए अब इससे ज्यादा बेसिक पे तो और क्या जाऊं क्या बोला मैंने मैंने बोला इसका जनरल फॉर्मूला है सी एन एच टू एन प्लस टू इसका फॉर्मूला वैल्यू थ्री है एंड सो ऑन चल रहा है यहां पे ठीक है एन का वैल्यू थ्री है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो ऑन तो अगर एन का वैल्यू वन प्लेस किया तो सी वन टू इंटू वन प्लस टू कितना फोर हो जाएगा सी टू यहां पर अगर N का वैल्यू टू प्लेस किया तो सी टू एच फोर टू प्लेस किया तो कार्बन दो हो गया और हाइड्रोजन दो मल्टीप्लाई बाय दो होता है चार चार में से दो माइनस किया तो हो गया दो अब मैं ये पूछता हूं आपसे यह दोनों चीजें अभी आगे हमें पता चलेंगी रूटवर्ड और प्राइमरी में इनका काम निपट जाएगा इन कंपाउंड्स का रूटवर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन एक कार्बन दो कार्बन दो कार्बन तो मैथ एथ एथ प्राइमरी सब ये फॉर्मूला किसका सेटिस्फाई कर रहा है इसका एन इन आइन अब इसी चीज को मैं स्ट्रक्चर से समझाऊंगा पर उससे पहले कुछ सवाल उससे पहले कुछ सवाल वाई द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्किन एंड एल्काइन फैमिली इज इथीन एंड इथाइन अगर मैं आपसे सवाल पूछू कि एल्किन और एल्काइन फैमिली का पहला मेंबर इथिन क्यों, है? और मिथाइन क्यों नहीं है क्यों नहीं है बेटा एल्काइल आगे चल के आएगा हर चीज का एक समय है पढ़ाने का उसी समय पढ़ाई जाएगी ठीक है, बेटा, हैक्स है तो हैक्स ही तो लिखा है छह कार्बन पे है लिखा होगा एच ई -e एक्स कार्बन पे लिखा है तो छ पे तो लिखा है हेप्ट पे थोड़ी लिखा है यहां पर कितना कार्बन था एक कार्बन था अनस्टेबल नहीं समझ में आया किस चीज के लिए रूटवर्ड वैलेंसी नॉट हाँ वैलेंसी अच्छा ठीक है वैलेंसी के लिए लिख रहे ठीक है सही है। बिल्कुल सही है तो पहला मेंबर आपका इथिन और इथाइन होगा क्यों सबसे पहला रीजन क्योंकि मिनिमम दो कार्बन एटम्स की जरूरत है अगर आपका एक डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो एल्कीन वाली कैटेगरी कौन सी है सुनील भाई एल्किन वाली डबल बॉन्ड की कैटेगरी है और एल्काइन वाली ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी है तो डबल बॉन्ड किसके बीच में होगा एक कार्बन इधर होगा तो दूसरा इधर होगा ना एक कार्बन इधर होगा तो दूसरा इधर होगा ना तो मिनिमम दो कार्बन चाहिए ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए दो कार्बन चाहिए ना भाई एक कार्बन इधर होगा दूसरा इधर होगा एक इधर होगा दूसरा इधर होगा तो मिनिमम कितना कार्बन चाहिए दो अब दूसरा सवाल जो तुम्हारे दिमाग में आएगा लेकिन मैं तो बनाऊंगा देखो सुनील भैया फॉर्मूला में एन का वैल्यू वैल्यून डालूंगा तो मैं कहता हूं ले डाल ले भाई तू वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी जैसे एक बच्चे ने बोला कि भैया एल्किन का फॉर्मूला होता है सीएनएच टू एन और एल्काइन का होता है सीएनएच टू एन माइनस टू मैंने कहा हाँ कह रहा मैं एन का वैल्यू वन डाल दू तो मैंने कहा ले डाल ले भाई तू बोले यहां पर भी डालूंगा इनका वैल्यू वन मैंने कर ले डाल ले भाई तू बता तो बोला देखो सी वन मैंने कहा तो एच टू मैं अच्छा बोला यहाँ सी वन मैंने कहा वन लिखने की जरूरत नहीं है तो एच बताओ कितना होगा सी वन और एच कितना हो जाएगा टू इंटू वन टू माइनस टू यानी इसका मतलब क्या हो गया सिर्फ कार्बन अकेला घूम रहा है तो कहीं पर भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई क्या यहां पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई क्या यहां पर कार्बन की वैलेंसी हुई क्या उसके जनरल फॉर्मूला को सेटिस नहीं कर रहा ना एलकीन और एल्काइन में बनने के लिए मिनिमम दो कार्बन एटम तो होंगे ना डबल बॉन्ड किसके बीच में दो कार्बन मिनिमम होंगे तभी तो डबल बॉन्ड आएगा और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तुम कह रहे हो मैं तो वैलेंसी तो भी सैटिस्फाई करा लूंगा मैं कर ले। कर ले ले भाई जनरल फॉर्मुला में लगा तुमने एन का वैली वन डाला सी तो कार्बन अभी भी दो बॉन्ड बनाएगा ना कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना तो अभी भी यहां पे दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे अरे भाई दो इसके साथ बना दिए ना टोटल चार वर्ण बनाता है एक एक हाइड्रोजन के साथ दूसरा दूसरा हाइड्रोजन के साथ बाकी दो इधर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं चार के चार ही वैलेंस पड़े इसके तो इसीलिए इसीलिए मिथिन एंड मिथाइन आर नॉट पॉसिबल मिथिन एंड मिथाइन आर नॉट पॉसिबल तो एग्जाम में अगर सवाल आए जो प्रीवियस ईयर में काफी बार आया है कि पहला मेंबर इथीन या या मिथीन या इथाइन होगा होगा तो आंसर होगा इथीन एंड इथाइन चलो दूसरा फिर आपके दिमाग में एक और सवाल आता है कि फिर मीथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों है वाई मीथेन इज एल्किन सुनील भाई फिर तो यह केस मीथेन पे लगाओ मीथेन भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए क्यों आपने बोला था कैटेगरी में वो बिलोंग करेगा जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो इसके लिए भी तो मिनिमम दो कार्बन चाहिए फिर एक कार्बन कार्बन कैसे बन गया जब आप कह रहे हो में आने के लिए मिनिमम दो चाहिए ताकि एक डबल बॉन्ड आए और मिनिमम दो कार्बन चाहिए ताकि ट्रिपल बॉन्ड आए तो सिंगल बॉन्ड के लिए भी तो मिनिमम दो कार्बन चाहिए तो ये कहां से बन गया चीटिंग कर रहे हो क्या तो फिर मैं तुम्हें तीन कारण दूंगा मीथेन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों मानते हैं पहली चीज पहली चीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको मानते हैं जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो कार्बन इज सैचुरेटेड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दूसरा क्या जब आप मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहे थे कार्बन क्या आपको यहां पर कोई डबल बॉन्ड दिखाई दिया क्या नो मल्टीपल डबल बॉन्ड लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट कोई डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या मैं कहूंगा नहीं तीसरी बात क्या एल के के जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है क्या तो आप कहोगे हां करके देखो अगर आपके पास सी एन एच टू एन प्लस टू है आप एन का वैल्यू वन डालेंगे तो क्या हो जाएगा सी एच फोर हो जाएगा क्या इनके फॉर्मुला को सेटिस्फाई कर रहा है हां तो बिकॉज ऑफ दीज थ्री क्राइटेरिया मिथेन इज कंसीडर्ड एज एन एलकेन तो एलकेन कैटेगरी का पहला मेंबर मीथेन है लेकिन एल्किन और एल्काइन का पहला मेंबर इथिन और इथाइन है समझ पाया समझा पाया क्लियर हो पाया रटना पड़ता है आपको ये पहला मेंबर मीथेन उधर पहला मेंबर इथिन या इथाइन क्यों रीजन है भाई क्योंकि सैचुरेटेड का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो और कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो अगर यहां दो कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी सारे हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है बना रहा है तीसरी बात जनरल फॉर्मुला एल्किन का सेटिस्फाई कर रहा है तो इन तीन क्राइटेरिया की वजह से उसको एल्केन में डालते हैं भले ही वहां दो कार्बन नहीं है तब भी ठीक है अब मेरा राजा बेटा तीन प्रकार के स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए उड़ाकर बना के आओगे तुम ठीक है देंगे 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 ब्रेक भी देंगे, मैं भी मैं थक जाता हूं भाई देंगे, 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 बिल्कुल ब्रेक देंगे मैंने भी खाना नहीं खाया है खाना क्यों नहीं खाया भैया आपने खाना खाऊंगा तो नींद आएगी ना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा नींद आएगी ना इसलिए नहीं खाया <coughs> काफी ज्यादा एनर्जी भी जाती है बेटा पढ़ाने में तो <coughs> मुझे पता है आप तो खैर छोटे इसलिए आपको चाहिए कि भाई मैं थक गया हूं मैं तुम्हारी तरह बड़ा थोड़ी हूं बिल्कुल सही बात है अग्री करता हूं मैं मना नहीं कर रहा दूंगा ब्रेक है ना मुझे भी खाना खाना है थोड़ा बहुत खा लेंगे ज्यादा नहीं चलो <coughs> <coughs> अब आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं तो सबसे पहला इसका जनरल फॉर्म जनरल फॉर्मूला क्या है ये हो जाएगा सी एन एच टू एन प्लस टू यह हो जाएगा सी एन एच टू एन यह हो जाएगा सी एन एच टू एन माइनस टू अब मेरे राजा बेटा सबसे पहला जो मैं आपको स्ट्रक्चर्स तीनों के अंदर सिखाना बनाना सिखा रहा हूं उसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं या कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल कहते है। कहते हैं हैं क्या ठीक है आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो मैं ई एस एफ बोल रहा हूं इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं ओनली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए राजा बेटा अगर यहां पर मैं एन का वैल्यू तीनों केस में एन का वैल्यू वन रखता हूं एन का वैल्यू चलिए तो तीन लेके चलते हैं वन में तो इधर कंपाउंड ही नहीं बनेगा एन का वैल्यू तीन लेकर चलता हूं और एन का वैल्यू तीन लेकर चलता हूं तो देखिए जितना कार्बन होगा एलकेन में हाइड्रोजन कितना होगा ओरली करो अगर आपको किसी ने बोला एलकेन कैटेगरी है तीन कार्बन है तो आपके दिमाग में आना चाहिए तीन कार्बन है तो हाइड्रोजन जस्ट ट्वाइस करो तो कितना थ्री टू जा सिक्स प्लस टू कर दो तो एट तो सी थ्री एच एट होगा कैलकुलेट करके देखना सी थ्री एच एट आएगा अब जितना कार्बन है उसका जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन हो जाएगा और जितना कार्बन है उसके जस्ट ट्वाइस से दो कम हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया अब ध्यान से देखते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है ठीक है तीन कार्बन और आठ हाइड्रोजन है एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन है कैटेगरी का मतलब है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा हर कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा तो ये बाकी के तीन किससे बना देगा हाइड्रोजन से बना देगा इसके दो बॉन्ड बन गए तो बाकी के दो किससे बनाएगा हाइड्रोजन से बनाएगा मैंने कहा था ना यहां पर मल्टीपल डबल बॉन्ड नहीं आते मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो अटैच हो सकते हो जाएंगे अब यहां पे तीन बॉन्ड बाकी के हाइड्रोजन से बना लेगा अब देखो बेटा गिनो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ हाइड्रोजन है सारे कार्बन के चार बॉन्ड बन रहे होंगे बन रहे हा उसी प्रकार ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये फॉर्मूला बताता है कि कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड है और यह फॉर्मूला बताता है कि कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है आप इधर भी बना सकते थे यह डबल बॉन्ड इधर भी बना सकते थे कोई दिक्कत नहीं है इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा इधर सिंगल हो जाएगा इधर ट्रिपल हो जाएगा इधर सिंगल हो जाएगा कहीं पर ही बना सकते हो अब सुनील भाई ये जो जनरल फॉर्मुला है यह किसके लिए स्पेसिफाइड है वन डबल बॉन्ड के लिए वन डबल बॉन्ड के लिए स्पेसिफाइड है, है यह और यह वन ट्रिपल बॉन्ड के लिए स्पेसिफाइड है मतलब कितनी भी लंबी चेन होगी ना मेरा राजा बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना उससे ज्यादा मत बनाना ठीक है जी बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो अब एक बॉन्ड बन गया तो बाकी का तीन किससे बनेगा बाकी का तीन बनेगा हाइड्रोजन से तीन बॉन्ड बन गया एक दो तीन तो एक हाइड्रोजन दो बॉन्ड बन गया तो बाकी के दो हाइड्रोजन इधर आ जाओ तीन बॉन्ड बन गया एक और बॉन्ड बन जाएगा चार बॉन्ड हो हाइड्रोजन इस कार्बन का एक दो तीन चार चारों बॉन्ड हो गया तो बाकी का क्या करोगे ठीक है बेटा क्लियर है बात क्लियर है बात समझ में आ रही है बात जी अब अगर तुम यहां पर एक दिमाग लगाओ चीजों को लेके तो तुम्हें एक मजा आएगा देखो मैं मान के चलता हूं कि यहां पर यह वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और ये वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ये वाला और ये वाला जो था ठीक है अगर यहां से मैं दो हाइड्रोजन को माइनस कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल दो हाइड्रोजन माइनस कर दिए और फर्दर यहां से दो हाइड्रोजन माइनस कर दिया सुनना पहले बात को सुनना और फिर अंडरस्टैंड करना तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये दोनों जो हाइड्रोजन है इनको अगर मैं हटा दूं इन दोनों को हटा दूं तो कार्बन ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपस में शेयर कर ले रहा है हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन हटा दूं तो यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप हो रहा है क्या हाँ अच्छा उसी प्रकार से अगर यह वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों हाइड्रोजन को फॉर एग्जाम्पल हटा दूं इन दोनों को हटा दिया तो कार्बन का यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में एक बॉन्ड बना लेगा क्या यह वाला यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा क्या बताओ हां कि ना मैंने क्या बोला ये दो हाइड्रोजन अगर मैं हटा लू तो कार्बन का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हटाया तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपस में एक बॉन्ड बना लेगा उसी प्रकार ये दो हाइड्रोजन अगर हटा दू तो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है तो जैसे ही सुनील भाई मैं दो हाइड्रोजन उड़ाता हूं दो हाइड्रोजन उड़ाता हूं तो मेरे दिमाग में क्या आती है एक माइनस वो हाइड्रोजन तो इस वजह से होता क्या है वजह से होता क्या है माइनस टू हाइड्रोजन प्लस वन कोवेलेंट बॉन्ड प्लस वन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स है ना अब ये आप क्यों पढ़ा दो कंसेप्ट पिछले साल के सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर में उन्होंने बोल दिया कि भैया बताओ कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी अगर अपन को बेसिकली यहां से बॉन्ड्स को हटाना है या अगर मान लीजिए कि ये दे रखा था कि अगर मैं इसको हटाता हूं तो कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे उल्टा प्रोसेस पे जा रहा था तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो हाइड्रोजन हटेंगे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ऐड हो जाएगा सिमिलरली दो हाइड्रोजन हटे तो प्लस वन कोवेलेंट बॉन्ड प्लस वन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स ठीक है तो जिन दोनों कार्बन से आपने हाइड्रोजन को उड़ाया वहां पर उनके बीच में एक बॉन्ड आ गया इन दोनों कार्बन से दो हाइड्रोजन उड़ाया तो इनके बीच में एक बॉन्ड आ गया ये आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट ठीक है क्लियर है जी अब दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्म तो आप लिख ही रहे हैं अभी आप ही रहे कंडेंस्ड फॉर्मूला कंडेंस्ड फॉर्मूला है ना कुछ लोग इसको कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मुला भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इसके दो फॉर्म्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं एक फॉर्म कैसा हो सकता है कि भाई ये सी एच थ्री है तो ये आपने लिख दिया सी एच थ्री फिर सीएच टू है तो लिख दिया आपने सी एच टू फिर सी एच थ्री है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी थ्री एच एट इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे सी एच थ्री बॉन्ड ये क्या है सी एच डबल बॉन्ड ये क्या है सी एच टू है या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं सी थ्री एच सिक्स उसी प्रकार इसको कैसे लिख सकते हैं देखो ध्यान से देखो राजा बेटा सी एच थ्री ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच या फिर सी थ्री एच फोर ठीक है तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका ये हो गया इसको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी छोटा करके लिखने वाला जो फॉर्मूला है वो बेसिकली आपका ये हो गया अब तीसरा इसमें जो फॉर्म आता है वो आता है बेसिकली कौन सा वो आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और चौथा होता है बॉन्डलाइन नोटेशन अब बॉन्डलाइन नोटेशन तो अभी आपके कोर्स में नहीं है तो नहीं बताएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ठीक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में चलते हैं फटाफट से चलो अब ये हमारे पास क्या है इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे ठीक है जी भैया हाँ। कार्बन 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 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है फटाफट से बना दीजिए चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है यह लिंक है हाइड्रोजन एटम के साथ ठीक है एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम के पास ठीक है भाई अब इनके बीच में क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड 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 और सिंगल बॉन्ड यह हाइड्रोजन कह रहा है मैं स्टेबल ये कह रहा है ये रहा मैं कह रहा है मैं स्टेबल ये 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 कह रहा है मैं स्टेबल हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है कार्बन को देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये कार्बन भी आपका स्टेबल हो गया ये कार्बन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये कार्बन भी आपका क्या हो गया स्टेबल हो गया ये कार्बन को देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये कार्बन भी आपका क्या हो गया स्टेबल हो गया बात खत्म आगे चलिए फिर दूसरा यहां पर क्या आ रहा था एक डबल बॉन्ड आ रहा था है ना कार्बन 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 अब चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर कार्बन पे होंगे हाँ ठीक है यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है हाइड्रोजन कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक मेरे साथ साथ बनाइए दोस्त मेरे साथ साथ बनाइए ठीक है अब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये स्टेबल ये स्टेबल ये स्टेबल ये स्टेबल ये स्टेबल ये स्टेबल इनके बीच में सिंगल बॉन्ड और यहां पर एक डबल बॉन्ड कार्बन का देखिए यहां पर क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये कार्बन आपका स्टेबल हो गया ठीक है इस कार्बन का देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये हो जाएगा आपका स्टेबल एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये कार्बन भी आपका हो जाएगा स्टेबल ठीक <सवाली ने क्यार्थ> है चलिए आगे चलते इस वाले पे एल्काइन फटाफट से अब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दो तीन इधर एक दो तीन इधर एक इधर एक इधर एक दो तीन चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है अब यहां पर होगा हाइड्रोजन एटम यहां पर होगा हाइड्रोजन एटम यहां पर होगा हाइड्रोजन एटम ठीक है और यहां पर होगा एक हाइड्रोजन एटम जल्दी से इनके बीच में बॉन्ड्स बना दीजिए तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या हाइड्रोजन डन या हाइड्रोजन डन या हाइड्रोजन डन इधर एक सिंगल बॉन्ड या हाइड्रोजन डन ठीक है हाइड्रोजन तो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा इधर हाइड्रोजन कार्बन के बीच में क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अब देखिए ये कार्बन क्या बोल रहा है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये कह रहा है कि भाई मैं स्टेबल हो गया ये कह रहा है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये कह रहा है मैं भी स्टेबल हो गया ये कह रहा है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बोल रहा है मैं भी स्टेबल हो गया खत्म का ठीक थीख है क्लियर है बात सही है चलो तो ये आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हो गए सुनील भाई इनका नाम कैसे लिखना है देखिए यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स है सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप पे आएगा जो मैं भी आपको बताऊंगा हेट्रो आइटम जब आ जाएंगे प्रीफिक्स भी तभी बताएंगे अभी इन वाले कंपाउंड्स में नीडी नहीं है ना और रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स तो देखिए सबसे पहले कितना कार्बन एटम है तीन कार्बन एटम है तो लगा दीजिए प्रॉप तीन कार्बन एटम है तो लगा दीजिए प्रॉप तीन कार्बन एटम है तो लगा दीजिए प्रॉप तो रूट वर्ड तो हो गया प्रॉप सारे कार्बन एटम्स के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा प्रॉप प्लस एन नाम हो जाएगा प्रोपेन अब दूसरी चीज देखिए आप दूसरी चीज दिखाता हूं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब हो जाएगा इन यानी यहां पर आ जाएगा प्रॉप इन जब डबल बॉन्ड आएगा तो सफिक्स आ जाएगा इन डबल बॉन्ड आएगा कार्बन एटम्स के बीच में तो ईन और अगर उसके बाद कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो नाम हो जाएगा आइन तो नाम हो जाएगा बात खत्म प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन समझ में आया क्या क्लियर है क्या सारे कार्बन एटम्स के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड तो एन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है एक तो इन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन काम खत्म तीन कार्बन प्रॉप तीन कार्बन प्रॉप तीन कार्बन प्रॉप ट्रिपल बॉन्ड आ गया आइन से डबल बॉन्ड आ गया इन और सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन के बीच में नाम जोड़ दिया प्रोपिन 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 काम खत्म क्या बात है क्या बात है ठीक है ठीक बात है अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली इसी स्ट्रक्चर से बना है जहां पर ये वाला है ना यहां पर आप एक एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन आपने रख दिया और उस तरफ भी आप एक एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिए जैसे इधर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की है ना चलिए आई होप ये चीजें मैं आपको कम समय में अच्छी तरीके से बता पा रहा हूं अब सुनील भाई कैलकुलेशन करना कोवलेंट बॉन्ड्स की कहां पर आता है पेपर में बेटा पेपर में प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो आपको कहेंगे एक पर्टिकुलर कंपाउंड में आप नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स निकालो एक तरीका है कैलकुलेट करने का एक है सुनील भैया की ट्रिक लगा लो जल्दी ट्रिक लगाओगे आंसर आ जाएगा मतलब देखो देख राजा बेटा इधर देख एलकेन, अब मेरे साथ फॉर्मूला बना मेरे साथ फॉर्मूला बना मेरा राजा बेटा फॉर्मूला बना एल्केन एल्किन एल्काइन का फॉर्मुला बना अगर बोल रहा हूं चार कार्बन तो हाइड्रोजन कितने होंगे एल्केन में बता कूलिंग कूलिंग कर देंगे अभी कूलिंग ऑन कर देना ब्रेक देंगे इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक देंगे ब्रेक देंगे इसके बाद ब्रेक देंगे इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है कार्बन का एग्जाम्पल अगर आपने देखा तो आपको दिखा होगा। है? अब देख मेरी बात सुन अगर चार कार्बन है और एल्केटेगरी की बात करनी है तो कितना हाइड्रोजन बोलोगे आप जितना कार्बन इसका जस्ट चाइस करो आठ दो एड करो दस सुनीलिया सुनीलिया

अब मेरे राजा बेटा कैलकुलेट कर दे कितने हाइड्रोजन हुए तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात जल्दी से बताइए क्लियर है बात क्लियर है बात जी अब देखिए यही अगर मैं आपसे पूछता हूं एल्किन तो जितने कार्बन है उसके जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन और मैं पूछता तो हूं एल्काइन तो जितने कार्बन है उसके ट्वाइस से दो कम हाइड्रोजन अब यहां पर क्या है कार्बन 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 यह फॉर्मूला क्या डिफाइन करता है कि एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के बीच में बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे अब इसने एक बॉन्ड बना लिया बाकी के तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ दो बना लिए बाकी के दो हाइड्रोजन के साथ तीन बना लिए बाकी एक हाइड्रोजन के साथ दो बना लिए बाकी दो हाइड्रोजन के साथ सुनील इधर चार कार्बन लगा ले राजा बेटा अब यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइन कैटेगरी है बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन का तीन बॉन्ड एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ तीन और एक चार बॉन्ड हो गए इसके दो बॉन्ड हो गए बाकी के दो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा एक बॉन्ड हो गया बाकी के तीन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा अब नामकरण करना भी सिखाई दो फिर रिविजन करा रहे हो तो चार कार्बन है चार कार्बन है तो रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स लगा बेटा चार कार्बन है तो क्या लगाएगा इधर लगाएगा ब्यूट और सबके बीच में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएगा बेटा एन लगाएगा हाँ नाम जोड़ क्या बन रहा है बोलेगा ब्यूटेन बन रहा है सुनील भैया अच्छा कितना कार्बन है बेटा तू कहेगा सुनील भैया ब्यूट चार कार्बन है प्लस एक दो तीन चार चार कार्बन है हाँ एक डबल बॉन्ड भी है तो लगा देगा क्या बेटा इन सुनील भैया चार कार्बन है मैं कहूंगा बहुत बढ़िया एक ट्रिपल बॉन्ड है बोलेगा हा तो ये आइन तो ब्यूटाइन ब्यूटीन ठीक है हाँ अब देख मैनुअल कैलकुलेशन करेगा की तो कैसे कैलकुलेट करेगा जब एग्जाम में ऐसे सारे कार्बन के चार चार बॉन्ड बन रहे, हैं क्या? हाँ, चार -चार बन रहे हैं। इसके चार इसके चार इसके चार, इसके चार और इसके भी चार इसके चार और इसके, चार, इसके, चार, इसके, चार, इसके, चार, इसके भी चार ठीक है आठ हाइड्रोजन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एक दो तीन चार पांच छे अब देखो इसके बॉन्ड गिनने का एक तो मैनुअल तरीका है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक तो है मैनुअल तरीका एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह अब एक है सुनील भैया की प्रोट्रिक दोनों कार्बन कितना है चार हाइड्रोजन कितना है दस एक माइनस कर दो बेटा देख मैच कर रहा है क्या बेटा एनटीएससी में पेपर में सवाल आता था लंबा लंबा बोले डेकेन में बताओ कितना बॉन्ड होगा अब क्या बैठ के कैलकुलेट करोगे क्या ट्रिक आनी चाहिए जितना कार्बन चार हाइड्रोजन कितना दस एक माइनस क्या कितना हो गया तेरह दूसरा देख राजा बेटा नंबर ऑफ कार्बन कितना है कहेगा चार नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है कहेगा सुनील भैया आठ जोड़ राजा बेटा कितना बनता है बोले बारह ये देख बेटा बारह तीसरा देख बेटा नंबर ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस वन तो बोलो कार्बन कितना बोले चार हाइड्रोजन कितना बोले भैया दो भैया कितना हो गया ग्यारह देख बेटा ग्यारह समझ में आया क्लियर है बात क्लियर है मेरी बात तेरह बारह ग्यारह कोई भी ओलंपियाड का पेपर हो जाए उसमें ट्रिक लगा देना काम बन जाएगा तुम मैनुअली खेलोगे तो तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा बैठ के गिनते रहो एक तो यह तरीका है और एक फिर सुनील भैया का तरीका है जो अच्छा लगे तुम लगा लेना मैंने तो दोनों दे दिए तुमको बंदूक और तलवार मैथड दोनों दे दिया जो अच्छा लगे तुम वॉरियर आदमी हो उड़ा लेना यार यूज कर लेना है ना ये रियल जिंदगी के बंदूक के तलवार नहीं है भैया मेथड की बंदूक के तलवारें कह रहा हूं हाँ। पता चले हमको तो सुनील भैया ने बोला था अब देखो और आगे चलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मैं आपको फिक्स चार तीस पे ब्रेक दे दूंगा लगभग चार तीस चार पैंतीस पे ब्रेक दे दूंगा बिल्कुल दूंगा बिल्कुल दूंगा चार तीस चार पैंतीस तक रुक जाओ मैं ब्रेक दे दूंगा फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप और आईपीएसलेचर स्टार्ट होगा बिल्कुल बढ़िया से स्टार्ट करेंगे उसको ठीक है ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी 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 तो अब केमिस्ट्री की भाषा में स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है जो नॉर्मल अगर आदमी से आपने पूछा स्ट्रेट तो बोलेगा सीधी चेन केमिस्ट्री में मतलब अलग है स्ट्रेट चेन का स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है या तो वो इधर एक कार्बन से लिंक है या वो मैक्सिमम दो कार्बन से लिंक है क्या बोला मैंने अगर मैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को संसार में स्ट्रेट चेन बोलता हूं तो वहां पर कार्बन मैक्सिमम एक कार्बन से या दो कार्बन से लिंक होगा बस अच्छा पहले इसका नाम बताना मेरे को सबसे पहले इसका नाम बताओ एक रिवीजन मारते हैं नाम बताते है इसका सबसे पहले। सुनील भाई, तीन कार्बन है तो लगाएंगे क्या प्रॉप सुनील भाई चार कार्बन है तो लगाएंगे क्या ब्यूट सुनील भाई कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगा दे बेटा एन नाम बन गया प्रॉप सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम के बीच में लगा दे बेटा एन नाम बन गया बुटेन अब मेरे राजा बेटा मुझे फॉर्मूला बता दे सुनील भैया मेरे को फॉर्मूला याद है कैसे भैया आपने कहा था जितना कार्बन है उसके ट्वाइस में दो एड करना है हाँ। कैटेगरी में यह काम कर जाता है और जितना कार्बन है उसका जस्ट ट्वाइस करो चार का ट्वाइस करो कितना होता है बेटा आठ दो ऐड करो कितना होता है दस देख गिन के देख बेटा यही आंसर आएगा चार पांच छह सात आठ नौ दस दस हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना तीन चार पांच छह सात आठ समझ में आया क्या अब देखो बेटा स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बन इज अटैच टू इधर वन और टू हाइड्रोकार्बन वन और टू कार्बन अब ये अपने पास हाइड्रोकार्बन है बेटा ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक है सुनील एक कार्बन से

अब इसमें क्या कंडीशन है इन ब्रांस चेन हाइड्रोकार्बन कार्बन इज अटैच टू इधर वन या तो एक कार्बन से अटैच होगा या दो कार्बन से अटैच होगा या दो से ज्यादा कार्बन से अटैच हो जाएगा यह इंपॉर्टेंट बात है या तो एक से अटैच होगा या दो से अटैच होगा या दो से ज्यादा कार्बन से अटैच हो जाएगा समझ में आया भैया पहले अपन रिवीजन करते फिर से देख बेटा कार्बन कितना है तू कहेगा चार हाइड्रोजन कितना है अब देखो सारे सिंगल है तो हाइड्रोजन होना चाहिए टेन तो ये बेसिकली बन गया बूटेन ठीक है बेटा जी ये क्या है थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छे से बनाते हैं ये एक्चुअली में क्या है ये है सी और फिर है एच थ्री मतलब ये एक एच इधर एक एच इधर और एक एच इधर फिर इसका एक बॉन्ड इधर बन रहा है यहां पर एक्चुअली में क्या है कार्बन है कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है ये दूसरे कार्बन से लिंक है और फिर यहां पर तीन हाइड्रोजन है फिर उसी प्रकार से ये कार्बन इधर ये एच ये एच एच ठीक हाँ। अब पहले तो मेरे राजा बेटा एक चीज देख तू कितना कार्बन है इसमें तो सी फोर हाइड्रोजन कितना है एक दो तीन अच्छा इधर एक बॉन्ड और बनेगा तीन बॉन्ड है तो इधर चार बॉन्ड हर कार्बन का चार बॉन्ड बनना चाहिए बन रहा है हाँ अब देख कार्बन कितना है चार हाइड्रोजन कितना है तीन छ नौ और एक दस है तो आए हो गया बेंगन ये भी सी फोरेस्टन ये भी सी फॉरेस्टन ये तुम्हारे आयु में आएगा अभी लेकिन इससे ब्रांच है नाइड्रोकार्बन समझो पहले ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक है एक ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक है एक ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक है एक और ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक है एक दो तीन कंडीशन क्या बताई ऊपर पढ़ना या तो एक से लिंक होगा या तो दो से लिंक होगा और दो से ज्यादा कार्बन से भी लिंक हो सकता है तो यहां पर कार्बन एक कार्बन से लिंक है ये कार्बन से लिंक है ये कार्बन से लिंक है लेकिन ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक है

फुल निमंत्रण है अभी अभी मेरी शादी हो नहीं रही है मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं अभी तो फाइनल भी, भी नहीं हुई है किससे हो रही है है ना तो मान लो सुनील ब्याह ब्याह हो रहा है तो ब्याह में मंगल सूत्र पहनाते हैं अभी मंगल सूत्र पहनाएंगे केमिस्ट्री का सुनील ब्या केमिस्ट्री का मंगल सूत्र पहनाएंगे मैडम को क्या पहनाएंगे केमिस्ट्री का मंगल सूत्र ठीक है हा क्या पहनाएंगे सुनील ब्या केमिस्ट्री का मंगल सूत्र पहनाएंगे कैसी बावड़ो जैसी बातें कर रहे हो केमिस्ट्री का को कोई के मंगल सूत्र होता है क्या अभी दिखाता हूं केमिस्ट्री का मंगल सूत्र देखो तो देख मेरा राजा बेटा एक दो तीन कार्बन नाम क्या लगाएगा तू इसका बोले प्रोप अच्छा सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो लगा देगा एन फॉर्मूला क्या लगाएगा बेटा सुनील भैया तीन कार्बन है जस्ट ट्वाइस प्लस दो आठ एक दो तीन चार पांच छह सात हर कार्बन का चार बॉन्ड है क्या एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार क्या बात है भैया मजा आ गया अब ये मान ले बेटा सुनील भैया का मंगल सूत्र है जो सुनील भैया होने वाली मैडम के गले में बांधने वाले हैं अब देख बेटा अगर मंगल सूत्र उठाऊंगा तो ऐसे करके हुक लगाऊंगा कैसे लगाऊंगा बेटा ऐसे उठा के हुक लगाऊंगा अब हुक लगाने के लिए अपन लगावे कैसे ये दो बावड़े हाइड्रोजन बैठे कह रहे हम तो लगाने नहीं देंगे हुक तो हमने कहा इनको भगा दो यहां से जीवन से तो मैंने क्या किया इनको हटाया और कहा कार्बन कार्बन को ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ दो ऐसे करके ऐसे यूं दिया तुम समझे कि नहीं समझे देख बेटा ये बात ये बात समझ तू तेरा दूसरा कार्बन है ये तेरा पहला और ये तेरा तीसरा कार्बन है तो ये कुछ ऐसे बनेंगे बेटा देख बेटा पहला और तीसरा कार्बन है ना अब मैं क्या कर रहा हूं इसको बोला बाय और इसको बोल रहा हूं बाय ध्यान से देख इधर देख इधर ध्यान से देख बेटा इस हाइड्रोजन को मैंने बोला तू भाग जाए ऐसे इस हाइड्रोजन को बोला भाग जाए ऐसे और ये वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मैं इस्तेमाल करके कार्बन का मैडम को मंगल सूत्र बना दूंगा अब मैं कहूंगा मैडम घुमाओ मैडम ऐसे घूमेगी और मैं क्या करूंगा ऐसे कार्बन लेके आऊंगा और लेकर कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेंगे तो मंगल सूत्र हो गया रेडी है ना देख इधर ध्यान से देख बेटा पहला कार्बन तीसरा कार्बन मंगलसूत्र लगा दिया बीच में बांध दिया और इधर बीच में क्या मैडम का गला है इधर क्या मैडम का गला है और गले पे अपन ने मंगलसूत्र बांध दिया तो ब्याह हो गया अब इससे नई कैटेगरी पैदा हो गई जो मैडम भी कहो भाई साहब हम भी केमिस्ट्री केमिस्ट्री खेलेंगे अभी तुम देखो दो हाइड्रोजन उड़ाएंगे तो प्लस वन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन बॉन द कार्बन एटम्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स जीविया भाई अगर आपने दो हाइड्रोजन को उड़ाया तो एक कोवेलेंट बॉन्ड आया दो कार्बन एटम्स के बीच में जी भाई बिल्कुल सही बात है अब देखो मेरे राजा बेटा ध्यान से सुनना तुम इसको भैया इसका फॉर्मूला क्या होगा देख बेटा कार्बन है? तीन कार्बन, है। अच्छा। अब देखो। सेकंड़ कार्बन, सेकंड़ कार्बन। कितने बॉन्ड थे हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ये रहे ठीक फिर ये कार्बन तीसरा वाला ये देख दो हाइड्रोजन तो थे हा एक हटाया था दो तो थे हा फिर ये कार्बन देख पहला कार्बन दो हाइड्रोजन थे हाँ एक हटाया था हां तो वो जो एक हटाया उसने एक बॉन्ड बना लिया यहां पे हाँ ये बात क्लियर भी को ये बात क्लियर भाई हाँ बॉन्ड बना लिया ठीक अब सुनील भी अगर यहां तीन कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं छह हाइड्रोजन है लेकिन मजे की बात ये है कि अभी भी इसमें सुनील भाई सारे सिंगल बॉन्ड है मैं तो इसका नाम प्रॉपर नहीं लिखूंगा तो मैं कहूंगा एक बात बता फिर इसमें और इसमें चेंज मतलब डिफरेंस क्या हुआ ये क्या है ये ओपन मंगल सूत्र है ओपन चेन यानी कि मंगल सूत्र बांधा नहीं है अभी लेकिन यहां मंगल सूत्र बांध दिया तो क्या बन गई क्लोज चेन बन गई समझ में आया हाँ, आगे जाके बेटा तो इसको पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा एली साइक्लिक और साइक्लिक क्लोज चेन या बेसिकली साइक्लिक ठीक है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से समझ गया देख ओपन चेन ये खुली चेन है ना बेटा बंद नहीं है हाँ। तो मैंने क्या यहां का हाइड्रोजन का हाइड्रोजन उड़ाया इस कार्बन इस कार्बन के अंदर क्या बन गया बॉन्ड बन गया ये देख समझ रहा है ये दो तो हाइड्रोजन हटाए और ये लेके मैंने बोला मैडम सूत्र बांध दिया बन गया देख बन गया मंगल सूत्र बन गया हा बन गया हा समझना आगे बात तो दो हाइड्रोजन गए तो एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ आ गया अब तीन कार्बन छह हाइड्रोजन है, है। यहां पर एक नई कैटेगरी तुम्हारे इंट्रोड्यूस सुन? सुन तो एल्केन लेकिन साइक्लिक है एल्केन क्यों बोला आपने अरे बेटा देख सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है तो ये ओपन चेन थी ये क्लोज्ड चेन है साइक्लो एल्केन नाम है तो इसका नामकरण क्या होगा बेटा इसको क्या बोलेगा साइक्लोप्रोपेन बोलेगा क्या बोलेगा साइक्लोप्रोपेन। सुनील भाई मैं ये साइक्लो को प्रीफिक्स मान लू क्या है सुनील भाई ये प्रीफिक्स प्लस रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए तुम्हारा प्रीफिक्स चढ़ेगा साइक्लो रूटवर्ड है तीन कार्बन है तो प्रॉप प्राइमरी सफिक्स सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन तो जब इनको जोड़ दोगे सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं पे, तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात तो ये साइक्लो की कैटेगरी के अंदर आता है सी थ्री सिक्स इसको कहते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं और ये इसका आईओपीएससी का नियम हो गया समझ में आ गई बात समझा पा रहा हूं क्या दोस्त चलो तो फिर ये जो साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन आते हैं आपके पास ये जो मैंने यूज किया यहां पर यानी कि क्लोज्ड चेन Closed chain. अब इसमें भी दो कैटेगरी बने और बनेगी. तुम समझदार हो. सुनील भाई, saturated का मतलब तो साइक्लोलकाइन साइक्लो आ जाएंगे मैं कहूंगा हाँ जैसे मेरे दोस्त साइक्लो एल्केन आया इधर साइक्लो एल्किन आया इधर साइक्लो एल्काइन आ गया तो तुम बिल्कुल सही हो तो साइक्लो एल्केन आ गया हाँ साइक्लो एल्कीन आ गया हाँ साइक्न आ गया हाँ तो जब भी एल्केन याद आए साइक्लो ने ओपन चेन ऐसे मंगलसूत्र खुला था दो हाइड्रोजन साइड में से हटाए मैडम को मंगल सूत्र बांध दिया तो एलकेन से साइक्लो एल्केन में जाना है तो दो हाइड्रोजन को हटाना है और जिन दो कोने वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाए उनके बीच में एक बॉन्ड ले आना है समझ आई क्या बात अब फॉर्मूला देख बेटा अगर आपने पीछे नोटिस किया मेरे प्यारे भाई तो इसका फॉर्मूला सी एन एच टू एन है देखो बेटा नोटिस करो इधर ये देखो कार्बन का जस्ट वाइस हाइड्रोजन ओ हो, हो हो ओहो हो, 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 हो मजा आ गया मतलब फॉर्मूला सिमिलर टू एलकीन और कौन सी एलकीन ओपन चेन वाली तो अभी तक अपन ओपन चेन पढ़ रहे थे अब अपन उस चेन को बंद कर रहे हैं मतलब अभी तक मंगल सूत्र खुला पड़ा था अब मंगल सूत्र को बांध रहे हैं तो मंगल सूत्र बांधने वाले कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मेरे राजा बेटा इसका फॉर्मूला क्या है सी एन एस टू एन फॉर्मूला सिमिलर टू एलकीन अब तुम बहुत समझदार हो एलकेन से एलकीन में जब जाते हैं तो दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ जाता है फिर इससे एल्काइन में आते हैं तो फिर से दो हाइड्रोजन एटम जाते हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ जाता है कार्बन एटम्स के बीच में तो मेरे राजा बेटा माइनस टू हाइड्रोजन हो जाएगा ना और फर्दर इधर भी क्या हो जाएगा माइनस टू हाइड्रोजन फर्दर यहां पर हो जाएगा तो इधर क्या होगा प्लस वन कोवेलेंट बॉन्ड याद है ना याद है ना ये सेम चीज यहां भी लगा देना लेकिन ये फॉर्मूला अगेन किस चीज के लिए है एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड ही लगाना बेटा दो हाइड्रोजन हटाओगे तो सी एन एच टू एन माइनस टू एक डबल बॉन्ड लगाना फिर दो हाइड्रोजन और हटाओगे तो एक डबल बॉन्ड और लगा एक कोवेलेंट बॉन्ड और लगा देना समझ रहे हो दो हाइड्रोजन हटाओगे है ना तो बेसिकली ये कोवलेंट बॉन्ड बढ़ा देना तो डबल बॉन्ड आ गया एक फिर दो हाइड्रोजन हटाना फिर एक बॉन्ड लग जाएगा सुनील भाई सुनील भाई इसका फॉर्मूला एल्काइन जैसा लग रहा है बिल्कुल सही अब बना के दिखाता हूं फॉर्मूला सिमिलर टू एल्काइन ओपन चेन वाला अब देखो बना के दिखाता हूं ज्यादा से समझ में आएगा इधर देखो इधर देखो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपीन साइक्लोप्रोपाइन फॉर्मूला क्या है सी एन एच टू एन दो हाइड्रोजन माइनस करेंगे एक कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेगा सीएन एच टू एन माइनस टू एक और अपन बॉन्ड ऐड कर रहे हैं तो दो हाइड्रोजन माइनस होंगे हर स्टेप पे दो हाइड्रोजन माइनस हो रहे हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ रहा है करके देखते हैं देखिए है। तो अगर एन का वैल्यू थ्री डालते हैं तो क्या होगा सिर्फ सुनो अभी सिर्फ सुनो सुनोगे तो समझ में आएगा नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा तो कितना हो जाएगा सी थ्री एच सिक्स या क्या हो जाएगा सी थ्री सिक्स माइनस टू हो जाएगा फोर और यहां हो जाएगा सी थ्री दो हाइड्रोजन और माइनस कर दो एच टू अब देखो बेटा बॉन्ड बना के दिखाता हूं एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन साइक्लो प्रॉपेन प्रॉप का मतलब हो गया तीन कार्बन साइक्लो का मतलब हो गया कि ये क्लोज्ड चेन होगी और एन का मतलब हो गया कि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे अब देखो बेटा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगाओ ठीक है थ्री एच सिक्स सुनील भैया आपने बोला दो हाइड्रोजन हटेंगे एक बॉन्ड बढ़ेगा एक काम कर बेटा ये दो हाइड्रोजन हटा दे तो ये वाला बॉन्ड बना बेटा, इधर ध्यान से देख. सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो था इधर दो हाइड्रोजन थे आपने बोला ये दो हाइड्रोजन है आपने बोला ये दो हाइड्रोजन आपने हटाए तो एक बॉन्ड बढ़ा देखो कार्बन के बॉन्ड गिन एक दो तीन चार इस कार्बन के गिन एक दो तीन कार्बन के एक दो तीन चार हो गया हो गया आगे देख आगे देख सुनील भाई ये दो हाइड्रोजन और हटा दो तो तो इनके बीच में एक बॉन्ड ये वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड और बना देगा तो देखो हर स्टेप पे जैसे ही दो हाइड्रोजन हट रहे हैं कार्बन एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बढ़ जा रहा है ठीक है कार्बन 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 कितने से हाइड्रोजन से अटैच है दो हाइड्रोजन से अटैच है इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के आपस में एक बॉन्ड और बना लेंगे अब देखिए कार्बन के पास कितना बॉन्ड बन गया एक दो तीन चार इस कार्बन का एक दो तीन चार इस कार्बन का एक दो तीन चार खत्म काम तो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपीन साइक्लोप्रोपाइन खत्म हो गया बिल्कुल देंगे ब्रेक इसके बाद बस ये तीन स्ट्रक्चर और देख लो बेटा फर्दर ये तीन स्ट्रक्चर इसके बाद एक बेंजीन कंपैरिजन फिर ब्रेक ठीक देखो फिर ब्रेक दे दूंगा अब यही कोई बोलता है साइक्लोहेक्सेन तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए जितना कार्बन है उसका जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा सी सिक्स एच टेन यानी कि यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बड़ा होगा दो हाइड्रोजन और माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा सी सिक्स एच एट एक कोवेलेंट बॉन्ड और बड़ा होगा ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को यहां से उड़ाता हूं माइनस टू हाइड्रोजन तो क्या होगा प्लस वन कोवेलेंट बॉन्ड अब देखो बेटा ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड क्रिएट कर लेगा यह देखो कर लिया तो दो हाइड्रोजन उड़े और एक बॉन्ड बढ़ गया यह साइक्लोहेक्सेन साइक्लो मतलब क्लोज चेन हेक्स का मतलब है छे कार्बन, एन का मतलब है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स दो हाइड्रोजन उड़ाए ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने एक बॉन्ड बना लिया साइक्लिक है तो साइक्लो यानी क्लोज्ड चेन है तो साइक्लो कार्बन के लिए आता है हेक्स, एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन फर्दर मेरे राजा बेटा दो हाइड्रोजन हटाओ एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बढ़ रहा है मैं इसको इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है तो मान लीजिए मान लीजिए कि अब यह वाला हाइड्रोजन जो है इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं तो ये वाले जो तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये एक बॉन्ड यहां बना लेंगे यह रेड वाला बॉन्ड आपको दिख ही रहा है यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा क्लोज चेन है तो साइक्लो कार्बन है तो हेक्स। एक ट्रिपल है तो आइन तो साइक्लो हो गया प्रीफिक्स साइक्लो क्या हो गया साइक्लो आपका क्या हो जाएगा साइक्लो आपका हो जाएगा अगेन यहां पर यह हो जाएगा प्रीफिक्स प्लस रूटवर्ड क्या हो जाएगा रूटवर्ड हो जाएगा हेक्स और आइन क्या हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स ठीक है तो साइक्लो प्लस रूटवर्ड प्लस प्रीफिक्स साइक्लो प्रीफिक्स रूटवर्ड आपका हेक्स और प्राइमरी सफिक्स साइक्लो इज प्रीफिक्स रूटवर्ड इज हेक्स एंड प्राइमरी सफिक्स इज आइन साइक्लोक्साइन ठीक है चलो नॉट इज बेनजीन वॉट इज बेनजीन ये हमारी किताब में देखा ना रैंडमली कुछ भी चीज आ जाती है तो इसीलिए पढ़ाना तो पड़ेगा ही तो वॉट इज बेनजीन बेनजीन इज नथिंग बट कलरलेस फ्लेमेबल कलरलेस फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक लिक्विड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे एक बिना रंग का आग लगने वाला लिक्विड जो होगा एक मिनट क्या हो गया यार डन 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 यस एक मिनट चलिए चैट उड़ गई थी इसीलिए वापस आ गया मैं चलिए आई होप अभी दिख रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा चलिए तो कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड होता है जो टॉक्सिक होता है रूम टेम्परेचर पे अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है ऑगस्ट केक्यूल जो है क्लेम टू हैव द रिंग स्ट्रक्चर आफ्टर डे ड्रीमिंग ऑफ स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल भाई भाई साहब यहां पर देखो सपने कैसे आ रहे हैं ऑगस्ट केक्यूल को ये ऐसे ना आग के सामने बैठे थे हाथ सेक रहे होंगे भाई साहब ठंड का मौसम है और इनके एकदम के डे ड्रीमिंग हुई ओ भाई साहब की एक सांप अपने ही मुंडे में अपनी पूछ ले ले रहा है मतलब एक सांप का मुंह है वो अपनी पूछ को अपने मुंह में ले ले रहा है और भाई ने इससे बेसिकली बेंजीन का स्ट्रक्चर कर दिया बाद में तिरसठ और चौसठ अठारह सौ तिरसठ चौसठ की रिसर्च पेपर में भी डलवा दिया वो तो चलो अलग बात है पर भाई साहब खतरनाक आदमी है सपने में इनको क्या आ रहा है सपने में इनको यह आ रहा है कि ये सांप अपनी मुंडी है ना ये मुंडी है और यह सांप अपने ही मुंडे में अपनी ही पूछ ले रहा है इसको कहते हैं अपने पैर पे कुलाड़ी मारना यह पैर लिया ये कुलाड़ी ली कहां में इसको कहा मारू मेरा पैर अच्छा लग रहा है मार के तोड़ देता हूं तो मतलब सांप अपनी पूछ क्यों खाएगा बावड़ा थोड़ी है।, है बावड़ा है क्या सांप बावड़ा थोड़ी है यार वो तो सांप अपने ही मुंडे में अपनी पूंछ को डाल दे रहा है ऐसा इन्होंने डे ड्रीमिंग करते हुए बताया अब इन्होंने बताया तो हमने मान लिया इन्होंने बताया तो हमने मान लिया ठीक है हाँ ये ऐसी ड्रीमिंग थी भैया मेरे को भी समझ में तो नहीं आई बट इन्होंने कहा कि हमने ऐसा किया तो हम मान लिए, है ना हाँ, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बताया भाई साहब ने बोले कि ये सी सिक्स एच सिक्स है सी सिक्स एच सिक्स एच सिक्स सी सिक्स एच सिक्स मतलब कार्बन और छ हाइड्रोजन होंगे बोले कैसे होंगे बोले देख एक दो तीन चार पांच छ मैं कहा ठीक है बोले छह हाइड्रोजन है ना तो हर कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दो मैं कहा बढ़िया यार ये तो सही चीज है सबको एक एक हाइड्रोजन दे दिया हाँ सबके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड लगाओ लगा दिया हाँ अब देख बेटा अभी भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन सब तीन तीन बॉन्ड बना रहे एक डबल बॉन्ड लगा ठीक अब कार्बन के कितनी वैलेंसी हो गई अब देख कितने बॉन्ड हो गए एक दो तीन चार बॉन्ड हो गए हाँ। इस कार्बन का देख एक दो तीन चार हो गए इधर मत लगा देना डबल बॉन्ड गलत हो जाएगा क्यों एक दो तीन चार पांच बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के ठीक है अब एक छोड़ के एक इधर लगा फिर एक छोड़ के एक इधर लगा देख सारे कार्बन सेटिस्फाई हो गए इस कार्बन के एक दो तीन चार बॉन्ड 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 बेंजीन हो गया, हाँ। लेकिन भैया मैं को ऐसे मैंने कहा कैसे लगाएगा? देखो स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। बेटा ये नहीं है, है ना हाँ अपने पेट बैच में एक बच्चा बोला था भैया केकड़ा स्ट्रक्चर बता दो स्ट्रक्चर नहीं है दोस्त स्ट्रक्चर है अपनी मर्जी बोर्ड में मतलब क्या जाना केकड़ा स्ट्रक्चर तुम्हारे को जितने मिलने होंगे नंबर भी टीचर खा जाएगा केकड़ा स्ट्रक्चर ले देख अब तू मजा दिलाता हूं तेरे को तो भाई सबके बीच में क्या सिंगल का बांड इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगाओ इधर की जगह के इधर लगा दू तो एक छोड़ के इधर लगा दू और एक छोड़ के इधर तो ये स्ट्रक्चर है ये भी सही है ये भी सही है खास बात क्या है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है ठीक है अब सुनील भैया ये किस तरह का कंपाउंड है आपके कोर्स के हिसाब से बता रहा हूं ठीक है साइक्लिक है तो आप लिखेंगे साइक्लिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है ना अभी मैं बिल्कुल वहां नहीं जा रहा कि आप साइक्लिक में फिर एरो में जाओ एरोमेटिक बताओ ठीक है मैं ये बता रहा हूं अपने कोर्स के हिसाब से साइक्लिक अनसे हाइड्रोकार्बन ठीक है ना वह हकल रूल वगैरह पे नहीं जा रहे अपन अभी साइक्लिक अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन सरल सी बात अनसे क्यों डबल बॉन्ड दिखने लग गए इसलिए ठीक हा अब देखो अब ये दिमाग में सवाल आ रहा है क्या इज इन डिफरेंस बिटवीन बेन्जीन एंड साइक्लो हा की ना 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 अब इसके बाद नामकरण करना ही सिखाऊंगा बेटा जल्दी बताओ क्या ये दोनों सेम है क्या कोई डिफरेंस है क्या इनके बीच में जल्दी से बताओ एनी डिफरेंस बिटवीन बेंजीन एंड साइक्लोहेक्न क्या कोई डिफरेंस है नो यस नो यस अरे यार क्या कर रहे हो तुम देखो बेटा बेंजीन क्या है सी सिक्स एच सिक्स और साइक्लोहेक् जैसा था तो सी सिक्स एच ट्वेल्व था इसमें से दो हाइड्रोजन माइनस करो तो कितना होता है सी सिक्स एच टेन होता है. है ना तो तुम्हारे दिमाग में क्या है केमिस्ट्री ऐसे दौड़नी चाहिए मेरे हिसाब से तो तुम यहां पर मान लो कि गार्डन वार्डन में भी चले जाओ तो तुम्हारे को नजर आनी चाहिए भाई साहब बेहन जी नजर आनी चाहिए ऐसे हां तो एक बार की बात है सुनील भैया एक सुंदर कन्या के साथ गए गार्डन के अंदर सुंदर कन्या साइंस में इंटरेस्ट नहीं रखती थी तो सुनील भैया ने टाइल लेकिन टाइल टाइल के बोला ओ बेहन उनको सुनाई दिया बेहन जी तो उन्होंने बोला यू इडियट तुमने मुझे बहन जी कहा तो मैंने कहा बिरेकअप अपना साथ यहीं तक था बाय बाय हमारा साथ यहीं तक ही था क्योंकि अगर तुमको ये बहन जी नहीं लग रहा है तो बिरेकअप पॉसिबल है अपना नो नो आगे रिलेशनशिप नो शादी बिरेकअप तुमको बहन जी दिख रहा है नहीं दिख रहा है मेरे को दिख रहा है कैसे बावड़ा छोरा कैसे दिख रहा तुमको है तुमको जी मैंने कहा यह देखो ये इसको ऐसे बंद करो इसको ऐसे बंद करो इसको ऐसे बंद करो ऐसे बंद करो ऐसे बंद करो ऐसे बंद करो मेरे हिसाब से यहां यार कार्बन 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 है हाँ फिर मैं टाइल के ऊपर ऐसे बनाने लगूंगा एक छोड़ के एक छोड़ के एक ये ये क्या है ये छोरी समझ में तो नहीं आया फिर भी अच्छा लगा सुन के मैंने कहा देख साइक् भी सिखाता हूं तेरे को। कोई बात नहीं पढ़ाई नहीं करी तूने स्कूल में अब कर साइक्लो है कार्बन का क्लोज रिंग एक डबल बॉन्ड तीन में क्या एक डबल बॉन्ड ये लगा दो एक डबल बॉन्ड तो बेटा यहां पर कितनी तीन यहां पर कितना एक ये डिफरेंस है बेटा समझ में आया हाँ समझ में आया हाओ वो मजा आया मजा आया मजा आया ओ मजा, या, मजा, या, मजा, या, मजा या। ओ, आ गया सुनील भैया, ओपी लग रहा है सेशन। प्यार हो गया केमिस्ट्री से हाँ भैया वो सुंदर कन्या वापिस आई क्या जीवन में नहीं भाई उसके बाद उसने बी लॉक कर दिया क्या तू भाग जाए यार से तुम्हारे जैसे लड़के नहीं नीचे जीवन में हम गए ओके पढ़ाई करेंगे हम तो फिर मैंने कहा इधर देखो अब मेरा पागलपन बढ़ता ही जा रहा है केमिस्ट्री को लेके हर टाइल पे बनाने लग रहा हूं मैं क्या ये देखो स्ट्रक्चर बनाने लग रहा हूं मैं ये देखो ओ भैया ओ पी चल रहा है ये तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है भैया देख बेटा ये कौन सा स्ट्रक्चर है चैट बॉक्स में लिख के बता चैट बॉक्स में बताओ भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर है ये कौन है कौन है ये कौन है कौन 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 है 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 देख बेटा इमेजिन कर कार्बन एक, एक कार्बन इधर लगाया मैंने 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 एक 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 कार्बन 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 इधर 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 लगाया 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 और एक कार्बन इधर लगाया इमेजिन कर बेटा इमेजिन कर पा रहा है क्या बेटा हर जगह एक एक कार्बन दिख रहा है तेरे को नहीं दिख रहा ये देख अब दिख रहा है क्या थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा दिख रहा है हाँ देख बेटा हर कार्बन के दो बॉन्ड बन रहे हैं हां बाकी के दो पे हाइड्रोजन लगा दे भाई बाकी के दो के लिए हाइड्रोजन लगा दे तो सुनील भैया इधर तो छह कार्बन कितना छह कार्बन और हर पे दो दो हाइड्रोजन है तो बारह हाइड्रोजन तो बेटा फॉर्मुला किसका बना साइक्लोहेक्सेन का बना कि नहीं बना अब यही अगर मैं यहां से दो हाइड्रोजन हटा दू ये दो हाइड्रोजन हटा दू तो ये कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा ये दिख गया यहां पे डबल डबल बॉन्ड और यही अगर हो तो बेंजीन हा साइक्लोहेक्सेन ये अपने बच्चे हैं ये अपने बच्चे हैं ऐसे करेक्ट आंसर देना है तुमको क्या मजा आ रहा है मेरे को मजा आ गया यार क्या बात राधे 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 ठीक है चलो ओ पी हो गया ये तो अब देखो बेटा ब्रेक लेते हैं यहां पर ठीक है ब्रेक लेते हैं यहां पर पंद्रह मिनट का कुछ खा पी कर आ जाइए काफी देर के बाद में यहां पर ब्रेक ले रहा हूं कितनी देर के बाद ले रहे हैं अपन पर पंद्रह मिनट का ब्रेक ठीक है पंद्रह मिनट का ब्रेक है काफी देर के बाद अपन ब्रेक ले रहे हैं यहां पर लगभग तीन घंटा पच्चीस मिनट के बाद अपन ब्रेक ले रहे हैं पहला ब्रेक तीन घंटा पच्चीस मिनट के बाद है ठीक है पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट काफी है वापस आओ पंद्रह मिनट में पंद्रह मिनट में वापस आओ फिर मुलाकात होगी प्यारे बच्चों पंद्रह मिनट के बाद ठीक है जी भैया हाँ भाई क्या हाल चाल बढ़िया आ गए वापस सारे के सारे आ गए गही। आ गए क्या ओवर आ जाओ वापिस सारे के सारे क्यों नहीं दिख रहे यार आ गए क्या सारे के सारे वापिस आ गए जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ फटाफट से आ जाओ जल्दी 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 फटाफट से तो अगला टॉपिक जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों वो बेसिकली क्या है वो बेसिकली है आपका फंक्शनल ग्रुप आयूपीएससी नॉमेक्लेचर एंड होमोलोगस सीरीज ठीक है फंक्शनल ग्रुप आयुपीएससी नॉम्क्लेचर एंड बेसिकली और होमोलोगस सीरीज आ गए क्या बात बहुत बढ़िया ठीक है चलो आ गए चलो स्टार्ट करते हैं अब देखो सबसे पहली चीज यहां पर जो सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हेट्रो एटम या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सुनील भैया यह हेट्रो एटम या फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है देखिए हेट्रो का मतलब क्या होता है हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट तो डिफरेंट एटम डिफरेंट एटम न कार्बन एंड हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन तो अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर अदर देन कार्बन या हाइड्रोजन कोई और एटम आ जाएगा तो इसे बेसिकली हम लोग कहेंगे हेट्रो एटम मैं फिर से बता देता हूं हेड्रो का मतलब है डिफरेंट तो डिफरेंट एटम देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन के अंदर जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन है वहां पर अगर कोई और एटम आ जाएगा इनके अलावा तो इसे हेटरो एटम कहेंगे या इसे बेसिकली फंक्शनल ग्रुप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप कहने के पीछे का कारण यह है बिकॉज इट प्रोवाइड फंक्शन कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करता है फंक्शन दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू कंपाउंड यह बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा यह बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है कंपाउंड को इसीलिए इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप वापस से मेरी बात को ध्यान से सुनिए हेट्रो एटम का मतलब होता है डिफरेंट एटम देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन इज हेट्रो एटम इसे बेसिकली फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है बिकॉज ये आपके पर्टिकुलर कंपाउंड को फंक्शन प्रोवाइड करता है यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है ठीक है अब यहीं पर अगर हम बात करें कि हमारा कंसेप्ट नंबर टू यहां पर क्या है तो कंसेप्ट क्या है कंसेप्ट नंबर टू यह है कि हाइड्रोजन एटम atom या एटम्स कैन बी रिप्लेस बाय अनदर एटम्स लाइक क्लोरीन सल्फर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड दिस प्रोवाइड्स कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड द नेचर ऑफ द कार्बन चेन यानी अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन आ गया सल्फर आ ना गया नाइट्रोजन आ ना गया ऑक्सीजन आ गया तो इन्हें बेसिकली हम हाइट्रो आइटम कहेंगे एंड ये हाइड्रो आइटम आपके फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं जो पर्टिकुलर कंपाउंड को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देते हैं फंक्शन प्रोवाइड करते हैं इनरिस्पेक्टिव की चेन कितनी लंबी है या उसका क्या नेचर है जैसे यहां पर अगर ये क्लोरीन आया है या ये नाइट्रोजन आया है है ना या ये ऑक्सीजन आया है या सल्फर आया है तो ये आए हैं बाय डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन समझ में आया तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोकार्बन में इंट्रोड्यूस हुए हैं अब ये उसको स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे इन्हें बेसिकली फंक्शनल ग्रुप कहते हैं अब इनको अगर हमें समझना है तो इससे पहले एक असेंशियल चीज हमारे लिए ये है कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है है ना तो यहां पर मैं आपको ये तीन चीजें बताऊंगा सबसे पहले एल्काइल ग्रुप को और क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप को ब्रांच बोलते हैं या इसको साइड चेन बोलते हैं या इसको सब्स्टिटेंट बोलते हैं पहले तो ये तीन नाम याद कर लो या तो इसको ब्रांच बोलेंगे साइड चेन बोलेंगे या सब्स्टिटुएंट बोलेंगे एल्काइल ग्रुप को इसको लिखते किससे हैं रिप्रेजेंट किससे करते हैं मेरे दोस्त इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर r से किससे r से रिप्रेजेंट करते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या होता है तो देखिए आपका एल्केन का फार्मूला क्या होता है cn h2n 2 होता है राइट यह फार्मूला होता है एल्केन का इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन को माइनस कर दे तो यहां पर कार्बन ये जो बॉन्ड है किसी और के साथ बनाने की कोशिश करेगा अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यह बॉन्ड किसी से तो बनाएगा तो अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं एलकाइल ग्रुप देखिए

अब एल्काइल ग्रुप के बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपने एन का वैल्यू यहां पर वन प्लेस किया इसके अंदर तो ये जो बनेगा ये बनेगा आपका सी एच थ्री और इसका नाम हम रखेंगे मिथाइल उसी प्रकार अगर आपने एन का वैल्यू टू प्लेस किया तो यहां पर इसका नाम फॉर्मूला हो जाएगा सी टू और ये हो जाएगा बेसिकली एच फाइव इसका नाम हो जाएगा बेसिकली इथाइल फिर अगर आपने एन का वैल्यू थ्री प्लेस किया तो ये हो जाएगा सी थ्री और एच सेवन और इसका नाम हो जाएगा बेसिकली प्रोपाइल तो ये आपकी एल्काइल कैटेगरी होती है कहां पर यूज होगी कैसे होगी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा आई होप पहले तो एल्काइल कैटेगरी में यहां पर आपको अच्छी तरीके से बता पाया ठीक है तो अगर आपके मीथेन में से आपने हाइड्रोजन हटाया तो एक बॉन्ड कार्बन कहीं ना कहीं तो बनाएगा तो ये बॉन्ड है ना जो कार्बन बनाएगा और साथ में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हम कहते हैं जिसको, या chain, वहां पर ये लटक जाते हैं अटक जाते हैं तो ये बेसिकली हमारे बनते हैं या ये बेसिक सी बात समझ में आई भैया अब देखो दोस्त अब देखो दोस्त हेट्रो आइटम के बेसिस पे एक तो हेट्रो एटम कौन कौन से मैं आपको वो बताता हूं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन अगर आपके हेट्रो एटम यानी हाइड्रोकार्बन में अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्लोरीन आ जाए क्लोरीन आ जाए ब्रोमीन आ जाए या आयोडीन आ जाए हेट्रो एटम में तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी को बोला जाता है हेलो एल्केन क्या बोला जाता है हेलो एल्केन बोला जाता है और इस कैटेगरी का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं इस कैटेगरी का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखिए आप इस कैटेगरी को हम लिखते हैं आर एक्स जहां पर एक्स आपका फ्लोरीन हो सकता है क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है आयोडीन हो सकता है या फिर सुनील भाई मैं तो इसका ऐसे भी लिखना चाहता हूं सीएनएसटन प्लस वन तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी एन एच टूएन प्लस वन एक्स तो ये बेसिकली आपका हेलो एल्केन का फॉर्मूला हो गया अब यहां पर इनके लिए प्रीफिक्स लगता है या सफिक्स लगता है तो यहां पर याद रखिएगा इनके लिए प्रीफिक्स यूज होता है नो सफिक्स फॉर हेलो एलकेन्स। हेलो एल्केन्स को हेलो क्यों कहते हैं दोस्त क्योंकि ये हेलोजेंस है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ब्रोमिन है जो आपके हाइड्रोकार्बन पे अटैच हो रहे हैं तो हेलो एल्न कैटेगरी हमारी बनती है अगेन डिस्कशन को सिलेबस तक रखने की कोशिश कर रहा हूं तो बनता है आर एकस, ठीक है ठीक फॉर्मुला प्लस वन एक्स जहां पर एक्स फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन हो सकता है और फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या होगा यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो इसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा एक्सप मैंने आपको बताया था हेट्रो आइटम आपका फंक्शनल ग्रुप है तो ये इसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है तो ये यहां पर फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा अब इनके लिए कोई सफिक्स नहीं होता प्रीफिक्स क्या होता है देखिए फ्लोरीन के लिए प्रीफिक्स लगता है फ्लोरो ब्रोमीन के लिए लगता है आपका ब्रोमो ठीक है क्लोरीन के लिए लगता है क्लोरो और आयोडीन के लिए लगता है आयोडो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये इनके लिए प्रीफिक्स लगते हैं तो जब आप नामकरण करने की कोशिश करेंगे तो इनके लिए सिर्फ प्रीफिक्स आएगा देर इज नो सफिक्स फॉर हेलो टॉकिंग अबाउट कि अगर एटम की कैटेगरी ऑक्सीजन हो तो तो इससे बेसिकली हमारे पास हमारे कोर्स में पांच कैटेगरीज बनती है कौन कौन सी कैटेगरीज बनती है पांच ये पांच कैटेगरीज के नाम कुछ इस प्रकार है पहली नाम है एल्कोहोल दूसरा एल्डिहाइड तीसरा कीटोन चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड पांचवा ईस्टर अगर आप इन तीन की बात करें तो इन तीन के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम होगा तो फिर अलग अलग कैटेगरी क्यों है और इनके अंदर दो ऑक्सीजन के एटम्स होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो यह आना चाहिए कि फिर यह क्लास ऑफ कंपाउंड्स, यानी जिसको हम लोग केमिकल क्लास कहते हैं इतनी सारी केमिकल क्लास क्यों बन रही है सुनील भाई जब इसमें भी एक ऑक्सीजन इसमें भी एक ऑक्सीजन इसमें भी एक ऑक्सीजन है तो तीन अलग क्लास क्यों बनी और इसमें दो दो ऑक्सीजन है तो दो अलग क्लास क्यों बनी रीजन ये है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है इसीलिए डिफरेंट प्रॉपर्टी बनती है इसीलिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है मैंने क्या बोला भले ही इनमें एक एक ऑक्सीजन आइटम है लेकिन उसका अरेंजमेंट डिफरेंट है स्ट्रक्चर डिफरेंट बनता है तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है इसीलिए डिफरेंट केमिकल क्लास के अंडर में ये आते हैं अब यहां पर इनके केमिकल फॉर्मुलास को समझिए एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है आर ओ एच या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच टॉकिंग अबाउट एल डी हाइड तो इसको आप लिख सकते हैं आर आर सी एच ओ या फिर सी एन एच टू एन प्लस वन सी एच ओ अब देखिए है यहां पर एक ऑक्सीजन लेकिन इनकी अरेंजमेंट क्या है डिफरेंट है ऐसे ही बनता है कीटोन तो कीटोन में कार्बन यहां है अब यह देखिए दोनों तरफ एल्काइल चेन्स है इनका लेंथ डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है सी एन एच टू एन प्लस वन सी डबल बॉन्डो सी एम एच टू एम प्लस वन दोनों डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल चेंज यहां पर होंगी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये होता है आर सी ओ एच या फिर फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस वन उसी प्रकार ईस्टर की बात करें तो ये होता है आर डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश या फिर सी एन एच टू एन प्लस वन सी डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो आर डैश की जगह क्या आ जाएगा सी एम एच टू एम प्लस वन अब सुनील भैया यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं फंक्शनल ग्रुप ये नहीं कहलाते ये केमिकल क्लास कहलाती है फंक्शन प्रोवाइड करने वाला ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहलाता है यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिकली है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलते हैं एलडी फंक्शनल ग्रुप मेरे राजा बेटा याद रखना ये बात को सुनील भैया ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं ये देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ठीक है बेटा देखो ओ एच हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप एल डी, -डी फंक्शनल ग्रुप ये सी एच ओ ये सी डबल बॉन्डो और इस तरफ और इस तरफ एल्का चेन है तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल है ये कार्बोक्सिल है और ये जो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है ये वाला इसको कहते हैं कार्बो एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप भैया ये तो किताब में है ही नहीं लेकिन बताना तो पड़ेगा ना अब किताब ईस्टर पढ़ाती है फंक्शनल ग्रुप की टेबल में दे ही नहीं रखा इसलिए बोला एनसीआरटी से पढ़ने में दिक्कत है एनसीआरटी की टेबल यहां खत्म होती है है ना तो फिर आपने ईस्टर क्यों पढ़ाया बच्चे को आखिरी में, में क्यों वो केमिकल क्लास नहीं है क्या बिल्कुल है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है बिल्कुल है तो पढ़ाओ ना यार अब देख राजा बेटा समझ सेकेंडरी सफिक्स इतनी देर से जो अपन बोल रहे थे फंक्शनल ग्रुप में आता है देख सेकेंडरी सफिक्स अच्छा एक चीज और बता दू ये सेकेंडरी सबेक्ट जो बता रहा हूं कोर्स के बता रहा हूं है ना ऐसा ना हो बेटा तू तो सीनियर ग्रेड में जा और कहे सुनील ने तो ये बताई नहीं थी बात क्योंकि मैंने फिर बोला मैं सिलेबस तक कंस्ट्रेन कर रहा हूं खुद को अभी ठीक है ध्यान से सुनना सुननाच तो यहां पर आखिरी में चढ़ेगा ऑल एल्कोहल के लिए ऑल एल्डिहाइड के, के लिए अल 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 कीटोन के लिए ओन 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 सेकेंडरी सफिक्स एल्कोहल के लिए ऑल एल के लिए अल कीटोन के लिए ओन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड और ईस्टर के लिए ओएट समझ में आया समझ में आ गया मेरे दोस्त हाँ तो सुनील भाई आपको ये बता रहे हैं कि एल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स है ऑल एल्डिहाइड के लिए अल इसके लिए ओन इसके लिए ओइक एसिड एंड इसके लिए ओएट ये आपको समझना पड़ेगा मेरे राजा बेटा ठीक है बेटा समझ में आ गई बात हाँ किताब वाला मत पढ़ना मैं फिर बता रहा हूं दिमाग में इतने कंफ्यूजन आ जाएंगे कि तुम किताब को बंद करके घर चले जाओगे और मैं घर पे बैठोगे तो किताब बंद करके सो जाओगे ये ऐसे पढ़ना है अब देख मैं धीरे धीरे नामकरण सिखाऊंगा टेंशन ले बेटा धीरे धीरे सिखाऊंगा सबसे पहला आर एल्कोहल एलडीहाइड कीटोन डेरीवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन देख बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक में मैंने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन एंड देर डेरीवेटिव तो क्या ये डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है बता 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 डेरिवेटिव है डेरिवेटिव है और आजा बेटा बता जल्दी बता क्या ये डेरिवेटिव है सुनील भैया बहुत बढ़िया यस yes, विनीत प्राची रुचि सत्यम ऊषा वीरेंद्र मंजू शिवम आयान एंड जीतन जीतन ना? जीतन क्या बात है तो हां मेरे प्यारे बच्चों हां मेरे प्यारे बच्चों ये हैं ठीक है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स लाइक एल्कोहल कीटोन वगैरह की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड इन सब की बात अब बेटा ये एनसीआर एग्जाम्पलर का सवाल है ठीक है बेटा और अगर मान ले एग्जाम में आ जाता तो तो हम तो सुनील भैया के प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम तो कर देते आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप अब बेटा फंक्शनल ग्रुप आपको वो लिखना है जो मैंने बताया केमिकल क्लास नहीं फंक्शनल ग्रुप लिखना है प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड तो बेटा आप उनको बता के आना ऐसे कि जब आप ये बोल रहे हो अभी नामकरण नहीं सिखाया मैंने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना सिखाया बेटा ओ एच देख बेटा कार्बोन कार्बोनिल दिख रहा है देख बेटा कार्बोक्सिल दिख रहा है बेटा ये देख बेटा डबल बॉन्ड भैया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है हाँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है ना एलके एल की की डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अलग है अब देख बेटा यहां पर लिख के आना केमिकल क्लास और यहां पर लिख क्या रहा ना फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है केमिकल क्लास बेटा अल्कोहल है और बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या है हाइड्रोक्सिल है लिख कर आना बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं है बताना कि केमिकल क्लास अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल है ये हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है उसी प्रकार ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है और इसकी केमिकल क्लास क्या है कीटोन है ये उसी प्रकार यह क्या है केमिकल क्लास क्या है इसकी केमिकल क्लास यानी सीसी के शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो इसकी केमिकल क्लास है कार्बोक्सिलिक एसिड और फंक्शनल ग्रुप बता के आना फिर बता के आना उनको कार्बोनिल है ए सॉरी कार्बोक्सिल है कार्बोक्सिल कार्बोनिल यह केमिकल क्लास हो गई केमिकल क्लास कीटोन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप केमिकल क्लास एल्कोहॉल फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल केमिकल क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल यहां पर ये डायरेक्टली डबल कोवेलेंट बॉन्ड है आपका तो ये क्या कहलाएगा ये कैटेगरी कहलाएगी आपकी एल्कीन ठीक है यहां पर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड विल बी योर फंक्शनल ग्रुप ठीक है ठीक है लिख देते हैं केमिकल क्लास एलकीन फंक्शनल ग्रुप डबल कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है बेटा समझ में आ गई बात जीविया चलो चलो अब देखो आई यूपीएससी क्लेचर के मैं आपको रूल्स सिखा रहा हूं लेकिन अगेन बोल देता हूं आपके सिलेबस तक है अब उड़ान वाले जो वन पॉइंट वाले बच्चे हैं आप इसको देखेंगे तो शायद आपको हंसी आ रही होगी क्योंकि हमने शायद तीन से चार क्लासेस में पढ़ाया और काफी लंबा पढ़ा लेकिन बेटा आपके रिविजन के लिए अच्छा है आपको जो पढ़ाया गया था वो तो एडवांस था क्योंकि वो फाउंडेशन बैच है मैं आपको बता दू उड़ान वाले बच्चों को जो पढ़ाया गया वन पॉइंट वाले बच्चों को फाउंडेशन मैंने प्रॉमिस किया था तो इसीलिए मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाऊं तो इसीलिए उसमें काफी एडवांस नॉर्मेंट भी पढ़ाया था यहां पर अभी हमें किसकी जरूरत है एग्जाम में आंसर करने की जरूरत है उतना बताऊंगा ईमानदारी से बताऊंगा देखो ठीक है ठीक है अब देखो बेटा पहला रूल फिर आएगा दूसरा रूल और फिर आएगा तीसरा रूल ठीक है बेटा ध्यान से सुन पहला रूल क्या है मेरे राजा बेटा सबसे लंबी कार्बन की चेन आपको खोजनी है भैया सबसे लंबी कार्बन की चेन खोजनी है मैं खोज दूंगा सबसे लंबी कार्बन की चेन खोज लेना खोजी बनना खोजी अच्छा अगर मान लो सुनील भैया फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो बेटा उसको कंसीडर करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ठीक है अब मेरे राजा बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी कार्बन है तो आपको लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करना है भैया इन रूल से मेरे सारे सवाल हो जाएंगे तेरे बेटा सारे सवाल हो जाएंगे बोर्ड में, में मेरा विश्वास कर ठीक है मेरी बात सुनना बस ईमानदारी से अब देख बेटा सबसे लंबी कार्बन की चेन चुननी अपन को अब अगर मान ले बेटा कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी कार्बन है भाई कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप तो उस कार्बन को कंसीडर करना है अपने कोर्स के अंदर ये है अपन को कंसीडर करना है कर लिया हां क्योंकि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला केस अपने वहां पे है ही नहीं है ना तो अपन को कंसीडर करना है अब दूसरा काम क्या है बेटा अपन को नंबरिंग करनी है वी विल स्टार्ट नंबरिंग इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर और इस रूल को बोलते हैं फर्स्ट लोकेंट रूल या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल आपको क्या करना पड़ेगा ना स्टार्ट नंबरिंग कार्बन एटम्स भाई लंबी लंबी कार्बन की चेन होगी तो आपको कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी पड़ेगी कि भाई फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे है दूसरे कार्बन पे है तीसरे कार्बन पे है चौथे कार्बन पे कहां पे है पर आपको ये इंश्योर करना है कि आप सबसे कम नंबर उसको दे और इसे हम बेसिकली फर्स्ट लोकेंट रूल या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल कहते हैं क्या बात है भैया अच्छा उसके बाद सुनील भैया क्या करना है आफ्टर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिटुए और साइड चेन्स और ब्रांचेस विल बी गिवन प्रियोरिटी यानी जो आपका एलकाइल ग्रुप आपको नजर आ रहा था ना बेटा एलकाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप जो आपको नजर आता है उसके बाद उसको इज्जत देनी है पहले फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देनी है फिर आपके एल्काइल ग्रुप को आपको इज्जत देनी है दे दोगे इज्जत हाँ फिर उसके बाद ये रूल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि भैया प्रीफिक्स इसके बाद रूटवर्ड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जितने कार्बन आ जाए उतने बेटा यहां लगा देना इसको मेन कार्बन चेन भी कहेंगे ठीक है बेटा ठीक है भैया फिर लगाना बेटा प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स क्या होता है सुनील भैया एन इन आइन इतनी देर से पढ़ रहे हैं यानी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है एंड देन सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा जो अभी सिखाया फंक्शनल ग्रुप्स के लिए ठीक है अब एक और रूल यहां पर क्या फिट होता है जो आपको याद रखना है अगर आपके ई के बाद अगर आपके प्राइमरी सफिक्स के ई के बाद इस ई के बाद इस ई के बाद अगर आपके पास ए आई ओ यू और वाई आ जाए सेकेंडरी सफिक्स में जब आप ये नाम लिख रहे हैं प्राइमरी सफिक्स का इन e, इसके ई के बाद अगर सेकेंडरी सफिक्स ए आई ओ यू वाई से स्टार्ट हो तो इसके आखिरी के ई को उड़ा देना तुम इसका जो ई है ना इसको उड़ा देना ठीक भैया यार आप ये करके दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा अब ये रूल्स को मैं अप्लाई करके दिखाता हूं पहले आप मेरे से सीखो फिर आप अप्लाई करना ठीक है बेटा ठीक सुनील भैया आपने क्या बोला पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इफ द फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन सेलेक्ट दैट एज वेल यही बोला ना आपने सुनील भैया सबसे लंबी कार्बन की चेन चुनो अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए तो उसको भी चुन लेना ठीक अब मुझे सबसे लंबी चेन एक नजर आ रही है कितनी की तीन कार्बन की इसके अलावा कोई और है क्या नहीं है तो बेटा सबसे पहली चीज कर एक काम कर रूटवर्ड को फ्रीज कर दे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जितना कार्बन आ जाए वो रूटवर्ड बनेगा ये पी आर ओ पी तो यहां पर सेट हो गया प्रॉ फिर प्राइमरी सफिक्स किससे बनता है सुनील भैया प्राइमरी सफिक्स बनता है कि चेन में सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है डबल है तो इन लगाना है ट्रिपल है तो आइन लगाना है अब देख बेटा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना लगा दे इन अब मेरे राजा बेटा जब अपन इसको देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता आ मजा आया यह हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इसका मतलब कौन सी केमिकल क्लास से है एल्कोहल से है और एल्कोहल किससे अंत होता है किससे अंत होता है ऑल से अंत होता है तो ऑल लगा देते हैं लगा दिया हाँ अब सुनील भैया इसमें कोई प्रीफिक्स वगैरह तो दिख ही नहीं रहा है अच्छा प्रीफिक्स वगैरह नहीं दिख रहा कोई सब्सिडेंट नहीं दिख रहा नहीं।, नहीं तो नहीं दिख रहा तो खाली छोड़ देंगे भाई आप सिक्वेंशियली रूल्स रिवाइज करवाओ अब देखो सिक्वेंशियली रूल्स रिवाइज करवाता हूं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इफ द फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन कंसिडर इट इन द लॉन्गेस्ट चेन सबसे लंबी कार्बन की चेन चुन ली हां दूसरा वी विल स्टार्ट नंबरिंग इन सच अवे दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर नंबरिंग भी कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप ये रहा पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन ये तीसरा कार्बन ये एक नंबरिंग इधर से कर दी एक इधर से कर लो पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन इधर से देखते हैं तो तीसरे कार्बन तो तो दूसरा रूल हो गया हाँ अगर फंक्शनल ग्रुप के अलावा चेन या ब्रांचेस मिले तो उनको प्रायोरिटी देनी है क्या यहां पर कोई सब्सिट्यूंट है नहीं है तो खाली छोड़ दो उसके बाद डरी सफिक्स दे सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स लास्ट रूल लगा दे बेटा अगर ए बाद A, I, o, U, आएगा, का, तो ई को एलिमिनेट कर देंगे इधर देखो बेटा ई के बाद प्राइमरी सफिक्स के ई के बाद सेकेंडरी सफिक्स में ए आई ओ यू वाई आएगा तो इसको उड़ा देंगे ओ आ रहा है ना ओ आ रहा है ई को उड़ा दो तो नाम क्या बना देखो नाम क्या बना देखो नाम बना प्रोपे नॉल या फिर या फिर फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे है तो हमेशा इसकी पोजीशन बताना अच्छी बात है तो हो जाएगा प्रॉपेन फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे है पहले कार्बन पे है हाइफेन नंबर और लेटर के बीच में हाइफेन लगेगा नंबर और लेटर के बीच में हाइफेन फिर नंबर और लेटर के बीच में हाइफेन और ऑल तो सुनील भैया ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे लिखना चाहिए ज्यादा सही तो यही है और रीसेंट आई की गाइडलाइंस के हिसाब से सेकेंडरी सफिक्स के जस्ट पहले उसकी पोजीशन बताना चाहिए 1993 के रिकमेंडेशंस के हिसाब से इसकी पोजीशन या बतानी चाहिए कुछ लोग ऐसे भी बता देते हैं वन प्रोपेनॉल तो ये भी गलत नहीं है लेकिन अगर मैं ज्यादा प्रिफर्ड बात करूं तो मोस्ट प्रिफर्ड या जो मोस्ट रीसेंट रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप हमेशा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन उस सेकेंडरी सफ़िक्स से जस्ट पहले लिखकर बता दे कि कहां पे है वो देखो बेटा ये ई नहीं आएगा एक बच्चा ई भेज रहा है ई नहीं आएगा प्रॉपर होगा ई कट जाएगा लास्ट रूल पढ़ो बेटा फ्टर ईफ प्राइमरी सफिक्स इफ ए आई ओ यू वाई इन दफिक्स एलिमिनेट ई प्राइमरी सफिक्स के ई e के बाद अगर secondary suffix में A -I -O -U -Y होगा तो ई e को उड़ा देना ऐसे बन जाएगा दूसरा देखो बेटा इस पर अब जब आप इसको देखते हो तो पहले आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए इसको देखते ही आना चाहिए कि यह कार्बोनल फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोनल फंक्शनल ग्रुप है इसका मतलब कौन सा केमिकल क्लास है किटोनिक फंक्शनल ग्रुप है किटोनिक केमिकल क्लास है तो पहला रूल क्या कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे लंबी कार्बन की चेन तीन कार्बन की चेन है ढूंढली दूसरा रूल कहता है कि आपको इस प्रकार नंबरिंग करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले चलिए नंबरिंग करके देख लेते हैं इधर से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड कार्बन पे है सेकंड कार्बन है फंक्शनल ग्रुप इधर से नंबरिंग करते हैं तो बी सेकंड है पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा दोनों तरफ से दूसरे नंबर पे है तीसरा रूल कहता है कि भैया ये भर दो तो क्या यहां या साइड चेन दिख रहा है नहीं दिख रहा गायब करो रूट वर्ड क्या होगा रूट वर्ड क्या होगा तीन कार्बन है तो लगाइए प्रॉप तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है जी सिंगल बॉन्ड है तो लगाइए ए एन ई -E. देखिए तीन कार्बन है तो प्रॉप प्राइमरी सफिक्स होता है इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो हो जाएगा ओन अब मैंने आपको बताया अगर इसके ई के बाद यहां पर ए आई ओ यू वाई आएगा तो इसके ई को उड़ा देना तो नाम क्या बन जाएगा इसका इसका नाम क्या बन जाएगा इसका नाम बन जाएगा प्रॉप ए नॉन या फिर ज़्यादा करेक्ट तरीका क्या है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन बताई जाए तो प्रोपेन टू ओन यानी कि सेकेंड कार्बन पे है फंक्शनल ग्रुप ठीक है इसका कॉमन नेम क्या है हमारे पास कॉमन नेम क्या है इसका कॉमन नेम क्या है हमारे पास एसीटोन ठीक है ये स्ट्रक्चर बनाना आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की इसकी कोशिश करना ठीक है एनसीआर का सवाल एक आ जाओ अब इसका नाम बताएंगे सारे के सारे के बच्चे ठीक है इसका नाम बताएंगे सारे के सारे बच्चे फटाफट से नाम बताएंगे जल्दी से चैट बॉक्स में सारे के सारे नाम बताएंगे आ जाओ फटाफट से नाम बताओ सुनील भाई रूल बाय रूल खेलते हैं रूल बाय रूल खेलते हैं लेकिन उससे पहले जाने से अगर आप यहां पर देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये देख ये देख मेरा राजा बेटा सीएचओ सुनील बिया एलडी हाइडिक फंक्शनल ग्रुप है अच्छा मतलब कैटेगरी कौन सी एल डी हाइड है बहुत बढ़िया सुनील बिया कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है इसका मतलब कौन सी कैटेगरी है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बात है बहुत बढ़िया आप देखो बेटा प्रीफिक्स प्लस रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स ध्यान से देखिए आप ध्यान से देखिए इस चीज को अब सुनील भाई सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप भी है तो उसको कंसीडर कीजिए तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप वी विल स्टार्ट नंबरिंग इन सच अवे वी विल स्टार्ट नंबरिंग इन सच अवे जिससे कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर हमें देना पड़े तो देखो एक दो तीन एक दो तीन इधर से नंबरिंग करोगे तो तीसरे पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप और इधर से करोगे तो पहले पे आ रहा है तो ये तो गलत है ये सही है उसी प्रकार इधर से नंबरिंग करोगे तो पहले कार्बन पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप

प्रॉप इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है हा तो लगा दो बेसिकली आप लोग एन ठीक है तो प्राइमरी सफिक्स तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा रूटवर्ड हो गया प्रॉप प्राइमरी सफिक्स हो गया एन अब ये बेसिकली क्या है अल अल सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा बेसिकली आपके पास अल और यहां पर सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है तो हो जाएगा ओइक एसिड अब बेटा अगर यहां पर ई e के बाद ए आई ओ यू वाई होगा तो इसका जो ई e है उसको भगा देंगे इसके ई ए आई ओ वाई होगा ये ए आ रहा है तो इसको हटा देंगे अब देखिए नाम क्या हो जाएगा पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताते हुए लिख रहा हूं तो प्रॉप एन वन अल ये रीसेंट रिकमेंडेशन है आई का कि आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जरूर बताइए सेकेंडरी सफिक्स लिखने से जस्ट पहले और इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन ओइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड ठीक है बेटा क्लियर है बात तो आप इसको प्रॉपर बोल सकते हैं और इसको प्रोपेनोइक एसिड बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सुनील भैया फिर आप ये पोजिशन के लिख रहे हो क्योंकि अगर ये फंक्शनल ग्रुप किसी और जगह पे होगा किसी और पोजिशन पे होगा तो तुम्हें यहां पर इसकी आदत होनी चाहिए कि कहां पर लिखा हुआ है वो आदत होनी चाहिए कौन से कार्बन पे है इसके लिए ठीक है क्लियर है बात चलो अगेन ये आयूपीएससी नॉमिंग हमारे सिलेबस के डिस्कशन तक का है ठीक है ठीक है चलिए अब ये फिर से एनसीआरटी एग्जाम्पलर के सवाल है एनसीआरटी एग्जाम्पलर के सवाल है ये दोनों ये और ये एनसीआरसाइज का है और ये का सवाल है इतना अगर आपने कर लिया आईयूपीएससी मेरा बताया हुआ तो आपके एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप नहीं बना के आएंगे ये मैं शत प्रतिशत अभी बता देता हूं अब देखो राजा बेटा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप सुनील भैया फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आया यहां पे ये देख बेटा ये क्या है एल डी फंक्शनल ग्रुप है हा ठीक ये कौन सा है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है मतलब एल्कोहल कैटेगरी की बात हो रही है हा ये देख बेटा ब्रोमीन है फंक्शनल ग्रुप मतलब हेलो की बात हो रही है हाँ। अब देख बेटा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छह कार्बन की सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक दो तीन चार पांच कार्बन की सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इफ फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स कार्बन तो राजा बेटा उसको भी कंसीडर कर ले कोई दिक्कत नहीं है क्या बात है भैया मजा आ गया दूसरा नंबर इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले इसे साइंस की भाषा में फर्स्ट लोकेंट रूल तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवा इधर से तो पहला है और इधर से नंबरिंग करता हूं तो इधर से कौन से कार्बन पे आता है फंक्शनल ग्रुप सातवें पे आता है ये गलत है ये सही है इधर से देख बेटा एक दो तीन चार पांच इधर से करता हूं पहले कार्बन पे आता है इधर से करता हूं तो कौन से कार्बन पे आता है बेटा पांचवे पे, पे गलत है बेटा ये सही है इधर से देख बेटा एक और दो पहले पे है और इधर से नंबरिंग करता हूं एक और दो दूसरे पे नहीं आना चाहिए पहले पे आना चाहिए तो जितना पॉसिबल हो उतना लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करो दे दिया हा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनी हा नंबरिंग करी जीव या करती दो रूल पहले बताए ना भाई सबसे लंबी चेन चुन लो अगर फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है उसके अंदर कार्बन तो सेलेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया कर लिया कर लिया हाँ, इस दे दिया, ग्रुप को, हाँ दे दिया, इसको एक इसको एक, इसको भी एक एक भी मिल गया अब ये प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक, सेकेंडरी सफिक्स का खेल कराते हैं यहां पर कोई प्रीफिक्स कुछ दिख रहा है सबस्टिट्यूट नहीं दिख रहा है यहां दिख रहा है नहीं दिख रहा यहां पर क्या है ब्रोमीन है तो इसको अपन लिखेंगे कौन से कार्बन पे है सुनील भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए प्रीफिक्स लिखते हैं। पहले कार्बन पे है तो मेरे राजा बेटा क्या करोगे आप वन हाइफेन लगाओगे नंबर और लेटर के बीच में हाइफेन वन ब्रोमो प्लस रूटवर्ड कितना है एक दो तीन चार पांच छह सात लगा दो बेटा हेप्ट एक दो तीन चार पांच लगा दो बेटा पेंट एक और दो लगा दो बेटा एथ अब बताओ मेरे को राजा बेटा सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में हां लगा दो बेटा एन लगा दिया हां जी भैया अब बेटा सेकेंडरी सफिक्स लगाओ जल्दी जल्दी ये क्या एल डी ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स अल इधर क्या हो जाएगा ऑल इधर कोई सेकेंडरी सफिक्स होगा क्या इनके लिए कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता तो खाली अब देख बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा इसको जोड़ क्या नाम हो जाएगा वन ब्रोमो लेटर लेटर के बीच में कभी स्पेस नहीं आएगा तो वन ब्रोमो इथेन जोड़ दे वन ब्रोमो इथेन हो जाएगा इसका नाम लिखते बेटा आजा अब देखो बेटा ई के बाद अगर ए आई यू वाई आएगा तो ये कट जाएगा ई के बाद अगर ए आई यू वाई आएगा तो ये कट जाएगा बहुत बढ़िया अब देखिए हेप्ट एन पहले कार्बन पे है तो वन अल पेंट एन वन ऑल पेंटेन ऑल या पेंटेन पेंटेन वन ऑल दोनों ही करेक्ट है ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है क्या बात है समझ में आ रहा है क्या अब पीएससी का एग्जाम्पलर का कोई भी सवाल उठा लो तुमसे सारे बन जाएंगे एग्जाम्पलर के वैसे मैंने करवा दिए एग्जाम्पलर खत्म एक्सरसाइज खत्म एनसीआरटी का कोई भी लगा लेना सवाल लग जाएगा अब लगाओ एनसीआरटी का सवाल प्रीवियस ईयर का सवाल कोई ना लगे तो कमेंट में बता देना कि सर इस साल में ये सवाल आया तो नहीं लग रहा कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा ठीक है चलो बेटा अब आ जाओ अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज मजा आया क्या यूपीएससी के अंदर अभी आईसोमर पे भी आएंगे बेटा अभी आईसोमर भी आएंगे तो आईसोमर पढ़ाऊंगा आ जाओ होमोलोगस सीरीज इज देयर एनी कॉमन डिफरेंस बिटवीन द ऑफ द सेम फैमिली अगर आप यह आपकी मान लीजिए एक फैमिली है एल्केन और ये मान लीजिए आपकी एक फैमिली है एलकीन फैमिली हो गई एलकेन फैमिली हो गई ये फंक्शनल ग्रुप को फैमिली बोलते हैं केमिस्ट्री में क्या इनमें कुछ कॉमन डिफरेंस है क्या बेटा जल्दी बताओ बेटा एक तो ये दिमाग से थोड़ा हटा दो कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो इसका मतलब है हर चीज पानी में घुलेगी तेल पानी में घुलता है क्या आज घुलेगा वैसे मैं सर्फ एक्से लेके आया तो घोल दूंगा मैं लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए बोलते हैं मोस्ट ऑफ द चीजों को घोल लेता है दैट मीन सब चीजें घोल लेता है ठीक है नो यस नो यस देखो तो अगर आप यहां पर कॉमन डिफरेंस देखें ठीक है एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है यहां से यहां पर अगर आप डिफरेंस देखें तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर अब इन दोनों को मत भिड़ देना कि एलकेन को भिड़ा दिया एल्किन से नहीं इस पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर्स को देखो क्या डिफरेंस है सी का डिफरेंस है एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है क्या कॉमन डिफरेंस आता है ना मैथमेटिक्स में पढ़ते न, हो ना नार्थमेटिक प्रोग्रेशन ऋतिक भैया ने पढ़ाया होगा अभी तो पढ़ाया ना कॉमन डिफरेंस होता है डी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बोल रहा कॉमन रेशियो नहीं कॉमन डिफरेंस दो चार छ आठ दो दो का कॉमन डिफरेंस तो बेटा कॉमन डिफरेंस दिख रहा है क्या सी एस टू का देख बेटा तीन और चार यानी एक कार्बन हाइड्रोजन कितना है बेटा दो हाइड्रोजन तो सी एस टू का डिफरेंस है मेरी बात समझ में आ रही राजा बेटा हाँ. तो इस पर्टिकुलर फैमिली में हर मेंबर के बीच में सी एस टू सी एस टू का खेला चल रहा है इससे यहाँ आया हो सी एस टू इससे आया हो सी एस टू इससे यहाँ हो सी एस टू इससे यहाँ हो सी एस टू सी एस टू सी एस टू का डिफरेंस है क्या बात है भैया मजा आ रहा है ओपी लग रहा है तो. अब देख बेटा इसको ध्यान से समझ मैं अगर इसका पहला मेंबर भी लिख के दिखाऊं देख बेटा मैं मीथेन लिख के दिखा दू तो मीथेन से अगर मैं यहां का डिफरेंस बताऊं तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन इथेन से प्रोपेन पे चले तो सी टू प्रोपेन से ब्यूटेन पे चले तो सीएस टू तो यहां पर हर मेंबर के बीच में सीएसटू यूनिट का डिफरेंस है और साथ ही साथ अगर सी टू यूनिट की हो मैं मास कैलकुलेट करूं तो सीएच टू यूनिट का मास क्या होता है देख बेटा एक कार्बन एटम का मास होता है बारह और हाइड्रोजन एटम का मास होता है एक अब ये इनके सबसे कॉमन आइसोटोप है कार्बन का यानी जिसका मास बारह है वो वाला कार्बन लिया हमने और हाइड्रोजन जिसका मास वन है यानी प्रोटियम उसको लिया हमने तो ये हो जाएगा बेसिकली बारह प्लस दो कितना हो जाएगा बेटा फोर्टीन तो अगर आप देखोगे तो इनके मॉलिकुलर मास में फोर्टीन का डिफरेंस है तो एक पर्टिकुलर फैमिली जैसे एलकेन है तो इसके हर एडजेंट मेंबर पहला और दूसरे मेंबर में सी एस टू का डिफरेंस है दूसरे और तीसरे मेंबर में सी एस टू यूनिट का डिफरेंस है तीसरे और चौथे सी एस टू यूनिट का डिफरेंस है या फिर इन टर्म्स ऑफ मोलिकुलर मास में देखूं तो इन दोनों के बीच के मोलिकुलर मास में चौदह U का डिफरेंस होगा फोर्टीन U का डिफरेंस होगा फोर्टीन U का डिफरेंस होगा सिंपल सी बात है सी एस टू यूनिट का डिफरेंस है तो मोलिकुलर मास में फोर्टी U का डिफरेंस होगा ना करके दिखा देता हूं कोई दिक्कत नहीं है देखो बेटा CH4 का मास कितना होता है कैलकुलेट करके देखो कार्बन का मास है बारह प्लस चार इंटू एक डायरेक्टली लिख देता हूं तो कितना हो जाएगा? कार्बन का मास बारह और एक हाइड्रोजन का होता है एक तो चार हाइड्रोजन का हो जाएगा चार कितना हो जाएगा सोलह यू मास हो जाएगा अब बेटा सी टू एच सिक्स का निकालता हूं जस्ट नेक्स्ट तो दो इंटू बारह यानी हो जाएगा बेसिकली चौबिस दो कार्बन है ना एक कार्बन का बारह दो कार्बन का चौबीस और हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा बेटा तो तो हाइड्रोजन का का मास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जाएगा ये बेसिकली अब मेरे राजा इनके बीच डिफरेंस देख कितना आ रहा है प्लस फोर्टीन यू का डिफरेंस है तो या तो इनके अंदर कितने का डिफरेंस होगा प्लस सी एस टू यूनिट का डिफरेंस होगा या इनके अंदर प्लस फोर्टीन यू का डिफरेंस होगा तो इनके मॉलिक्यूलर मास में फोर्टीन यू का डिफरेंस है या इनके फॉर्मूला में सीएसटू यूनिट का डिफरेंस है तो जो मेंबर भाई बीच में दूसरे के बीच में यूनिट तीसरे के बीच में सी एस टू का डिफरेंस या फिर मोलिकुलर मास के टर्म्स में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि फोर्टीन यू का डिफरेंस है इसका फोर्टीन यू का डिफरेंस है समझ में गई बात इसे होमोलोग सीरीज कहते हैं अच्छा एक इंपॉर्टेंट नॉलेज की बात और बता दू बेटा हर मेंबर को होमोलोग कहा जाता है एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड होमोलोग क्या बोला जाता है इसको होमोलोग हर मेंबर जो फैमिली का होगा उसको होमोलॉग बोलेंगे ये होमोलॉग 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 ऐसा होगा ठीक yeah. है याद रहेगा क्योंकि आपसे पूछ लेंगे व्हाट विल बी द नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ इथेन तो होगा प्रोपेन नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ प्रोपेन तो हो जाएगा ब्यूटिन जस्ट अगला मेंबर ठीक है में बेटा जी अब देखो होमोलॉगस सीरीज के अंदर हमने क्या पढ़ा सबसे पहला एनी टू एडजसेंट कंपाउंड्स डिफर ईच अदर बाय C2 एडजेसेंट मतलब पहले और दूसरे के बीच में सी एस टूनिट दूसरे तीसरे के बीच में सी यूनिट तीसरे चौथे के बीच में सी यूनिट और इनके मॉलिकुलर मास में डिफरेंस मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखा दिया कितना होगा का तीसरा इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी सेम होंगी एक फैमिली के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है सेम फंक्शनल ग्रुप है एंड फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ट वाई सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट 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 यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा क्योंकि जैसे जैसे मोलिक्यूलर मास बढ़ेगा जैसे जैसे मोलिक्यूलर मास बढ़ता है आपका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है तो हर स्टेप पर अगर आप देखेंगे तो 14 मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है इसी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी बिकॉज जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा या सरफेस एरिया आपके चेन का बढ़ेगा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आपके बढ़ेंगे सिंपल सी बात ये होमोलोग सीरीज होती है तो एक सवाल आप लोग करेंगे फटाफट से वॉट विल बी वॉट विल बी नेक्स्ट हायर होमोलोग ऑफ इथेनॉल देन इथेन देन मीथेनॉल जल्दी से बताइए फटाफट से नोट्स ए नोट्स की बात नहीं है भाई नोट्स मिल जाएंगे भाई नोट्स की बात छोड़ दो नोट्स ऐप पे मिल जाएंगे इसको करो पहले फटाफट जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। फटाफट से इसको कर देंगे यह फटाफट से कर देंगे मेरे दोस्त मेरे भाई वॉट विल बी द नेक्स्ट हायर होमोलोग ऑफ इथेनॉल इथेन एंड मिथेनॉल देखो बेटा इथेनॉल सुनील भैया एथ का मतलब हो गया दो कार्बन ए एन ई होगा ऑब्वियसली मतलब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड और ऑल का मतलब क्या हो जाएगा सुनील भैया एल्कोहल यानी अगर सुनील भैया आप वाला फॉर्मूला लगाए आर ओ एच या फिर वो फॉर्मूला क्या था सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच था बेटा तो अगर यहां पर मैं इथेनॉल का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो एन का वैल्यू टू हो जाएगा तो सी टू एच टू क्रॉस फोर यानी टू क्रॉस टू यानी फोर प्लस वन फाइव ये हो जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच ये हो जाएगा तुम्हारा इथेनॉल ठीक है बेटा इथेनॉल भाई अल्कोहल कैटेगरी की बात हो रही है इनका फार्मूला ROH होता है यानी CNH2n+1OH n का वैल्यू टू डालेंगे क्योंकि कार्बन क्या है दो होने चाहिए तो C2H5OH अब मेरे राजा बेटा तेरे को क्या करना है इसका नेक्स्ट हायर होमोलॉग निकालना है तो प्लस CH2 लगा देना तो क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा और H7 हो जाएगा और OH हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल क्या बात है क्या बात है यह प्रोपेनॉल हो जाएगा ठीक है बेटा समझ में आ गई मेरी बात समझ में आ गई हर एक सवाल करवा दूंगा बेटा इस चैप्टर का तुम्हारा अब देखो इथेन की बात करते हैं सुनील भैया तो है। जितना कार्बन है इसके जस्ट ट्वाइस में दो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे चार प्लस दो छ अब बेटा अगर आप इस पर सी एस टू एड कर देंगे क्या ऐड कर देंगे सी एस टू तो अगला क्या बन जाएगा सी थ्री एच एट बन जाएगा इसका नाम क्या होता है प्रोपेन होता है यह तो आपको बताया था मैंने है ना अब बात करें कि मीथेनॉल तो अगेन अगर मैं सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच में एन का वैल्यू वन प्लेस करूं मैथ मतलब एक तो यह हो जाएगा सी एच टू क्रॉस वन यानी टू प्लस वन थ्री सी एच थ्री ओ एच यह तुम्हारा मीथेनॉल होता है अब इसमें सी एच टू यूनिट को ऐड करो तो क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा H5 हो जाएगा और OH हो जाएगा यानी ये क्या बन गया ये क्या बन गया इथेनॉल बन गया ठीक है इथेनॉल का अगला क्या था प्रोपेनॉल था और मीथेनॉल का अगला इथेनॉल होगा यानी पहला मीथेनॉल सी एच थ्री ओ एच था इसमें सी एच टू एड किया तो हो गया सी टू एच फाइव ओ एच यानी हो गया इथेनॉल और सी एच टू एड किया तो कितना हो जाएगा सी थ्री एच सेवन ओ एच प्रोपेनॉल समझ में आ गई क्या मेरी बात क्लियर करवा दिया क्या मैंने आपको ये कंसेप्ट ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया क्या समझ में आ गई क्या बात समझ में आ गई क्या बात क्लियर है समझ में आ रही है काफी देर से डिमांड थी टॉपिक की टॉपिक का नाम है आइसोमर क्या नाम है आइसोमर अब मैं आपको आइसोमर की तीन कैटेगरी पढ़ाऊंगा क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया पूछना चाहते हैं और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से एनसीआर का अट्ठावन नंबर का सवाल एक बार देख लेना सी थ्री एच ओके ऑल पॉसिबल आइसोमर पूछे हुए उन्होंने तो इस तरीके से खेलती है एनसीआरटी ठीक है ठीक है अब आइसोमर्स स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाओ तो मान लो कि तुम्हारे पास और तुम और तुम्हारे भाई के पास सेम नंबर ऑफ लीगो ब्लॉक्स है सपोज यू एंड योर ब्रदर हैव द सेम नंबर ऑफ लीगो ब्लॉक्स एंड यू बोथ क्रिएटेड डिफरेंट पैटर्न्स एज yes. बचपन आता था वो ब्लॉक्स होते थे उनको जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के कुछ स्ट्रक्चर बनाना होता था तो मान लो कि ब्लॉक से उसने ये स्ट्रक्चर बनाया ठीक है ना ये यू ये आपने बनाया और ये आपके भाई का स्ट्रक्चर है मतलब सेम नाइन लीगो ब्लॉक से आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और आपके भ्राता ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया नौ तुम्हारे पास भी थे नौ उनके पास भी थे उन्होंने अपने नौ से ऐसे बनाया तुमने अपने नौ से ऐसे बनाया ठीक है तो ये एक तरीके से क्या है एनोलॉजी फॉर आइसोमर्स है कुछ ऐसा ही आइसोमर्स में होता है समझ में आ गई क्या बात है? यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मुला सेम नंबर ऑफ एटम्स होने के बावजूद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि अरेंजमेंट आइटम्स का डिफरेंट होता है तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज यही बात है 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 ठीक ठीक बेटा बेटा अब देखो कैसे करना है? आ मैं आपको सिखाता हैविंग टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ठीक है टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यानी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होना और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है पर इंपॉर्टेंट बात मॉलिक्यूलर फॉर्मुला सेम होगा इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं अब सुनील भाई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते क्यों हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तो आपके मान लीजिए दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वो डिफरेंट कंपाउंड क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर सेम होने के बाद जो एटम्स हैं, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है जिस वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है जिस वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती है और इन दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स को जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मुला सेम है आइसोमर कहते हैं सो द फिनना ऑफ हैविंग टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट सेम मॉलिकुलर फॉर्मुला इज नोन एज आइसोम इज नोन एज आइसोमेजम और जो इसको शो करता है वन दैट शोज दिस इज कॉल्ड आइसोमर अब देखिए दो तरीके के आपके पास है हम यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे ये बेसिकली नॉट इन सिलेबस साथ ही साथ इसमें भी हम तीन के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे हैं भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फिर रिंग, आ, रिंग चेन आइसोमेरिज्म आ जाता है है ना मैटाम आ जाता है इन सब पे नहीं जा रहे अपन अपन यहां पर फोकस करेंगे आपका चेन पोजिशन फंक्शन मैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म पे नहीं जा रहा नहीं मैं मैटामैरिज्म वगैरह पे जा रहा हूं मैं इतनी चीजों पर रहूंगा अब आप ये तीन क्यों बता रहे हो एग्जाम्पलर में सवाल है यहां से इंटेक्स का लगभग रीच कर रहा है सवाल यहां पे और पढ़ा उन्होंने ये रखा है तो पढ़ाओगे ये सवाल पूछोगे इस पे और इस पे कैसे चलेगा भाई समझ रहे हो और एग्जाम्पलर में इस पे सवाल है और मस्त बात बताता हूं प्रीवियस ईयर में एक सवाल उन्होंने यहां से पूछ दिया बच्चे नीचे गिर गए बच्चे बोले ये क्या पूछ दिया ये क्या पूछ दिया तो ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा टू बी ऑन द सेफर साइड तो आपको ये आना चाहिए यह आना चाहिए और यह आना चाहिए ठीक चालू करूं आ जाओ मेरे दोस्त तो आप देखो सबसे पहली चीज ये दो कंपाउंड तुम्हारे समक्ष है ठीक है ये दो कंपाउंड तुम्हारे समक्ष है अब देखो इसको अगर मैं पहले ए बोलता हूं और इसको अगर मैं बी बोलता हूं ठीक है तो आपको क्या क्या लिखना है पहले आप ध्यान से देखो मैं आपको हर एक चीज कवर करूंगा एक दो तीन चार कार्बन तीन और दो तो, पांच छ सात आठ नौ दस दस हाइड्रोजन C4 H10 एच टेन एक दो तीन चार कार्बन तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस हाइड्रोजन क्या मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है आप कहोगे हां फंक्शनल ग्रुप क्या दोनों का सेम है दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं एल्केन कैटेगरी को कोशिश करके देख लीजिए दोनों एल्केन कैटेगरी को है। सिंगल बॉन्डेड एल्केन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम क्या है चेन आइसोमर अरे चेन आइसोमर से नाम बता रहा है कि ऐसे आइसोमर जिनकी मेन कार्बन चेन डिफरेंट हो या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट हो क्या हो मेन कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी डिफरेंट हो अब अपन अपने वाला निकाले तो जो अपन ने पढ़े थे सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये चार कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है नाउ इसमें सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो या तो आप ये कार्बन की चेन को चुन सकते हो सबसे लंबी तीन कार्बन की चेन है या फिर आप ये तीन कार्बन की चेन चुन सकते हो तो ये एक सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा यानी ब्रांच हो जाएगी है ना तो आप किसी भी तरीके से चुनिए ये वाला चुनिए ये वाला चुनिए ये वाला चुनिए आप कुछ भी चुनेंगे एक सब्सटीट्यूंट आएगा ही आएगा ये एक ब्रांच बन जाएगी समझ रहे हैं देखो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चार की है यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होगी वो तीन की होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा चार कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और यहां पर तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो यहां पर डिफरेंट क्या है ये, this is different. तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन मेन चेन कार्बन लेंथ डिफरेंट है तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी बहन इसको अपन चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे अब दो कंसेप्ट का रिवीजन देता हूं सबसे पहला दो कंसेप्ट का रिवीजन एक साथ दूंगा ध्यान से देखना दो कंसेप्ट का रिवीजन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कितने कार्बन से लिंक होता है यह कार्बन एक कार्बन से लिंक है यह कार्बन एक कार्बन से लिंक है यह कार्बन दो कार्बन से लिंक है यह कार्बन दो कार्बन से लिंक है तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में या तो कार्बन एक कार्बन से लिंक होगा या दो कार्बन से लिंक होगा तो मेरे प्यारे दोस्त ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था अब देख बेटा इसमें ब्रांच आ रही है ना? ये हाइड्रोकार्बन कैसे है? देख कितने कार्बन से अटैच है एक से ये कितने से अटैच है एक, एक दो तीन से तो अगर आपके हाइड्रोकार्बन में कार्बन एक कार्बन दो कार्बन या दो से ज्यादा कार्बन से अगर लिंक होगा तो इसे बेसिकली हम क्या कहेंगे क्या कहेंगे ठीक है जी ठीक है जी क्लियर है बात जी भैया अब देख बेटा दूसरे पे चलते हैं आजा। आ जा दूसरा कंसेप्ट सुनील भैया यहां पर कोई प्रीफिक्स तो नहीं है है ना अगर यहां पर देखो रूल लगाते हैं अपन प्रीफिक्स प्लस रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स अब देखो बेटा पहले वाले कंपाउंड के लिए और फिर दूसरे वाले कंपाउंड के लिए चार कार्बन है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर अब ये तो बेसिकली है यहां पर कोई बेसिकलीटम लगा हुआ ही नहीं है ठीक है तो हम तीसरे रूल पे आ जाएंगे कि रूटवर्ट क्या हो जाएगा रूटवर्ट हो जाएगा ब्यूट यहां कोई प्रीफिक्स नहीं है सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगा दीजिए एन सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं है तो हट जाएगा तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन अब दूसरा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली उसके बाद उसके बाद हटा रहा हूं उसके बाद आपको सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कर लिया पहला रूल हां दूसरा रूल आपको इस तरीके से नंबरिंग करनी होती है कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले यहां पर कोई हाइड्रो आइटम वाला फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है नहीं तो फिर मैंने उसी का सब पार्ट बताया था कि आपको सब्सिट्यूट को लोवेस्ट नंबर देना है उसके बाद साइड चेन ब्रांच या सब्सिट्य को लोवेस्ट नंबर देना है तो देख बेटा यहां पर एक यहां पर दो यहां पर तीन यहां से दूसरे कार्बन पे एक दो तीन यहां से भी दूसरे कार्बन पे तो सेकंड कार्बन पे आपका ये मिथाइल चेन आ रहा है तो मिथाइल चेन के लिए अपन प्रीफिक्स यूज करेंगे टू टू मिथाइल प्लस मेन चेन में तीन कार्बन है प्रॉप इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं है नाम जोड़ दीजिए क्या नाम बन जाएगा इसका नाम बन जाएगा टू मिथाइल प्रोपेन क्या नाम बन जाएगा टू मिथाइल प्रोपेन नाम बन जाएगा अब बेटा तीसरा कंसेप्ट यहां पर नोट करना अगर ब्रांच आपकी सेकंड कार्बन पे आती है कभी भी ब्रांच अगर आपकी सेकंड कार्बन पे आती है देखिए यहां से भी सेकंड पे है और यहां से भी सेकंड पे है सेकंड कार्बन पे अगर ब्रांच आती है तो आप इसके नाम को कैसे लिखेंगे आप इसके नाम को लिखेंगे आई ब्यूटेन वेयर आई स्टैंड फॉर आई स्टैंड फॉर आई सो सिमिलरली यहां पर एन क्या है सुनील भैया, एन का मतलब है नॉर्मल तुम ब्यूटेन लिखो या एन ब्यूटेन लिखो एक बात है एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन उसी प्रकार से आईसो बुटेन या फिर तुम लोग लिख सकते हो आई ब्यूटेन आई स्टैंड फॉर आइसो यानी अगर सेकेंड कार्बन पे ब्रांच आ रही है तो आइसो लग जाएगा सबसे पहला स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन फिर हमारे आईपीएसपी के रूल्स हमने लगा दिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा टू मिथाइल प्रोपेन कॉमन नॉमिन अगर हम देखें उस वाले कंपाउंड का तो सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ रही है तो बन जाएगा आई ब्यूटेन यानी आईसो ब्यूटेन बात जी चलो बेटा एक बच्चा कह रहा मिथाइल कैसे आया बेटा ये क्या है आपको इतनी देर पहले बताया ये ये बेटा ब्रांच का नाम नहीं लिखोगे क्या है? ये 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 क्या है ये मिथाईली तो है बेटा मिथाइली तो है मीथेन होता है सीएच फोर एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो सी एच थ्री और बॉन्ड अगर मेन चेन से बना रहा है तो इस पर्टिकुलर साइड चेन या ब्रांच को मिथाइल कहते हैं अगला देखो बेटा चेन में अगला एग्जाम्पल देखते हैं अब अगर अगला है, अपने पास ये है ये मान आपके पास बी है और यह मान लीजिए आपके पास सी है ध्यान से देखना फॉर्मुला सबसे पहले पांच कार्बन तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सी फाइव एच ट्वेल इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला एक दो तीन चार पांच कार्बन है हाइड्रोजन कितने हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पांच कार्बन है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह हाइड्रोजन तो मॉलिकुलर फॉर्मूला तीनों का सेम फंक्शनल ग्रुप तीनों का एलकेन क्या बात है भैया अब मेन चेन में कितने कार्बन आइटम होंगे मेरे राजा बेटा नाम लिखना सिखाया सुनील भैया ने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पांच की सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो राजा बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या तो ये होगी या मेरे राजा बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी ये होगी कोई भी चार कार्बन की ले सकते हो यहां पर क्योंकि चार कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के बाद एक ब्रांच ही आ रही है मान लो कि ये एक दो तीन चार वाली ले लेते तब भी एक ब्रांच आती ये ले लिया तब भी एक ब्रांच आ रही है तो मेन चेन में कितने कार्बन चार राजा बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की होगी या तो ये तीन की ले लो या ये तीन की ले लो या ये तीन की ले, ले लो तीन की ले लो कैसे भी ले लो तीन कार्बन से ज्यादा लंबी चेन नहीं आ सकती तो मैं इजी के लिए ये ले लेता हूं ठीक है बेटा जी भैया पांच कार्बन की चेन चार कार्बन की चेन तीन कार्बन की चेन क्या बात है भैया ठीक है बेटा तो ये आपके चेन आई हो गए भाई मोलिकुलर फॉर्मूला तीनों का सेम फंक्शनल ग्रुप तीनों का सेम लेकिन मेन चेन कार्बन लेंथ तीनों की डिफरेंट इसमें पांच इसमें चार इसमें तीन बन गए एक दूसरे के चेन आई सुमर। समझ में आया क्या बेटा मजा आया क्या बेटा जी तो यानी मेन चेन कार्बन लेंथ आपकी डिफरेंट होती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ठीक है बेटा समझ में आ रही है बात जी आप देखो अगेन इसका नामकरण तुम्हें पता है एन पेंटेन में एन का मतलब क्या है नॉर्मल इसको आई पेंटेन बोलते हैं ये वाले को आई पेंटेन बोलते हैं आई स्टैंड फॉर आईसो आइसो आई कब लगता है बेटा कब लगता है जब सुनील भैया ब्रांच सेकंड कार्बन पे आती है लेकिन यहां पे सेकंड कार्बन पे कहां है भैया मैं बताता हूं देखो बेटा तुमने सबसे लंबी कार्बन की चेन चुनी हाँ। पहला रूल का क्या बताया? Select the longest कार्बन चेन तुमने चुन ली दूसरा रूल क्या बताया था मैंने कि फंक्शनल यहां पर कोई भी हाइड्रो वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसके बाद सब्सटीटेंट चेन को लोएस्ट नंबर देना है ये रही। तो अब मेरे राजा बेटा क्या करेंगे यहां से नंबरिंग करेंगे एक दो तीन चार और एक दो तीन चार बेटा इधर से नंबरिंग करूंगा तो तीसरे कार्बन पे आ रही है और इधर से करूंगा तो दूसरे पे आ रही है तो इस वाले के साथ हम जाएंगे इस वाले के साथ नहीं जाएंगे तो आपको मैंने बताया दूसरा रूल ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर दीजिए और उसके बाद सब्सिटेंट को लोवेस्ट नंबर दीजिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहां पर यानी कि हेड्रो एटम वाले फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मिथाइल चेन को लोवेस्ट नंबर टू मिल गया मिल गया हा तो आइसो क्या कह रहा था ब्रांच ऑन सेकंड कार्बन ब्रांच ऑन सेकंड कार्बन देखो बेटा सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ रही है क्या सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ रही है क्या वन टू सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ रही है अच्छा भैया नियो कब यूज करते हैं नियो यूज करते हैं जब क्वार्टरनरी कार्बन होता है क्वार्टरनरी कार्बन का मतलब क्या होता है यानी कार्बन इज अटैच्ड फोर अदर कार्बन एटम्स ठीक है जब कार्बन आपके चार अदर कार्बन एटम से लिंक होगा तो आप क्वार्टरनरी यूज करेंगे देखो कैसे ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक है इसको ध्यान से फोकस करना ये देखो इधर भी एक कार्बन ऊपर एक कार्बन राइट में एक कार्बन इधर एक कार्बन तो ये वाला जो तुम्हारा कार्बन बनता है दोस्त ये क्वार्टरनरी कार्बन है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स कॉमन नॉमेन क्लेचर में कॉमन नेम है नियोपैंटेन कॉमन नॉमेन क्लेचर में आइसो पेंटेन इसके लिए एन पेंटेन अब एन तो स्टैंड इस नॉर्मल इसका यूपीएससी नेम है क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा इसका और इसका यूपीएससी नेम आप लिखकर दिखाना मुझे ये देखो इसका यूपीएससी नेम क्या होगा प्रीफिक्स प्लस रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स ठीक है ए बी सी तीनों का लिख देते हैं ठीक क्या यहां पर कोई प्रीफिक्स है नहीं तो खाली छोड़ दो क्या यहां पर कोई प्रीफिक्स है सेकेंड कार्बन पे मिथाइल की चेन है तो लिख दीजिए टू हाइफेन मिथाइल क्या यहां पर कोई आपके पास प्रीफिक्स है अब देखो बेटा पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन सेकंड कार्बन पे दो चेन्स है इधर से नंबरिंग करो पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन इधर से नंबरिंग करने पे भी सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल चेन्स है तो पहला रूल कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिया दूसरा कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दो हेट्रो आइटम वाला फंक्शनल ग्रुप यहां नहीं है तो सब्सिटुएंट चेन को लोएस्ट नंबर दो तो यहां से कर रहे हैं तो दूसरे पे दो आ रही है और इधर से कर रहे हैं तब भी दूसरे पे दो आ रही है तो दो नंबर हो जाएगा तीसरा रूल कहता है यहां पर लिख दो आप देखो सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल है तो कैसे लिखना है देखिए टू कौमा टू टू कौमा टू टू कॉमा टू दो बार है तो आप लिखेंगे डाई मिथाइल यानी मिथाइल चेन कहां पे थी एक सेकेंड कार्बन पे दूसरी भी सेकेंड कार्बन पे दो बार है तो डाई आ जाएगा अब यहां पर प्लस और इधर प्लस ठीक और पहले वाले केस में रूटवर्ड क्या है पेंट तो इधर लगा दीजिए पेंट प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन सेकेंडरी सफिक्स के लिए हेड्रो एटम वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन दूसरा टू मिथाइल मेन आपके पास जो यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है कितना कार्बन है चार तो ये हो जाएगा ब्यूट इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन तो नाम क्या हो जाएगा टू ब्यूटेन ठीक है हा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसका हो जाएगा टू कॉमर टू डाइमिथाइन अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन है तीन तो हो जाएगा प्रॉप और इनके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन तो नाम क्या हो जाएगा टू कॉमा टू डाय मिथाइल प्रॉपिन अरे मेरे राजा बेटा को समझ में आया क्या टू कॉमा टू डाइमिथाइल प्रॉपेन टू कॉमा टू डाई मिथाइल दो बार मिथाइल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तीन कार्बन है तो आ जाएगा प्रॉप और हो जाएगा एन टू कॉमा टू डाई मिथाइल प्रॉपेन तो पहले वाले का नाम पेंटेन दूसरे वाले का आयुपीएससी नाम टू मिथाइल ब्यूटेन तीसरे वाले का आयुपीएसई नाम ये हो जाएगा यूपीएससी नेम्स और ये जो है आइसोनियो ये बेसिकली आपके कॉमन नॉमिन क्लेचर में आ जाएंगे ठीक है समझ में आ गया जी क्या बात है बहुत बढ़िया अब दूसरी कैटेगरी बताता हूं तुमको पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं ध्यान से सुनना पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं अगले पंद्रह मिनट में आइसोमेरिज्म खत्म कर दूंगा और फिर तुम्हारे एक सवाल लगा पाओगे समझ में आ गया क्या ठीक है अब पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए पहले इस कंपाउंड को बना लेते हैं तो यहां पर बेसिकली अगर कार्बन है एक बॉन्ड बन रहा है तो बाकी के तीन हाइड्रोजन होंगे यहां पर अगर एक कार्बन है दो बॉन्ड बन रहे हैं तो यहां पर दो हाइड्रोजन होंगे यहां पर अगर एक कार्बन है दो बॉन्ड बन रहे हैं तो दो हाइड्रोजन होंगे यहां पर अगर मेरे पास एक कार्बन है दो बॉन्ड बन रहे हैं तो दो हाइड्रोजन होंगे ठीक जी यहां पर अगर एक कार्बन है एक बॉन्ड बन, बन रहा है तो बाकी के तीन हाइड्रोजन होंगे यहां पर एक कार्बन है तीन बॉन्ड बन रहे तो एक हाइड्रोजन होगा यहां पर एक कार्बन है बस दो बॉन्ड बन रहे हैं तो दो हाइड्रोजन होंगे और इधर वाला अब ये वाली चीज ठीक है इधर आप समझ सकते हैं इस स्ट्रक्चर को या तो मैं नीचे बना लेता हूं इसको नीचे बना लेता हूं ठीक है ये बेसिकली हो जाएगा मेरे पास सी एच थ्री गया इधर सी और इधर आ जाएगा बेसिकली ओ एच तीन बॉन्ड बन रहे तो सी एच फिर उसके बाद यहां पर आ जाएगा बेसिकली कार्बन दो बॉन्ड बन रहे तो आ जाएगा एच टू और यहां पर आ जाएगा बेसिकली सी एच थ्री ठीक है दोस्त इस वाले को ऐसे मैंने बना दिया अब देखो सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य क्या है तुम मोलिकुलर फॉर्मूला देखो एक दो तीन चार चार तो तुम्हारे कार्बन है हाइड्रोजन कितने हैं तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है उसी प्रकार से यहां पर कितने हैं एक दो तीन चार कार्बन है तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस दस हाइड्रोजन है ना तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और एक ऑक्सीजन है ये तो मॉलिकुलर फॉर्मुला इन दोनों कंपाउंड्स का अगर ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है तो इन दोनों का सेम है ए का और बी का सेम है ठीक है फंक्शनल ग्रुप क्या है यहां पर फंक्शनल ग्रुप मेरे पास क्या है दोनों के अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है तो मेरा फंक्शनल ग्रुप भी दोनों के अंदर सेम है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप यानी है दोनों में सेम है मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अब देखो इसके नामकरण से स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इफ इट कंटेन्स पहला रूल ये था तो सबसे लंबी कार्बन की जो चेन मेरे पास बनती है वो ये बनती है अब इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो नहीं कंसिडर होगा बाकी लंबी चेन चार की होगी अच्छा इधर चुनो एक दो तीन चार इधर भी चार कार्बन की चेन है इधर भी चार की इधर भी चार की क्या बात है यार बहुत बढ़िया तो यानी यहां पर मेन चेन कार्बन लेंथ क्या है चार और चार तो दिक्कत क्या है फिर है दिक्कत क्या है इसका नाम बता रहा है ना पोजीशन चेन का मतलब है कि मेन चेन कार्बन लेंथ में डिफरेंस है लेकिन जब पोजीशन की बात करते हैं तो ये खुद से कह रहा है कि इसकी पोजीशन में डिफरेंस होगा अब मेरे राजा बेटा अगर तुम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखोगे तो वहां पर तुमको डिफरेंस नजर आएगा अब इसका नाम लिखोगे तो तुमको समझ में अच्छे से आ जाएगा सुनील भी इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स प्लस लिखते हैं रूटवर्ड फिर हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स फिर हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स आई डिटेल में सिखा चुका हूं मैं पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो उसको सेलेक्ट करो सबसे लंबी चेन ये सबसे लंबी चेन ये इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है कोई बात नहीं दूसरा रूल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर दो तो राजा बेटा फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देने के लिए एक नंबर पे आना चाहिए ये दो ये तीन और ये चार इधर से नंबरिंग करोगे तो चौथे कार्बन पे आएगा फंक्शनल ग्रुप गलत है और देखो एक दो तीन चार इधर से नंबरिंग करो पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन चौथा कार्बन तो सुनील भाई सुनील भाई सुनो दूसरे कार्बन पे आ रहा है इधर से और इधर से आ रही है तीसरे कार्बन पे तो तुमको क्या करना पड़ेगा सुनील भाई ये वाला सेलेक्ट करना चाहिए ये वाला नहीं करना चाहिए भाई इसको लोवेस्ट नंबर देना ना यार क्या दिक्कत है इसको लोवेस्ट नंबर देना ना यार समझ रहे हो हाँ अरे इसको नंबर देना है ना यार बात समझ रहे हो ना हां अब तुम यहां से दोगे तो तीसरे में नाच रहा है इज्जत करनी है फंक्शनल ग्रुप की गिव इज्जत विधायक जी इज्जत ठीक है ना दूसरे पे इधर या पहले पे मजा आ गया हाँ पहला रूल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डन दूसरा रूल लोएस्ट आपको इसको सबसे लीस्ट नंबर देना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल या फर्स्ट लोकेंट रूल कहते हैं हो गया तीसरा ये अप्लाई करेंगे आप देखो बेटा या प्रीफिक्स दोनों केस में कुछ नहीं है हटा दो रूटवर्ड लगाओ रूटवर्ड लगाओ देखो बेटा रूटवर्ड क्या है चार कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तो ब्यूट ब्यूट सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन हो जाएगा एन हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स ऑल ऑल क्या बात है भैया आपने सब बताया था फिर आपने यह भी बताया था कि अगर इसके ई के बाद ए आई ओ यू आया है तो ई को बाय बाय कर देना आपने ये बताया था हां बताया था मैंने अब मेरा राजा बेटा लास्ट गेम चेंजर इसका नाम और इसका नाम अलग अलग क्यों बनेगा देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे पहले पे तो आई का रिसेंट रिकमेंडेशन बोलता है कि सफिक्स से पहले सेकेंडरी सफिक्स से पहले बताओ कि कौन से कार्बन पे है तो देख देख मेरा राजा बेटा बी यू टी एन वन ऑल राजा बेटा समझे अरे यार ठीक है मिटा दे रहा हूं यहां से बस इधर लिख देता हूं बी यू टी एन वन ऑल यानी फर्स्ट कार्बन पे है आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और इस केस में सेकंड पे तो ब्यूटेन टू ऑल बस इसका नाम ब्यूटेन टू ऑल है और इसका नाम ब्यूटेन वन ऑल है ये ए और ये बी ए और बी ठीक है ना ब्यूटेन टू ऑल ब्यूटेन वन ऑल सही है क्लियर है तो ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑल ऑल चढ़ता है बूटेन लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप ऑल कहां पे था फर्स्ट कार्बन पे था तो बुटेन वन ऑल ये सेकंड कार्बन पे था इधर कहां गया ये रहा बुटेन टू ऑल तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहां पर फर्स्ट कार्बन इस केस में सेकंड कार्बन तो इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो आपका फंक्शनल ग्रुप सेम हो आपकी मेन चेन कार्बन लेंथ सेम हो देखो मॉलिकुलर फंक्शनल ग्रुप मेन चेन कार्बन लेंथ सेम है पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप पहले पे और दूसरे पे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी क्या बात है अब लास्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आप कहोगे सर हमारे कोर्स में नहीं है एक काम करना एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठाना क्वेश्चन नंबर अट्ठावन फिफ्टी एट या फिफ्टी नाइन नंबर का सवाल है C3H6O के पॉसिबल आइसोमर बताओ कैसे बताओगे कैसे बताओगे कैसे बताओगे फंक्शनल आइसोमर पूछ रहा है वो ठीक है तो पढ़ोगे तो बताओगे ना मेरे भाई देखो तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मुला सेम होता है मेन चेन कार्बन लेंथ सेम होती है तो डिफरेंट क्या होता है फिर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है देखो जो नाम होगा वो काम होगा चेन आइसोमर में चेन लेंथ डिफरेंट होगी आइसोमर्स में पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी ठीक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा सॉरी चेन आइसोमेरिज्म में मेन चेन कार्बन लेंथ डिफरेंट होगी पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा तो यहां पर होगा क्या सेम मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मुला, सेम मेन चेन कार्बन लेंथ सेम होगी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो जाएगा तो गेव राइज़ टू समझ गए अब यहां पर एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा यह डिफरेंट होने की वजह से एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्रिएट हो जाएगा तो यहां पर इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अब जैसे एग्जांपल एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है जैसे आपने इनका जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था इसका लिखा था आर सी एच ओ जिसको हमने ऐसे भी लिखा था सी एन एच टू एन प्लस वन सी एच ओ उसी प्रकार कीटोन का हमने क्या लिखा था आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश या फिर सी एन एच टू एन प्लस वन सी डबल बॉन्ड ओ सी एम एच टू एम प्लस वन याद होगा आपको ये लिखा था एक और फॉर्मूला बताऊं इसका एक और बताऊं सी एन एच टू एन ओ सी एन एच टू एन ओ तो जब भी आपसे कोई बोलता है कि जितने कार्बन एटम्स है उसके जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन है तो मेरे राजा बेटा समझ जाना कि या तो वो कीटोन की बात कर रहा है या तो वो एल्डिहाइड की बात कर रहा है ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मुला सेम है इनकी मेन चेन कार्बन लेंथ सेम है लेकिन इनके एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं देखो मैं दिखाता हूं करके दिखाता हूं फालतू ऐसे नहीं बात करेंगे करके दिखाते हैं। देखो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है देखो है ना कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अब पहले तुम इनका फॉर्मूला देखो तुमको मेरी बात समझ में आएगी पहले इनका फॉर्मूला देखो देखो बेटा एक दो तीन तीन कार्बन है ये पहला मान लो ये दूसरा मान लो अब देखो बेटा ये पहला ये दूसरा ध्यान से सुनो कितना कार्बन तीन कार्बन कितना कार्बन तीन कार्बन हाइड्रोजन कितना है तीन चार पांच छ हाइड्रोजन कितना है तीन चार पांच ऑक्सीजन कितना है एक और एक ये देखो ऊपर मैच 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 करो करो हो हो रहा है हो रहा है है क्या क्या जितने कार्बन ट्वाइस हाइड्रोजन जितने कार्बन ट्वाइस हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन तो जो होता है, वो क्या होता है वो बेसिकली एल डी आईड या कीटोन का फॉर्मुला होता है तो दो डिफरेंट फॉर्मूले कैसे आए अरे यहां पर ये जो सेम एटम्स हैं इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट है मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है मेन चेन कार्बन लेंथ देखो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कार्बन चेन तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यहां पर भी डिफरेंट तो होने की वजह से फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है अब यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है यहां पर कौन सा है यहां पर कौन सा है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है पहले वाले में कार्बोनिल है दूसरे वाले में कौन सा है एल डी हाइड्रिक फंक्शनल ग्रुप है ये क्यों आ एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई ना यार स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप ये है यहां पर फंक्शनल ग्रुप ये है अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई इसलिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया अगला देख राजा बेटा अगला देख राजा बेटा एक कैटेगरी और देख जल्दी तो आपको ये पूछता है फंक्शनल आइसोमर कौन किसका है तो बोलना एल्डिहाइड कीटोन का है उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आर सी ओ एच या फिर सी एन एच टू एन प्लस वन सी ओ एच ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है देखो बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश या फिर सी एन एच टू एन प्लस वन इसका फॉर्मूला फिर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी एम एच टू एम प्लस वन ये ईस्टर का फॉर्मूला होता है अनदर जितना कार्बन उसका ट्वाइस हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन जितना कार्बन उसका ईस्टर और, तो और कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं और ये सेम है ये सेम है ये सेम है <laughs> अभी इसके नाम पे फोकस मत करना कैसे लिखा ईस्टर का नामकरण जो है मैं आपको में सिखा दूंगा अभी तुम्हारा मेजर इंटेंट क्या होना चाहिए ये देखो अभी तुम्हारा मेजर इंटेंट क्या होना चाहिए वो सीखो मोलिकुलर फॉर्मुला पहले और दूसरे का देखो बेटा सुनील भैया एक दो तीन तीन कार्बन हाइड्रोजन कितने तीन चार पांच ऑक्सीजन कितने दो कार्बन देखो एक दो तीन कार्बन हाइड्रोजन कितने तीन चार पांच छह ऑक्सीजन कितने दो मॉलिकुलर फॉर्मुला सेम सी एन एस टूट नोटू कार्बन के जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन मेन चेन कार्बन एटम्स सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप अब एक मिनट एक सेकेंड यहां पर क्या सुनील भैया हम तीन कार्बन को कंसीडर करेंगे क्या मेन चेन के अंदर तो मैं आपको यह चीज बता दूं मैं आपको यह चीज बता दूं कि यहां पर यहाँ पर जो मेन चेन आएगी उसमें दो कार्बन आएंगे तो फिर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कैसे हैं ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर यहां से ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ठीक है यहां पर ये दो क्यों आएगी यहां पर एक क्यों नहीं आएगा यहां पर मेन चेन में दो कार्बन क्यों एक क्यों है इसके पीछे का रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये इसके साथ में जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका नाम पहले लिखते हैं और फिर ये नाम लिखते हैं इसके नॉमिन क्लेचर के रूलरिफिकेशन में बता दूंगा लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है वॉट इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप ईस्टर उसका जवाब देकर आएंगे ठीक है आप ईस्टर उसका जवाब देकर आएंगे फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन सा बनता है फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन सा बनता है यहां पर बनता है कार्बोक्सिल और यहां बनता है कार्बो एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप ठीक है ये मेन चेन कार्बन लेंथ का जो रूल है ना जब नामकरण करने के लिए अपन करते हैं उसके लिए आता है तो इस पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाली चीज क्यों नहीं अप्लाई करी अभी ये जब मैं आपको रूल्स बताऊंगा तो वहां पर ये चीज मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि यहां पर इस ऑक्सीजन के जो पास में ग्रुप है एल्काइल ग्रुप ये और फिर एल नोएट इसका नाम ऐसे करते हैं पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर ये आपस में क्या है ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है ठीक है ये आपस में क्या है ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है तो एल्डिहाइड कीटोन याद रखना और कार्बोक्सिलिक ईस्टर आपस में याद रखना चलो एक बार आए भैया लिख दो फटाफट से आए भैया लिख दो ब्रेक अगले टॉपिक पे दे देंगे कुछ आप लोग भी खाते रहिए चलो स्टार्ट करते हैं आगे चलते हैं तीन टॉपिक और बच्चे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड एंड लास्ट हो जाएगा हमारा ईस्टेरिफिकेशन एंड सेपोनिफिकेशन अब मैंने यहां ब्रेक दिया हुआ था दे क्या एक ब्रेक एक ब्रेक दे दू है चलो एक ब्रेक दे ही देते कोई दिक्कत नहीं है जाओ एक ब्रेक दे देते तुमको। ठीक है? एक ब्रेक दे देते तो चाहिए कि नीचे है। एक भाई कह रहा हम तो गरीब हैं, अरे भाई ऐसी बातें मत किया करो यार ऐसी बातें क्यों करते हो यार नहीं दे नहीं दे आए यस नहीं यस yes, यस yes. चलो ठीक है एक ब्रेक दे देते हैं ठीक है दोस्त एक ब्रेक दे, दे देते हैं दस मिनट का ठीक है उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे है ना चलो हाँ भाई आ गए सारे के सारे आ गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है ना बेटा तो एक्चुअली में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है अब इसको और सिंप्लीफाइड वे में अगर आपको समझना है तो मैं एसिड बेसिस सोल्ट में आऊंगा ना तो इसको और अच्छे से समझा दूंगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है ठीक है ना वहां पर जो वॉटर मीडियम है वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है तो एच टू सीओ थ्री प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एच टू वहां पर मिलता है ठीक है चलिए अब अच्छा एक चीज और

तब भी क्या हो जाएगा कि मॉलिकुलर फॉर्मुला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है तो एक भाई अपना स्पैम कर रहा था तो उसी के लिए आंसर है <laughs> चलो नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन यहां पर अपन चार प्रकार के रिएक्शन को पढ़ेंगे आपको मैं जल्दी जल्दी सिखाता हूं आइए फटाफट से पहली रिएक्शन को देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है ऑक्सीडेशन मैंने आपको चैप्टर वन में भी सिखाया था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर की ऑक्सीजन ऐड हो जाती है या बेसिकली हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है किसी सब्सटेंस से और बोथ और बोथ तो इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने कि मान लीजिए किसी सब्सटेंस पे अगर आप ऑक्सीजन की एडिशन करवाते हैं या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल करवाते हैं या फिर दोनों चीजों को अगर आप करते हैं कि ऑक्सीजन की एडिशन भी करवा रहे हैं और हाइड्रोजन का रिमूवल भी करवा रहे हैं ठीक है तो इसको बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं ठीक है या तो ऑक्सीनाइड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो या दोनों हो रही है किसी सब्सटेंस पे तो ऑक्सीडेशन कहलाता ही है और इसका दूसरा तरीका यह भी है कि ऑक्सीडेशन का मतलब यह भी होता है अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है इसका मतलब है कि उस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ठीक है तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाए थे साथ ही साथ मैंने एक टर्म पढ़ाई थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीडाइजेस अदर्स। सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड ठीक है इट्सल्फ गेट्स रिड्यूस्ड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और अगर खुद को रिड्यूस करता है

ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे तो देर आर सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच आर यूज्ड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं उसमें पहला नाम हमारे पास आता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 एंड आता है एल्कालाइन पोटेशियम परमैग्नेट यानी कि KMnO4 अब दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में यहां पर कूदना चाहिए वो ये कूदना चाहिए कि यहां पर एसिडिक और एल्कलाइन का क्या काम है वाई दीज मीडियम्स सुनील भैया एसिडिक पोटेशियम डायक्रोमेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डायक्रोमेट और एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट की जरूरत क्या है मीडियम की क्या जरूरत है क्या जरूरत है क्या जरूरत है ठीक है मीडियम की क्या जरूरत है तो दोस्तों ये मीडियम्स एंश्योर करते हैं मीडियम्स एंश्योर एंश्योर दैट दी सब्सटांसेस लूज ऑक्सीजन इजीली एंड इट इज एडिड टू अनादर सब्सटेंस तो ये मीडियम्स ये एंश्योर करते हैं कि ये सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करेगा साथ ही साथ ये मीडियम एंश्योर करता है कि ये सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करेगा ताकि जैसे ये लूज करेंगे तो ये सामने वाले पे ऐड होगी तो सामने वाले का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा अगर मैं एजेंट ऑक्सीजन को लीव करूंगा इस पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा मेरा रिडक्शन हो जाएगा ठीक है किताब सिर्फ इस पे फोकस कर रही है आपने ऑक्सीजन दिया इसका ऑक्सीडेशन हो गया लेकिन किसी ना किसी का रिडक्शन भी होगा चलो अब अपन अपने कोर्स का पढ़ते हैं थोड़ा सा आ जाइए सबसे पहला तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स तो देखिए जैसे ही आप एल्कोहल्स को हीट करेंगे हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक एसिडिफाइड के टू टू ओ सेवन या एल्कोलाइन के एम एन ओ फोर सो दे आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स

यानी एल्कोहल कैटेगरी आपके समक्ष यहां पर पड़ी है आपने एल्कोहल को हीट किया एल्कोलाइन के एसिडीफाइड के टू सीआर टू ओ सेवन की प्रेजेंस में आपने हीट किया किया हाँ अब ये एल्कोलाइन मीडियम इंश्योर करेगा कि ये अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिलीज करे अगर आप एसिडिफाइड के टू सीआर टू ओ सेवन ले रहे हैं तो एसिडिक मीडियम इंश्योर करेगा कि पोटेशियम डायक्रोमेट अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिलीज करे, ठीक है तो जैसे इथेनॉल को हम गर्म करेंगे और फिर हम एल्कलाइन के टू सीआर को डालेंगे तो एल्कलाइन मीडियम एंश्योर करेगा कि यह ऑक्सीजन को रिलीज करे सिमिलरली एसिडिक मीडियम एंश्योर करेगा कि यह ऑक्सीजन को रिलीज करे अब यहां पर यह जो ऑक्सीजन है ये यू इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं और ये काफी ज़्यादा रिएक्टिव होती है क्या कहते हैं है? है, है। है। है? क्यों अटैक कर रहा है अब मैं अगर बोलूं प्राइमरी एल्कोहल ये सब शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं तो सही नहीं लगने वाला आपको तो अपने कोर्स के हिसाब से चीजें बताना चाह रहा हूं तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप के जो पास वाला कार्बन है सुनो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन जो है इससे हाइड्रोजन को हटा दो मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा और यहां से एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा बिल्कुल सरल भाषा में तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसको हटा के अपन एक ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये जो एक ऑक्सीजन है यहां आ जाएगा साथ ही साथ ये H2 ये H2 और यहां से दो ऑक्सीजन थे ना एक ऑक्सीजन ने तो यहां आ गया और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो यहां पे दोनों चीजें हो रही है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है देखो ये तुम्हारा इथेनॉल है इथेनॉल यानी C2H5OH अग्री करते हो हाँ अब देखो राजा बेटा जैसे ही इसको अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हीट करेंगे ये मीडियम एनश्योर करेगा कि ये ऑक्सीजन को रिलीज करे नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज किया एक ऑक्सीजन का एटम यहां से जाएगा और कार ये जो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन है इस पे जो दो हाइड्रोजन लगे इनको उड़ा देगा अब कार्बन को तो डबल बॉन्ड बनाना है भाई एक हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरा सिंगल बॉन्ड ये दो हाइड्रोजन तुमने उड़ा दिए तो यहां पर तुमने ऑक्सीजन दे दिया अब कार्बन यहां पर होगा यहां से जो हाइड्रोजन निकला और ये एक ऑक्सीजन यहां पे दो थे ना एक तो यहां दूसरा इसके साथ मिलके H2O बना लेगा याद रखना यहां पर एक डबल बॉन्ड बनता है जैसे ये है ना ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही है। यहां पर कार्बन दो बॉन्ड बना रहा था एक एक हाइड्रोजन के साथ दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली दोनों के दोनों बॉन्ड यहां पर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा समझ में आ रही है बात जी तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं इथेनोइक एसिड बोलते हैं जितने कार्बन होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में उसके जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन होंगे और दो ऑक्सीजन होगा सी टू एच फोर ओ टू सी टू एच फोर ओ टू इथेनोइ बन गया ठीक है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे कोर्स में है अब इससे रिलेटेड एक अब्रप्ट एनसीईआरटी एक्टिविटी है तोड़फोड़ के चीजें दे रखी है मैं आपको समझाता हूं एनसीईआरटी एक्टिविटी देख लीजिएगा इसके जस्ट पास में एक एनसीईआरटी एक्टिविटी दे रखी है वही समझा रहा हूं जैसे एनसीआरटी में दिए वैसे ही समझाता हूं देखो मान लीजिए आपने क्या किया खूब सारा पानी गर्म किया है ना वाटर को गरम किया ये बेसिकली क्या है हॉट वाटर है ठीक है इसको बोलते हैं वाटर बाथ तो कभी कभी क्या होता है अगर हमें किसी चीज को इनडायरेक्ट गर्म करना होता है

Ethanol को ले लिया कैसा सब्सटेंस है कलरलेस लिक्विड है कैसा है कलरलेस लिक्विड है ठीक तो एक टेस्ट ट्यूब में तुमने लिया जो कलरलेस लिक्विड है अब तुम क्या कर रहे हो इसको तुमने गर्म पानी के अंदर डाल दिया और साथ ही साथ तुम क्या कर रहे हो यहां से ड्रॉपर से एक ड्रॉपर है तुम्हारे पास यहां पर है ना एक ड्रॉपर है तुम्हारे पास मैंने तो कैंची बना दी इसको यहां पर तुम्हारे पास एक ऐसे ड्रॉपर है ड्रॉपर मान लो एक ड्रॉपर है इस ड्रॉपर से तुम क्या कर रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हो यह क्या है एलकलाइन केएनो फोर है फॉर एग्जाम्पल इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं क्या कहते हैं बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं तो उस पर अभी जाना नहीं अपन को एलकलाइन केएनो फोर को तुमने डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने के पीछे का रीजन क्या है सुनील भैया बताऊंगा ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला हाँ अब देखो मेरे राजा बेटा यहां पे तुमने क्या किया पानी को गर्म किया गर्म पानी में तुमने इथेनॉल डाला और अब तुम ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप एल्कलाइन केमेनोफोर को डाल रहे हो एल्कलाइन केमेनोफोर का जो कलर होता है वो क्या होता है पर्पल होता है और ये कलरलेस है तो इस वजह से जो ओवरऑल कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ओवरऑल कलर क्या हो जाएगा यहां पर ये यह आपका पिंक या आप कह सकते हैं कि पर्पल कलर हो जाएगा देखो यहां पे तुमने इथेनॉल लिया कलरलेस सोल्यूशन है टेस्ट ट्यूब के अंदर बिना रंग का सोल्यूशन है तुमने यहां पर इसको गर्म किया ड्रॉप बाय ड्रॉप एल्कोलाइन केमेनोफोल डाल रहे हो ये पर्पल कलर का है तो सोल्यशन धीरे धीरे पिंक या फिर पर्पल हो रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला एकदम से बहुत सारा मत डाल देना ड्रॉप बाय ड्रॉप अब यहां पर ओवरऑल जो कलर है तुम्हारा पर्पल होता जा रहा है और तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो एक ड्रॉप डाली ड्रॉप डाली ड्रॉप डाली ड्रॉप डाली ठीक अब यहां पर होगा क्या वॉट नेक्स्ट कि भाई आपका इथेनॉल है यहां पर साथ ही साथ आपका एल्कलाइन केमेनो फोर है यहां पर तो आप क्या देखेंगे कि आप जब इसको गर्म कर रहे हैं इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है सुनील भैया इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है एसिड और मैंने कहा था अगर कुछ ऑक्सीडाइज होगा तो डेफिनेटली कुछ रिड्यूस भी हो रहा होगा यह बहुत वेग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन है बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं तो अगर यह ऑक्सीडाइज हुआ है तो यह ऑब्वियसली रिड्यूस हुआ होगा रिड्यूस्ड टू ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ MnO2 टू तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा सुनना और समझना तुमने कलरलेस सोल्यूशन लिया इथेनॉल का और तुमने इसको गर्म पानी के अंदर डाला अब तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप एल्कलाइन KMnO4 फोर को डाल रहे हो इसका कलर पर्पल है यह कलरलेस है तो ओवरऑल कलर पर्पल हो गया अब जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारा इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइ में कन्वर्ट हो चुका है और साथ ही साथ एल्कलाइन केमेनोफोर रिड्यूस होकर ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ एमेनोटो में कन्वर्ट हो चुका है तो फाइनल ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या आनी चाहिए ये सेटल्स एट द बॉटम ये नीचे रुक जाएगा और ये आपको कलरलेस लिक्विड मिलेगा तो मेरे राजा बेटा जैसे ही आपको कलरलेस लिक्विड मिल गया तो यहां पर आपको समझ जाना है कि सुनील भैया हमारा इथेनॉल ऑक्सीडाइज होके इथेनॉइक एसिड बन चुका है कोई दिक्कत नहीं है यह तो हो गया तुम्हारा केस वन जब तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे थे केस टू तुमने एक साथ काफी सारा एल्कलाइन केमेनोफोर डाल दिया तुमने एक्सिस ऑफ एल्कलाइन केमेनो फोर डाल दिया एनसीआर एक्टिविटी दे रखी है देखना सवाल पूछा हुआ एक्सिस ऑफ एल्लाइन के तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे तुमने एक साथ लिया धच्च करके पूरा उल्टा कर दिया तो क्या होगा याद रखना ओवरऑल कलर ओवरऑल कलर विल स्टे पर्पल क्यों बिकॉज amount of oxidizing agent oxidizing agent required for oxidation of ethanol will be used and excess oxidizing agent एक्सिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल प्रोवाइड कलर ठीक है यह बात समझ में आ गई क्या यह बात समझ में आ गई क्या यह बात समझ में आ गई क्या सभी को इज दिस क्लियर की आवाज को थोड़ा बंद कर देते हैं चलिए आई होप दिस इज क्लियर टू इच एंड एवरी वन ऑफ यू ध्यान से सुनना वापस क्या बोल रहा हूं मैं एन एक्सरसाइज में दे रखा है एनसीआर एक्टिविटी में दे रखा है ध्यान से देखना एक्टिविटी खोलकर देखो एनसीआरटी में दे रखा है सवाल दे रखा है आंसर नहीं दे रखा मैं इसलिए समझा रहा हूं तो मान लो कि मैंने एक इसके अंदर पानी को गर्म किया और इसको बोलते हैं बेसिकली वाटर बात यानी कि आप इनडायरेक्ट हीटिंग दे रहे हैं डायरेक्ट हीटिंग नहीं दे रहे इथेनॉल को डायरेक्ट गर्म करोगे आग पकड़ लेगा तो तुमने क्या किया यहां पर कलरलेस सोल्यूशन लिया इथेनॉल का और ड्रॉप बाय ड्रॉप तुम तो एल्कोलाइन केमेनोफोर को यहां पर डाल रहे हो डाल दिया जी भी अब ये तो कलरलेस है लेकिन इसका कलर पर्पल है तो ओवरऑल कलर पर्पल हो जाएगा लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करने लगेगी तो इथेनॉल जो है कलरलेस लिक्विड है और ये बेसिकली पर्पल लिक्विड है तुम क्या देखोगे कि यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन होने की वजह से इथेनॉलिक एसिड बनेगा ये भी कलरलेस होता है और यहां पर इसके रिडक्शन की वजह से

तो एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से सल्यूशन पर्पल ही दिखेगा तो अगर एग्जाम में प्रीवियस ईयर में सवाल आया था पांच नंबर में बच्चे नहीं कर पाए तुम कर लोगे चलो आगे चलते हैं। ना दूसरी रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन अब कंबशन रिएक्शन में क्या होता है एट्थ क्लास में पढ़ा है आप कंबस्टिबल मटेरियल को उठाइए जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर को उठाइए एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाइए तो यह काफी सारे प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स बनाता है एंड इसके अलावा यह काफी ज्यादा अमाउंट में हीट निकालेगा और लाइट निकालेगा तो ये रिएक्शन कहलाती है कंबस्टन रिएक्शन कि अगर कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट product या प्रोडक्ट्स बनाता है साथ में हीट और लाइट एनर्जी निकालता है तो इसे कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि कंबशन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो कंबशन शो करता है जैसे पेपर वुड ठीक है पेपर वुड क्लोथ्स मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी अलोंग विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स इज नोन एज कंबशन यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट साथ में हीट और लाइट निकालता है इसे कंबशन कहते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में भी बताया था मैंने तो अगर लाइट एनर्जी तुम्हारी दो प्रकार में होती है वहां पर भी बताया था फर्स्ट चैप्टर में अगर लाइट एनर्जी तुम्हारी फ्लेम के फॉर्मेट में है जैसे राजा बेटा ऐसे है लाइट के लाइट एनर्जी ऐसे फ्लेम के फॉर्मेट में है या लाइट एनर्जी सिर्फ ग्लो के फॉर्मेट में है अभी दिखाऊंगा मैं तो लाइट एनर्जी क्या फ्लेम के फॉर्मेट में है या लाइट एनर्जी ऐसे ग्लो के फॉर्मेट में है अगर फ्लेम के फॉर्मेट में है तो इसे बर्निंग कहेंगे और अगर सिर्फ ऐसे ग्लो के फॉर्मेट में जब अगरबत्ती जलाते हैं जैसे ये मान लीजिए अगरबत्ती है धूप बत्ती है, इसको जलाते तो सिर्फ चमक आती है यहां पर सिर्फ चमक आती है तो इसे स्मोलिंग कहते हैं और इसे कहते हैं फ्लेमलेस फॉर्म ऑफ कंबस तो ये फ्लेम क्यों प्रोड्यूस करता है जब भी कोई सब्सटेंस अगर वेपर्स बना लेगा तो वो आपकी क्या प्रोड्यूस करेगा फ्लेम प्रोड्यूस करेगा लपटे प्रोड्यूस करेगा सुनील भैया लकड़ी जलती है लपटे निकलती है तो लकड़ी जलती है तो उसके अंदर भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड एंड देन टू वेपर एंडोथर्मिक पायरोलिसिस होता है वहां भी इसीलिए फ्लेम आती है तो संसार में कोई भी चीज अगर फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है इसका मतलब वो सब्सटेंस वेपराइज हो रहा है बेस्ट एग्जाम्पल है मोमबत्ती को जलाइए आपको वैक्स मेल्ट होता हुआ नजर आएगा मेल्ट होने के बाद विक के ऊपर चढ़ता है और वेपराइज होता है तो एक लपटे निकलने लगती है ठीक है तो कंबस्टन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है साथ में हीट और लाइट एनर्जी बनाता है अगर लाइट एनर्जी फ्लेम के फॉर्मेट में है तो इसे बर्निंग कहेंगे अगर लाइट एनर्जी ग्लो के फॉर्मेट में है तो इसे स्मोल्डरिंग कहेंगे जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन सही है कंबस्टन ऑफ मैग्नीशियम रिबन सही है उसी प्रकार कंबस ऑफ कोल सही है ऑफ ऑफ कोल कोल सही है बर्निंग तो, uh, एक गलत टर्म हो गया किताबें लिखती हैं ठीक है बर्निंग नहीं है अगर लाइट एनर्जी फ्लेम के फॉर्मेट में है तो बर्निंग अगर लाइट एनर्जी ग्लो के फॉर्मेट में है तो इसे बोलते हैं स्मोल्डरिंग ठीक है बेटा समझ में आ रही है सारे बच्चे यहां फोकस करेंगे चैट को छोड़ दो ठीक है आओ इधर देखो अब अब अगर तुम्हारे हाइड्रोकार्बन जलेंगे तो क्या होगा सुनील भैया हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन है हां अब इसके प्रोडक्ट याद करना देखो कितने आसान है प्रोडक्ट की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं हाइड्रोकार्बन यानी कंबस्टिबल मटेरियल क्या हो गया हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिहा करके प्रोडक्ट लाइट है ना अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनाने है? देखो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा पानी बनाएगा और देखो दूसरा क्या है कार्बन है तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाएगा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर वेपर प्लस हीट प्लस लाइट ठीक है तो ये कंडीशन हो गई कंप्लीट कंबशन की जब पूरा कंबशन हो रहा है गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहां से फ्रॉम एयर एयर में मैंने बताया था कितना ऑक्सीजन होता है ट्वेंटी पॉइंट नाइन फाइव परसेंट ऑक्सीजन होता है तो कंप्लीट कंबशन क्या होता है सुनील भाई कि भैया बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है एयर अवेलेबल है सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर है एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है बढ़िया तरीके से कोई चीज जल रही है कंप्लीटली सारी चीजें जल जा रही है कार्बन पूरी तरीके से CO2 में कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन पूरी तरीके से H2O में कन्वर्ट हो रहा है कंप्लीट फॉर अगर मैं उठाता हूं मीथेन गैस अब नेचुरल गैस उठाते हैं नेचुरल गैस अब नेचुरल गैस किसका मिक्सचर होती है नेचुरल गैस मिक्सचर होती है मेजरली इसके अंदर होती है मीथेन मीथेन के बाद इसके अंदर होती है आपकी इथेन इथेन के बाद इसके अंदर होती है प्रोपेन एटसेट्रा अदर गैसेस भी होती है अब मैं यहां पर आपको एक चीज समझाता हूं मेजरली इसके अंदर मीथेन है नेचुरल गैस नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल क्लास एट कंप्रेस करके गाड़ियों में चलती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी घरों में आती है खाना बनाने के लिए सीएनजी है ना नेचुरल गैस जिसमें मेजरली मीथेन है इथेन प्रोपेन अदर गैसेस भी है मेजरली मीथेन अब मेरे राजा बेटा ध्यान से सुनना इस मीथेन गैस को जब मैं एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जलाता हूं तो ट्रिक क्या बताई मैंने कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा बना देगा कंप्लीट कंबर्शन के केस में सीओटू बना लेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा बना लेगा वाटर वेपर बना लेगा साथ में निकलेगी बहुत बढ़िया अमाउंट ऑफ हीट और साथ में निकलेगी बहुत बढ़िया अमाउंट ऑफ लाइट कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन इनकंप्लीट कंबस होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में जैसे मान लीजिए कि ये सी एच फोर थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था इसको सफिशियंट अमाउंट ऑफ हवा मिल रही थी और हवा में ऑक्सीजन मिल रही थी बढ़िया अमाउंट से मस्त ये कह रही है कि मस्त अमाउंट ऑफ एयर मिल रहा है एयर में ऑक्सीजन है मस्त अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है अपन तो बढ़िया से जलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया कंप्लीट पूरा कार्बन में कन्वर्ट हाइड्रोजन वाटर वेपर में कन्वर्ट साथ में लाइट बढ़िया मस्त एकदम लेकिन अगर ऑक्सीजन का कमी हो गया तो अब कार्बन को ऑक्सीजन का कमी होने लगा तो हाइड्रोजन तो आपका एच टू बनाएगा लेकिन कार्बन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा क्या बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा क्या बात है मान लीजिए और ज्यादा कमी होने लग जाए तो और ज्यादा कमी होने लग गई सुनील भैया तो और ज्यादा अगर कमी होने लग गई और ज्यादा अगर कमी होने लग गई तो कार्बन नहीं जल पाएगा अगर ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जाएगी कार्बन नहीं जलेगा और अगर कार्बन नहीं जलेगा तो फिर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा हीट प्लस लाइट उसी प्रकार से यहां पे हीट प्लस लाइट ठीक अब इसको बैलेंस कर लेते हैं सबसे पहले तो चार हाइड्रोजन इधर दो है तो इधर दो लगा दिए तो दो दूनी चार दो चार दो ऑक्सीजन दो अक्षिन, एक कार्बन एक कार्बन बैलेंस इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अनबंट कार्बन क्या बोलते हैं अनबंट कार्बन यानी वो कार्बन जो जला ही नहीं सबसे पहले सुनिए हाइड्रोकार्बन था ऑक्सीजन था हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो वाटर वेबर बनी ट्रिक कार्बन ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड साथ में हीट साथ में लाइट अब बेसिकली मान लीजिए कि अगर आपका बहुत अच्छा अमाउंट का ऑक्सीजन है और हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं यहां पर जो हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन हम कर रहे हैं दैट इज बेसिकली हाइड्रोकार्बन किसका डिस्कशन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन कर रहे हैं तो सैच्यटेड हाइड्रोकार्बन को अगर अपन ने गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे दी हवा से तो पूरा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा हाइड्रोजन वाटर वेपर बनाएगा साथ में हीट साथ में लाइट अगर अपने पास लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो इनकम्प्लीट कंबस्टन से कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी फर्दर अगर लैक होने लगा तो अनबंट कार्बन निकलने लगेगा अच्छा तो इससे और क्या चीजें हो सकती है इससे आपकी टाइप्स ऑफ फ्लेम भी इसी बेसिस पे डिसाइड होती है कि कंप्लीट कंबस्टन से बन रही है कि इनकम्प्लीट कंबस्टन से बन रही है जैसे पहले आप टाइप ऑफ फ्लेम समझ लीजिए टाइप्स ऑफ फ्लेम्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड पहले आप ये समझ लीजिए फिर आपको मैं और भी समझाऊंगा कि यह कब निकलेगी यह कब निकलेगी तो एक तो बेसिकली क्या है आपके पास एक बेसिकली क्या है लुमिनस फ्लेम है अब लुमिनस फ्लेम क्या होती है प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस हाई अमाउंट ऑफ लाइट अभी मैं एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा टेंशन मतलब हाई अमाउंट ऑफ लाइट डोंट प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ लाइट ठीक है डोंट प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ लाइट ठीक है बेटा जी भैया तो नॉन लुमिनस का मतलब क्या और लुमिनस का मतलब क्या लुमिनस का मतलब काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट निकालेगी नॉन लुमिनस काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट नहीं निकालेगी अब लुमिनस फ्लेम जो होती है वो बेसिकली आपकी येलो कलर की होती है और नॉन लिमिनस फ्लेम आपके नीले कलर की होती है अब आप क्या करना अभी आप किचन में जाना मैं आपको अभी करके एक्सपेरिमेंटली भी दिखाऊंगा और आप मम्मी को भी बोलना मम्मी आपको करके दिखा देंगी मम्मी आपको इजीली एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे मम्मी को बोलना मम्मी किचन में अंधेरा कर दो अंधेरा कर देंगे ठीक है फिर आप घर में जो एलपीजी गैस होती है उसको जलाना और आप देखना किचन में कितनी रोशनी हुई तो आप देखेंगे बहुत कम रोशनी होती है नीले कलर की फ्लेम नॉन लुमिनस फ्लेम इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट नहीं निकलेगी फिर मेरे राजा बेटा आप क्या करना मोमबत्ती जलाना उसी किचन के अंदर और फिर आप देखना कितनी रोशनी होती है तो आप कहोगे अरे ये तो पूरा रूम चमक गया किचन चमक गया क्योंकि ये लुमिनस फ्लेम है और ये नॉन लुमिनस फ्लेम है अब देखिए आगे चलते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए अब मैं दोनों कंसेप्ट को जोड़ता हूं फ्लेम वाला कंसेप्ट और क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो कंसेप्ट तो आप ये देखेंगे कि अगर आप इसको बहुत अच्छा अमाउंट का ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो इसका कंप्लीट कंबशन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और यहां पर कौन से कलर की फ्लेम निकलती है क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है एग्जाम्पल आपके घर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को जलाइए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका मिक्सचर होती है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का जिसमें मेजर कॉम्पोजिशन किसका है मेजर कॉम्पोजिशन आपका किसका है ब्यूटेन का है मेजर कॉम्पोजिशन है ब्यूटेन का आगे चलेंगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम अच्छी तरीके से जलाते हैं सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में तो कंप्लीट कंबन क्लीन ब्लू फ्लेम और फिर मैंने दो कंडीशन और बताई कि अगर लैक ऑफ कंबस लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इनकम्प्लीट कंबस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी इवन लेस ऑक्सीजन होगी इवन लेस ऑक्सीजन होगी तो अनबंट कार्बन निकलेंगे अनबंट कार्बन के साथ क्या होता है अब वो भी समझ लो जब बहुत अच्छे अमाउंट की ऑक्सीजन होगी कंप्लीट कंबस क्लीन ब्लू फ्लेम एलपीजी एग्जाम्पल लैक ऑफ ऑक्सीजन इनकंप्लीट कंबस कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कम हुई अनबंट कार्बन आपके घर में जो गैस का चूल्हा है अगर उसके होल्स थोड़े थोड़े बंद होने लग जाए आपके घर में जो गैस का चूल्हा है ये इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं तो अगर आपके ये होल्स ब्लॉक्ड होने लग जाए घर के चूल्हे के तो सफिशेंट अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिल पाएगी फ्यूल को सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर वॉन्ट बी प्रोवाइडेड एयर मतलब ऑक्सीजन वॉन्ट बी प्रोवाइडेड टू फ्यूल यानी एलपीजी तो आपके घर के जो गैस का चूल्हा अगर इसके होल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो सफिशेंट अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिल पाएगी आपके एलपीजी को तो यहां पर क्या हो जाएगा अनबंट कार्बन निकलने लगेंगे और फ्लेम का कलर चेंज होगा क्या आप मम्मी से पूछना मम्मी आपको बताए कि पीले कलर की फ्लेम हो जाती है गैस के चूल्हे पे पीले कलर की फ्लेम ये बताती है कि यहां पर छेद बंद हो गए फिर उसको बाहर निकालते हैं उसको पूरा साफ करते हैं अनबंट कार्बन निकालते हैं फिर लगा देते हैं बढ़िया नीली फ्लेम आ जाती है तो यहां पर अनबंट कार्बन क्या करते हैं अनबंट कार्बन बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और ग्लो करने लगते हैं जल क्यों नहीं रहे ऑक्सीजन नहीं है तो जल नहीं पा रहे तो जो दूसरा कार्बन जल रहा है उसकी जलने की वजह से जो हीट एनर्जी निकल रही है इससे गर्म हो जाते हैं क्या हो जाते हैं गर्म हो जाते हैं और गर्म हो जाते हैं तो ग्लो करने लगते हैं टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं तो वो कार्बन जो जल नहीं पाया वो दूसरे कार्बन के जलने से जो हीट निकली उससे गर्म होने लगा और गर्म होने लगा तो वो बेसिकली ग्लो करने लगता है ग्लो करने लगता है तो वो आपकी फ्लेम को पीला कलर देता है एंड लीव सूट सूट की तरह निकल जाता है अब ये सूट को फील करना चाहता हूं मैं सुनील भैया सूट आपका अनबंट कार्बन है जब वो फ्लेम को लीव करके निकल जाता है तो इस अनबंट कार्बन को सूट बोलते हैं मैं तो देखना चाहता हूं सूट कुछ नहीं करना अभी घर जाके मोमबत्ती जलाना और मोमबत्ती पे एक प्लेट रख देना तो वो पीले कलर की जो फ्लेम से बाहर निकल रहा होगा अनबंट कार्बन ना वो तुम्हारे हाथ पे चुपक जाएगा और वो हाथ पे जो चुपकेगा वो अनबंट कार्बन है अब यह मत बोलना कि कैंडल पीली फ्लेम क्यों लाती है रीजन है कैंडल का खुद का स्ट्रक्चर बाहर वाली जोन में कैंडल फ्लेम में इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है लेकिन बीच वाली जोन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिस वजह से अनबंट कार्बन प्रोड्यूस होता है वो गर्म होता है ग्लो करता है पीला कलर देता है फ्लेम को निकल जाता है सूट की तरह हाथ लगाओगे तो हाथ काला पड़ जाएगा ठीक है जी भैया देखो एक इससे रिलेटेड लेबोरेटरी का एग्जाम्पल देते हैं आपको ठीक है एनसीआर एक्टिविटी है तो यू हैव टू तो लाइट यू हैव टू तो लाइट अ बंसेन बर्नर बंसेन बर्नर ये होता है ये क्या है ये आपका बंसेन बर्नर है लेबोरेटरी में होता है एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम और द प्रेजेंस ऑफ स्मोक वेन डू यू गेट येल्लो सूटी फ्लेम वेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम अब देखिए ध्यान से समझिए आपके स्कूल में जो लेबोरेटरी है उसके अंदर बेसिकली यहां पर इधर से तो फ्यूल आता है किसके अंदर आपके बंसन बर्नर में पहले फ्यूल क्या है वो बताइए फ्यूल जो है वो है एलपीजी और ये किसका मिक्सर होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिक्सर होता है यानी एक्चुअली के अंदर ये क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ठीक है तो ये कह रहा है कि अगर आप इस बंसन बर्नर के नीचे जो एयर होल होता है इसको अगर आप पोजीशन को चेंज करेंगे तो कलर ऑफ फ्लेम चेंज होगा अब देखिए कैसे मान लीजिए यहां से आपका आता है फ्यूल यहां से आता है फ्यूल अब एयर होल्स अगर क्लोज है तो यहां पर क्या होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा और लैक ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से यहां पर क्या होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से यहां पर इनकम्प्लीट कंबस होगा और इनकंप्लीट कंबस्टन होने की वजह से यहां पर एक येलो सूटी फ्लेम निकलेगी क्यों निकलेगी रीजन मैं आपको बता चुका हूं राइट इनकंप्लीट कंबसन से अनबंट कार्बन निकलेगा अनबंट कार्बन गर्म होगा ग्लो करेगा ग्लो करेगा तो फ्लेम को येलो कलर देगा एंड इट विल लीव ए सूट तो येलो सोटी फ्लेम निकलेगी लेकिन जब आपके ये एयर होल्स पूरी तरीके से ओपन होंगे तो ये आपका फ्यूल है एयर होल्स ओपन है तो बेसिकली ऑक्सीजन बढ़िया तरीके से आ जाएगी तो यहां पर क्या होगा कंप्लीट कंबशन होगा और कंप्लीट कंबशन होगा सुनील भैया तो यहां पर क्या होगा कंप्लीट कंबशन होगा तो क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगी याद रहेगा कंसेप्ट

पहले इसका प्री रिक्वेड कंसेप्ट जान लो टेक सम कार्बन कंपाउंड नेफ्तलिन उठाओ कैम्फर उठाओ और एल्कोहल में मैं क्या उठा रहा हूं इथेनॉल उठा रहा हूं ये उठा रहा हूं इथेनॉल ठीक है ठीक है मुझे एक सेकेंड इथेनॉल लेकर आना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए तो मैं यहां पर आपको कंसेप्ट देके जाऊंगा मुझे इथेनॉल वहां से लेकर आना पड़ेगा सो टेक सम कार्बन कंपाउंड सच एज ने कैम्फर इथेनॉल वन बाय वन ऑन ए स्पेचुला केमिस्ट्री में जो चम्मच होता है उसे स्पैचुला कहते हैं एंड बर्न दम ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर द स्मोकूस्ड इज देर एनी डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी कंपाउंड तो अब आप इसके बारे में एक बार सोचेंगे मैं एक मिनट में दौड़ के इथेनॉल को उठा के लेके आता हूं इथेनॉल की बॉटल लेकर आता हूं फटाफट से आपको सिखाता हूं ठीक है सही है सही है मैं लेके आऊ आपको करके दिखाऊं ठीक है मुझे एक मिनट दीजिएगा है ना आप सोचो तब तक माफी चाहूंगा दोस्तों यूजअली मैं सारा सामान अपने साथ रखता हूँ लेकिन आज ये सामान नहीं ले पे आया था ठीक है तो अभी हमारे पास ये सारा सामान इकट्ठा हो गया है अब हम इसको एक बाय एक करके देखेंगे आवाज आ रही है आई होप अब देखिए सबसे पहले इसका असेंशियल कंसेप्ट आप समझ लीजिए तो आपको चीज समझ में एक बारी में आ जाएगी एक बारी में समझ में आ जाएगी मेरे दोस्त ध्यान से देखना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं अनसे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको आप चाहे एक्सेस ऑफ एयर में उड़ा दीजिए या जला दीजिए ठीक है ना आप उनको बढ़िया से हवा में जलाइए लेकिन वो कैसे जलेंगे वो हमेशा आपको इनकम्प्लीट कंबर्सन देंगे और यहां पर आपके पास क्या निकलेगी इनकम्प्लीट कंबर्सन से क्या निकलेगी येल्लो सूटी फ्लेम निकलेगी पहले सम समझ लो फिर आपको दिखाता हूं मैं ठीक है तो यहाँ पर अनसे हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं है Here, अगर इसको वन बोलता हूं एंड टू बोलता हूं और इसको थ्री बोलता हूं तो वन एंड टू वन एंड टू आर अनसेचुरेटेड आर अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है बेटा ये दो पॉइंटर आपको याद होने चाहिए तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को इनफ अमाउंट ऑफ एयर में भी जलाएंगे तब भी वो इनकम्प्लीट कंबेशन शो करते हैं अनसेच्यूरेटेड सैच्यटेड हाइड्रोकार्बन नहीं कह रहा अनसेच्युरटेड हाइड्रोकार्बन कह रहा हूं उसको सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर में जलाओगे तब भी इनकम्प्लीट कंबस येलो सूटी फ्लेम निकलेगी ये दोनों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मतलब येल्लो सूटी फ्लेम देंगे टॉकिंग अबाउट इथेनॉल यह भी हम जलाकर देख लेते हैं आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा तो एक बार जलाकर देख लेते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि यह किस तरीके का हाइड्रोकार्बन है मैं लिख भी दे देता हूं कोई दिक्कत नहीं है इथेनॉल आपका किस तरीके का हाइड्रोकार्बन है यह बेसिकली आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अगर आप एयर में इसको बर्न करेंगे तो यह बेसिकली कंप्लीट कंबसन आपको देगा और कंप्लीट कंबर्शन से क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगी क्या निकलेगी क्लीन ब्लू फ्लेम ठीक है अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटली करके दिखाऊंगा बात नहीं करेंगे करके देखेंगे बात नहीं करेंगे करके देखेंगे ठीक है बात नहीं करेंगे करके देखेंगे तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कितना भी अमाउंट ऑफ एयर में अगर अपन बर्न करें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर में बर्न करें तब भी इनकम्प्लीट कंबस्टन देखे येलो सूटी फ्लेम देते हैं ऐसा इसीलिए है जैसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन है एंड साथ में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है लेकिन जब अनसेचुरेटेड की तरफ मूव करते हैं तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन घटता है एंड रिलेटिवली अमाउंट ऑफ कार्बन बढ़ जाता है इस वजह से कार्बन पूरी तरीके से नहीं जल पाता इनकम्लीट कम और करके कर दिखाओ करके दिखाओगे तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे करके दिखाओगे तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे ठीक है तो एक बार आपको करके दिखा देते हैं है ना? तो आप हमारी बात को मानने लगेंगे ठीक है दिख रहा होगा अब आ जाओ अब ध्यान से देखो देखो मेरे भाई मैं यहां बैठ रहा हूं आई होप नजर आ रहा होगा, ठीक है ठीक है भैया बहुत बढ़िया ये सारी चीजें यहां रख लेते हैं आपका इथेनॉल वगैरह अब देखो दोस्त सबसे पहले ये है कपूर इसे बोलते हैं कैम्फर पूजा में यूज किया जाता है जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर दो कपूर का इस्तेमाल करता हूं ठीक है अब देखो राजा बेटा इसको जलाता हूं मैं ध्यान से देखना देखो बेटा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर ठीक है बेटा जल रही है अब ये देखो देख पीली फ्लेम है सूटी फ्लेम येलो सूटी फ्लेम सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर में जलाएंगे तब भी येलो सूटी फ्लेम येलो सूटी फ्लेम येलो सूटी फ्लेम ये देखो सूट कलेक्ट कर रहा हूं मैं तुम्हारे सूट को यहां पे दिख रहा है दिख रहा है सूट को कलेक्ट कर रहा हूं दिख रहा है देखो दिख रहा है जो कंबशन करेंगे उनको समझ में आएगा कि ये फ्लेम तब प्रोड्यूस करता है देखो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है फिर वेपराइज होता है इसीलिए फ्लेम प्रोड्यूस करता है ठीक है बेटा तो यह सॉलिड से लिक्विड बनता है लिक्विड से वेपर बनता है इसीलिए लपटे निकलती है अब देखो राजा बेटा इधर देखो अनबंट कार्बन दिख रहा है क्या ये काली हो गई क्या दिख गई देखो दिस अनबंट कार्बन इज नोन है ये तो हो गया कैंफर अब लेके आते हैं को, ये होती है, इस बॉल को हम लोग सर्दी के कपड़ों में भाई जो सर्दी के कपड़े होते हैं ना उनको जब अंदर बंद करते हैं तो इसको रख देते हैं वरना जो मौत होती है वो इसको खा जाती है कपड़ों को कपड़ों को खा जाती है तो यह बचाती है इसकी स्मेल से भाग जाती है वो ठीक है तो अब अगर इसको अगर मैं जलाऊं तो इसको अगर जलाऊं तो थोड़ा इसको पाउडर में कन्वर्ट कर लेता हूं ठीक कर दिया हां अब जलाइए सुनील भैया इसको ठीक है तो ये जलने लग गई है ओ भाई साहब फावट से कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं ये देखिए अनबंट कार्बन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं आ जाओ सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर जला रहा हूं इनकम्प्लीट कम्बन को शो करती है और अनबंट कार्बन को मैं कलेक्ट कर रहा हूं बस अब देखो राजा बेटा काली कर दिया गया दिख है काली 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 ये देखो ये देखो काला दिख रहा है यह अनबंट कार्बन है ये पी और ये डब्ल्यू ठीक है ना काजल बना के सिखा दिया तुम काजल बनाना सिखा दे काजल काजल नजर नहीं लगेगी बेटा पीडब्ल्यू प्रयोगशाला जो बोला था आपको सारे वादे पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे डन अब देखो मेरा राजा बेटा सुनील भिया सुनील भैया आपने बोला था कि ये नीली ब्लू फ्लेम से जलेगा अभी जलेगा देखो तुम ये नीली ब्लू फ्लेम से जलेगा क्या हाँ बिल्कुल जलेगा देखो अभी जलाता हूं मैं इसको ठीक है इसको अभी जलाऊंगा यहाँ पे मैं ध्यान से देखो या इसी के अंदर जला देते हैं इसको साफ करते हैं इसको साफ करते हैं ठीक है अब देखो बेटा देखो बेटा सुनील भी कलरलेस लिक्विड होता ये है यह देखो कलरलेस लिक्विड है कलरलेस लिक्विड है ये डाल रहा हूँ इसके अंदर दिख रहा है क्या यहां पर कलरलेस लिक्विड है देखो है ना हाँ अब इसको मैं आग लगाऊंगा तुम कहोगे देखो भैया तो दिखी नहीं रही है क्योंकि क्लीन ब्लू फ्लेम नॉन लुमिनस होती है अब अगर मैं जला दू तो तुम कहोगे यहां पे आग नहीं लगी हुई तुम कहोगे आग नहीं लगी हुई आग नहीं लगी हुई आग नहीं लगी हुई नहीं, नहीं मानोगे ना अब देखो राजा बेटा ये देखो भैया ये पीली क्यों हो रही है अनबंट कार्बन था इसके अंदर जो हमारा अनबंट कार्बन है उसकी वजह से हो रही है इसको किसी साफ चीज पे जलाते हैं तो आपको नजर आएगा ध्यान से देखिएगा इसको मैं डायरेक्ट सरफेस पे जलाता हूं ज्यादा अच्छे से नजर आएगी ये देखो सीधा सरफेस पे जलाता हूं अब देखना यहां पे अब देखना यहां पे अब देखना यहां पे फटाफट से देखना कोई तो दिक्कत नहीं है हमारा कार्बन है इसके अंदर ये क्या है कैम्फर जल रहा है ठीक है अब तुम मेन आग को जिसपे देखना है तुमको उस तो पर फोकस करो मैं सारी चीजों को हटाता हूं अब तुम मेन आग को देखो इधर अब देखो नीली ब्लू फ्लेम दिख रही है क्या नीली ब्लू फ्लेम दिख रही है क्या अब ध्यान से देखना नीली ब्लू फ्लेम दिखेगी यहां पर ध्यान से देखना यह देखो नीली ब्लू फ्लेम दिख रही है क्या यहां पे ध्यान से देखना ये देखो माचिस की तीली लगा रहा हूं इधर ये देखो ये माचिस की तीली ये देखो दिख गई नीली ब्लू फ्लेम ये नीली ब्लू फ्लेम बहुत कम दिखती है क्लीन ब्लू फ्लेम दिख रही है क्या क्लीन ब्लू फ्लेम येरी दिस इज क्लीन ब्लू फ्लेम सुनील भैया बहुत कम दिखती है है ना हाँ बुझा देते हैं चलिए होप मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूं वो दिखा रहा हूं और आपको चीजें फील भी हो रही है ठीक है सुनील भैया पहले पीला कलर क्यों आ रहा था अरे भाई वहां पर कार्बन वाला जो था ना हमारा कैंफर वाला वो भी आ गया था दिख गया क्या कैम्फर वाला पार्ट आ गया था इसी वजह से हो रहा था हमारे कैंफर में भी आग लग गई थी ठीक है दिख गया क्या बात चलो समझ में आया क्या हाँ ये देखो एक्सपेरिमेंट करते हुए होता है ऐसा तो ये हाथ हाथ देखो पूरा काला वाला कर दिए जला वाला दिए चलो कोई बात नहीं बच्चा लोगों के लिए तो चलता है आज जला दिया आज हम अपना पर कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलो आगे चलेंगे ठीक है भाई आगे चलेंगे ठीक है भाई ठीक है चलो तो आंसर क्या होगा दोस्त कैंफर एंड नेकलीन बर्न्स विद अ येल्लो सूटी फ्लेम क्योंकि ये दोनों क्या है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एंड इथेनॉल इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो इट बर्न्स विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम ठीक है जी नाउ एक सवाल और वाई अर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज प्रॉर वेल्डिंग रेदर देन इन एंड एयर तो वेल्डिंग पर्पज के लिए हम इथाइन एंड ऑक्सीजन को प्रीफर करते हैं रेदर देन इथाइन एंड एयर अब सबसे पहली चीज ध्यान से देखना इथाइन क्या होता है सुनील भाई इथाइन मतलब एल्काइन कैटेगरी जितना कार्बन होगा उससे ट्वाइस से दो कम होगा हाइड्रोजन ट्वाइस होता है चार दो और कम कर दो तो कितना हो जाएगा दो इसका अनदर नेम क्या हो जाएगा एसिटाइलीन हो जाएगा एसे टाइलीन. किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सुनील भाई सुनील भाई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इथाइन इसको हवा में जलाएंगे तो क्या होगा अनसे हाइड्रोकार्बन है ना इसको एयर में जलाएंगे तो अभी बताया था इनकम्प्लीट कंबन होगा कितना भी अमाउंट ऑफ एयर में जलाओ इनकम्प्लीट कंबस होगा इस इनकम्प्लीट कंबन से क्या निकलेगा इस इनकम्प्लीट कंबन से हीट निकलेगी साथ ही साथ कुछ लाइट एनर्जी भी निकलेगी अब ये जो हीट एनर्जी है और साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट भी निकलेंगे अब जो तुम्हारी हीट एनर्जी है ये कितना टेम्परेचर अटेन करेगी लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक ही अटेन कर पाएगी लेकिन इसी अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर मैं इसी इथाइन को तो दारू में अभी भी आग लगी हुई है क्या गरम गरम क्यों लग रहा है अगर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाता हूं तो कंप्लीट कंबन होता है समझ रहे हो ये प्योर ऑक्सीजन है हवा में 20.95 परसेंट ऑक्सीजन है मैं क्या बोल रहा हूं समझना अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन को हवा में जलाओगे तो इनकंप्लीट कंबस होगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कैम्फर और नेपथलिन का केस लेकिन अगर अनसेचुरटेड हाइड्रोकार्बन को प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे पे अनसे हाइड्रोकार्बन क्या इथाइन e है यहां पे भी क्या इथाइन e है लेकिन देन एयर मैं प्योर ऑक्सीजन सप्लाई कर दू कि भाई कौन सा कार्बन है जो नहीं जल पा रहा इतना ऑक्सीजन दूंगा कि जल जाएगा तो कंप्लीट कंबेशन हो जाएगा अब इससे भी निकलेगी आपकी हीट इससे भी निकलेगी आपकी लाइट और इससे भी निकलेगी आपके प्रोडक्ट product या प्रोडक्ट ठीक है अब जो हीट एनर्जी निकलेगी इससे जो तापमान अटेन होगा वो लगभग तीन हजार डिग्री सेल्सियस तक होगा तो कंप्लीट कंबस से हमेशा ज्यादा टेम्परेचर अटेन होता है इसीलिए अगर आपने देखा हो तो लकड़ी को जलाते हैं तो पीले कलर की फ्लेम आती है और अगर हम बेसिकली घर पे एलपीजी जलाते हैं तो नीले कलर की फ्लेम आती है खाना जल्दी कहां पकता है नीले कलर की फ्लेम पे क्योंकि कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकल रहा है एज कंपेयर टू द इनकंप्लीट कंबस्टन नाउ वेल्डिंग के लिए क्या चाहिए वेल्डिंग ऑफ मेटल्स रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर इसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है तो वह किस केस में आपको मिल पाएगा ये अगर केस वन है यह केस टू है तो किस केस में मिलेगा इनकेस टू ठीक है बेटा जी भैया आपको केस टू में मिल जाएगा तो इसीलिए हम लोग यहां पे प्योर ऑक्सीजन को यूज करेंगे रेदर देन किसको हम हवा में जलाएं ठीक है ठीक है बेटा क्लियर है मेरी बात क्लियर है मेरी बात क्लियर है मेरी बात हाँ अच्छा भैया हमें ग्लो वाला कंबसन वाला पार्ट भी समझा दीजिए आप देखो मेरी अगरबत्ती बेचारी गीली हो गई अरे बापरे बेचारी अगरबत्ती का स्वाहा हो गया तो तुम मेरे नाम पे एक धूप बत्ती जला लेना है ना और उसमें देखना कि जो ग्लो आता है ना मेरी तो बेचारी गीली हो गई कैसे इसको? तो उसको जलाकर देखना दोस्त एक हल्का सा ग्लो आएगा तो तुमको बर्निंग और स्मगोल्डरिंग के बीच का डिफरेंस भी समझ आ जाएगा चलो अब अगली रिएक्शन फटाफट से देखेंगे एडिशन रिएक्शन क्या होती है सुनील भिया एडिशन रिएक्शन यानी एक तरीके से आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं सुनील भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन हा इसमें क्या होता है मल्टीपल रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं बस यही होगा यहां पे तो आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमिन के साथ टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट In the presence of a catalyst and heat, ठीक है तो जैसे ही अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके हाइड्रोजन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ केटेलिस्ट एंड हीट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पहला एग्जाम्पल यहां पर देता हूं एग्जाम्पल पहला नोट कीजिए नोट कीजिए आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल पहला ठीक है फर्स्ट एग्जांपल एग्जांपल पहला क्या है मान लीजिए आपके पास ये है ठीक है आपके पास इथीन है आप क्या करते हैं इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल पैलेडियम और प्लेटिनम टेंपरेचर रखते हैं 200 डिग्री सेल्सियस तो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये क्या है ये बेसिकली आपके पॉजिटिव कैटालिस्ट है जो क्या करेंगे आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे ठीक है तो अगर आपके पास मेरे दोस्त इथिन है आपने हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेस्ट लाइक निकल पैलेडियम प्लेटिनियम अब आगे चल के आपको इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी भी समझ में आएगी कि निकल कब यूज करना है पैलेडियम प्लेटिनियम कब यूज करना है कब कौन एक्सपेंसिव है कौन सस्ता है एंड 200 डिग्री सेल्सियस पेट करें तो यह इस पर एड हो जाएगा एड हो जाएगा मतलब एड हो जाएगा मतलब, मतलब यह इस पर एड हो जाएगा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन यह सिंगल बॉन्ड अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला और ये वाला ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा और यहां पर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर समझ रहे हो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर ऐसे ऐड हो जाएगा तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे ही कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम प्लेटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस तो यह सिंगल प्रोडक्ट देंगे मल्टीपल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटेलिट एंड हीट ठीक है ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात क्लियर है बात चलो सुनील भाई दूसरा एग्जाम्पल देना यार सुनील भाई दूसरा एग्जाम्पल देना सुनील भाई दूसरा एग्जाम्पल देना सुनील भाई दूसरा एग्जाम्पल देना अब मेरे राजा बेटा अगर तुम लोग उठाते हो वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल ऑयल यानी कि तुम मान लो सनफ्लावर ऑयल उठाते हो तुम मान लो ग्राउंडनट ऑयल उठाते हो उठाया हा ठीक है ठीक है हा इसका रिएक्शन कराते हो तुम मान लो हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस लाइक निकल प्लेटिनम दो सौ डिग्री सेल्सियस पे और बढ़िया तुमने वेजिटेबल घी बनाया जिसको वनस्पति घी बोलते हैं वनस्पति घी जैसे डालडा रथ है ना ये आते हैं ना डाल्डा वगैरह ये बेसिकली वेजिटेबल घी वनस्पति घी तो होते हैं तो पहली चीज ये कौन सी स्टेट में था ये आपका लिक्विड स्टेट में था ये कौन सी स्टेट में थी यह आपकी गैसियस स्टेट में थी और यह कौन सा स्टेट में होगा यह आपका सॉलिड स्टेट में आएगा दूसरा एग्जाम्पल तो वेजिटेबल ऑइल अगर आपका रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम प्लेटिनम एड 200 डिग्री सेल्सियस इस पे ऐड हो जाएगा तो वेजिटेबल घी या वनस्पति घी बनेगा अब मेरे राजा बेटा सोच रहे होंगे यह किस तरीके का हाइड्रोकार्बन है तो बेटा मैंने आपको बताया अनसेटेड हाइड्रोकार्बन ही एडिशन रिएक्शन देते हैं तो ये दोनों ही अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं और यह वेजिटेबल घी वनस्पति की कैसा हो जाएगा ये बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा समझ में आ गई मेरी बात हा क्लियर है मेरी बात जी ठीक है बहुत बढ़िया ये बात समझ में आ गई ये बात क्लियर हो गई जी भैया ठीक है अब यहां पर मेरे बच्चे कहते हैं कि नीड फॉर कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन तो इसको कैटलेटिक हाइड्रोजिनेशन क्यों कहते हैं वो भी आपको बताता हूं इसको हम कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं कैटेलाइटिक यानी कैटेलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एस कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन यानी कैटेलिस्ट प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन प्लस एडिशन विल गिव्स एडिशनशन तो की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोकार्बन था हाइड्रोकार्बन मिला मेरे दोस्त अनसेटेड हाइड्रोकार्बन था सैच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन मिला लेकिन आपके दिमाग में सवाल फिर से आना चाहिए क्योंकि आप सुनील भैया के क्लास में है तो दिमाग में सवाल आना चाहिए मैं वेजिटेबल ऑयल से घी बना कर रहा हूं बोर हो रहा था क्या मैं हैं बोर हो रहा हूं क्या जीवन में सुनो तो वेजिटेबल ऑयल के साथ क्या होता है ना वेजिटेबल ऑयल क्या करता है रेंसिड होने लगता है व्हेन एक्सपोज्ड टू द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ये वेजिटेबल ऑयल को जैसे ही आप हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में एक्सपोज कर देंगे ना उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो रेंसिड होगा खराब होने लगेगा और रेंसिड होने की वजह से क्या बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड है आप, आपके एलडीआईट बनाता है लेकिन आपको उस पर जाना नहीं है प्रॉब्लम क्या है भैया प्रॉब्लम ये कि है कि इस प्रॉब्लम को हटाना है कि रेंसिड ना हो जाए तो इसको रिड्यूस करने के लिए खत्म नहीं होगा टू रिड्यूस रेंसिडिटी दिस इज बींग डन कि भाई वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना ऐसा नहीं खत्म कर देंगे हम कि अब रेंसिड नहीं होगा घी होगा वो भी लेकिन उसका प्रोसेस स्लो है तो वेजिटेबल ऑयल खराब हो जाता है एयर में अगर खुला रख दिया तो रिड्यूस हो, तो तो हो जाती है इससे इतनी बात जी भैया अब अब मैं घी खाऊं या मैं वेजिटेबल ऑयल खाऊ भैया मैं तो वेजिटेबल ऑयल खाऊंगा वेजिटेबल घी नहीं खाऊंगा तेरे को क्या खाना है मैं बताता हूं देख मेरे भाई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड फैट्स यानी कि वेजिटेबल घी इसकी बात कर लेते हैं सो सैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट इन द वेजिटेबल घी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन द ब्लड विच स्टिक्स टू द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड दस कॉज कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी आपके ब्लड सप्लाई हार्ट ब्लड सप्लाई को हार्ट ब्लड सप्लाई आपका रिड्यूस होने लगता है क्योंकि क्या है ना ये जो आपकी आर्टरीज है ऐसे इस आर्टरीज की जो आपके ये आर्टरीज है इसके अंदर ऐसे जमता जाता है ये ऐसे जमता जाता है तो इससे क्या होता है आपका ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, वो कुछ इस तरीके से ये आपका एलडीएल है ठीक है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये बेसिकली कुछ आपके को ब्लॉक करता जाता है जिस वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज आती है मतलब हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वह रिड्यूस होता जा रहा है झटका खाके मर जाएंगे फिर तो हा समझ गए हाँ। दूसरा तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है क्या खाना चाहिए देआर फॉर वेजिटेबल ऑइल्स कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैट्स सुड बी यूज फॉर कुकिंग इसका इस्तेमाल करना चाहिए समझ में आ गई मेरी बात क्लियर हो गई मेरी बात जी भैया हर एक बात समझा पा रहा हूं हा चलो अब एक सवाल है एनसीआरटी एक्सरसाइज का टेस्ट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए लास्ट सवाल एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज के अंदर एक सवाल है ना कि आपको एक टेस्ट देना है सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड uh, हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो एक बढ़िया टेस्ट आपको दे देते हैं जिससे आप यह बता सकते हैं टेस्ट का नाम है बी टू इन सी टेस्ट अब यहां पे जो ब्रोमीन है ये कौन से कलर का होता है रेडिश ब्राउन होता है और आपका कार्बन टाइट्राक्लोराइड कौन से कलर का होता है कलरलेस होता है तो ओवरऑल कलर क्या होगा रेडिश ब्राउन हो जाएगा अगर इन दोनों को मिक्स करोगे तो ओवरऑल कलर क्या हो जाएगा ओवरऑल रेडिश ब्राउन ठीक है तो ब्रोमीन जो है रेडिश ब्राउन लिक्विड है ये कलरलेस लिक्विड है अगर इन दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होगा अब देखो पहली चीज मान लो मेरे को डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो मैंने क्या इथेन लिया और इसकी रिएक्शन अब मैं ब्रोमीन से करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सीसीएल फोर तो मैं देखूंगा कोई रिएक्शन ही नहीं होगी क्यों नहीं होगी ये एड कहां होगा जगह दिख रही है कहीं पे एडिशन रिएक्शन कौन देता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं अभी तो बताया था ये पे होगा अरे कहा जाएगा कोई डबल बॉन्ड है क्या हटाने के लिए कैसे हटाओगे नहीं हटाओगे नो रिएक्शन तो जिस केस में नो रिएक्शन होगी तो सोल्यूशन का कलर ऐसा का ऐसा ही रहेगा रेडिश ब्राउन ही रहेगा तो अगर आपका बी इन सीसीएल टेस्ट आप करवा रहे हैं और अगर आपने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डाला एमए ऑडिबल दोस्तों क्या मैं ऑडिबल हूं चल रहा है एमएडिबल क्लियर है बात अगर मेरी बात क्लियर है तो एक बार आए लिख दीजिए यहां पर सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था जिस वजह से सिस्टम ही बंद हो गया था वापस इसको हमने सही किया है एक बार मुझे बता दीजिए अगर आपको दिखाई दे रहा हूं सुनाई दे रहा हूं तो एक बार आए लिख दीजिए चैटबॉक्स में मैं ये वाला पार्ट वापस कंटिन्यू कर दूंगा एक बार आई लिख दीजिए फटाफट से चैट बॉक्स में प्लीज राइट आई इन टू द चैट बॉक्स दिख रहा है अब क्लियर है सारे दोस्त वापस आ जाइए माफी चाहूंगा दोस्तों टेक्निकल इश्यू है सीपीओ पता नहीं कौन से सर्दी खा के एकदम बंद हो गया चलती क्लास के अंदर माफी चाहेंगे इस चीज के लिए आवाज आ रही है सब सही है ठीक है चलिए इस चीज के लिए क्षमा चाहेंगे फिर से बताता हूं तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम लोग यहां पर ब्रोमीन इन सीसीएल फोर टेस्ट करते हैं दोस्त तो ब्रोमीन एड कहां होगा कहीं एड ही नहीं हो सकता कोई रिएक्शन नहीं होगी तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन रहेगा लेकिन अगर यही मेरे दोस्त यही मेरे दोस्त यहां पर अगर हम अगर हम अगर हम यहां पर अगर हम यहां पर, पर इथिन लेते हैं तो और फिर अगर हम यहां पर ब्रोमीन को ऐड करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सीसीएल फोर तो क्या होगा देखिए मान लीजिए एक ईथेन था तो ये तो ये रिएक्शन नहीं देगा तो सोल्यूशन का कलर वैसा ही रहेगा लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो यहां पर मान लीजिए कि यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर क्या होगा ये कार्बन हाइड्रोजन 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 अब ध्यान से देखना भाई एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर तो ये हो जाएगा एक ब्रोमीन, ये हो जाएगा दूसरा ब्रोमीन। तो अब इस केस में आपका जो सोलूशन है मेरे दोस्त ये आपका क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा The solution will turn ठीक है? अब इसका नाम अगर मुझे लिखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा सुनील भाई प्रीफिक्स प्लस रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स देखिए अगर सबसे लंबी कार्बन की चेन को चुनते हैं तो वो जो चेन है वो बेसिकली हमारे पास दो कार्बन की है तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एथ प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो इनके बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा एन सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं आएगा प्रीफिक्स क्या आ जाएगा ब्रोमीन है अगर यहां से नंबरिंग करूं एक और दो इधर से करूं एक और दो दोनों कार्बन पे ब्रोमीन है तो वन कॉमा टू दो बार है तो क्या हो जाएगा डायब्रोमो इसको जोड़ देंगे तो क्या नाम हो जाएगा वन कॉमा टू डायब्रोमो इथेन यह नाम हो जाएगा जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं सारी चीजें आई यूपीएससी में तो यहां पे सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा बिकॉज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेंगे और सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सोल्यूशन अपना रेडिश ब्राउन कलर में आपको सैचुरेटेड और अनसेच्योकार्बन के अंदर डिस्टिंग्विश करना है तो आप रोमिन सीसीएल टेस्ट करेंगे अगर वहां पर उसका कलर वैसा का वैसा ही रहेगा तो इसका मतलब सैचुरेटेड है और अगर कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा दैट मीनस यहां पर एक रिएक्शन हुई है लो वॉइस वॉइस में कोई दिक्कत है क्या ठीक आवाज ठीक है क्या दोस्त क्लियर है आवाज सही है ठीक है सही है बेटा वॉइस को सही कर दिया है माफी चाहूंगा नहीं आने चाहिए टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए ठीक है अब चलिए आगे चलते हैं अब देखिए पांच नंबर का ये सवाल सीबीएसई दो हजार सत्रह के अंदर ये पांच नंबर का सवाल आपका पूछा गया है बहुत सरल सा सवाल है वाई आर सर्टेन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स राइट द जनरल फॉर्मुला फॉर होमोलोग ऑफ एल्किल्कि स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट में ठीक है सीबीएसई दो हजार 2017 में पांच नंबर का सवाल है सर्टेन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं बिकॉज हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं वो कंपाउंड जनरल फॉर्मला फॉर द होमोलोगो सीरीज ऑफ एल्काइन, एल्के माइनस टू पहला कंपाउंड क्या होगा इसमें मीथेन इसमें मीथेन इसमें इथिन इसमें इथाइन राइट द नेम ऑफ द रियक्शन दट कन्वर्ट्स एल्किस इंटू एलकेमिकल इक्वेशन टू शो दिन कंडीशन देखो पहला जिन कंपाउंड आपके हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं हाइड्रोकार्बन है जनरल का एलके सी एन एस टन एंड एलकाइन का सीएनएस टून माइनस टू हो जाएगा टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मेंबर एल्केन का मीथेन हो जाएगा एलकाइन का इथाइन हो जाएगा उसके बाद राइट द नेम ऑफ रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स एल्केन्स इनटू अभी पढ़ाया, एल्किल्किटिक हाइड्रोजिनेशन इज यूज टू कन्वर्ट एल्किन टू एल्केन। अभी पढ़ाया था जस्ट आपको ये ठीक है इनके स्ट्रक्चर्स बोले थे ये स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पर दे दिए ये मैंने आपको बनाना भी सिखा दिए थे पांच नंबर का सवाल था पूरा का पूरा बना के आएंगे सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है ठीक है चलो नाउ लास्ट रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एक तरीके से हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट पड़ेंगे आप देखिए क्या होता है ध्यान से देखिएगा तो वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज डिस्प्लेस्ड बाय अनादर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर डिस्प्लेस होते हैं बाय अनादर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विदाउट द चेंज इन द रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब यहां पर इसको कौन शो करेगा यहां पर हम बात करेंगे सब्सिट्यूशन रिएक्शन विल बी शोन बाय ठीक है बर का एक नाम है का नाम है पैराफिन्स क्या नाम है पैराफिन्स पैराफिन्स क्यों बोलते हैं क्योंकि एक लैटिन वर्ड दो लैटिन वर्ड है पैरम एंड एफिनिटी से मिलकर बना है पैरम का मतलब होता है लिटिल और एफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी ठीक है तो यहां पर बहुत कम रिएक्टिविटी होती है इन कंपाउंड की इनको बोलते हैं पैराफि क्या बोलते हैं पैराफिन्स अब इनकी लिटिल रिएक्टिविटी क्यों होती है यह भी मैं आपको बता देता हूं सबस्टिड्यूशन रिएक्शन यानी एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज शोन बाय एल्कि एल्के पैराफिंस कहते हैं पैराफि का मतलब लिटिल रिएक्टिविटी लिटिल रिएक्टिविटी क्यों होती है क्यों होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड दे आर अनरिएक्टिव बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स पॉइंट क्या है कि कार्बन जो है यहां पर एल्किन कैटेगरी के अंदर जो है एल्किस बहुत कम रिएक्टिव होते हैं उनको पैराफिन बोलते हैं पैरम का मतलब लिटिल और एफिन का मतलब रिएक्टिविटी बहुत कम रिएक्टिविटी होती है रीजन यह है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इस वजह से काफी ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि इस बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे तभी तो कुछ नया बनेगा तभी तो रिएक्ट करेगा बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्ट कहां से करेगा भाई बॉन्ड टूटेगा भाई रिएक्शन हो रही है तो बॉन्ड टूटेगा कुछ नई चीजें बनेगी नए बॉन्ड बनेंगे ये भाई अपना बॉन्ड ही नहीं तोड़ता तो कहां से रिएक्ट करेगा पर इसके लिए हम करते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अब इसके अंदर क्या होता है आप देखिए आपने लिया फॉर एग्जांपल मीथेन आपने लिया फॉर एग्जांपल आपके पास है मीथेन ठीक है आपके पास है मीथेन अब आपने मीथेन में क्या किया आपने मीथेन पे क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ठीक है तो यहां पर क्या होगा यहां पर ये जो आपका क्लोरीन है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ऐसे लिख देता हूं पी एल सी एल यह जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन को डिसप्लेस करेगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो होगा क्या क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है तो यहां पर क्या बनता है यहां पर क्या बनता है सी और साथ ही साथ क्या बनता है H और ये बनेगा आपके पास सीएल CH3 एच यहां पर तो आ जाएगा क्लोरीन ये क्लोरीन यहां पर हाइड्रोजन को डिसप्लेस कर रहा है ये क्लोरीन यहां पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है CH3Cl थ्री सीएल प्लस एच और Cl बना लेगा HCl अब ध्यान से देखिए इसका नाम क्या होगा अब मैंने आपको आयूपीएससी सिखाया है इसके लिए लगेगा प्रीफिक्स पहले कार्बन पे है तो वन क्लोरो लिख दो वरना डायरेक्टली क्लोरो एक कार्बन है तो हो जाएगा मैथ सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे तो नाम हो जाएगा क्लोरो ठीक है अब अगर एक्सिस ऑफ क्लोरीन है तो ये रिएक्शन फर्दर गोज ऑन मीथेन था क्लोरीन की प्रेजेंस में सनलाइट और हीट अगर आपने दी तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया यह हाइड्रोजन सीएल के साथ जाएगा तो क्या बना सी एस थ्री अगर एक्सिस ऑफ आपके पास क्लोरीन है तो रिएक्शन आगे चलती जाएगी ये आगे चलती जाएगी यानी कि ऐसा हो जाएगा यह आगे चलती रहेगी आगे चलती रहेगी देखिए अब क्या होगा अब क्लोरीन क्या करेगा इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा यह हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा कार्बन यह आपके पास दो हाइड्रोजन और यहां पर एक क्लोरिन एच और सीएल तो यह हो जाएगा एच और तो यह हो, हो जाएगा बेसिकली आपके पास सीएल तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा दो क्लोरीन है तो डाय मीथेल. समझ में आया इसका नाम हो जाएगा डायक्लोरोन फर्दर ये डायक्लोरोन भी रिएक्ट करता जाएगा डायक्लोरोन भी रिएक्ट करेगा विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर आप हीट कर रहे हैं तो ये जो क्लोरीन है दोस्त हाइड्रोजन के पास जाएगा और यह हाइड्रोजन इस सीएल के पास सगा जाएगा तो यह क्या हो जाएगा सी यहां पर एक हाइड्रोजन बचा है और यह बाकी क्या हो जाएंगे सीएल 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 साथ में एच सी और यह हो जाएगा सीएल इसका नाम क्या हो जाएगा अब तीन क्लोरीन है तो ट्राईक्लोरो तो हो गया प्रीफिक्स एक कार्बन है तो मैथ सिंगल बॉन्ड है तो एन ट्राईक्लोरोन मजे की बात है इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म जो पिक्चरों में आपको दिखाया जाता है CHCl3 एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म इज नथिंग बट क्लोरो क्लियर है बात फर्दर इसका रिएक्शन हो जाएगा फर्दर इसका रिएक्शन हो जाएगा ये कार्बन ठीक है ये आपके पास H ये आपके पास Cl 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 सीएल प्लस सीएल सीएल in the presence of sunlight or heat ठीक है तो अब ये लास्ट बचे हुए को क्या करेगा यहां जाएगा और H इस सीएल के पास चला जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा कार्बन अब देखो तीन सी एल थे एक सीएल और यहां आ गया तो ये हो जाएगा सी सी एल फोर प्लस H और ये हो जाएगा आपका सीएल इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम आप लिख देंगे टेट्रा क्लोरोन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड ठीक है ये हो जाएगा इसका नाम क्लोरोमीथेन डाइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोमीथेन टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये आपका ये आपका सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ठीक है यह आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अब आगे चलेंगे सीबीएसई के सैंपल पेपर दो हजार तेईस चौबीस में एक नंबर का सवाल यह आता है आपका सेक्शन डी का पहला सवाल चौतीसवा सवाल का पहला पार्ट रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सपोर्ट रेहमत व्यू विद जस्टिफिकेशन एंडस्टेड द रियक्शन विद्पऑफ केमिकल इक्वेशन ठीक है तो क्या ये सही है सुनील भैया 100% सही बात है ना 100% सही बात है रेहमत ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट एज हाइड्रोजन ऑफ मीथेन आर रिप्लेस्ड बाईस्ड और सब्सटीट्यूटेड बाय हेट्रो एटम दैट इज क्लोरीन अभी यही तो हो रहा था भाई इसके हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है क्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रो आइटम कौन है क्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रो आइटम क्लोरीन है जो उसको डिस्प्लेस कर रहा है ठीक है तो आपको एक नंबर यहां पर पूरा बढ़िया से मिल जाता कोई दिक्कत नहीं रहमत भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहां पर जितने भी हाइड्रोजन है मिथेन के वो धीरे धीरे क्लोरीन डिस्प्लेस करता जाएगा तो एक तरीके से क्या है ये सब्सिट्यूशन रिएक्शन है ठीक है समझ में आ गई बात जी चलो नौ अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड अब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड एसिड की हम यहां पर चर्चा करते हैं फटाफट से आ जाइए जल्दी से तो इथेनॉल फॉर्मूला बहुत बार सिखा दिया C2H5OH या फिर CH3CH2 एच इथेनोइक एसिड होता है सी टू एच फोर ओ टू या फिर होता है सी एच थ्री सी ओ होता है इथेनोइ एसिड या फिर इसका अनदर नेम क्या होता है एसिटिक एसिड भी होता है ठीक है तो इथेनॉल का फॉर्मूला सी टू एच फाइव ओ या सी एच थ्री सी टू ओ फॉर्मुला एसिड का एच C2H4O2 बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है तो मतलब दो दो कार्बन तो हाइड्रोजन चार और ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं एसिटिक एसिड अब इसकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मेल्टिंग पॉइंट या, या फ्रीजिंग पॉइंट हर सबस्टांस का सेम होता है बॉइलिंग पॉइंट या फिर कंडेंसेशन पॉइंट हर सबस्टांस का सेम होता है मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट यानी जिस तापमान पर सॉलिड से लिक्विड बनेगा या लिक्विड से सॉलिड बनेगा मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से लिक्विड और फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड से सॉलिड तो हर सबस्टांस का सेम होता है जैसे पानी जीरो डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है और बर्फ जीरो डिग्री सेल्सियस पे पानी बनती है उसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का सेम होता है अब देखिए ये कलरलेस लिक्विड हैिग्री सेल्सियस है, है, या है। यानी इतने तापमान पर जाकर सॉलिड बनेगा और बॉइल करेगा अठहत्तर डिग्री सेल्सियस पे इसकी बात कीजिए तो सत्रह डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग पॉइंट है जहां पर ये फ्रीज कर जाएगा और 118 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा taste, स्मेल स्मेल एंड टेस्ट टेस्ट बहुत बहुत मीठी होती है लेकिन ज़्यादा बर्निंग होता है इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है और खट्टा टेस्ट होता है एसिड है ना मीठी स्मेल बर्निंग टेस्ट जो लोग पीते हैं वो बताते हैं कि भैया नीट जब पीते हैं जब उनको लगता होगा अब प्योर इथेनॉल तो नहीं पी सकते बट

देर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस पेपर लेकिन ये ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है क्योंकि ये एसिड है ठीक है क्लियर है बात सेपोलिफिकेशन इसके बाद आएगी टेंशन मत लीजिए हर एक चीज आपको बता के जाऊंगा मुलाइसिस फर्मेंटेशन किताब में एक पैराग्राफ दे रखा है ऑरेंज कलर का डब्बा बता दिया और चली गई एनसीआरटी मैं बताता हूं मुलाइसिस फर्मेंटेशन क्या होता है तो अगर आप शुगर केन के इनके को लेते हैं गन्ने का रस इसको काफी ज्यादा गर्म करके पानी को उड़ा देते हैं तो बनता है इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उस सॉल्वेंट के अंदर तो शुगर केन का सोल्यूशन आपने बनाया गन्ने का रस जिसको बोलते हैं काफी ज्यादा गर्म किया सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाया इसको ठंडा करने रख दिया तो चीनी के क्रिस्टल्स इसमें बन के बाहर आने लगेंगे क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं है? जैसे ही आपको तो अलग करेंगे तो जो आपके पास सिरप बचेगा क्या कि आपने शुगर के को काफी किया सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया ठंडा करने लगा चीनी के क्रिस्टल्स बनने लग गए लेकिन अब जो बचावा अब आप इसको छानेंगे ना तो शुगर क्रिस्टल्स तो ऊपर रह जाएंगे तो बचावा जो लिक्विड है जो बचावा शुगर सिरप है जिसे टेक्निकल भाषा में मदर लिकर कहते हैं क्या बोलते हैं इसे टेक्निकल भाषा में मदर लिकर भी कहते हैं इसको बोलेंगे मोलैसिस क्या बोलेंगे मोलैसिस अब इस मोलासिस का फर्मेंटेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इन दी एबेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज फर्मेंटेशन किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अगर अपन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ते हैं तो यह कहलाता है फर्मेंटेशन अब देखो तुम्हारा मोलैसिस यानी C12H22O11 ट्वेल्व सुक्रोस कौन तोड़ेगा इनको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट तोड़ेगा इस मोलाइसिस का फर्मेंटेशन कौन करेगा यीस्ट करेगा ठीक है तो सबसे पहले ये आपका टूटता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो ये आपको क्या देगा ग्लूकोज देगा एक सॉल्ट और दूसरा देगा बेसिकली आपको फ्रक्टोज ग्लूकोज देगा और बेसिकली आपको क्या देगा फ्रक्टोज देगा फर्दर इसको ये तोड़ेगा देख रहे हो C12H22O11 को तोड़ा, C6H12O6 C6H12O6 और C6, H2O6, यानि एक तोड़ाइड को दो मोनोसेचराइड में तोड़ा, मोनो इसको तोड़ेगा किसमें C2H5OH CO2 में तोड़ेगा तो ये क्या है ये आपका इथेनॉल है ये आपका क्या है इथेनोल है कितनों को समझ में आया आप बताओ मुझे चैट बॉक्स में कितने बच्चों को यह बात अब समझ में आ गई कि हां सुनील भैया आपकी बात हमें समझ में आ रही है कितने बच्चे इस बात से लिंक कर पा रहे हैं जल्दी से मुझे बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए फटाफट से कितने बच्चों को यह बात समझ में, समझ में आ रही है प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस इनटू द चैट बॉक्स जल्दी से बता दीजिए समझ में आ रही क्या बात आ रही है 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 बिना पढ़े नहीं आ रही अच्छा चलो ठीक है आ रही है चलो एक बार और रिपीट कर देता हूं अच्छा इसमें एक चीज और एंजाइम भी लिख लो इनवर्टिस और जाइमेस। ठीक है अब सुनो सबसे पहले शुगर के सल्यूशन जो गन्ने का रस है उसको बहुत ज्यादा गर्म करो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी उसमें से उड़ाओ तो सैचुरटेड सोल्यूशन बन जाएगा यानी वो सोल्यूशन एक ठंडा करने के लिए रखोगे तो जो सॉलिड होते हैं कुछ सॉलिड्स की सोलिबिलिटी टेम्परेचर घटाने पर घट जाती है जैसे आप इसको ठंडा करने रखोगे तो शुगर के क्रिस्टल इसमें से बाहर आने लगेंगे इनकी सोलिबिलिटी घट जाएगी बाहर आने लगेंगे आप बचावा जो लिक्विड होगा जो सिरप नीचे बचावा होगा इसे मदर लेकर कहते हैं यानी इसे कहते हैं। इनका फर्मेंटेशन करवाया जाता है फर्मेंटेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ़ ऑक्सीजन। अब इनको कौन तोड़ता है जैसे कि यीस्ट है, इस सुक्रोस को सी यानी इसको इसको यह आपका सी है यह ठीक है इसको बेसिकली इनवर्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में तोड़ेगा तो C6H12O6 और C6H12O6 बनेगा। और इसको तोड़ेगा तो बनेगा C2H5OH और CO2 ठीक है। अब ये सीओ आपका ठीक है ठीक है चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीख लो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है रेक्टीफाइड स्प्रिट क्या होता है तो रेक्टिफाइड स्प्रिट एक मिक्सचर होता है 95% फाइव और 5% पानी का इस इथेनॉल को अपन कैसे यूज करते हैं इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इसको एंटीसेप्टिक की तरह अपन इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक क्या करता है किल किल ऑन लिविंग टिश्यूज लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर आपके कीटाणुओं को मारने का काम करता है ये बेसिकली आपका एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक आपके लिविंग टिश्यूज पे कीटाणुओं को मारने का काम करता है 95 परसेंट इथेनॉल और 5 परसेंट पानी का मिक्सर है रेक्टिफाइड स्पिरिट एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है अगर आप यूज एज एन एंटीसेप्टिक्स आपको जख्म हो जाते हैं उस पर आप इसको यूज करते हैं ये कीटाणुओं को मारता है फिर दूसरा आता है एप्सुलूट एप्सोलूट इथेनॉल यानी कि शत प्रतिशत इथेनॉल हंड्रेड इसको पी मत जाना यह लीथल होता है लीथल टू ड्रिंक पी गए तो मरमुरा जाओगे पीना नहीं है तीसरा तीसरा हमारे पास क्या है डीनेचर्ड नेचर एल्कोहल पहला रेक्टिफाइड स्प्रिट डन दूसरा एप्सुलट इथेनॉल डन डीनेचर्ड नेचर्ड एल्कोहल अब डीनेचर्ड नेचर्ड एल्कोहल क्या होता है ध्यान से समझिए तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है डीनेचर्ड नेचर्ड एल्कोहल या कहलाता है मिथाइलेटेड स्प्रिट डी ने फिर मिथाई लेटेड स्पिरिट अब मान लीजिए किसका मिक्सर है इथेनॉल का प्लस ब्लू डाई प्लस मिथेनॉल पायरेडीन या कॉपर सल्फेट का मिक्सर होता है तो क्या होता है कि इथेनॉल को इसकी बहुत वाइडर एप्लीकेशन है तो सरकार कम एक्साइज ड्यूटी लगा के इंडस्ट्रीज को बेचती थी क्योंकि बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है इथेनॉल लोग क्या करते थे कालाबाजारी करके मार्केट में बेचने लगे तो सरकार ने टॉक्सिक बना के बेचना स्टार्ट कर दिया अब इथेनॉल होता है इसके अंदर कुछ जहरीले सब्सटांसेस मिलाए जाते हैं पॉइज़नस सब्सटांसेस मिलाए जाते हैं ताकि इसे पिया ना जा सके और यह बताने के लिए कि इसमें पॉइजनस सब्सटांसेस में नीली डाई डाली जाती है टू टेल दैट इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग यह बताने के लिए कि तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है इसमें नीली डाई डाली जाती है ठीक है चौथा ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है सुनील भाई ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है ध्यान से बताइए तो जब एसिटिक एसिड को अपन काफी ज्यादा ठंडा कर देते हैं और उसका टेम्परेचर मान लीजिए 17 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला जाए क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो इट फॉर्म्स ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स एंड एनहेंस इट इज नोन एज ग्लेशियर एसिटिक एसिड ये ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स बना लेता है इसे हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड एसेट। ठीक है तो पहली चीज रेक्टिफाइड स्प्रिट इथेनॉल और पांच पानी का मिक्सर है ऐसुलट इथेनॉल e 100 परसेंट इथेनॉल e है डी नेचर या मिथाइलेटेड स्पिरिट में आपका इथेनॉल e होता है साथ में बेसिकली नीली डाई होती है साथ मेंडिन या कॉपर सल्फेट होता है ये पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो जो आपका इथेनॉल e e आप सप्लाई कर रहे हैं ना इंडस्ट्रीज को उसको आप इमप्योर करके बेचते हैं पॉइजनस करके बेचते हैं ताकि ये पीने के लिए ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अब यह पीला रंग ये नीला रंग यह बताता है कि भैया ये अनफिट है पीने के लिए मत पीना मर जाओगे ऐसेटिक एसिड जब काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है सत्रह डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है इससे नीचे चला गया टेम्परेचर ठीक है तो ये ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स बना लेता है इसे ग्लेशियल एसिड acid कहते हैं ठीक है चलो अब देखो एक और सवाल डी अल्कोहल अगर मान लीजिए कोई पी लेता है या मिथेनॉल को पी लेता है तो यह अनफिट क्यों है ड्रिंकिंग के लिए डी नेचर जिसके अंदर मिथेनॉल है कंटेनिंग मीथेनॉल ठीक है डीनेचर्ड नेचर एल्कोहल जिसके अंदर मीथेनॉल है ये डायरेक्टली अगर आप मीथेनॉल को पी लें तो क्या दिक्कत है मत पीना क्यों भैया इससे क्या होगा पॉइंट ये है मेरे दोस्त इससे होगा ये कि मान लो तुमने मीथेनॉल पी ली या डीनेचर्ड नेचर्ड एल्कोहल कंटेनिंग मीथेनॉल पी लिया या मिथाइलेटेड स्पिरट पी ली तो होगा क्या अब प्रॉब्लम है मिथेनॉल से मीथेनॉल तुम्हारे लिवर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मीथेनॉल बन जाएगा इनसाइड साइड द लिवर अब ये मिथेनॉल क्या करता है कॉम्पोन से प्रोटोप्लाजम दैट इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाजम आपके जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाजम होता है साइटोप्लाजम से तो इनको मिला न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाजम इज प्रोटोप्लाजम इसकोलेट करेगा यानी आप सरल भाषा में समझे तो सॉलिडिफाई कर देगा सारे कंटेंट्स को तो हम मर जाएंगे ना हमारे सेल के सारे कंटेंट को सॉलिडिफाई कर दे रहा है जैसे ना अंडा होता है अंडे को जब आप फोड़ के गैस पर डालते हैं तो अभी लिक्विड स्टेट में जैसे फोड़ के डाला सॉलिड हो जाता है तो वैसा क्वागुलेशन हो जाएगा तो मिथेनॉल ऑक्सीडाइज होता है लीवर के अंदर टू मिथेनॉल मिथेनॉल आपके सारे सेल के प्रोटोप्लाजम को क्वॉगुलेट कर देता है सॉलिडिफाई कर देता है पहली दिक्कत तो ये है दूसरा अब इस वजह से क्या हो जाएगा लीथल है ना ये जानलेवा है दूसरा आल्सो द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस आंखों में ऑप्टिक नर्व होती है जो ब्रेन में सिग्नल्स भेजती है पढ़ा होगा ना आई के डायग्राम में रेटिना पे इमेज बनती है फिर उसके बाद वो सिग्नल ब्रेन के पास जाते हैं ब्रेन प्रोसेस करता है वो डैमेज कर देगा उस नर्व को सिग्नल कौन भेजेगा कुछ दिखना बंद हो जाएगा ठीक है जब सिग्नल ही नहीं जाएंगे भेजेगे पास तो प्रोसेस क्या होगा कुछ दिखेगा क्या अंधे हो जाएंगे अपन ठीक है यह दिक्कत है अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल बढ़िया बढ़िया जल्दी जल्दी बताऊंगा आ जाओ फिर इसके बाद एक टॉपिक और है तो आधा घंटा तो इसमें लगेगा पंद्रह मिनट इसमें लगेंगे आधा पौन घंटा उसमें लगेगा एक घंटा और चलेगा सेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल सबसे पहला रिएक्शन विद सोडियम के बारे में चर्चा करते हैं तो ये आपका इथेनॉल है ये मेरे सोडियम की वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन से यह पता है मेरे को तो यह जो मेरा सोडियम है यह यहां पर इथेनॉल में प्रेजेंट इस हाइड्रोजन को बाय बाय टाटा कर देगा तो क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एस टू ओ एन ए तो पहले कटायन का नाम आएगा सोडियम दो कार्बन और एक ऑक्सीजन है तो ये बेसिकली क्या नाम बनेगा एथ ऑक्साइड और साथ में निकले क्या हाइड्रोजन गैस ध्यान से सुनिए रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम ये इथेनॉल ये सोडियम सोडियम का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है बनाएगा सोडियम इथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिएक्शन का टाइप क्या होगा रिएक्शन का टाइप होगा कि मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है नॉन मेटल को तो मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहली रिएक्शन डन दूसरी रिएक्शन अब इसकी अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दे इथेनॉल की हॉट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दे ठीक है और टेम्परेचर रखते हैं 170 डिग्री सेल्सियस जिसे कहते हैं 443 फोर्टी तो क्या होगा होगा क्या ये इथेनॉल से पानी को केमिकली बाहर निकाल देगा इस H2O को बाहर निकाल देगा ये H2 सीधा बाहर बचा क्या यहां पर बचा यह सी डबल बॉन्ड सी टू यानी ये बना देगा यहां पर इथिन बना देगा सुनो इथेनॉल की रिएक्शन अगर हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करा दी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया सीधा इससे पानी खींच के बाहर निकालेगा पानी खींच के बाहर निकालेगा और ये बचेगा सीएच टू डबल बॉन्ड सीएस अब देखिए आपने दो तरीके के एजेंट्स पढ़े एक पढ़ा आपने ड्राइंग एजेंट और एक पढ़ा आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट अब ये यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है एच ड्राइंग एजेंट क्या होता है मान लीजिए मैं नहा के आया हूं मेरे शरीर पे बहुत सारा पानी है डिहाइड्रेटिंग ड्राइंग एजेंट आएगा टॉवेल मेरे शरीर को पहुंचेगा पानी उड़ाया चला गया मतलब मेरे शरीर के ऊपर पानी है एब्जॉर्ब करा और चला गया एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर प्रोम सब्सटेंस। मतलब सब्सटेंस को चेंज नहीं किया विदाउट केमिकली चेंजिंग द सब्स्टांस विदाउट द चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ सबस्टांस ठीक टौविल is तो सूख गया के रहा, सूख गया तो एच टू दे जा फिर निकल मेरा मतलब मैं तो टावल से सूखा दिया बोले टॉवल से क्या मतलब मेरे को पानी अपन को तो पानी निकालना है अपने को जब तो पानी निकालना है तू गीला है कि सूखा मेरे को मतलब नहीं मेरे को पानी दे एच टोस दोनों की तरह काम कर सकता है इसकी तरह और इसकी तरह दोनों की तरह तुम गीले हो तो तुम्हारे शरीर का पानी ले जाएगा तुम सूखे हो तो शरीर में सब पानी तोड़ के बाहर नहीं आ जाएगा समझ रहे हो केमिकली टेक्स आउट वाटर फ्रॉम बॉडी केमिकली टेक्स आउट वाटर यानी किसी केमिकल सब्सटेंस से केमिकली एच को बाहर निकालेगा केमिकली टेक्स आउट वाटर फ्रॉम अ सबस्टांस किसी सब्सटेंस से केमिकली पानी को बाहर निकालना समझ में आ गया ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं ड्राइंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है अब ये तो बेचारा गीला सूखा कोई है नहीं ये तो बेटा ये तो है इसने बोला ओ भाई वसूली भाई अपन सीधा पानी खींच के बाहर निकाला चल बेटा बाहर निकल तो केमिकली पानी बाहर निकाल दिया एंड नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट

इनके यूज़ेस देख लो फटाफट से इट इज यूज टू मेक द रेक्टिफाइड स्पिरिट जिसको अपन एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के काम में आता है पिचानवे परसेंट इथिनॉल पांच परसेंट पानी इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर पेंट मेडिसिन डाय परफ्यूम वार्निश वार्निश क्या होती है पॉलिश फॉर वुडन आइटम्स दैट प्रोटेक्ट इट लकड़ी के फर्नीचर के ऊपर आपने देखा होगा कि एक पॉलिश चढ़ाई जाती है जिससे लकड़ी चमकती है यह सिर्फ चमक चमकाने के लिए नहीं उसको बचाने के लिए भी है तो मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है अब ये वार्निश बनाने के लिए इथेनॉल की जरूरत है बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है यह आपको पता है टिंचर ऑफ आयोडीन में भी सॉल्वेंट रहता है टिंचर ऑफ आयोडीन ठीक है इसके अंदर क्या है आयोडीन डिजॉल्व इन इथेनॉल तो जो सॉल्वेंट है वो बेसिकली क्या है इथेनॉल है है ना ऐसे ही आपके कप सिरप्स के अंदर जो है वो भी इथेनॉल वहां पर प्रेजेंट होता है एन एक्टिव इनग्रीडियंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक बियर विस्की इनके अंदर अलग अलग परसेंटेजेस में इथेनॉल प्रेजेंट होता है फिर चौथा पॉइंट इट इज यूज टू मेक ब्लैंडेड पेट्रोल आजकल भारत सरकार भी काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है ब्लैंडेड पेट्रोल का ब्लैंडेड पेट्रोल मतलब पेट्रोल में आप दारू को मिलाए यानी इथेनॉल को मिलाए रीजन देखो जब आप पेट्रोल के कंबस की बात करते हो तो इसके कंबस से इस पेट्रोल के कंबस से काफी सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड अनबंड कार्बन काफी सारे पॉल्यूटेंट हैं सारे के सारे एयर पॉल्यूटेंट हैं लेकिन अगर आप यहां पर इथेनॉल का कंबसन करें Ethanol का कराएंगे तो क्या निकलेगा सुनील भाई भाईनॉल का तो क्या निकलेगा? अभी जलाया था Ethanol मैंने आपके सामने तो क्या निकलेगा Ethanol के से? निकलेगाटेड हाइड्रोकार्बन OH, को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो सीओ टू प्लस एस टू ओ प्लस हीट प्लस लाइट ये निकालेगा हाइड्रोजन तीन चार पांच छ तीन लगा दो थ्री टूजा सिक्स ऑक्सीजन हो गया तीन प्लस दो पांच एक और दो ये हो रहा है तीन है ना देखो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है तो तीन दो पांच और एक तो थ्री टूजा सिक्स कर दिया अब ऑक्सीजन कितना हो गया तीन प्लस दो पांच पांच है तो इसको इवन बनाते हैं इधर दो लगाते हैं दो ध्वनि चार प्लस तीन अब कार्बन कितना हो गया दो दो है हाँ तो दो कार्बन है ठीक है ऑक्सीजन दो है ठीक है और ये कितना हो गया इसको कर देता हूं थ्री टूजा सिक्स छ प्लस एक सात चार प्लस तीन सात थ्री टूजा थ्री टूजा चार पांच छह बैलेंस हो देख लो हाइड्रोजन कितने थे यहां पर तीन चार पांच छे तो तीन लगा दिया थ्री टूजा सिक्स ऑक्सीजन हो गया तीन प्लस दो पांच था मैंने इसको ईवन बना दिया तो कितना कर दिया टू टूजा फोर प्लस यहां पर तीन लगा दे था सिक्स प्लस वन सेवन कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो जब आप इसको जलाते हैं तो इससे फ्यूअर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं फ्यूअर पॉल्यूटेंट्स पेट्रोल तो इसीलिए यहां पर ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई पेट्रोल में इथेनॉल को डाल दो तो इससे फायदा होगा पॉल्यूटेंट कम रिलीज होंगे तो ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करने से क्या होगा ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करने से क्या होगा फ्यूअर पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स का अमाउंट कम हो जाएगा और ये कैसे किया जाता है जैसे E5 फाइव टू ई अगर मैंने बोला तो E5 का मतलब क्या है E5 का मतलब क्या है पांच परसेंट अगर आपका सी एस थ्री है तो नाइनटी आपका पेट्रोल होगा तो ये आपकी रेंज चलती है ये मतलब हुआ इसका और ई हंड्रेड मतलब कि प्योरली आपने इथेनॉल का यूज कर दिया तो ब्लेंडेड पेट्रोल बनाने के लिए पेट्रोल के कंबेशन से काफी सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं लेकिन अगर हम इथेनॉल के कंबेशन की बात करें तो इथेनॉल के कंबेशन से एक तो जो लाइट निकलती है वो क्लीन ब्लू फ्लेम होती है निकाल के दिखाई थी आपको और इसके कंपेरिजन में प्योअर पॉल्यूटेंट निकलते हैं इसीलिए ब्लेंडेड पेट्रोल यूज किया जाता है E5 से E100 का मतलब क्या है ई फाइव का मतलब पांच परसेंट इथेनॉल और बाकी पिचानवे परसेंट पेट्रोल ई हंड्रेड का मतलब है सौ परसेंट इथेनॉल ठीक है चलो अब इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहॉल ऑन द ह्यूमन बॉडी जल्दी से देखेंगे मान लीजिए आपने कहा मैं तो दारू पीऊंगा दारू पीऊंगा दारू पीऊंगा नहीं पीना पर पी लिया मान लीजिए पी लिया ब्लड विजन स्लर्ड स्पीच लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस परसेप्शन धुंधला दिखाई देता है स्लर्ड स्पीच पुअर प्रोनाशिएशन ऑफ वर्ड्स स्लर्ड स्पीच का मतलब क्या है पुअर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ कि पुअर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन आप का कॉर्डिनेशन खत्म टेढ़े मेढ़े चल रहे हो गिर पड़ रहे हो रिड्यूस परसेप्शन दर्द होना बंद हो जाता है इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज ब्लड प्रेशर किडनीज के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है लीवर डैमेज वॉमिटिंग होने लगती है इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो रैपिड हीट लॉस तो एल्कोहल का ज्यादा पीना एल्कोहल टॉक्सिकेशन कहलाता है और ड्रंकीनेस कहलाता है ज्यादा कंज्यूम लोगे तो दिक्कत हो जाएगी लीथल होता है लॉस ऑफ कोडिनेशन का मतलब क्या है तुमने देखा दारू बीघे दारू बी दारू बीगे ऐसा तो आदमी अपना कोडिनेशन लॉस कर देता टेढ़ा मेढ़ा चला क्या हवा भैया और ये ये बोल रहा था कि मेरी गलास बहुत लंबी चल रही है लेकिन बहुत 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 बढ़िया बढ़ा, बढ़ा मैं बहुत पड़ा रहा था तो तो दारू भी कैसे होता है समझ में आया क्या हाँ दारू भी कैसे होता है एक बच्चा कह रहा है की फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री उन्नीस में संस्थान थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री उन्नीस में संस्थान आया था जो नामकरण आपके एलिमेंट्स का एलिमेंट कंपाउंड सब चीजों के रूल्स का नामकरण भाई नए एलिमेंट आएंगे उनका क्या नामकरण होगा सारे रूल्स ये बनाते हैं ठीक है, है बेटा हाँ सुनील भैया दारू पीनी चाहिए नहीं, नहीं पीनी चाहिए जीवन में दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे दारू पियोगे ज्यादा नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइन विद मेटल बाय कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा इथेनोइक एसिड में ये बेसिकली क्या है ये अनायनिक पार्ट है एसिटेट और ये कटाइनिक पार्ट है उसी प्रकार से ये कटाइनिक पार्ट है और ये क्या है ये अनायनिक पार्ट है तो मान लीजिए इथेनोइ एसिड की रिएक्शन हमारे सोडियम कार्बोनेट से होती है तो ये आपका क्या है ये एसीटेट सी एस थ्री सी डबल ओ वन माइनस एसीटेट अनायन है ये ठीक है और ये कटायन हो जाएगा ये कटायन अनायन तो फटाफट से कटायन को एक्सचेंज करो तो ये अनायन और ये कटायन तो क्या बनेगा सीएस थ्री सी डबल ओ एन ए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे बोलते पहले कटायन लिख दो तो पहले कटायन भी दिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नाम पड़ेगा सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसिटेट साथ में क्या बनेगा राजा बेटा साथ में क्या बनेगा H2CO3 बनता है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या बायकार्बोनेट यह कटाइन या नाइन या कटाइन या नाइन अगर एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा यह बनेगा सोडियम इथेनोएट या एसिटेट साथ में कार्बोनिक एसिड जो डिसोसिएट करता है किसमें एच और सीओ में उसी प्रकार से अगर इथिनो एसिड की रिएक्शन ये आपका पार्ट, आपका पार्ट, पार्ट, तो साथ में बनेगा एच टू सीओ थ्री एच टू सीओ थ्री वो डिसोसिएट होता है एच टू ओ और सीओ टू में रिएक्शन का नामकरण क्या है सुनील भैया इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं यहां पर कटायंस अनायंस का एक्सचेंज हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है और डबल डिस्प्लेसमेंट में किस प्रकार की रिएक्शन है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन है ק्यों? क्यों क्योंकि सुनील भाई एक गैस का निर्माण हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट के तीन प्रकार प्रेसिपिटेशन न्यूट्रलाइजेशन गैस फॉर्मिंग यहां पर एक गैस का निर्माण हो रहा है तो गैस फॉर्मिंग रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रकार इंपॉर्टेंट बात अगर आपको बोला जाता है कि एसिड और इथेनॉल के बीच में टेस्ट करना है तो आप एनएच टेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या एनए टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं एनएच सीओ की अगर हम बात करते हैं तो एनएच डोंट रिएक्ट विद इथेनॉल ठीक है तो आप क्या डाल सकते हैं मान लीजिए कोई आपको बोलता है तो यहां पर एक गैस का निर्माण हो रहा है जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है लेकिन इस केस में नहीं होगी साथ ही साथ इथेनॉल आपके पीएच पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा ना तो न्यूट्रल एटमोस पेपर का कलर बदलेगा ब्लू लिटमस पेपर का बदलेगा लेकिन इथेनोइक एसिड का करेगा कलर बदल देगा ब्लू से लाल कर देगा याद रहेगा चलो नौ और समझिए रिएक्शन विथ सोडियम तो इथेनोइक एसिड है सी एच साथ में रिएक्शन हो गई सोडियम की सोडियम बिंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस इट टू फॉर्म सी ये क्या है पहले कटायन का नाम तो हो जाएगा सोडियम यह क्या हो जाएगा एथेनोएट कैसे दो कार्बन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो ए एन ई -E होगा और यह फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ईस्टर में सेकेंडरी से फिक्स क्या था एट ओ एट तो पहले लिखा सोडियम फिर ये वाला पार्ट लिखा दो कार्बन एथ इन कार्बन के बीच में सिंगलरी तो -E, सफिक्स, -E, सफिक्स तो सोडियम सोडियम इथेनोएट या साथ में हाइड्रोजन गैस अब देखो दो हाइड्रोजन है या एक हाइड्रोजन है तो लगा दिया दो तो ये आपका जो एसिटेट है ये दो हो गया तो यहां पर भी लगा देंगे दो एसिटेट सोडियम दो हो गया तो लगा देंगे दो दो एसिटेट ये दो एसिटेट दो सोडियम दो सोडियम दो हाइड्रोजन यहां पर ये दो हाइड्रोजन यहां पर खत्म काम रिएक्शन विद बेस अब ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करवा दो अच्छा ये रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा मेटल मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या नाम हो जाएगी या क्या टाइप हो जाएगा नॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है है भाई, जी भैया। नाउ बेस की बात करते हैं, तो हमारे पास है ले लेता हूं, NaOH, को मारना एक बार फटाफट सेनाइनिक पार्ट ये कटाइनिक पार्ट एनिकार्ट एक्सचेंज मारो जल्दी से फटाफट से क्या प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट आएगा सी एच थ्री साथ में ओ OH एच और एच मिलके बनाएंगे पानी नाम अगेन क्या हो जाएगा सोडियम इथेनोइट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका प्रकार होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रकार होती है समझ में आ गई ये बात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें इसका टाइप क्या है न्यूट्रलाइजेशन डबल uh, ये बेसिकली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया जी क्या बात है एक भाई कह रहे चार से पांच घंटे और पढ़ा दो तुम पढ़ लो कि तो मैं पढ़ा दूंगा चलो आ जाओ ना बेसिकली वॉट आर द यूजेज ऑफ इथेनोइ इट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्चर सेलोलोज एसिडेट इज बेसिकली रेन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है सेमी सिंथेटिक फाइबर कपड़े वगैरह बनाने काम में आता है तो उसके बनाने के लिए एसिड इथेनोइ इस्तेमाल करते हैं पहला डन दूसरा यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एसीटोन डाइस परफ्यूम एक्सेट्रा तीसरी चीज यूज टू मैन्युफेक्चर विनेगर डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक या फिर इथेनोइिड को बनाने के काम में आता है अभी एक्चुअली में क्या होता है पांच से आठ परसेंट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज विनेगर एंड इट इज वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड सॉसेस आचार वगैरह में सॉसेस वगैरह में जो हम बनाते हैं उसके अंदर इस एज का काम करता है विनेगर कौन है विनेगर होता है हिंदी में कहते हैं सिरका इससे तुम नूडल्स बनाते हो विनेगर 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 से। से तो तो क्या है? है एसिटिक एसिटिक या फिर एसिड एसिड की। अगर आप 5 8 पानी एसेट बनाओगे तो यानी विनेटिव चीजों को बचाने के लिए खराब ना हो तो एज प्रिजर्टिव याचार में या सॉस में यूज किया जाता है ठीक है 5 से 8 परसेंट सोल्यूशन का क्या मतलब है मैं आपको वो भी समझा देता हूं दोस्त वो भी समझा देता हूं मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मान लीजिए आपके पास क्या है 95 मिलीलीटर पानी है तो अगर आपने इसके अंदर क्या किया 5 मिलीलीटर अगर आपने इसके अंदर एसिटिक एसिड को डाल दिया तो इस मिक्सर को इस मिश्रण को हम लोग विनेगर कहते हैं अब ये पांच से आठ परसेंट की रेंज है ऐसा हो सकता है कि आप आठ मिलीलीटर एसिटिक एसिड एसेट ले रहे हैं और नाइनटी टू मिली पानी ले रहे हैं ऐसा हो रहा है कि आप पांच मिलीलीटर एसिटिक एसिड एसेट ले रहे हैं और पचानवे मिलीलीटर पानी ले रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इस मिश्रण को विनेगर कहते हैं सिरका कहते हैं डायल्यूटेड फॉर्म है एसिटिक एसिड एसेट का ठीक है चलो सीबीएसई सैंपल पेपर दो हजार तेईस दो हजार के चार नंबर का सवाल है चार नंबर का सवाल आया है ये सैंपल पेपर के अंदर आ जाओ मेरे बंदर इसको करते हैं सॉल्व द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट गिवन बाई द क्विज मास्टर इन अज सबस्टान सी इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव एक मिनट में फॉर्मूला बताओगे तुम सी एच थ्री सी डबल एच अभी तो बताया प्रिजर्वेटिव कौन है कार्बन बाय रिएक्शन ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ एल्लाइन पोटेशियम परमैग्नेट इन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिफिकेशन इसकी तो जरूरत ही नहीं है ऐसे ही बन जाएगा यानी किसकी ऑक्सीडेशन से आपका इथिनोइक एसिड बनता है मुझे खुद बताइए अरे किसके ऑक्सीडेशन से इथेनॉइक एसिड बनता इथेनॉल के से. तो ए क्या हो जाएगा होना CS3, CS2, OH. इसका करोगे तो यह मिल जाए मिस यूज इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाई एडिंग टू ए यानी कि हम इसको क्या बनाते हैं हम इसको डी नेचर एल्कोहल बनाते हैं तो डी नेचर एल्कोहल हम किसको बनाते हैं अरे इथेनॉल को ही तो बनाते हैं यार इसी को तो बनाते हैं हा F इज फॉर्मड ऑन हीटिंग A इन द प्रेन्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर A को हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करें तो F मिलेगा यानी पानी उड़ा दो इधर से एच उड़ा दो तो दो कार्बन चार हाइड्रोजन F क्या हो जाएगा ओरली हो जाएगा F क्या है C2H4 है डिहाइड्रेशन रिएक्शन F रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम केटलिस्ट एडिशन रिएक्शन दे देगा अब एर एफ का आससी नेम बताइए ए और एफ का आयूपीएससी नेम बताइए का आयूपीएससी नेम इथेन ऑन एफ का यूपीएससी नेम बताइए इथिन अभी तो बताई सारी रिएक्शन हां आगे चलना एक बार बेस्ड ऑन द ऑनसर इलुस्ट्रेड विद्पमिकल इक्वेश रिएक्शन पूछ रहा है वो सेकेंड वाली रिएक्शन पूछ रहा है ए से सी बनाने की रिएक्शन पूछ रहा है और साथ ही साथ क्या पूछ रहा है ए टू एफ ए टू एफ ठीक है

उसी प्रकार से इथेनॉल को अगर एल्कलाइन और एल्लाइन के, के -2 साथ में ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे एच टू पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन क्या दिक्कत है पढ़ाई थोड़ी देर पहले पूरी की पूरी डिटेल में ठीक है तो ये आपके पास क्या ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है ये आपके पास सी है सी इज यूज एजेटिव अभी तो बताया कौन सा है इथेनोइक एसिड तो इथेनॉल से एसिड एसिड बन गया ना का ही किया जाता है है बात चलो अब इसका बी पार्ट देखो जो इसका बी पार्ट था वो भी देख लो नेम द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द स्टेप टू एंड फाइव आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म इन दिस स्टेप

यानी एक तरीके से एडिशन रिएक्शन हो रही है या फिर एडिशन रिएक्शन हो रही है ये इसका और पार्ट था चार नंबर में ठीक है तो दूसरा और पांचवा एफ रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट इथीन को अगर हम निकल पैलेडियम प्लेटिनम की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इस रिएक्ट करता है इथिन से सो so, इथीन प्लस हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल निकलिडियम प्लेटिनम एट टू हंड्रेड इथीन। अब ये क्या बोल रहा है आइडेंटिफाई दिन स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेसड विद इट्स नेक्स्ट होमोलोग ठीक है तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इसका नेक्स्ट हायर होमोलोग क्या हो जाएगा प्लस एच टू एड कर दीजिए तो हो जाएगा सी सी एच टू ओर एड हो जाएगा तो हो जाएगा सी एच थ्री सी टू सी टू ओ ठीक है ये बेसिकली अगर हमारे पास इथेनॉल है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा अब ये सेम रिएक्शन आप प्रोपेनॉल के साथ लिखकर देखिए क्या दिक्कत है डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं लिख पाओगे अगर फॉर एग्जाम्पल तुमको यही रिएक्शन लिखने के लिए वो बोलता है मान लो कि यहां पर ये यह डिहाइड्रेशन करने के लिए बोल रहा है तो इथेनॉल से क्या बना एथीन, तो प्रोपेनॉल से क्या बनेगा प्रोपीन बनेगा पानी उड़ाना है ना एच उड़ाना है ठीक है ठीक है और अगर यहां पे पार्ट टू की बात की जाए तो इथेनॉल से इथेनोइिड बनता है तो प्रोपेनोल से प्रोपेनोइिड बन जाएगा क्लियर है बात इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बन रहा है तो प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा और यहां पर प्रोपेनॉल से क्या बन जाएगा प्रोपीन बन जाएगा क्लियर है बात शॉर्टर फॉर्म में लिख दू आप लोग पूरा लिख लोगे प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा पूरी रिएक्शन लिख लेना इस चीज की और दूसरा अगर प्रोपेनोल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा डिहाइड्रेशन करने पे प्रोपीन मिलेगा प्लस वाटर, है ना प्लस वाटर। क्लियर है बात क्लियर है बात यही चीज लिखनी थी बस तो आप इसको रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखना ये आपका होमवर्क है आई होप मैं पूरी बातें समझा पाया आपको ठीक चलो अब सी बी एस सी दो में पांच नंबर का सवाल आया था यहां से राइट द केमिकल फॉर्मुला इन द नेम ऑफ द कंपाउंड इंक्रीडियंट ऑफ ऑल्कोलिक ड्रिंक्स इथेनॉल 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 लिस्ट इट्स टू यूजिस राइट द केमिकल इक्वेशन नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एन दिस कंपाउंड रिज विथ सोडियम मेटल हॉट कंसेंट्रेटेड सल्फ्योरिक एसिड अभी पढ़ाया सारी चीजें

क्लियर है हा एक भाई कह रहा है फिफ्थ स्टेप में क्या बनेगा भाई ये फिफ्थ स्टेप ये रहा ठीक है उसने पहले तो क्या बोला नेम द रियक्शन विच इन स्टेप्स टू एंड फाइव तो फिफ्थ में कैटेलेटिक हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन हो रही है है ना और सेकंड स्टेप में बेसिकली आपका क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है यह तो दो तरीके की रिएक्शन हो गई फिर उसने बोला आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म इन दीस स्टेप्स If A is replaced with its next होमोलोग तो इसका नेक्स्ट होमोलोग बेसिकली प्रोपेनोल हो जाएगा है ना अब प्रोपेनोल प्रोपेनोल का अगर यहां पर ये रिएक्शन कराए तो प्रोपेनोक एसिड बनेगा डिहाइड्रेशन करवा दोगे तो क्या बन जाएगा प्रोपेनोल से बेसिकली आपका प्रोपिन और H2O, ठीक है क्लियर है बात ये वाली रिएक्शन नहीं देगा वो ये वाली रिएक्शन नहीं देगा वो रिएक्शन की बात नहीं हो रही थी ठीक है चलो नाउ लास्ट टॉपिक ईस्टरिफिकेशन सेपोनिफिकेशन एंड सोप एक्शन लास्ट बिल्कुल लास्ट रेडी हैं? कैसा है जोश थक तो नहीं गए थक तो नहीं गए पांच मिनट का ब्रेक ले ले पानी पी लू मैं पांच मिनट ब्रेक ले लें सात घंटा पचास मिनट हो चुका है है ना साढ़े आठ घंटे में खत्म कर ही देंगे कैसे ना कैसे सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट का एक ब्रेक लेना चाहूंगा ठीक है सिर्फ पांच मिनट का एक ब्रेक है फाइव मिनट ब्रेक ठीक बस इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं सिर्फ एक पांच मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा फिर मिलते हैं दोस्तों पांच मिनट के बाद ठीक है पंद्रह मिनट तो नहीं है ज्यादा ज्यादा दस मिनट हो सकते हैं बट पंद्रह मिनट तो नहीं हो पाएगा बहुत ज्यादा समय हो जाएगा दोस्त ठीक है आई होप आप समझ पा रहे हैं पांच मिनट ज्यादा लंबा नहीं खींचना है ठीक है ठीक है से पानी पी के आता हूं फिर चालू करते हैं दोस्तों आ गया क्या आ गए सारे के सारे वापस? आ जाओ आ जाओ आ गए सारे के सारे वापस? आ जाओ भाई आ जाओ, आ आ आ आ आ आ लास्ट टॉपिक मैंने भी कुछ नहीं कहा है।, है ना, है ना? पढ़ाई के लिए थोड़ा त्याग करना बनता है भाई चीजें त्याग से ही बड़ी बनती है मैं यहां खड़ा हूँ इतने घंटे से सिर्फ और सिर्फ जूस पे थोड़े बहुत फ्रूट्स पे कुछ नहीं खाया त्याग से भाई दोस्तों त्याग से ही चीजें होती हैं बढ़िया त्याग नहीं होगा तो चीजें बढ़िया नहीं होंगी याद रखना समझ रहे हो हमेशा बोलता हूं त्याग ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सेक्रीफाइस देखिए आपके माता पिता आपके लिए त्याग करते तब जाके आप एक इंसान बनते हैं बिना त्याग के संसार में कुछ नहीं होता सबसे ज्यादा त्याग कौन करते है? आपके माता पिता करते हैं आपके लिए आपको भी चीजों को त्यागना पड़ेगा जिस दिन तुम चीजें त्याग दोगे ना बस चीजें बढ़िया हो जाएगी मैं भी कोशिश कर रहा हूं क्योंकि भगवान ने जो मोह माया बनाई वो ऐसी बनाई कि इंसान को उससे निकलने में काफी समय लग जाता है दोस्त इंसान जैसी धरती पे आता है पैदा होता है वो सबसे पहले आता है उसको कौन ट्रैप करता है मोह और माया आके गले लगाती है उसी में फंसा रहता है आप देखिए ना आज कोई इंसान आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना भगवान ना करेगी वो आपसे दूर चला जाए पर विधि का विधान है वो इंसान आपके जीवन से आपसे दूर जाएगा कुछ समय आप रोएंगे फिर आप वापस नॉर्मल हो जाएंगे क्योंकि संसार की मोहमाया इतनी पावरफुल है कि आप उस मोहमाया में खो जाएंगे समझ गए ठीक है आर मेटल्स कंबस्टिबल तो ये आपको मैं बताऊंगा मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंबस्टिबल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रेबन जलता है ऐसी सोडियम है पोटेशियम है मैग्नीशियम है

यहां पर बात करते हैं कि आपने यहां पर लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो क्या होता है आर सी ओ ओ एच एंड आपने क्या लिया अल्कोहल सुनील भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमें पढ़ाया था ठीक है ना r डैश -OH. ओ अब सबसे पहले अगर हम यहां रिवीजन करें तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन सा है फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप केमिकल क्लास कौन सी है इनकी इसकी अल्कोहल, इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुनो आर ये है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ये है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप केमिकल क्लास का नाम है अल्कोहल, केमिकल क्लास का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे से पढ़ के जा रहे हो यह मत बोलते ना कार्बोक्सिल एसिड फंक्शनल ग्रुप है नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल क्लास है एल्कोल केमिकल क्लास है फंक्शनल ग्रुप जो फंक्शन प्रोवाइड करेगा वो ये है वो ये है. अब मेरे दोस्त मेरे राजा बेटा आपको क्या करना है आपको बेसिकली अब ये एरो क्या बताता है कि ये एरोक्शन आगे पीछे दोनों चल सकती है आपने जैसे ही कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस पे बढ़िया से इसको हीट कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड जो कॉन्सट्रेटेड है वो एक काम ये करेगा और दूसरा काम क्या करेगा इस रिएक्शन को जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अपन बना सके तो ये पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह काम करता है रेट ऑफ रिएक्शन की यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है ठीक है ना ताकि बढ़िया आपने जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन सके साथ ही साथ ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करेगा पानी निकाल देगा यहां से यहां से क्या निकलेगा ये बोलेगा आपने को आपने को तो पानी तो तो निकालना है इधर से पानी निकालेगा इन दोनों से मिलके पानी निकाल देगा कैसे पानी निकालेगा बताता हूं देखो बेटा याद रखना यहां से ओ एच निक, OH निकालेगा कार्बो से और यहां से ह, अब भैया ऐसा ही क्यों हो रहा है अपने कोर्स में सिर्फ इतना ही पता करना है ऐसा क्यों हो रहा है क्या हो रहा है मैकेनिज्म में समझेंगे तो राजा बेटा ओ यहां का और राजा बेटा एच यहां का जब मिलेंगे तो बनेगा एच अब बची हुई स्पीसी क्या है आर सी आर सी आर डिश ओ आर डिश इसको क्या बोलते हैं सुनील भैया ईस्टर बोलते हैं बेटा ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा था याद करो कार्बो एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सलिक एसिड और एल्कोहल को अगर कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे ईस्टर तो बनाएगा साथ में पानी निकाल देगा समझ में आया क्या राजा बेटा क्लियर हो गई क्या राजा बेटा हाँ जी भैया क्लियर नंबर है। है तो पहली जो आपने यहां देखी अब देखो बात नंबर दूसरी ईस्टर क्या होते हैं ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी खुशबू होती है इनके अंदर और जो फ्रेगरेंस होती है फ्लावर्स में और फ्रूट्स में दैट इज लार्जली ड्यू टू ईस्टर्स ईस्टर्स आपके बहुत स्वीट स्मेल लिक्विड होते हैं और जो आपके फ्लावर्स में फ्रेगरेंस होती है फ्रूट्स में दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ईस्टर्स जब हम बनाते हैं इनको तो हम इनको परफ्यूम में डालते हैं ताकि हम परफ्यूम लगाएं तो उसमें सुगंध आए स्मेल लगाते हैं उसमें बढ़िया बढ़िया खुशबू आए या आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर जो बनते हैं दैट इज ऑल्सो नथिंग बट ईस्टर्स ठीक है आप देखो राजा बेटा इस्टरिफिकेशन को समझते हैं तुमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा एसिड इथेनोइक एसिड कौन सा एसिड लिया राजा बेटा इथेनोइक एसिड यहां पर एसिड एल्कोहल कौन सा लिया ये लिया तुमने इथेनॉल समझ में आ गया ये लिया तुमने इथेनॉल ये लिया तुमने इथेनोइक एसिड ले लिया लिया, इसके पे बढ़िया इनको किया। अब यह कैसे होता है तो यहां से क्या जाना चाहिए सुनील डीहाइड्रेटिंग तो और साथ ही साथ आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करेगा ओ OH एच और एच मिलकर क्या बनाएगा एच टू ओ बनाएगा साथ ही साथ ये क्या बचा सी एस थ्री सीओ ये रहा सीएस ये देखो CH3CO, ये रहा एंड ओ सी टू एच फाइफ ओ सी टू एच फाइव ये रहा ये ईस्टर कहलाएगा अब इसका नामकरण कैसे करते हैं सुनील भैया वो सिखाइए ईस्टर का नामकरण करने का तरीका होता है एल्काइल एल्केनोएट कैसे नाम लिखते हैं एल्काइल एल्केनोएट इस वाले ऑक्सीजन के पास में जो इथाइल ग्रुप यानी जो एलकाइल ग्रुप होता है सबसे पहले आप उसको लिखेंगे और फिर ये बचा वाला जो है ये आपका एल्केनोएट बनता है मतलब इस ऑक्सीजन के पास में जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है वो है इथाइल देन एलकेनोट यानी यहां पर क्या है दो कार्बन है तो हो जाएगा एथ इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा ईस्टर की वजह से ओएट E के बाद अगर A I O U Y आएगा यह भाग जाएगा नाम क्या हो जाएगा इथाइल इथेनोएट क्या नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट क्लियर है क्या बात क्लियर है क्या बात समझ में आ रही है क्या बात सही है बात ध्यान से देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने उठाया इथेनोइक एसिड एल्कोहल से उठाया हमने इथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस पे रखकर हीट किया यह बेसिकली क्या करेगा यहां से पानी निकालेगा और साथ ही साथ स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा अब यहां से निकालेगा यह ओएच एच एसिड से और यहां से निकालेगा बेसिकली एच तो इन दोनों को उड़ा दिया यहां पर एच बचा के सी और ओ ऑक्सीजन के पास में जो एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिखेंगे इथाइल बचावा क्या बन जाएगा एलकेनोट तो ये बन जाएगा इथेनोएट इथाइल इथेनोए ईस्टर हो गया अब इसको एक्सपेरिमेंटली बनाना है तो वो भी बता देता हूं लेबोरेटरी में आपको क्या करना है आपको क्या करना है एक ऐसा बीकर लेना है इस बीकर के अंदर आपने क्या लिया है इस बीकर के अंदर आपने लिया है वाटर क्या लिया है आपने वॉटर इस पानी को आप गर्म कर रहे हैं इसका मतलब आप एक तरीके से वाटर बाथ क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए वाटर बाथ क्रिएट कर रहे हैं इस मिक्सचर के लिए अब इस मिक्सचर में क्या है ये आपका टेस्ट ट्यूब है इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया है इस टेस्ट ट्यूब में है इथेनॉल प्लस इथेनोइ एसिड प्लस आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ठीक है सुनील में वाटर बात क्या होता है मेरा राजा बेटा मैंने आपको बोला था कि इनको कुछ ऐसे सब्सटेंसेस सब्सटांसेस जिनको डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते डायरेक्ट गर्म करोगे आग पकड़ लेंगे तो मैंने पहले ऑक्सीडेशन में भी आपको बताया कि पानी को गर्म कीजिए पानी को गर्म कीजिए अब इस सब्सटेंस को पानी के अंदर पानी में डाल दीजिए तो इनडायरेक्ट अपन हीटिंग कर रहे हैं डायरेक्ट हीटिंग करोगे आग लग जाएगी पहले कह रहा हूं इनडायरेक्ट हीटिंग करोगे तो इथेनॉल प्लस इथेनोरिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ठीक है अब आपको क्या करना है यहां पर क्या हो जाएगा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी ना अब आपको क्या करना है आपके जो भी कंटेंट्स है आपको इसमें पॉर करने हैं पॉर द कंटेंट्स इन दिस इस टेस्ट्यूब के कंटेंट्स को यहां डालना है इधर आफ्टर रिएक्शन पॉर इनटू वाटर आप पानी में डाल दीजिए रिएक्शन को मतलब ये टेस्ट्यूव के जो भी कंपोनेट पानी में डाल दीजिए तो आपको यहां पर क्या आएगा एक फ्रूटी स्मेल आएगी क्या आएगी एक फ्रूटी स्मेल आने लगेगी मतलब एकदम फ्रूट्स की जैसी मीठी मीठी खुशबू आएगी आहा। इसका मतलब आज का निर्माण हो गया है, यहाँ पर ये किया भी है. क्या आपको करना है ये टेस्ट ट्यूब को इसके कॉम्पोनेट को पानी में डालना है तो यहां पर एक फ्रूटी स्मेल आएगी इधर से हटा देता हूं ताकि आप इस तरफ पे देख सके इसको इधर ज्यादा क्राउडेड ना हो जाए ठीक है

समझ तो में आ गई हाँ। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बेटा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बेटा एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स सैपोनिफिकेशन रिएक्शन मजे की बात मिसकंसेप्शन क्लियर कर दू ये रिवर्स ऑफ ईस्टर्निफिकेशन नहीं है जो लिखा होता है किताबों के अंदर नॉट रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन तो रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन क्या होता है एसिडिक e हो? मतलब हुआ? वॉटर सोल्यूबल बेस उठाना है तुमको और हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेसिकली कि वॉटर की प्रेजेंस में किसी भी चीज को तोड़ना Lycis का मतलब क्या होता है तोड़ना अब हम यहां पे किसको तोड़ रहे हैं ईस्टर को तोड़ रहे हैं तो अपन क्या करते हैं ईस्टर्स को पानी की प्रेजेंस में तोड़ते हैं ईस्टर्स को पानी की प्रेजेंस में तोड़ते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर यानी वाटर की प्रेजेंस में अगर हम ईस्टर को तोड़ते हैं तो इसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं अब यह हाइड्रोलाइसिस इतना आसान नहीं है इतनी आसानी से ईस्टर टूटता नहीं है क्योंकि उसके अंदर एक पुअर लिविंग ग्रुप है अब उसमें जाएंगे तो फिर और जाएगा समय तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहां पर बेसिक या एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं कौन से मीडियम का बेसिक या फिर एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं और बेसिक या एसिडिक मीडियम को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम ईस्टर को तोड़ते हैं इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं अगर मैं बताऊं आपको इसका स्केलेटन क्या है तो ये मान लीजिए आपका ईस्टर है आर डबल ओ आर डैश और आपने लिया एनएच जो बेसिकली किस में डिजोल्व है पानी में डिजोल्व है कहां पर डिजॉल्व है डिजोल्व है डिजॉल्व इन वॉटर एक्सेस ऑफ पानी में आपने इसको डिजॉल्व किया एल्कली एन एच है हाइड्रोलाइसिस के लिए हमने पानी का इस्तेमाल किया है अब एल्कली और पानी की मदद से हम ईस्टर को यहां पर तोड़ने जा रहे हैं इसे सेपोनिफिकेशन कहते हैं तो मेरे राजा बेटा यहां से क्या उड़ता है ये वाले ग्रुप को उड़ाने के लिए एल्कोक्सी बोलते हैं इसी ग्रुप को उड़ाने के लिए यहां पर इस बेसिक मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है यहां से यह आर डैश और यहां से यह एच अलग हो जाते हैं तो यह बनाता है आर यानी जो आपने पेरेंट अल्कोहल यूज किया था वो तो आपको मिल गया लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता इसीलिए मैंने बोला नॉट रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन कुछ लोग लिखते हैं इट इज रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन गलत है अरे कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी मिल रहा है अगर आप बोलते कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ईस्टर प्लस वॉटर है तो ईस्टर प्लस वॉटर अगर ये आपका या फिर ये आपका ईस्टर प्लस बेस डिजोल्ड इन वाटर अगर ये मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलोहल देता तो मैं कहता रिवर्स ऑफ मैं कह सकता हूं लेकिन ये रिवर्स तो नहीं है क्या यह कार्बोक्सिलिक एसिड दे रही है नहीं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर अगर आप देखेंगे तो वहां रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन होता है इस वाले में नहीं होता तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है तुम बस इस पर फोकस करो तो सी डबल और Na+ ये क्या होता है फिर ये होता है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलते हैं इसको सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मजे की बात बताऊ इसको क्या बोलते हैं इसको कहते हैं साबुन ये साबुन है तो सेपोनिफिकेशन से हम क्या बनाते हैं सेपोनिफिकेशन से हम क्या बनाते हैं यूज टू प्रिपेयर सोप्स समझ में आ गया क्या साबुन बनाने की रिएक्शन है साबुन बनाने की रिएक्शन है तो आपने इस तरह लिया आर सीओ मतलब डैश को एल्कलाइन हाइड्रोलिस मतलब में डिजोल्व करवा रखा है अब इसकी मदद से हम इसको तोड़ेंगे हम इसको तोड़ रहे हैं तो यहां से आर डैश और यहां से H ये मिलके एल्कोहल बनाएगा पेरेंट एल्कोहल और ये मिलेगा आर सी यानी सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे कहते हैं साबुन नहाने के लिए वही साबुन अब तुम्हारे कोर्स की एक रिएक्शन का एग्जाम्पल देता हूं एग्जाम्पल तुम्हारे कोर्स की रिएक्शन का इथाइलिथेनोइड तुमने ईस्टर बनाया था मेरे राजा बेटा जी भैया हमने बनाया था NaOH एच डिजोल्व इन वॉटर जीवैया काफी सारे पानी के अंदर इसको डिजोल्व करवाएंगे अच्छा भैया यहां पे इसको गर्म करना पड़ता है क्या हाँ बेटा इसको गर्म करना पड़ता है यहां पे भी आप हीट का सिंबल लगा दीजिए इसको गर्म करना पड़ता है तो बेटा यहां से क्या जाएगा यहां से जाएगा H और यहां से क्या जाएगा ये O R आर एल्कोक्सी ग्रुप ये और ये जाएगा C2H5O और H C2H5O और H मिल गया जीविया बचा क्या सी एच ONA, ONA, ओ सी सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसिडेट क्लियर है बात जी भिया एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स यानी पानी की प्रेजेंस में ईस्टर को तोड़ना अब यहां पर पानी की प्रेजेंस में इस तरह आसानी से टूटता नहीं है ये ग्रुप यहां पर छोड़कर नहीं जाता तो इसको छोड़कर जाने के लिए हमें एक बेसिक सब्सटेंस का यहां पर यूज करना पड़ता है जिसका नाम यहां पर क्या है एनओएएच आप कोई भी अलकली का इस्तेमाल कर सकते हैं मेजरली एन एच का इस्तेमाल अपन कर रहे हैं इसको अपन ने पानी में डिजोल्व कर रखा यहां से एच यहां से आरडेस ये मिलकर बनाएगा आर बचा आर सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सलिक एसिड इसे साबुन कहते हैं इससे अपन नहाते हैं एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया इथाइल इथेनोइट यहां से एल्कोक्सी ग्रुप और यहां से एच ये मिलकर बनाएगा इथेनॉल और बचा हुआ तुम्हारा क्या है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्ट इज सोडियम इथेनोइट ठीक है क्लियर है जी सुनील भैया एक साबुन का एग्जाम्पल भी दे दीजिए साबुन का एक एग्जाम्पल दे दू क्या ये देखो साबुन का एग्जाम्पल दू सी सेवनटीन सी डबल ओ एन इतना बड़ा सॉल्ट नाम है सोडियम स्टियरेट सोडियम स्टियरेट ठीक है जी भैया चलो बेटा सी बी एस ई सैंपल पेपर 2023 24 तेईस पांच नंबर का सवाल क्या है सवाल क्या है सवाल रायना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शंस रिएक्शन ऑब्जर्व हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स चौतीसवा नंबर का सवाल का और ऑब्जर्व हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स विनेगर लाइक स्मेल राजा बेटा विनेगर लाइक स्मेल किसका है अब तुम अपने बाला को ओरली करना है विनेगर लाइक -like स्मेल किसका है इथेनोइक एसिड ठीक है जिसको वाई के साथ रिएक्ट करवाते हैं जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है ओरली करो ियल सोलवेंट इथेनॉल विनेगर स्मेल इथेनोइक एसिड सी एस थ्री सी डबलिकॉटर बात बताया ना मैंने पानी की प्रेजेंस में पानी को गर्म करते हैं और पानी को गर्म करके एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल प्लस इथेनोइ प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो एक मीठा मीठा स्मेल वाला कंपाउंड देगा जिसको ईस्टर बोलते हैं जिसका मोलिकुलर फॉर्मुला भी उन्होंने आपको दिया है इट ओरली आ जाना चाहिए काम खत्म सुनील भैया के बाला क्या ओरल करेंगे oral. Ithail ethinoid. Ithail ethinoid आप, अभी बताया। तो जेड गिव बैक दोडियम सोल्ट एंड द कंपाउंड वाई सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिल एसिड देता है यानी सोडियम इथेनोइट देता है एंड एंड इथेनॉल देता है वाई इथेनोल ओर ओवरल होना चाहिए बेटा आइडेंटिफाई एक्स द हेल्प ऑफ विद्पऑफ एग्जांपल्स अब देखो एक्स क्या है एसिड वाई क्या है इथेनॉल जेड क्या है इथाइल इथेनोइट यही रिएक्शन अभी पढ़ाई थी आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एच से उड़ाएगा, बता दो अभी बताया आपको अब इथाइलिथेनोइट की जब एन एच के साथ रिएक्शन हो जाएगी तो यहां से राजा बेटा क्या आ जाएगा ये यह। और यहां से क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सी टू OH. एच फाइव ओ एच प्लच सी एस थ्री सीओ एन ए सोडियम एसीटेट या सोडियम इथन अभी सारी चीजें बताइए आपको पांच नंबर का सवाल बना दिया तुमने इस साल के सैंपल पेपर का पांच नंबर का सवाल बना दिया बताओ कितनी दिक्कत है तुमको इसको करने में ओरली हुआ कि नहीं हुआ ओरली हुआ कि नहीं हुआ ओरली हुआ कि नहीं हुआ हाँ भैया हा, हो गया चलो फिर आगे चलते हैं। अब साफ सफाई करने वाले एजेंट साफ सफाई करने वाले एजेंट या इनको कुछ लोग बोलते हैं सरफेस एक्टेंट आगे जाके पढ़ोगे तुम सरफेस टेंशन उसको कम करते ही ठीक है थीके? सोना मत अभी तो एक्सपेरिमेंट बाकी है तेल और पानी की यारी दिखाने वाला हूं थोड़ी देर के अंदर अंदर थोड़ी देर में सुनील भैया तेल और पानी की आ दिखाएंगे आधे घंटे में खत्म करेंगे देखो आप क्लेंजिंग एजेंट साफ सफाई वाले एजेंट एक है साबुन एक है डिटर्जेंट क्या जरूरत है भैया इनकी अच्छा बताओ एक मान लो मेरे हाथ पे तेल लग गया ग्रीस लग गया ऑयल लग गया पानी से हटेगा क्या नहीं तुम्हारे कपड़ों पे तेल का दाग लग गया पानी में दो हट जाएगा नहीं हटेगा किसका जरूरत है इनका जरूरत है समझ गए हा तो सोप क्या होते हैं सोप्स आर द सोडियम और द पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिन्हें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी हम कहते हैं ठीक so, लंबी -लंबी है तो मैंने क्या बोला सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के जो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होंगे वो आपका साबुन है ठीक है वैसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो सी सेवनटीन एच थर्टी फाइव सी ये हो जाएगा स्टियरिक एसिड ऐसे ही सी फिफ्टीन एच थर्टी वन सी एसिड ये भी आपका क्या है फैटी एसिड है ऐसे ही सी सेवनटीन एच थर्टी थ्री ये ऑलिक एसिड अब इनमें यार काफी सारे कार्बन है इसमें पंद्रह से अठारह की रेंज है कि भाई इससे ज्यादा होंगे तो बेसिकली लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की रेंज में आ जाते हैं तो इन पर्टिकुलर आपके एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट आपके साबुन कहलाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इसका सोडियम सोल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यह साबुन है सोडियम सोल्ट ऑफ दिस एसिड इस सोप सेवेंटीन एच थर्टी फाइव सी डबल ओ एन ए सोडियम स्टेरेट यह साबुन है क्या है ये साबुन है ठीक है बेटा तो सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सलिक एसिड या लॉन्ग चेन फैटी एसिड इतने लंबे लंबे एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट आपके साबुन कहलाते हैं ठीक है अब देखो डिटर्जेंट डिटर्जेंट को हम बोलते हैं सोपलेस सोप जैसे होपलेस होप ऐसे सोपलेस सोप तो इसको सोप क्यों बोलते हैं सोप बोलने का रीजन यह कि इनका साफ सफाई का एक्शन साबुन के जैसा है इसीलिए सोप शब्द इस्तेमाल होता है और सोपलेस इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट

ये हो जाएगा आर सी ओ एन ए या फिर पोटेशियम के सॉल्ट हो जाएंगे तो आर सी ओ, ओ के प्लस ये सोप का जनरल फॉर्मूला है डिटर्जेंट का जनरल फॉर्मूला है आर एसओ थ्री जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं आर एस आर एसओ थ्री ऐसे भी लिख लेते हैं ठीक है है बात, जी इसको कहते है, इसको कहते कहते हैं, हैं, ठीक है जी भाई, चलो फिर आगे चलते हैं भाई तो ये साबुन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या बेसिकली डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल भी ऐसे ही होते हैं Somewhat they are similar, है ना? तो सिमिलैरिटी इसको डिटर्जेंट ना लिख दो इसीलिए नहीं लिख रहा दे आर सिमिलर मतलब आपने देखा ना यहां पर भी है नेगेटिव पॉजिटिव पर ठीक है चलो अब देखो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल की बात करते हैं मान लीजिए आपके पास है सोडियम स्टेरेट यानी है C17 और ये है H35 C17 और ये है H35 थर्टी फाइव सी डबल ओ माइनस सोडियम स्टेरेट साबुन का मॉलिक्यूल सुनील भाई ये कैसा दिखता है टेडपोल देखा है पढ़ा है टेटपोल के बारे में ये लार्वल स्टेज होती है एम्फीबियंस की लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबियंस पता है ना जमीन पर पानी में दोनों जगह रहने वाले उनको तो इनकी जो लार्वल स्टेज होती है वो कुछ ऐसी दिखती है 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 अब तुम्हें मेजरली चीज पे फोकस करना है, तुम वो समझना ठीक ध्यान से देखो राजा बेटा ये क्या इसकी? ये इसका है क्या है बेटा हेड और यह क्या इसका यह इसका टेल है क्या बात है तो ये टेटपोल का हेड है और ये टेटपोल का टेल है सेम ऐसा है सोप मॉलिक्यूल टेटपोल का हेड है टेटपोल का टेल है सेम ऐसा है साबुन का मॉलिक्यूल क्या बोल रहे हो आप देखो ये साबुन के मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट जो है ये ये इसका हेड कंसीडर होता है ये इसका हेड कंसीडर होता है ये वाला ये सी डबलो एन ए वाला जिसमें आ रहा है ना ये सी डबलओ माइनस एन ए प्लस ये बेसिकली इसका हेड है क्या है दोस्त ये इसका हेड है और फिर ये वाला जो है ना ये 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 इसका क्या है ये इसका टेल है समझ में आया तो ये हेड है और यह टेल हैड टेल हेड टेल, टेल इसके जैसा टेडपोल का है टेटपोल का टेल साबुन के मॉलिक्यूल का हेड साबुन के मॉलिक्यूल का टेल याद रहेगा टेडपोल का हेड टेटपोल का टेल ऐसे साबुन के मॉलिक्यूल का एक हेड होता है और एक टेल होता है ठीक है हेड और टेल के बारे में थोड़ा और समझते हैं ठीक है हेड और टेल के बारे में थोड़ा और समझते हैं तो अगर मैं इसको यहां पर ऐसे लिखता इसके फॉर्मुले को यहां लिखता तो यह सी सेवनटीन एच तो यह बेसिकली क्या होगा माइनस और ये प्लस अब मेरे दोस्त ये कहां जाएगा सुनील भैया ये वाला पार्ट तो जाएगा हेड पे और ये पूरी की पूरी सत्रह कार्बन ये बेसिकली टेल समझ में आ गया ये बात समझ में आई क्या हाँ क्लियर है बात तो ये बेसिकली हेड हो जाएगा ये हेड हो जाएगा कुछ लोग इतने से पार्ट को भी बोल देते कि भाई आयोनिक पार्ट है ये आपका हेड हो जाएगा यह हेड हो जाएगा और ये पूरी पूरी टेल हो जाएगी ठीक है तो इसलिए इसमें इसमें कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं नहीं लेना है। नहीं लेना है, है, इसीलिए इसको ऐसे मिटा रहा हूं। कुछ बच्चे क्या रटते हैं, फिर बोलते कंफ्यूजन है कार्बन इधर जाएगा जाएगा। तो यहां तो पर ले लेनिक वाले पार्ट में ठीक है ये आयोनिक पार्ट और ये पूरा का पूरा टेल समझ तो ये वाला क्या हो जाएगा टेल हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा याद रहेगी बात रटना नहीं है समझना है ठीक है वरना बच्चा बोला कार्बन तो इसमें अरे भाई ये देख नेगेटिव पॉजिटिव तो ये हेड ये पूरा का पूरा हेड ये पूरा का पूरा टेल ऐसे याद कर ले ठीक है अब ये और अच्छे से बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा देख इसको मैंने ऐसे तोड़ के भी बता दिया तेरे को इसको ऐसे तोड़ के भी बता दिया ध्यान से देख यहां पे अब देख भाई ये साबुन का मॉलिक्यूल तो ये तेरा जो ये वाला पार्ट था सी डबलओ माइनस एन ए प्लस ये वाला पार्ट था ना ये इसको भाई क्या बोल रहा था तू इसको बोल रहा था हेड ठीक है भैया और इतने पार्ट को क्या बोल रहा था भाई तू टेल बोल रहा था ना? यानी वाला या वाला ये जो पार्ट इधर था और जो सी डबल है वो बेसिकली क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा ठीक है हाँ। अब देख मेरे भाई ये जो है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल है क्या है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल यानी जो लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है इसको अपन टेल की तरह मान रहे हैं तो दैट इज टेल अब ये नॉन पोलर है नॉन पोलर का मतलब इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है नो no चार्जेस <coughs> अब यह किसमें सोल्यूबल होती है ऑयल में क्योंकि ऑयल भी नॉन पोलर होता है लाइक डिज लाइक लेकिन ये पानी से डरती है अब ये हाइड्रोफोबिक क्यों है मैं अभी बताता हूं तेरे को देख ये क्या है हाइड्रोफोबिक यानी वाटर फियरिंग है वाटर फियरिंग क्यों है क्या वाटर पोलर है क्या भाई ये नॉन पोलर है क्या वाटर पोलर है क्या देख भाई ये आपके साबुन के मॉलिक्यूल की टेल ये आपका हेड है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन नॉन पोलर है मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है और यह तेल में डिजॉल्व होती है क्योंकि तेल भी क्या है नॉन पोलर है लाइक डिजोल लाइक एक जैसा एक जैसे में घुलता है लेकिन ये पानी में नहीं घुलती तो इससे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या पानी पोलर है? इस वॉटर पोलर अब देखो पोलर कैसे है। पानी का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था मैंने हाँ ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन होते हैं हाँ ये दर ये इधर अब देख बेटा मेरी बात को समझना हाइड्रोजन बोल रहा है मैं स्टेबल ये बोल रहा है मैं स्टेबल ऑक्सीजन बोल रहा है मैं भी स्टेबल अब यूजुअली इलेक्ट्रॉन पेयर्स दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे यूजुअली इलेक्ट्रॉन पेयर्स दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे पर क्या है पर क्या है ऑक्सीजन लालची है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है क्या करेगा शेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ऐसे शेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर डिस्टेंस पे यहां पर इधर हाइड्रोजन है मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बराबर डिस्टेंस पे है क्या कर रहा है पकड़ के बोल रहा है खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा अब ये पार्शियल का क्या नया कंसेप्ट है इसका मतलब होता है पार्शियल। ये कंप्लीट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आएगा पार्शलटिव चार्ज आएगा इस पर जब आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्लोरिन को दिया सोडियम पे पार्शल पॉजिटिव क्लोरिन पे नेगेटिव समझ गया समझ गया जी भैया अब देख भाई एक तरीके से पानी क्या हो जाएगा वॉटर इज वॉटर इज पोलर कैसा कंपाउंड है पानी पानी एक पोलर कंपाउंड है नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स डेवलप कर रहा है अपने ऊपर तो ये पोलर कंपाउंड है तो अब मेरे राजा बेटा एक बात समझ इस वाले पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है शॉर्ट आयोनिक हेड ये जो है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है हां की ना इसका मतलब ये पोलर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है यहां पे हा की ना कर भाई मेरे सामने हां की ना कर मेरे भाई हां की ना कर मेरे भाई, हाँ भाई बहन जल्दी बताओ अरे सुनील भी है यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है तो यह आयोनिक हेड पोलर हुआ कि नहीं हुआ बिल्कुल पोलर हुआ अब यह पोलर हुआ हाँ तो यह पानी में सोलिबल होगा क्योंकि पानी भी क्या है पानी भी पोलर है पानी में भी नेगेटिव पॉजिटिव पोल्ड होते हैं तो लाइक डिजॉल लाइक का कंसेप्ट होता है लाइक डिजॉल लाइक तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हाइड्रोफिलिक हाइड्रो Hydro का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग यानी यह वाला जो सिरा है पानी से प्यार करता है पानी तू है मेरा और मैं हूं तेरी है ना यह है पानी की दीवानी समझ आ रहा है मेरी बात ये वाला जो सीरा है ये आयोनिक है यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं मतलब पोलर है मतलब पानी में सॉलिवल होगा क्योंकि पानी भी क्या है पोलर है पानी पे भी पोल्स बनते हैं समझ में आ रही है मेरी बात अरे पानी पे भी पोल्स बनते हैं तो लाइक डिजॉल लाइक एक जैसा एक जैसे में घुलता है तो यह बोल रहा है हाइड्रोफिलिक वॉटर लविंग पानी से प्यार करने वाला ए पानी मैं तुझसे प्यार करता हूं क्योंकि मैं तेरे जैसा हूं ये पानी में तुझसे नफरत करता हूं क्योंकि मैं तेरे जैसा नहीं मैं हूं से दूर रहेगा खत्म काम यह पानी के पास ये पानी के दूर ये पानी के पास ये पानी के दूर ये पानी के पास ये पानी के दूर समझ में आया चलो अब इसी से सिखाऊंगा तुम्हारी इसकी सफाई यह सफाई कैसे करता है आ जाओ थोड़ा पानी पी लेते हैं पानी क्या हाल है ब्रो तुम्हारी बात कर रहे थे हम मैंने इनको बताया कि तुम क्या हो तुम बेसिकली पोलर हो तुमने इनको बताया नहीं था ना मैंने बता दिया कोई दिक्कत नहीं तो ये वे वे पर क्यों निकल रही भैया बहुत ज्यादा गर्म हो क्या पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है क्या सबसे ज्यादा पानी की स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट मतलब हीट, हीट है? सोचिएगा। स्पेसिफिक मतलब होल्डिंग तुम्हारे बारे में गलत तो नहीं लग रहा गलत नहीं लग रहा इनको भाई मेरा गला खराब थोड़ा सही कर दो चलो देखो साफ सफाई का अभियान चालू करते हैं आप पहले समझते हैं साबुन का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है तो राजा बेटा कुछ लोग इसको ऐसे दिखाते हैं ये इसकी मुंडी और ये इसकी टेल ये बेसिकली मुंडी और टेल तो पहली बात आपको ये समझनी है कि ये इसका हेड और मेरे राजा बेटा ये इसकी टेल क्या बात है भैया मजा ही आ गया अब मेरे राजा बेटा ध्यान से समझना हेड क्या है हेड क्या है हेड आपका हाइड्रोफीलिक होता है कैसा होता है हाइड्रोफीलिक हाइड्रोफीलिक होता है यानी पानी से प्यार करता है लिख देते हैं इसको पूरा हेड शॉर्ट पोलर होता है पानी भी पोलर होता है तो ये हाइड्रोफिलिक होता है हाइड्रोफिलिक और जो टेल होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल तो सुनील भैया ये क्या होती है नॉन पोलर होती है ना ये बेसिकली नॉन पोलर होती है तो ये पानी से दूर भागती है कहती है पानी तू मुझसे दूर चला जाए क्योंकि तू Polar है और मैं नॉन पोलर हूं समझ रहे हो ये हाइड्रोफोबिक है अरे यार एक जैसा एक जैसे में घुलता है पानी पोलर है तो इस वाले के साथ चला जाएगा ये नॉन पोलर है तो पानी से दूर रहेगा खत्म बात हाँ। तो यहां पर एक और फन फैक्ट आपको बताता हूं सोप मॉलिक्यूल जो है सोप मॉलिक्यूल सोप मॉलिक्यूल इज एम्फीफिलिक एमफी एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल एम्फी फिलिक मॉलिक्यूल एम्फीफिलिक मोलिकिलिक मॉलिक्यूल क्यों है क्योंकि इसके पास दो है क्या है एक तो बेसिकली इसके पास टेल है और एक इसके पास हेड है ठीक है ना यानी एक तो इसका जो सिरा है वो हाइड्रोफोबिक है और एक इसका जो सिरा है वो हाइड्रोफिलिक ठीक है इसीलिए तो पहला कंसेप्ट साबुन के मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाते हैं ये इसका शॉर्ट एन पोलर है पानी में डिजॉल्व होगा ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेल है यह हाइड्रोफोबिक है क्योंकि ये नॉन पोलर है अब सोप मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलिक एक पानी से प्यार करने वाला सिरा है और एक पानी से दूर रहने वाला सिरा है अब देखो राजा बेटा देखो राजा बेटा मान लो मान लो मान लो कि यह तुम्हारी टी शर्ट है जूम करके बना रहा हूं जूम करके बना रहा हूं तुम्हारी टी शर्ट को और यह तुम्हारे टी शर्ट के ऊपर क्या है यह तुम्हारे टी शर्ट का फैब्रिक है ठीक है यह तुम्हारी शर्ट या फिर टी शर्ट है और तुम्हारी शर्ट या टी शर्ट के ऊपर मान लो कि ऐसा ऑयल का धब्बा लग गया क्या लग गया ऑयल का धब्बा लग गया ऑयल या फिर ग्रीस यह लग गया ठीक और तुमने इसको कहा डाल रखा है तुमने इसको डाल, डाल रखा है किसके अंदर तुमने इसको डाल दिया है सोप सल्यूशन के अंदर यह पूरी फ्रेम में कहां पर है यह बेटा ये कपड़ा कहां पर डाला है तुमने ये कपड़े को तुमने डाला है कहां पर सोप सल्यूशन के अंदर डाला है साबुन के सल्यूशन के अंदर तुमने इसको डाला है यह तुम्हारा कपड़ा है जिसपे एक ऑयली आप कह सकते ऑयल का स्टेन या ग्रीस का स्टेन है अब मुझे इसको हटाना है तो साबुन के मॉलिक्यूल बोलेंगे तुम क्यों हटाओगे हम हटाएंगे तो हमारा काम है भैया हमको बहुत मजा आता है तो राजा बेटा राजा बेटा राजा बेटा बाहर पानी है अब सोप हैल्यूशन क्या मतलब सोप को पानी में डाला है ना ऐसे लिख लो बेटा सोप इन वाटर तो अब तुमको समझ में आएगा कि पानी के अंदर हमने सोप मॉलिक्यूल को डाला है अब साबुन के मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा देखो जो टाट होगी वो बोलेगी ओ oh, मेरे पानी ओ oh, मेरे पानी ओ मेरे पानी 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 और बोलेगा पानी की दीवानी हूं मैं तो ये पानी के पास आ गया और ये कहेगा मैं तो पानी तुमसे दूर जाऊंगी मैं तो ऑयल में डिजोल्व हो जाऊंगी लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगी ऑयल में डिजोल्व हो जाऊंगी मैं ऑयल में डिजोल्व हो गई क्या ओके 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 सुनील भैया ऑयल नहीं होता तब ऐसा स्ट्रक्चर बनता तब भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता इस वाले पार्ट को पानी से दूर बगना है ये कह रहा है कि भैया मुझे पानी के पास मत लाओ मुझे पानी से दूर लेकर चलो मैं हाइड्रोफोबिक हूं तो अगर तेल नहीं होगा तब भी ये ऐसा ही गोल स्ट्रक्चर बना लेंगे अब ये 2D में ऐसा दिख रहा है 3D में पूरा स्पेरिकल होता है पूरा स्फियर होता है स्पियर स्फियर स्फियर ऐसे होती है ये, ठीक है अब इसके बनने की वजह से क्या है कि ये जो डर्ट ऑयली डट या जो ग्रीस है ये लूजली बाउंड हो जाती है इसको अगर मैं साइड व्यू से दिखाऊं ये मान लो कि तुम्हारा यह तुम्हारा टॉप व्यू है बहुत डिटेल में बता रहा हूं टॉप व्यू तो मैं बाल्टी के ऊपर अच्छा, ऐसा दिख रहा है अब इसका साइड देखो देखो, मतलब बाल्टी से ऐसे देख रहे हैं अपन अच्छा ये बाल्टी है मान लो ऐसे देख रहे ओ, अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या और इसी को साइड से देखो तो साइड से देखूंगा तो कुछ ऐसा होगा यह मेरी टी शर्ट होगी ये मेरी शर्ट होगी ये ऑयल की ड्रॉपलेट होगी साइड से देखने पे, ध्यान से देखना बेटा हर ओरिएंटेशन में दे रहा हूं टॉप से ऐसे दिखेगा अच्छा ऐसा दिख रहा है अब इसी को अगर बाल्टी को साइड से देखूंगा मैं ऐसे तो यह कुछ ऐसे नजर आएंगे ये कुछ ऐसे नजर आएंगे समझ रहे हो हर इमेजिनेशन में तुमको जाना है अब ये क्या करेंगे ना इसको उठाने की कोशिश करेंगे इसकी वजह से थोड़ी उठ जाएगी यानी ये लूजली बाउंड हो जाएगी इससे जैसे ही ये सोप मोलिक्यूल यहां पर इससे अटैच होंगे ना ये ऑयल या फिर से लूजली बाउंड हो जाएगी टी शर्ट से ये पहले स्ट्रिक्ट बाउंड थी अब ऐसे लूजली बाउंड हो गई है ना तो तुमको पता है उसके बाद अपन क्या करते हैं उसके बाद अपन क्या करते हैं उसके बाद अपन क्या करते हैं इसके, है? इसके बाद अपन एजिटेशन करते हैं एजिटेशन क्यों करते हैं देखा होगा ही डाला उसका निकाल के ऐसे घिसते हैं खुची, 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 खुची। या ऐसे चिकॉन्टी से मारते हैं धमाधम धम, धम, धमा, धम। या पत्थर पे ऐसे मारते हैं या वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं इसको एजिटेशन कहते हैं तो या तो आप इसको मैकेनिकली स्क्रब करते हो मैकेनिकली स्क्रब होती है या बेसिकली आप इसको पत्थर पर मारते हो ठीक है ना तो बीटन विच अ पैडल और ऑन अ स्टोन है ना और इन अ वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन के अंदर आप एजिटेट करवाते हो एजिटेशन का यही मतलब है कि भैया अब ये जो है ना ऑयली डट ये लूजली बाउंड हो गई है ठीक है ना तो जैसे आप मैकेनिकल बीटन करोगे ना यहां पर तो यहां पर क्या होगा उंडलूजली बाउंडेड लूजली बाउंडेड ऑइल स्लैश ग्रीस विल मूव इंटू द सोल्यूशन एंड विल लीव शर्ट और टी शर्ट समझ में आया तो बेसिकली यहां पर जो लूजली बाउंडेड अगर तुमने घिसना स्टार्ट किया तो ये उठ के सीधा का सीधा इस सोल्यूशन के अंदर पूरा का पूरा एंटिटी उठ के अंदर चला जाएगा समझ में आया तो ये एजिटेशन का कमाल है तो आपने देखा वो लोग एजिटेट करते हैं भैया क्या करते हैं ऐसे ले कपड़े घिसते ले हैं आये ले उतरो, 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 उतरो। तो इनकी इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की वजह से लूजली बाउंड हो जाती है मतलब इसका इतना टाइट कॉन्टेक्ट नहीं रहता तो ये ऐसे ऐसे झूल रही है तुमने घिजा तो बोले कि बाय ऐसे घिजा तो बोले बाय सीधा सोल्यूशन में आ जाती है अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं सुनील भैया ये स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में नाम बताता हूं मैं तुमको ये स्ट्रक्चर क्या है है ना एजिटेशन समझ में आया स्क्रब से क्यों घिसा ऐसे सोटी से मारा पत्थर पे मारा वॉशिंग मशीन में घुमाया क्योंकि क्या होता है कि जो लूजली बाउंडेड ऑयल या ग्रीस है यह सल्यूशन में मूव कर जाती है ठीक है हा अब देखो राजा बेटा क्लस्टर अब यह क्लस्टर क्या है जो आप यह देख रहे हो ना इसको मैं क्लस्टर बोल रहा हूं अब एक्चुअली में ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा सुनना और समझना थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं और तुमको और अच्छे से समझाता हूं ये क्या है ऑयल या फिर ग्रीस का अरे सुनील भैया ऑयल या, या ग्रीस नहीं होगा तभी ओरिएंटेशन बनेगा तब भी बनेगा ठीक हाँ क्लियर कर लेना मिसकनसेप्शन अगर दिमाग में घूम रहा है तो क्लस्टर का मतलब होता है झुंड साबुन के मॉलिक्यूल्स का जो झुंड बन रहा है इसे बेसिकली हम, लो हम लोग क्लस्टर कहते हैं इसे बेसिकली हम लोग क्लस्टर कहते हैं इसे बेसिकली हम लोग क्लस्टर कहते हैं तो यह क्लस्टर सबसे पहली बात है यह क्लस्टर यानी झुंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है ये साबुन के मॉलिक्यूल्स का जो झुंड है मेरे राजा बेटा टेक्निकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सबसे पहली बात स्फेरिकल क्योंकि ये स्पीय के फॉर्मेट में होता है आपको टू में सर्कल लग रहा है आयोनिक मिसेल क्या बोलते हैं बेटा मिसेल बोलते हैं मिसल पाओ वाला मिसल नहीं है मिसेल है स्पेरिकल आयोनिक मिसेल आयोनिक क्यों बोला आपने कार्बोक्सीट को भूल गए क्या आयोनिक हैड हेड अरे भूल गए क्या राजा बेटा अभी तो बताया था याद है कि नहीं जीबीआई याद है अरे याद है कि नहीं जीबीआई याद है ठीक है तो ये बेसिकली क्या है ठीक है तो ये बेसिकली आपका क्या है मिसेल हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है टेल आपकी ऑयल या ग्रीस में जाएगी ये ये चारों तरफ क्या है ये किसके अंदर प्रेजेंट है पानी के अंदर प्रेजेंट है ये ओरिएंटेशन किसके अंदर है राजा बेटा ये ओरिएंटेशन आपका पानी के अंदर इसकी ओरिएंटेशन है साबुन के मोलिक्यूल की तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पेरिकल आयोनिक मिसेल ये कहते हैं अब लोग कहते हैं कि ये ये जो आयोनिक मिसल है, ये अपने शेप को मेंटेन कैसे रखता है? है it it मतलब ये ऐसा है, तो ये ऐसा तो झुंड ऐसा का ऐसा ही घूमता रहेगा ये झुंड कभी ऐसा 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 क्रेडा मेड़ा नहीं होगा ये ऐसा ही रहेगा क्यों मान लो कि ये मॉलिक्यूल ऊपर गया सेम चार्ज के धक्का खाएगा ये नीचे गया तो सेम चार्ज की वजह से धक्का गएगा तो सेम आयन स्पेज सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्शन होता है तो सब अपनी जगह पे बने रहते हैं ठीक है ना तो बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्शन बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्शन सोप मॉलिक्यूल्स सोप मॉलिक्यूल्स विल स्टे In form of missiles, ठीक है ये इसी फॉर्मैट में रहता है बिकॉज ये देखो सेम चार्जेस है नीचे आएगा तो धक्का खाएगा ऊपर जाएगा तो धक्का खाएगा तो दोनों तरफ से धक्का खाएगा तो अपनी ओरिजिनल जगह पे बना रहेगा क्लास नाइन्थ में कॉलॉइड में भी यही होता है पढ़ाए कॉलोइड सेम चार्जेस की वजह से पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते दे स्टे एट दियर ओरिजिनल प्लेस बिकॉज ऑफ द सेम चार्जेस बिकॉज जैसे नीचे जाने की कोशिश करेगा रिपेल्शन खाएगा ऊपर आ जाएगा ज्यादा ऊपर जाएगा तो रिपल्शन खाएगा इधर आ जाएगा साइड में जाएगा ज्यादा तो रिपल्शन खाएगा तो इधर आ जाएगा इधर ज्यादा जाएगा तो रिपल्शन खाएगा इधर आएगा तो अपनी ओरिजिनल जगह पे बने रहते हैं कोलाइड वैसा ही बिहेव कर रहे हैं ये ठीक है बेटा ठीक है तो सोप सल्यूशन एक्चुअली किसकी तरह बिहेव करता है सोप सल्यूशन सोप इन है ना That is soap solution. ये आपका क्या है ये आपका एक है है क्या है बेटा ठीक जी अब, सुनील भैया एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कर दो यार मजा आएगा यार भैया यार भैया यार तेल और पानी की यारी करा दो यार भैया यार भैया भै भै एक्सपेरिमेंट करा दो यार तेल और पानी की यारी करा दो यार भैया मेरा तो मन कर रहा तेल और पानी की यारी देखने का लो अभी कराते तेल और पानी की यारी देखो बेटा टेक अबाउट टेन मिली लीटर ऑफ वॉटर ईच इन टू टेस्ट ट्यूब एनसीआर की एक्टिविटी है छोड़ के चले जाओगे दिक्कत हो जाएगा टेक अबाउट दस मिली लीटर ऑफ पानी इन दो टेस्ट ट्यूब अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया ओपी एक टेस्ट ट्यूब उठाएंगे दूसरी उठाएंगे ये एक है ए एक है बी दस मिली पानी राजा बेटा ये कितना पानी है दस मिली पानी है अभी करके दिखाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा करके दिखाएंगे तो कितना है दोनों में दस दस मिलीलीटर पानी है और दोनों के अंदर एक एक ड्रॉप मैंने कुकिंग ऑयल की डाली है ठीक है बेटा कुकिंग ऑयल की डाली है टू टेस्ट यू बी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन आपने इसके अंदर और क्या डाला आपने इसके अंदर सोप सोल्यूशन भी डाला सोप सोल्यूशन भी डाल दिया सोप सल्यूशन डालिए डिटर्जेंट डालिए कोई दिक्कत नहीं है एक ही काम करते हैं अब क्या बोला नाउ शेक बोथ द टेस्ट विगरसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एक टेस्ट ट्यूब ये ए दूसरी बी 10 मिलीलीटर पानी एक ड्रॉप कुकिंग ऑयल की साथ में सोप सॉल्यूशन. दोनों को ऐसे शेक करना है सेम समय के लिए ठीक है और उसके बाद एंड उसके बाद क्या करना है वॉट डू यू ऑब्जर्व एन दियर लेफ्ट फॉर सम टाइम जब आपने थोड़ी देर छोड़ दिया तो क्या देखने के लिए मिलेगा आपने शेक किया एंड देन लेफ्ट फॉर समाइम तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा मेरा राजा बेटा मैं आपको करके भी दिखा दूंगा अभी ए बी यहां पर तो क्या होगा अगर आपने शेक किया और छोड़ दिया तो वापिस तेल ऊपर तैर के आ जाएगा अब ऐसा क्यों अरे तेल और पानी की दोस्ती नहीं होती ना यार ये नॉन पोलर या पोलर कह रहा हम तो दोस्ती नहीं करेंगे तुम तो भग जैसे ये अंटू और ये बंटू इनकी दोस्ती नहीं हो रही क्यों अंटू कह गहरा मैं पोलर बंटू कह गहरा मैं नॉन पोलर कह रहा हम तो नहीं निगुलेंगे हम तो नहीं निगुलेंगे तो तेल की डेंसिटी कम है तो पानी के ऊपर डांस करता रहता है ठीक है लेकिन यहां पर कुछ जादुई चीज हो गई जादुई चीज क्या हो गई सुनील बिया यहां पर तो इमल्शन बन गया ओ के हो गया भिया यह इमल्शन किसने बनाया इमल्शन टाइप ऑफ कोलोइड बन गया ए का बन गया भैया ए भैया बन गया देख राजा बेटा साबुन साबुन का एक सिरा कैसा है एक सिरा हाइड्रोफोबिक है और बेटा एक सिरा क्या है हाइड्रोफिलिक है हाइड्रोफिलिक क्या है वाटर लविंग है तो पानी में घुलेगा और ये वाटर फियरिंग है साथ ही साथ ये नॉन पोलर है तो किसमें घुलेगा सॉल्युबल इन ऑयल मतलब ये वाला सिरा तेल में घुल जाएगा और ये वाला सिरा सॉल्युबल इन वाटर ये पानी में घुल जाएगा क्या बात है अब देखो बेटा अंटू और बंटू की दोस्ती नहीं होती अंटू और बंटू की दोस्ती नहीं होती लेकिन मान लो मैं साबुन का मोलिकूल हूं तो मैंने कहा अरे अंटू तू मेरा दोस्त है ना मेरा हाथ पकड़ बंटू तू मेरा दोस्त है ना ले हाथ पकड़ देखो ये साबुन ये पानी इनकी दोस्ती नहीं हो रही लेकिन मेरी दोनों से पट्टी है hold my hand, hold my hand, लो चलो साथ में ये साबुन का काम है ये तेल को भी पकड़ लेगा और पानी को पकड़ लेगा क्या वो मैं तुम्हारी दोस्ती कराता हूं मैं ओपीआर समझ गया हाँ इसको क्या बोलते हैं इमलशन कहते हैं तुम्हारे घर में जो तुम दूध देखते हो दूध तो है दूध में 70 प्रतिशत पानी है फिर उसमें आता है वे प्रोटीन, प्रोटीन, फैट मॉलिक्यूल, अलग-अलग क्यों नहीं होते? क्योंकि दूध में साबुन के जैसा एक दोस्त है साबुन को यहां क्या बोलते हैं इम्यून एजेंट यानी दो विपरीत चीजों से दोस्ती कराने वाला इन दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती थी लेकिन क्योंकि साबुन के पास एक सिरा ऐसा है जो तेल में घुलता है और दूसरा सिरा ऐसा है जो पानी में घुलता है इसीलिए घोल दिया इसे इम्यूनसीफाइंग एजेंट बोलते हैं अब दूध में पानी है फिर उसके बाद वे प्रोटीन केसीन प्रोटीन फैट मॉलिक्यूल तो अलग क्यों नहीं होते दूध में भी एक इम्यूनसीफाइंग एजेंट है तुम्हारा जो मिल्क है इसके अंदर भी एक इम्यूनसीफाइंग एजेंट है और इसका नाम क्या है राजा बेटा इसका नाम क्या है राजा बेटा लैक्ट एल्ब्यूमिन इसका नाम क्या है राजा बेटा लैक्ट एल्ब्यूमिन करके दिखाएंगे मजा फिर पाएंगे आ जाओ ठीक है अब देखो तुमको एकदम ओपी लग रहा है क्या मजा आ रहा है क्या और है भाई साहब नो वॉइस चले कोई बात नहीं यहीं पे दिखा देते हैं आपको यहीं पे दिखा देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखिए ये बेसिकली यहां पर मैंने क्या किया इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी लिया और इसके अंदर मैंने तेल लिया पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं कर रहा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि तेल ऊपर तैर रहा है और ये पानी नीचे थोड़ी देर और रख दूंगा तो दिख जाएगा और यहां पर एक इमल्शन बन चुका है ये इमल्शन क्योंकि यहां पर है तेल पानी और सर्फ एक्सेल ठीक है आवाज अभी तो आ रही है यार पहले नहीं आ रही थी समझता हूं वो सीन स्विच करा था वहां पर ऑडियो में दिक्कत आया होगा अभी तो नहीं आ रहा होगा अभी तो नहीं आ रही आवाज अभी भी नहीं आ रही आवाज हेलो 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 आवाज आ रही है ना देखो फिर से देखो फिर से दिखाता हूं यहां पर मैंने तेल और पानी को लिया ठीक है मैंने तेल और पानी को लिया तो तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं करेंगे सस्पेंशन बनाएंगे तेल तैरेगा पानी नीचे रहेगा यह देखिए और यहां पर मैंने क्या किया था यहां पर मैंने लिया तेल प्लस पानी प्लस सर्फ एक्सिल देखिए तो यह बनेगा सस्पेंशन यह बनेगा कोलोइड देखो कलरलेस पानी नीचे आता जा रहा है और तेल ऊपर आता जा रहा है यहां पर आपका प्रॉपर इमल्शन बन चुका है क्लियर है बात क्लियर है बात देख रहे हो इसके अंदर मैंने तेल और पानी लिया इसमें मैंने तेल और पानी लिया तो तेल और पानी को शेक करने के बाद ये देखिए लेकिन इसमें मैंने तेल पानी और सर्फ लिया यह देखिए आपके सामने है ये देखिए समझ रहे हैं हाँ जी देख लो चलिए क्लियर है बात समझ में आ गई बात अब देखिए लास्ट दो टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप तो डिटर्जेंट के कुछ एडवांटेजेस हैं सोप्स के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं जल्दी से बता दीजिए ठीक है एक बार और करना है एक बार और करना है चलिए एक बार और कर देते हैं ध्यान से देखिए समझता हूं ऑडियो नहीं आई इसलिए दिक्कत आई होगी ये लो थोड़ा सा पानी डालो इसमें ध्यान से देखना पानी गया इसमें ये देखो ये पानी गया इसमें ठीक है यहां पर पानी गया देख रहे हो बराबर क्वांटिटी में पानी डाला है क्या मैंने बराबर क्वांटिटी में पानी डाला है हाँ अब देखो राजा बेटा दोनों में तेल डाल रहा हूं ये देखो एक में तेल डाला तेल ऊपर तैर रहा है क्या दिख रहा है तेल तैरता हुआ ये देखो दोस्त अब देखो राजा बेटा दूसरे में भी तेल डाल रहा हूं दिख रहा है क्या तैरता हुआ ये देखो दोस्त दिख रहा है हा दिख रहा है हाँ अब देखना एक के अंदर में सर्फ एक्सिल डाल रहा हूं मतलब साबुन है ना इसको डाल देता हूं अब यह देखो इसके अंदर ही डाल दिया ये डाल दिया सर्फ एक्सिल डाल दिया हां अब इन दोनों को अब एक में डाला एक में नहीं डाला और इन दोनों को अपन क्या करेंगे यहां पर शेक करेंगे ठीक है अब थोड़ी देर के लिए अगर इसको छोड़ देंगे तो आप यहां पर क्या देखेंगे ये देखो ये तो आपका यहां पर सोप सल्यूशन यानी जो आपने डिटर्जेंट डाला था या जो आपने साबुन डाला वो ऑयल और वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बना देगा इमल्शन बना देगा ठीक है क्या बना देगा इमल्शन बना देगा जैसा कि हमें यहां पर भी देखने के लिए मिल रहा है मैं आपको दिखा देता हूं देखिए इमलशन और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए तेल और पानी की लेयर थोड़ी देर के बाद सेपरेट हो जाती है जैसे यहां पर भी सेपरेट हो रही है यह है ठीक है तो तेल और पानी की दोस्ती किसने कराई तेल और पानी की दोस्ती कराई साबुन ने क्लियर जी अब पहली चीज ध्यान से सुनना सोप डू नॉट वर्क वेल विद हार्ड वॉटर वर्क वेल विद हार्ड वॉटर पहले हार्ड वॉटर कौन है हार्ड वॉटर का मतलब होता है कि वो पानी जिसके अंदर आपके पास हैं या हैं। पर ये सॉल्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ कुछ रीजन में अच्छे भी हैं जैसे इसी को आप नापते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड टी होना चाहिए पानी में है ना बॉडी की मिनरल रिक्वायरमेंट पूरी करता है याद होगा बॉइलिंग से नहीं उड़ती सेकेंड चैप्टर में आता है वॉशिंग सोडा से उड़ती है ना? काफी सारे रिमूवल के मैथड इनकी अब टेम्पररी हार्डनेस होती है किसकी वजह से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से आपकी टेंपररी हार्डनेस होती है और परमानेंट हार्डनेस होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है सो so, इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस इसकी वजह से टेंपररी हार्डनेस क्या बात है मजा आ गया परमानेंट हार्डनेस को के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं टेंरी हार्डनेस हटाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं बॉइलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कैल्सियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैं। तो है, ये ये। इसलिए बोला क्योंकि हीट करने से उड़ जाएगा बॉइलिंग करने से उड़ जाएगा परमानेंट यानी कि बॉइलिंग करने से भी नहीं हटेगी हार्डनेस ठीक अब होता क्या मेरे दोस्त सोफ डो नॉट वर्क वेल विद हार्ड वॉटर क्या मतलब है इसका यह मतलब है डोंट फॉर्म लेदर और फोम तो साबुन का जो काम है ना भाई मैं नहाने गया है ना यह मान लो कपड़े धोने गया अब अगर हार्ड वाटर होगा तो झागी नहीं बनाएगा झागी नहीं बनाएगा तो क्या करेगा फिर ये क्या बहुत ज्यादा फ्रेंडली है ये पानी में सॉल्ट सोल्ट जाके बातें करेगा ओ दोस्त हाउ आर यू इनसे बातें करेगा क्या करेगा इनसे बातें करेगा टाइम वेस्ट करेगा जैसे तुम करते हो टाइम वेस्ट करेगा मतलब सोडियम स्टेरेट हो गया क्या नाम है इसका सोडियम स्टेरेट है ना अब देखो टाइम वेस्ट कैसे करता ही है ये देखो और ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा अगेन ये कटायन और ये आपका अनायन हो जाएगा यहां पे लिखो यहां पर लिखो ये बेसिकली क्या हो जाएगा ये बेसिकली आपका अनायनिक पार्ट कटैनिक पार्ट कटायन अनाइन एक्सचेंज मारना बेटा तो सी सेवन एच थर्टी फाइव सी डबल के साथ जाएगा जाएगा तो क्या हो जाएगा? C H C all twice Mg क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी टू है इसकी वैलेंसी तो वन है तो ये मैग्नीशियम स्टियरेट बना देगा और साथ में क्या बनेगा प्रोडक्ट याद करने की कभी भी जरूरत नहीं होती है NaCl बन गया अब ये क्या है वाइट प्रसिपिटेट होता है कैसा प्रेसिपिटेट होता है वाइट इसको बोलते हैं डी वाइट प्रसिपिटेट दही जैसा सफेद प्रसिपिटेट होता है इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं स्कम मैंने ये नहीं बोला गम गम नहीं जो तुम्हारे जीवन में गम है वो नहीं स्कम ठीक है उसी प्रकार ये सोप का मॉलिक्यूल क्या करता है मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो अब यहां पर कैल्शियम स्टेरेट का निर्माण कर देगा मतलब क्या करेगा फिर स्कम का निर्माण कर देगा मतलब ये क्या कर रहा है इसका मेन काम था झाग बनाने का सफाई करने का वो छोड़ के हार्ड वाटर के सॉल्ट के साथ बातें करने लग जा रहा है और यहां पर वेस्ट होगा तो आपका सोप सोप वॉन्ट फॉर्म लेदर टिल इट फॉर्म्स कम विद ऑल डिजॉल्व सॉल्ट्स जब तक ये सारी की सारी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके कम नहीं बनाएगा तब तक झाग नहीं बनाएगा क्या मैं बहुत बॉय नोटिवय मैं तो नहीं बनाऊंगा अब तुम्हारे पानी से सारे डिजॉल्व सॉल्व चलेगा तो पानी सॉफ्ट वॉटर बना झाग बना देगा लेकिन डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं है डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं है डिटर्जेंट के साथ क्या है डिटर्जेंट डिटर्जेंट मेक्स लेदर विद हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट वाटर तुम हार्ड वाटर लाओ सॉफ्ट वाटर लाओ कोई भी पानी लाओ डिटर्जेंट बोलता है लो भैया कपड़े धो दूंगा मैं जो धोना है धो दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी बात डिटर्जेंट्स कैन बी यूज इन दसिडिक मीडियम बट सोप्स कैन नॉट बी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे राजा बेटा मान लीजिए आपने वुलन क्लोथ पहने हैं कौन से क्लोथ वुलन क्लोथ अब वूलन क्लोथ में कौन सी डाइज होती है एसिडिक डाइज होती है अब अगर इनमें एसिडिक डाइज होती है तो इसके लिए आपको डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा आप सोप यूज नहीं कर सकते सोप का एक्शन ब्लॉक हो जाता है एसिडिक मीडियम में इसका वर्किंग ब्लॉक हो जाती है एसिडिक मीडियम में तो आप इसको यूज नहीं कर सकते डिटर्जेंट को यूज कर सकते हो तो डिटर्जेंट को यूज करने के दो एडवांटेज अब सोप का डिटर्जेंट पे एडवांटेज क्या है कि ये सोप जो है 100% बायोडिग्रेडेबल है लेकिन डिटर्जेंट नहीं है बायोडिग्रेडेबल मतलब बैक्टीरिया इसको बैक्टीरिया इसको बैक्टीरिया बैक्टीरियांपोज कर देगा ठीक है ना तो सोप्स हंड्रेड परसेंट बायोडिग्रेडेबल है डिटर्जेंट्स नहीं है अब इसके पीछे भी कारण है कारण हर चीज का बताऊंगा सोप्स आपके स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिस वजह से बैक्टीरिया उसको इजिली डिकम्पोज कर देता है कि हाँ भाई तेर को तो निपटा दूंगा मैं लेकिन डिटर्जेंट को निपटाने में बहुत समय लगता है क्यों क्योंकि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है अब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन प्यारे बच्चों लेक्चर में पढ़ा चुका हूं तो बैक्टीरिया को काफी ज्यादा सम... लंबा समय लगता है इनको डिकम्पोज करने में और ये पानी के अंदर बने रहते हैं स्टेज इन वॉटर स्टेज इन वॉटर फॉर अ लॉन्ग टाइम पानी में ज्यादा लंबे समय तक बने रहते हैं तो यह वॉटर पॉल्यूशन का भी एक सोर्स माना जाता है

एक बार आए भैया तो लगा दो यार नौ घंटा दस मिनट पूरी एनसीआरटी खत्म एनसीआरटी से काफी ऊपर तक हम पढ़ चुके हैं एनसीआरटी खत्म इंटेक्स ओवर एक्सरसाइज ओवर एग्जाम्पलर ओवर सैंपल पेपर ओवर प्रीवियस ईयर के मेजरली सवाल आपको करा दिए अब एक्सरसाइज के सवाल लगाओगे तो आसान लगने लगेंगे आए भैया लिख देना एक बार ठीक है बस आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा पूरा लेक्चर देखने की कोशिश करना आप ही के लिए अच्छा है मैंने अपना सौ परसेंट देने की कोशिश करी है ना जितना मैं नौ घंटा ग्यारह मिनट में दे सकता था देखिए पढ़ाने के लिए इस चैप्टर में बहुत कुछ है मैंने अगेन कहा एनसीईआरटी को इस चैप्टर का फ्लो बनाना आया ही नहीं ना कल आया था ना आज आया ना शायद अगर बुक चेंज होगी तब तक नहीं आएगा वो फ्लो टूटा टूटा फ्लो है एक कंसेप्ट इधर से एक उधर से एक इधर से एक उधर से एक उधर से और जोड़ के किताब बना दी एक चैप्टर बना दिया तो उसको जब जोड़ के हम पढ़ते हैं तो इसीलिए हमारा समय ज्यादा लगता है वर्ण आपको रटना पड़ेगा तो कम समय में जितनी ज्यादा चीजें बता सकता था मैंने बताने की कोशिश करी है मुझे नहीं पता क्या आप लोगों को यह लंबा सेशन होने की वजह से अच्छा लगा या बुरा लगा है उम्मीद यही करता हूं कि चीजें आपको अच्छी लगी चीजें आपको बेहतर लगी और मैंने आपको ये चीज कही थी कि ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई जब मैं आज आ रहा था तो आते समय हमेशा मैं बजरंगबली महाराज को बोलता हूँ कवन सुकाज कठिन है जगमाही जो नहीं होए तात तो तुम पाई कैसा कौन सा काम है बजरंगबली महाराज जो आपके लिए इम्पॉसिबल है मुश्किल है कठिन है आज मुझे ताकत देना आप ताकि मैं उन्हें आठ नौ घंटे दस घंटे जितना भी हो ईमानदारी से पढ़ा सकूं मतलब बिना थके पढ़ा सकूँ थकूँ नहीं और उनकी कृपा आ रही मैं आपको पढ़ा के जा रहा हूं जब आप पढ़ने बैठे इसीलिए लेक्चर पे मैंने स्टार्ट किया था जिस भी सोर्स पे विश्वास करते हो उसका नाम लेकर पढ़ने बैठना और त्याग करना सीखना आप लेक्चर को बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे ये सारी मेहनत फिजिक्स वाला और मैं सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए ना सोचे मैं शायद मार्क्स पे कभी फोकस नहीं करता मैंने हमेशा आपको बोलाज नॉलेज होगा तो मार्क्स अपने आप आएंगे एवरीथिंग इज ऑलवेज सेकेंडरी ज्ञान इज ऑलवेज प्राइमरी ज्ञान हमेशा आपको शक्ति देता है ज्ञान इस शक्ति नॉलेज इज पावर नंबर कभी शक्ति नहीं देते नंबर अगर शक्ति दे रहे होते तो भारत का हर टॉपर आज बिलीनियर होता बहुत टॉपर घूमते दसवीं के ग्यारहवीं के बारहवीं के कुछ नहीं होता नंबरों से और नॉलेज में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है एक्चुअली में बहुत कम केसेस में होता है कि वहां पर रिलेशनशिप हो कैसे रटके भी तो नंबर ला सकते हैं ना इसीलिए तो आप ज्ञान पर फोकस करना नॉलेज पर फोकस करना नंबर अपने आप बाय प्रोडक्ट है साथ में आ जाएंगे और कहते हैं मेरे दोस्तों शिक्षा वह शे, शेरनी का दूध है शिक्षा शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा तो शिक्षा पे फोकस करिए बस यही आज के लेक्चर का ज्ञान था आपका शिक्षा वह शेरनी है जो जितना पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा बस अपने जीवन में यह बात को याद रखना और जैसा मैं आपको बोलता हूं Hashtag, आपके सुनील भाई आपके साथ है आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिजिक्स वाला ये हमेशा आपके साथ है मेरे दोस्तों तो जब एसबी साथ है और पीडब्ल्यू साथ है तो मुश्किल कोई बात नहीं है दोस्तों मिलते हैं अब अगले लेक्चर में दोस्तों तब तक के लिए हमने ध्यान रखिए दोस्तों खुश रहिए स्टेल्दी स्टे ऑफ समेज से जय जय फिजिक्स वाला जय हिंद जय भारत वंदे मातरम राधे राधे